हेलो बच्चों क्या हाल है आप लोगों के कैसे हो तुम सब लोग <coughs> जल्दी से बताइए क्या मेरी आवाज आप लोगों तक बेटा पहुंच रही है क्या सब अपना कनेक्शन बढ़िया है कि नहीं है लेट ओपी भाई तुम्हारा तो डायलॉग यही है स्टार्ट करते ही बेटा बस लेट ओपी लेट ओपी करते हो तुम <laughs> ये नहीं देखते कि बेटा चार बज बच, पांच बजते ही देखो आ गया मैं बिल्कुल रेडी तुम्हारे सामने हाँ जी हैप्पी बर्थडे सर अच्छा मेरा बर्थडे यार आज मुझे नहीं पता यार कमाल है बेटा ये कैसी बात हुई मेरा बर्थडे कहां से आया भाई आज गलत फहमी हो गई है तुझे कोई हाँ भाई लेट ओपी लिखना बंद करो लेट ओपी लिखना बंद करो अब आ गया हूं मैं तुम्हारे सामने बुरा हाल है सर एक लिख रहा है बुरा हाल है कोई बात नहीं यार मैं आ गया हूं ना तेरा हाल बढ़िया करने कोई दिक्कत नहीं है ट्वेल्थ का पूरे टॉपिक्स एक एक करके रिवाइज करेंगे एक एक करके जेई के क्वेश्चन फोड़ेंगे और जिसने आज का सेशन देख लिया ये समझ ले कि 10-12 क्वेश्चन तो सिमिलर कॉन्सेप्ट के कल तुझे दिखेंगे ही अपने पेपर के अंदर सर <laughs> इतना कॉन्फिडेंस यार देख जेई मेंस की पुरानी आदत है वही घुमा फिरा के वही सारे एक जैसे से सवाल देते हैं छोटा मोटा वैल्यू चेंज कर लेंगे इधर से उधर वैल्यू घुसा देंगे तो वैसा ही कुछ आज हम प्रैक्टिस करेंगे पूरे सेशन में बहुत मजा आएगा आज तो क्या तुम तो लोग तैयार हो जल्दी बताओ तैयार हो कि नहीं हो सर एंजाइटी हो रही है देख लाजमी है यार ये सब चीजें देख इस समय यह चीजें इस समय बहुत ही नेचुरल है बहुत ऑब्वियस है देख कोई भी ये बोल दे आके मैं भी बोल दूं कि यार ये की तैयारी करी है तूने दो साल या एक साल अब टेंशन मत ले बेटा आराम से पेपर दे बोलना कितना आसान है बोल दिया सर आपने हो गया बट इतनी आसानी से थोड़ी हो पाता है टेंशन तो होती है भाई जब पेपर देने जाते हैं जब पेपर नज़दीक आता है तो स्ट्रेस लेवल बढ़ता है और फिर उसको कंट्रोल करना जिसे आता है एक होता सबको है कुछ लोग होते हैं मेंटली स्ट्रांग जो उसको कंट्रोल कर लेते हैं जो उसको जब मैं दिमाग में वो चीज़ें आ रही होती है तो उसको पॉजिटिव चीज़ों के साथ सोच पॉजिटिव सोच के साथ भरते हैं और फिर अल्टीमेटली अपने थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव करते हैं और फिर वो नेगेटिव थॉट्स या एंगजाइटी अपने दिमाग से चले जाता है तो अगर आपके भी दिमाग में अगर एंग्जाइट आ रही है ये फील हो रहा है कि अरे यार मैंने कल है परसों है मेरी तो ये छूट गया मेरा तो वो छूट गया उसको पॉजिटिव री करो मतलब पॉजिटिव चीज़ें सोचो उसके बदले कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको लगता है मेरे पांच चैप्टर छूट गए अब लास्ट में देख पांच चैप्टर करने का तो समय है नहीं है ना तो ये सोच कि यार पांच छूट भी गए हैं तो जो बचे हुए चैप्टर हैं उसको मैं कैसे उनके क्वेश्चंस फोड़ सकता हूं कैसे मैं उनके क्वेश्चंस कर पाऊंगा कि मैं एग्जाम में भाई उन पांच में से नहीं बचे हुए चैप्टर में से कर लूंगा अल्टीमेटली बारह तेरह क्वेश्चंस तो उसमें से भी कर सकता हूं ना बचे हुए में से तो दैट इज ट इज द होल वे किस तरह से हमें पॉजिटिवली सोचना है फिर एक थॉट यह आता है कि सर नहीं हुआ तो, तो सबसे पहले सवाल पूछो क्यों नहीं होगा क्यों नहीं होगा भाई क्या तूने पढ़ाई नहीं करी अगर तो पढ़ाई नहीं करी भाई फिर नहीं होगा फिर तो देख इसके आगे तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है बट अगर पढ़ाई करी है ढंग से प्रिपरेशन करी है और फिर यह सोच रहा है क्यों नहीं होगा तो ये सोच क्यों नहीं होगा होगा बिल्कुल होगा भाई क्यों नहीं नहीं क्यों नहीं होगा क्यों होगा की जगह बोलो क्यों नहीं होगा बिल्कुल होगा है ना भाई लो वॉल्यूम बेटा जरा वॉल्यूम अपनी तेज कर ले मेरी तरफ से तो वॉल्यूम पूरी है हाँ परफेक्ट है भाई वॉल्यूम हमें बता दिया गया है तुम अपनी वॉल्यूम ठीक करो बेटा जो बार बार लिखे जा रहे हैं हाँ सर हंस दो प्लीज अच्छा लगता है अरे बेटा भी हंसेंगे ही पूरे टाइम हंसना ही है बट इंपॉर्टेंट है आज देख बेटा पहले इंपॉर्टेंट बातें और जो सीरियस बातें वो करनी जरूरी है क्योंकि कल से पेपर शुरू हो रहा है बच्चों का जेई मेन टू और पहला जेई मेन काफी लोगों का अच्छा हुआ होगा काफी लोगों का खराब हुआ होगा तो इसलिए उनको गाइडेंस देनी जरूरी है काफी सारे बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि सर सर आशीर्वाद दे दीजिए आशीर्वाद तो बेटा मेरा हमेशा तुम्हारे साथ है जहां जहां तुम जाओगे लाइफ में हमेशा मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा ठीक है एक स्टूडेंट के लिए एक टीचर के लिए देखिए इससे अच्छा तो बेटर कुछ हो ही नहीं सकता कि उसके पढ़ाए हुए बच्चे अगर लाइफ में अच्छा करें तो उससे बेटर उसको कुछ नहीं चाहिए यार लाइफ में ठीक है तो तुम्हारे माँ बाप हैं उनका आशीर्वाद लो जरूर जाने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट है अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लीजिए गुरु का तो आशीर्वाद ले ही लिया आप लोगों ने टीचर्स का उसके बाद आता है नंबर चलिए चश्मा कहाँ गया सर अब तू तु चश्मा तुझे चश्मे की पड़ी है मेरे तेरा कल जेई का एग्जाम है और कल से शुरू हो रहा है और तू बोल रहा है च चश्मा कहाँ है आपका <laughs> तेरा सारा दिमाग चश्मों पर है हैं लगता है तू बेटा तू बेटा 2025 वाला है या बड़े फुर्सत में है है ना अभी तो तेरे में टाइम है इसलिए तुझे लग रहा है सर का चश्मा ही पूछ लूँ कहाँ है या दो वाला भी हो सकता है तो नए नए आ गए हाँ नए नए झुंझुना भी आ चुके हैं हाँ <laughs> झुंझुना मतलब समझ रहे हो ना बेटा हाँ अर्जुना नया नया अर्जुना जो नए नए अभी पैदा हुए हैं अर्जुना में झुंझुना लेके बचपन में लेते हैं ना झुंझुने से खेलते हैं जो आई लव यू सर दिल से आई ऑल्सो लव यू बेटा दिल से चलो भाई तो जल्दी बताइए क्या आप लोग रेडी हैं कुछ लोग ड्यूरेशन ड्यूरेशन चिल्ला रहे हैं बेटा तेरा ड्यूरेशन तू तो कल पहले जाइ है मेन कितनी देर का है ड्यूरेशन उसका बता मुझे ठीक है हाँ जेई मेन के एग्जाम की ड्यूरेशन फिक्स होती है पढ़ाई की ड्यूरेशन फिक्स नहीं होती है जितनी मेहनत कर सकता है उतनी कर आज के लेक्चर में भी यार अब देख पूरी ट्वेल्थ रिवाइज़ करानी है पहले से तो बता नहीं सकता इतने घंटे कैलकुलेट करके तो मैं आया नहीं हूं बेटा है ना कोई पहले से रिहर्सल करी हुई स्क्रिप्ट तो है नहीं कि जो आके मुझे सीधे बोल देनी है तीन घंटे की मूवी है बेटा बाहुबली चार घंटे की है बेटा समझ गया ब्रह्मास्त्र ऐसे थोड़ी है शूटिंग थोड़ी हो रही है यहाँ पे बेटा लाइव चल रहा है तो देखेंगे कितनी देर की हो पाएगी पिक्चर उतनी देर चलाते रहेंगे जब तक है जान जब तक तुम में जान देखेंगे तब तक खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे ट्वेल्थ के जेई मेन के सारे क्वेश्चंस आज के सेशन में पीवाई ही होने वाले हैं राइट 2024 के मेनली जो फर्स्ट सेशन में आए हैं वो पी कराऊंगा आपको कुछ 2023 के जो मुझे ऐसा लगता है कि हायर दो हजार में अभी तक नहीं पूछे गए हैं बट काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि सेकेंड अप्रैल वाले सेशन में पूछा जाना तय है वो भी आपको मैं कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन करवाऊंगा ठीक है भाई हाँ। चलिए सर स्टार्ट क्या किया जाए बिल्कुल बेटा स्टार्ट किया जाए सब लोग रेडी हैं भाई फुल जोश के साथ देख रेडी होना है और मैं पहले ही बता देता हूं डिस्क्लेमर इस सेशन में यह मत सोच लियो कुछ महान लोग हमारे बीच ऐसे भी जुड़े हैं जिन्हें लगता है कंप्लीट क्लास ट्वेल्थ लिखा अरे भाई साहब मजा ही आ गया पूरे साल भर तो मैंने पढ़ाई करी नहीं थी लक्ष्य बैच में आज के दिन एक दिन पढ़ाई करूंगा और पूरी साल ट्वेल्थ क्लास को फोड़ दूंगा तो बेटा तू फोड़ेगा नहीं तो फूट जाएगा पहले ही बता रहा हूं पूरा वन शॉट का मतलब ये नहीं है कि पूरी क्लास पूरा साल पूरी ट्वेल्थ क्लास अगर मैं एक दिन में करवाने वाला हूं तो वो रिवाइज करने वाले हैं तो आज के सेशन में बिल्कुल भी यह मत सोच लेना कि मैंने तो यह चैप्टर पढ़ाई था चलो यहां से पढ़ लेता हूं पढ़ के बैठा है तब तेरे को रिवीजन के लिए ये वाला सेशन देखना है इंपॉर्टेंट है कि आपको जो टॉपिक्स पढ़ चुके हैं उसके एप्लीकेशन में आपको कराऊंगा कि यार देख तूने ये ये पढ़ा था, कैसे ने ऐसे तुम्हें थॉट प्रोसेस वगैरह बनवाएंगे ठीक है हाँ। गया बेटा? तो जो लोग है ना ट्वेल्थ वेस्टेड और ये सोचे कि भैया चलो ट्वेल्थ का वन शॉट मिल रहा है कर ही लेता हूं यहां से वीडियो देख लूंगा ठीक है तो ये पहली गलती दूसरी गलती है कि भाई साहब हम तो सर वीडियो देखेंगे सर पेन पेंसिल की क्या जरूरत है पेन पेपर क्यों लेके बैठे हम तो सर आपको देखेंगे और आप कैसे कर रहे हो वो समझते जाएंगे बस ठीक है बेटा बहुत अच्छी बात है समझता जाएगा समझता जाएगा और सर मुझे तो समझ आ जाता है बड़ा मजा आता है बड़े ओपी हो सर आप भी मैं भी ओपी हूं मेरे को सब समझ आ जाता है तो बेटा एग्जाम में तूने समझना नहीं है तूने खुद करना है अभी भी अगर तू खुद से पेन नहीं चलाएगा और सिर्फ वीडियो देखता रहेगा मूवी देखता रहेगा पिक्चर देखता रहेगा तो बेटा एग्जाम में तेरे को कोई पिक्चर थोड़ी देखनी है वहां वहां तेरे को बैठ के समझना नहीं है कि सोल्यूशन प्रोवाइड करा दिया गया समझिए भाई साहब गलती निकालिए इसमें ऐसा तो नहीं होगा ना खाली ब्लैंक शीट है उसमें तुझे भरना है तो वो कैसे भर पाएगा जब खुद से बेटा पेन चलाने की आदत होगी तो आज के सेशन में शॉर्टकट में अगर बात बोलूं तो सभी बच्चे अपना पेन चलाएंगे एक एक क्वेश्चन में खुद से दिमाग चलाएंगे जहां पे फंस रहे हैं हिंट देखेंगे अच्छा सर ने क्या बोला है और खट से फिर अपना सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और जहां तक हो सके खुद से सॉल्व करना ये नहीं सोल्यूशन समझ रहे हो बैठ के उससे कोई फायदा नहीं होने वाला कोई फायदा नहीं होने वाला ऐसे जेई क्लियर नहीं होती कि शॉर्टकट मारो सिर्फ सोल्यूशन समझो लेट गए आराम से सर हाँ आराम से सर गर्मी में लेट गया हूँ एक तरफ चल रहा है आई एक तरफ सर आपका वीडियो आराम आराम से समझ रहा हूँ सर सब समझ आ रहा है उधर मैच भी देख रहा हूँ सर ऋषभ पंत की बैटिंग हाँ ऐसा <laughs> मत करियो बेटा समझा ना सर कॉन्सेप्ट भी होंगे क्या अरे बिल्कुल होंगे बेटा क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट पढ़ूंगा पकड़ूंगा स्लाइड्स भी लेकर आया हूं जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं वो सब स्लाइड्स में लिखे हुए हैं ऑलरेडी ताकि तुम्हारा टाइम बचे बताने में मैं उसको लिखूंगा पूरे फॉर्मुलेस को पूरे कॉन्सेप्ट को तो समय बर्बाद होगा पहले से वो लिख दिया है मैंने ताकि तुम्हें पता हो जैसे मान ले जैसे लेबिनेट्स रूल है ना न्यूटन लेबिनेट्स लॉ होती है तो वो मैंने एक स्लाइड में लिखा हो ताकि तुम्हें क्विक से एकदम से याद आ जाए थ्योरी भी साथ साथ करेंगे ठीक है भाई सर चालू करो अरे मेरे गुरु कर रहा हूं कर रहा हूं बेटा इतने घोड़े पे सवार मत रहे कर रहा हूं अभी तो नौ मिनट हुए हैं मुझे आए तू बात भी नहीं करने देगा क्या ये बता हाँ सर मैथ्स बहुत वीक है कोई बात नहीं अभी बस क्वेश्चंस अटेम्प्टिंग देख किस तरह से की जाती है अगर पहले तूने पढ़ रखा होना चाहिए थ्योरी तो प्रॉब्लम सॉल्विंग तूने इसका मतलब कम की है प्रैक्टिस कम की है इसीलिए मैथ्स वीक कह रहा है सर आपसे डाउट कैसे पूछूं डाउट पूछना था तो वहां तो तूने ये डाउट पूछ लिया कि डाउट कैसे पूछूं अगर वहां डाउट पूछ लेता तो मेरे तेरे डाउट का आंसर भी कर देता <laughs> समझा नहीं समझा सर बस डाउट डाउट सुनाई दिया बाकी तो कुछ समझा नहीं हां पोल करवाओगे सर बिल्कुल करवाऊंगा एक लगा पड़ा है इतनी देर से चाइनीज ब्रश यूज कर लो सर अच्छा तू चाइना का कोई स्पॉन्सर है क्या बेटा तू है चाइना की मिनिस्ट्री से आया है क्या तू तु? तुझे चाइनीज ब्रश को प्रमोट करना है यहाँ पे भाई चाइनीज ब्रश कर लूंगा यूज बस खुश है तू चाइनीज ब्रश यूज कर लूंगा तो जो चाइनीज ब्रश में ही मजा आता है तू पक्का बेटा तू पक्का अर्जुना है <laughs> चलो भाई स्टार्ट किया जाए स्टार्ट किया जाए अब सब लोग रेडी हैं फुल जोश के साथ स्टार्ट करेंगे तो क्या क्या करने वाले हैं आज जैसा कि तुम्हें पता ही है भाई सामने ही लिखा है ट्वेल्थ के सारे टॉपिक चिपका दिए हैं यहां पे मैंने एक एक चैप्टर चुन चुन के पकड़ा जाएगा और चुन चुन के सवाल किए जाएंगे <laughs> समझा एक एक चैप्टर देख डिटर्मिनेंट से शुरू करेंगे हम कहानी सबसे आसान चैप्टर से डिटर्मिनेंट मेट्रेस जिसका सवाल तो भाई देख जिस इंसान ने हमारे भाई या बहन ने जिसने जेई की तैयारी नहीं भी कर पाया किसी भी कारणवश बट स्कूल की भी तैयारी करी है वो भी इसका सवाल तो इजीली फोड़ सकता है ठीक है तो वो चैप्टर कौन कौन से बता देता हूं जिनका सवाल जिन लोगों ने पढ़ाई ज्यादा नहीं करी वो फोड़ सकते हैं ये दोनों और उसके बाद ये वाला उसके बाद ये वाले और आज

और ना ही कोई स्टोरी फिक्स है ना स्टोरी में कोई ट्विस्ट है सारे के सारे ट्विस्ट तुझे पता ही है क्या होने वाले हैं तो इसलिए जितने टाइम लगेगा उतने लगा लेंगे जब तक है जान एक ही होता है ड्यूरेशन चल बेटा सर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की बिल्कुल भी अरे यार ऐसी गलती मत किया कर यार अब तो कर दी अब गलती अब तू तो क्या लास्ट दिन एक दिन में थोड़ी ना पहाड़ तोड़ लेगा ये बता जितना कर सकता है कर ले अब आज की क्लास में हाँ चल बेटा स्टार्ट करें स्टार्ट कर रहे हैं स्टार्ट कर रहे हैं सर आई एम रेडी रेडी वेरी गुड एक बार जल्दी से चैट पे लिख के बता दो सब लोग रेडी लिख कर भेज दें सो so दैट मुझे पता लग जाए सब लोग पेन पेपर लेकर बैठ गए हैं और सिर्फ वीडियो नहीं देखने वाले हैं जो भी बच्चे पेन पेपर लेकर बैठ गए एक बार जल्दी से चैट पे या तो रेडी लिख दो या दिल बना दो यार जो तुम्हें इजी लगे दिल का मतलब भी मैं समझता हूं हाँ ही है बनाओ भाई लाल दिल काले दिल पीले दिल नीले दिल जो दिल बनाने हैं बनाओ रेडी सर रेडी 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 वेरी गुड वेरी गुड देखो जोश आ गया मुझे आज वैसे मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब थी सही बताऊं तो क्लास मैं सोच रहा था ले पाऊंगा नहीं ले पाऊंगा बट तुम्हारे बैच में आते ही देखो एक एक तो ऑनलाइन क्लासेस का वो है बेटा क्योंकि तुम लोगों से जैसे कनेक्ट होते हैं इतने सारे बच्चों का प्यार मिलता है एक अलग ही एनर्जी आ जाती है बॉडी के अंदर आज मेरे काफ़ी पेन था यहाँ लोअर रिब केज में पता नहीं क्यों कल रात से कल शाम से है बट जैसे ही तुम्हारी क्लास में आए एनर्जी आ गई है बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा दर्द और अब इसी तरह से अगले आठ नौ घंटे कोशिश करेंगे कि इसी तरह से चलते रहें रेडी सर शाबाश बहुत बढ़िया काफी कलरफुल दिल आ गए हैं अलग अलग रंग बिरंगे दिल आ गए हैं शाबाश चलिए तो स्टार्ट करेंगे बेटा सबसे पहले डिटरमिनेट्स के क्वेश्चन तो देखो में दो ही चीजों पे सवाल पूछे जाते हैं तीन चीजों पे एक प्रॉपर्टीज हल्की फुल्की प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमेंट आनी चाहिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेट ठीक है भाई मैं लिख रहा हूं यहां पे उसको अभी सवाल में लगाऊंगा तो बता दूंगा सर प्रॉपर्टी तो डिलीट कर दिया है बेटा दि, जेई ने डिलीट जो भी करा है उसमें से 50 परसेंट से ज्यादा चीजें फर्स्ट जेई मेन में पूछी हैं तो प्रॉपर्टीज पर भी क्वेश्चन आया था उसके बाद डिफरेंसिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट की अगर एक एफेक्ट के टर्म्स में डिटर्मिनेंट दिया है उसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं एक रो एट अ टाइम डिफरेंशिएट करते हैं राइट और थर्ड क्रैमर्स रूल रूल क्या होता है वो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का डिटर्मिनेंट मेथड तो इन तीनों पे क्वेश्चन आया है फिर से वही तुम्हें करवाऊंगा एक एक करके देखते हैं जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ये देख लेते हैं भाई देखो क्या है डिटर्मिनेंट है सीधा सीधा हाँ डिटर्मिनेंट है सीधा सीधा एल्फा द वैल्यू ऑफ एल्फा फॉर विच दिस इज इक्वल टू जीरो लाइज इन द इंटरवेल हाँ चीज जीरो हो रही है तो अल्फा की वैल्यू किस इंटरवल में लाए कर रही है सवाल सिंपल सा है बेटा कि अगर यह डिटर्मिनेंट जीरो है तो अल्फा की वैल्यू किस रीजन में लाए करेगी तो हम एक काम करते हैं यार ये तो सीधा सीधा ही दिख रहा है वैसे तो तू थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी खेल खेल सकता है प्रॉपर्टी का खेल भी खेल सकता है बेटा खेल लेते हैं चलो आर को आर वन माइनस कर देता हूं आर को आर वन माइनस कर देता हूं तो वन माइनस वन जीरो थ्री बाई टू माइनस वन बाय थ्री और इधर आ जाएगा अल्फा अल्फा कटेगा थ्री बाई टू माइनस वन बाई थ्री जैसे मर्जी कर लो मतलब इसमें तो तुम तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है डायरेक्ट एक्सपेंशन करना है डायरेक्ट एक्सपेंशन कर दो बस अल्फा को सॉल्व कर दो बेटा इतना इजी क्वेश्चन आया है जिसकी कोई हद नहीं है मतलब सीधे सीधे अब देख ये वाला नंबर जो भी फालतू की चीज है कॉमन आ गया फर्स्ट रो में से तो फर्स्ट रो में से कॉमन आ गया और जीरो में क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो जीरो वन 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 बाई थ्री एल्फा प्लस वन बाई थ्री एल्फा प्लस थ्री थ्री एल्फा प्लस वन जीरो और अब इस डिटर्मिनेंट को ओपन कर दिया जाए ठीक है भाई जल्दी से इस डिटर्मिनेंट को ओपन कर देते हैं ये देखिए है क्या आएगा जैसे ही डिटर्मिनेंट ओपन होगा फास्ट रो के लोगे एक्सपेंशन जीरो माइनस जीरो इंटू एनीथिंग जीरो हो गया फिर आएगा माइनस वन इंटू दिस इन टू एल्फा प्लस वन बाई थ्री आ जाएगा माइनस वन इंटू माइनस ऑफ दिस माइनस माइनस कट गया वन इंटू दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस तो प्लस वन इंटू थ्री एल्फा प्लस वन माइनस वन बाई थ्री इंटू टू एल्फा प्लस इधर लिख देते हैं जगह कम पड़ गई है प्लस वन इंटू थ्री एल्फा प्लस वन माइनस वन बाई थ्री इंटू टू एल्फा प्लस थ्री चलिए अब जल्दी से इसे एक्सपैंड कर देते हैं जल्दी से इसे एक्सपेंड कर देते हैं बेटा तो हमारे इक्वल टू जीरो भी है इक्वल टू जीरो भी है सो टू अल्फा स्क्वायर प्लस थ्री अल्फा प्लस टू अल्फा बाय थ्री प्लस वन इसको खोल दिया ब्रैकेट को इक्वल्स टू सॉरी प्लस थ्री अल्फा प्लस वन माइनस टू अल्फा बाय थ्री माइनस वन बराबर जीरो टू बाय थ्री कट गया और ये भी कट गया बेटा वन और माइनस वन भी कट गया देख तो हमारे पास बचा टू अल्फा स्क्वायर प्लस थ्री एल्फा प्लस थ्री एल्फा हो गया प्लस सिक्स एल्फा और एक प्लस वन बराबर जीरो बच गया एक प्लस वन बराबर राइट अब क्या है डिटर्मिनेंट तो देख सिंप्लीफाई हो गया अब इसको बहुत ही आसानी से तुम्हें अब इसके रूट तो बड़े बेकार आ रहे हैं देख रूट तो बड़े बेकार आ रहे हैं मैंने देखा यार माइनस बी प्लस माइनस रूट डी करके रूट तो बड़े बेकार आ रहे हैं तो मैं इसको एक एफ अल्फा मान लेता हूं टू अल्फा स्क्वायर प्लस सिक्स एल्फा प्लस वन और क्योंकि मुझे इंटरवल बताना है तो मैं बस एफ ए इंटू एफ बी ने कर लूंगा एफ ए इंटू एफ बी अगर होगा तो रूट उसके बीच में आ जाता है तुम्हें पता है दैट इफ इज नेगेटिव इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कहती है कि रूट एल्फा और बीटा के बीच में जरूर आएगा क्योंकि अगर नेगेटिव है तो बीच में रूट जरूर आएगा सर बार बार कॉन्सेप्ट भूल जाता हूं कोई दिक्कत नहीं है बस रूट इंटरवल में आएगा तो अब तुझे यही करना है तो अब देख ले भाई इसमें एफ एल्फाइन टू एफ नेगेटिव आ रहा है कौन से ऑप्शन में आ रहा है काफी लोग बी और सी के बीच में सर एक एक रो और कॉलम को जीरो कर दो अब देख कई लोग क्या क्या होते हैं हैं इसी में पड़े रह जाते कि मैं कैसे में जीरो बना लूं बहुत ज्यादा बोलते हैं उसको शब्द क्या होता है वो फिक्सेशन टू मच फिक्सेशन ऑफ क्रिएटिंग टू जीरो इन वन रो अरे भाई बन जाता आसानी से तो बना लेता बट सिंपल सा डिटर्मिनेंट है इतनी देर में तू दो जीरो बनाने की कोशिश करेगा सोचेगा उसमें पचास तरीके के पेंच लगाएगा दाव पेंच लगाएगा तब तक तो मैंने डिटर्मिनेंट ही खोल दिया अल्टीमेटली आएगा तो यही बेटा ठीक है बी लोग कह रहे हैं तो देख लेते हैं चलो एफ ऑफ जीरो तो तुम्हें दिख रहा है वन है एफ ऑफ माइनस थ्री निकाल लेता हूं माइनस थ्री में आएगा नाइन टू जा एटीन माइनस एटीन ये क्या बात हुई सिक्स सेम आ रहा है तो क्या हो गया वन आ रहा है तो भाई क्या हो गया एफ ऑफ माइनस थ्री में नाइन टूजा एटीन 18, ये भी ही आ रहा है सेम आ रहा है तो इनके बीच में रूट कैसे आ जाएगी तो दोनों पॉजिटिव आए हैं कैसी बातें कर रहे हो नहीं है क्योंकि बी ऑप्शन तो देख लेते हैं भाई सी ऑप्शन देख लेते हैं कि क्या आ रहा है एफ माइनस थ्री बाई टू तो देख थोड़ा सा अच्छी तरह लिख लेते हैं टू एल्फा इन टू एल्फा प्लस थ्री प्लस वन ऐसे लिख लिया राइट तो माइनस थ्री बाई टू का मतलब हो गया एफ ऑफ माइनस थ्री बाय टू का मतलब हो गया माइनस थ्री इन टू थ्री माइनस थ्री बाय टू प्लस वन तो ये हो गया सिक्स बाई टू थ्री बाय टू माइनस नाइन बाई टू प्लस वन क्लियरली ये तो नेगेटिव आ गया ये नेगेटिव आ गया और थ्री बाय टू में पॉजिटिव ही दिख रहा है जैसे ही अल्फा को थ्री बाय टू डालूंगा पॉजिटिव तो सी ऑप्शन भाई मुझे बनता हुआ दिख रहा है एक सेकेंड ये क्या हो गया भाई कुछ तो गड़बड़ करी है मैंने हम्म hmm. देखते हैं भाई क्या हो रहा है बी ऑप्शन कैसे दिया है चेक कर चेक कर लो जरा एक बार डिटरमिनेंट एक्सपेंशन सही किया है मैंने डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन सही किया है क्या चेक कर लीजिए ए कह रहे हैं सर हम्म चेक कर लो भाई एक बार हो सकता है आंसर की मैं गलती हो माइनस टू और वन पर नहीं माइनस टू और वन दोनों पे तो पॉजिटिव आ रहा है ए तो गलती है बी और सी में चेक कर लो भाई बी और सी में चेक कर लीजिए क्या मेरा एक्सपेंशन सही है देख लो सही लग रहा है मुझे तो यार एक्सपेंशन क्योंकि जैसे ही मैं एफ ऑफ माइनस थ्री निकाल रहा हूं एफ ऑफ माइनस थ्री तो भाई वन आ रहा है क्लियरली और एफ ऑफ जीरो भी तुम्हारा वन आ रहा है तो पॉजिटिव आ रहे हैं बी ऑप्शन तो गलत ही है सी ऑप्शन होना चाहिए ठीक है भाई चेक कर लीजिए माइनस की मिस्टेक है कोई कह रहा है अरे यार अब जरा देख लो देख लो भाई माइनस की मिस्टेक माइनस वन इंटू माइनस और दिस प्लस ही रहेगा और वन इंटू दिस माइनस दिस यार सही तो लग रहा है मुझे तो टू अल्फा प्लस थ्री इन टू एल्फा प्लस वन बाई थ्री कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ टू एल्फा स्क्वायर प्लस थ्री अल्फा प्लस टू एल्फा बाई थ्री प्लस थ्री इंटू वन बाई थ्री वन थ्री एल्फा माइनस टू एल्फा बाई थ्री प्लस वन माइनस वन ये कट गए टू एल्फा बाई थ्री टू एल्फा बाई थ्री भी कट गया टू अल्फा स्क्वायर प्लस सिक्स एल्फा प्लस वन सही तो है यार सही लग रहा है मुझे देख लो जरा सर टू बाय थ्री ये माइनस जो कॉमन लिया था वो तो जीरो में गया ना थ्री बाय टू माइनस वन बाय थ्री तो जीरो में गया जीरो में गया अच्छा इसमें ओके okay, ओके okay. ये थोड़ी बोला है ये बात सही बोली किसी ने कि सर दोनों रूट चेक करने पड़ेंगे ना आपको दोनों किस इंटरवल में लाए कर रहे हैं करेक्ट 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 मैंने तो ये चेक किया है कि एक रूट किस में लाए कर रहा है इसमें बोला है क्या केयरफुली अगर पढ़ें वैल्यूज ऑफ कि अल्फा की वैल्यूज दोनों किस इंटरवल में लाए कर रही हैं ठीक है समझ रहा है ना क्वेश्चन कहाँ है तो क्वेश्चन बेसिकली ये है तो बेसिकली अब मैं इसको ग्राफ से करूंगा मैंने क्या किया था कि एटलीस्ट एक रूट लाए कर जाए समझ गए ना मैंने इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम लगा दी एफ फाइन टू बीटा नेगेटिव मतलब कम से कम एक रूट लाइ वो कह रहा है दोनों रूट किस में लाए करनी चाहिए ठीक है तो अब हो जाएगा आई थिंक ये क्योंकि अब जैसे ही आप इसको देखेंगे अगर आप इसको देखेंगे तो ग्राफ इसको ग्राफ से कर लो बेसिकली देखो तो एफ एक्स एफ एल्फा हो गया टू एल्फा प्लस सिक्स एल्फा प्लस वन ठीक है तो अब इसका डेरिवेटिव एफ डैश एल्फा बराबर जीरो यानी फोर एल्फा प्लस सिक्स बराबर जीरो एल्फा की वैल्यू माइनस थ्री बाई टू तो इस प्रकार का कुछ ग्राफ हो गया इस प्रकार का ऐसा कुछ माइनस थ्री पर जाके वो फिर से वन हो रहा था सो तो दोनों रूट जो हैं वो एक तरह से माइनस थ्री और जीरो के बीच में दोनों रूट्स की बात हो रही है मैंने इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम लगा दी थी क्योंकि वहां से तो फिर एक ही रूट आती बट इसने क्या बोला है कि दोनों रूट्स वैल्यूज ऑफ एल्फा फॉर विच दिस लाइज इन द इंटरवेल दोनों वैल्यू किसके बीच में लाए करेंगी तो दोनों वैल्यू तो माइनस और जीरो के बीच में लाए करेंगी दोनों रूट्स की बात हो रही है देख देखो केयरफुली पढ़ना होता है लैंग्वेज जल्दबाजी नहीं करनी है समझ गए हो तुम यह भी कर सकते थे रूट को सॉल्व कर लो भाई ज्यादा इतना क्या दिमाग लगाना सर अल्फा की वैल्यू माइनस सिक्स प्लस माइनस तो अल्फा की वैल्यू माइनस सिक्स प्लस माइनस रूट थर्टी रूट ट्वेंटी एट अपॉन टू इंटू टू तो अल्फा इज माइनस थ्री प्लस माइनस रूट सेवन बाई टू इसकी वैल्यूज अब आप चेक कर लीजिए दोनों अल्फा किस इंटरवल में लाए कर रहे हैं ठीक है इसलिए आई होप यह बात क्लियर है थ्री बाई टू माइनस वन बाय थ्री का क्या हुआ यह मैंने कॉमन निकाल लिया बेटा इन फर्स्ट रो में से कॉमन आ गया और वो मैंने जीरो के साथ मल्टीप्लाई कर लिया इसलिए इसे जीरो वन वन लिख दिया है यह किया है मैंने इसलिए भी आंसर करेक्ट है ठीक है दोनों रूट्स लाए करनी चाहिए थी दैट्स क्लियर हो गया है मैंने क्वेश्चन देखा सॉल्व नहीं कर रहे हैं इसीलिए तुम्हें दिख रहा है क्योंकि मैं तुम्हें बताया मेरी थी, तबियत ठीक नहीं थी तुम्हारे सामने ही सॉल्व कर रहा हूं मैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वैल्यूज ऑफ एल्फा लिखा है केयरफुली लैंग्वेज पढ़ेंगे ये नहीं बोला कि एटलीस्ट वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन लाइज इन तो फिर ये वाला सोल्यूशन सही होता है इंटरमीडिएट वैल्यू थोरम वाला चलो भाई आगे बढ़ेंगे आई होप ये बात क्लियर है आई होप ये बात क्लियर है सर डिटर्मिनेंट रॉन्ग ओपन हुआ है अरे यार कैसी बातें कर रहा है यार डिटर्मिनेंट तो सही है डिटर्मिनेंट में कहां गलती है भाई जल्दी बताइए क्या डिटर्मिनेंट सही है मुझे तो लगता है सही है देख लो चेक कर लीजिए जरा राइट है सर पढ़ने वाले लोग जरा बताएं स्पैमर्स लिख रहे हैं काफी ज्यादा चैटिंग पढ़ने वाले बताएं कि क्या सही लिखा है यस सर यस सर चलो बढ़िया सही है यस yes, सर सही है चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं अब ठीक है चलो अगला वाला देखते हैं क्या है भाई अगला क्वेश्चन क्या है फिर से एक डिटर्मिनेंट मुझे दिख रहा है एक डिटर्मिनेंट मुझे दिख रहा है बेटा गंदा सा बड़ा सा और मुझे एफ डैश जीरो पूछा है है ना भाई एफ डैश जीरो किस तरह से क्वेश्चन थॉट प्रोसेस क्या है तुम्हारे सामने सॉल्व कर रहा हूं आज बेटा बिल्कुल कोई वो नहीं है पहले से सारा कुछ तुम्हारे सामने सोचेंगे तो मेरे माइंड में चल रहा है कि क्यों ना भाई अब देख वैसे तो डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट तुझे पता है एक रो एट अ टाइम डिफरेंशिएट की जाती है है ना दो रो कांस्टेंट एक को डिफरेंशिएट प्लस बची दो कांस्टेंट दूसरी को डिफरेंशिएट इस तरह से चलता है प्रोडक्ट रूल की तरह बट मुझे दिख रहा है यार इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए क्योंकि तो बहुत गंदा डिटर्मिनेंट है इनको डिफ्रेंसिएशन करने में बुरा हाल हो जाएगा और साफ दिख रहा है प्रॉपर्टीज वगैरह लगकर कुछ अच्छा सा हो जाएगा तो फिर से प्रॉपर्टी लगाता हूं आर वन को आर वन माइनस आर टू और आर टू को आर टू माइनस आर थ्री करके मुझे फायदा नजर आ रहा है क्या आपको नजर आ रहा है भाइयों आर वन को आर वन माइनस आर टू करूंगा तो ये माइनस थ्री ये वाला तो सीधे जीरो मजा ही आ गया दिस माइनस दिस करके थ्री आ गया और ऐसे ही R2 को R2- टू माइनस करके ये वाला थ्री ये माइनस थ्री ये जीरो ठीक है भाई अब क्या करेंगे अब क्या करेंगे बस अब तो कुछ नहीं करेंगे बेटा इसको सीधे सीधे एक्सपेंड कर देते हैं फर्स्ट रो में से थ्री कॉमन दिख रहा है सेकंड रो में से भी थ्री कॉमन दिख रहा है सो so, नाइन बाहर आ गया माइनस वन जीरो वन वन माइनस वन जीरो और टू कॉस की पार फोर एक्स थ्री प्लस टू साइन की पार फोर साइन स्क्वे टू एक्स और अब बेटा इसको कर देता हूं एक्सपैंड इसको कर देता हूं एक्सपैंड तो यहां पर हमारे आ जाएगा एफ एक्स की वैल्यू नाइन इंटू फर्स्ट के अलॉन्ग एक्सपेंशन कर दीजिए फर्स्ट के अलॉन्ग माइनस वन इंटू दिस तो साइन स्क्वायर टू एक्स और जीरो इंटू एनीथिंग जीरो फिर लास्ट में वन इंटू प्लस वन इन टू थ्री प्लस टू साइन की पार फोर प्लस टू कॉस की पार फोर एक्स ऐसा कुछ बन रहा है भाईयों देखो ऐसा कुछ बन रहा है मेरा डिटर्मिनेंट तो बेसिकली हमारे पास आ गया नाइन बाहर साइन स्क्वे टू एक्स प्लस थ्री प्लस टू बाहर साइन फोर प्लस कॉस फोर जैसे ही तुम्हें बेटे पूरे मैथ्स के पेपर में कहीं भी दिखे बिल्कुल याद कर लो जब भी साइन की पावर फोर प्लस कॉस की पावर फोर दिखे उसे वन माइनस टू साइन स्क्वायर कॉस स्क्र लिखना है तो स्क्वायर एक्स लिखना होता है ट्रिग्नोमेट्री के वन शॉर्ट में बताई गई थी ये बात आपको अंदर अब यह देखो ये वाला तो टू अंदर मल्टीप्लाई करो नाइन बाहर साइन स्क्वायेर टू एक्स प्लस थ्री प्लस टू हो गया प्लस फाइव फोर साइन स्क्वायर एक्स और ये भाई और ये भाई कट गए सोच के देख लो भाई डबल एंगल फॉर्मूला लगाऊंगा तो एफ एक्स कॉन्स्टेंट आ गया तो भाई एफ डैश तो जीरो ही होगा ए ऑप्शन होना चाहिए चेक कर लेते हैं भाई चेक कर लिया क्लियर hmm. हो गई है बात ए आ गया चलो आगे बढ़ते हैं ये वाला तो यार कि करना चाहिए था सबको ये वाला सबको अब देख थॉट प्रोसेस क्या है अब सर डिफरेंसिएशन का फिर फंडा कब लगाऊंगा देख दो ही तरीके अगर डेरिवेटिव पूछा है या तो सिंप्लीफाई करेगा फिर डिफरेंशिएट करना था या फिर जब लगेगा मुझे यार सिंप्लीफिकेशन तो प्रॉपर्टी से मुश्किल है तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करूंगा जैसे इस क्वेश्चन में पहले सिंप्लीफिकेशन के रास्ते गया मैं फिर डिफ्रेंसिएशन करा लास्ट में जब सिंप्लीफाई बहुत बढ़िया हो गया तब डिफरेंसिएशन किया इसका उल्टा भी हो सकता है बेटा एग्जाम में तुम्हारा कि तुम सिंप्लीफाई करने गए बट तुमसे हो ही नहीं रहा जैसे इस क्वेश्चन को देख जैसे इस क्वेश्चन को देख कि भाई ये वाला सवाल अगर तुम इसको देखोगे तो तुम अब इसमें प्रॉपर्टी वॉपर्टी खेल लो नहीं कुछ होगा कुछ नहीं होता हुआ दिख रहा मुझे प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी खेलने से यहां पे कुछ नहीं कटना पिटना और तुमसे पूछा एफ जीरो प्लस एफ डैश जीरो अब मुझे समझ आ रहा है एफ जीरो तो देख निकाल ही लेंगे एफ जीरो तो दुनिया में हर इंसान निकाल सकता है भाई टूटोवासी ही होंगे जो नहीं निकाल पाएंगे एक्स को जीरो डाल लो बस एक्स को जीरो डाल दो भाई एफ जीरो बन गया टू जीरो सिक्स ये जीरो ये फोर जीरो फोर माइनस टू एफ जीरो तो तुम्हारे पास यहां से आ जाएगा ठीक है एफ जीरो तो यहां से आ जाएगा जल्दी से सिंपलीफाई कर लेता हूँ जीरो इंटू एनीथिंग जीरो माइनस वन इंटू माइनस फोर फोर प्लस वन इंटू एट तो आठ चार बारह आ गया एफ जीरो की वैल्यू एफ जीरो तो हमारे पास निकल कर आ गया बारह अब डेरिवेटिव निकालना है तो पहले डिफरेंशियट करूंगा इस बार क्योंकि मुझे दिख रहा है प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी कुछ नहीं मेरा मदद करने वाली अब कई महान व्यक्ति महान हस्तियां जो हमारे बीच हैं पूरा ट्वेल्थ पढ़ लिया पूरा एक साल पढ़ लिया फिर भी डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट सबको डिफरेंशिएट मार देता हूं सर ऐसे नहीं होता भाई डिफरेंशिएट डिटर्मिनेंट ऐसे डिफरेंशिएट नहीं होता कैसे होता है सिर्फ एक रो को करते हैं एक बार में बाकी दो कॉन्स्टेंट सर, माइनस होगा ना काफी सारे महान व्यक्ति अभी डिटर्मिनेंट खोलने में ही लटके पड़े हैं वो उनकी आत्मा वहीं सूख गई है भाई डिटर्मिनेंट कैसे खोल दिया सर आपने प्लस होगा माइनस होगा ये क्या हो रहा है बेटा देख ले जरा ढंग से मेरे ख्याल से तो मैंने सही खोला है डिटर्मिनेंट उसी में अटका पड़ा है अभी तक डिटर्मिनेंट ही नहीं खोल पा रहा है तू हम्म इधर देख लोग आंसर भी निकाल के बता रहे हैं फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करूंगा एक्स क्यूब का थ्री एक्स स्क् इसका हो गया फोर एक्स इसका हो गया थ्री बाकी दो रो को अभी फिक्स रख दिया कांस्टेंट है प्लस अब पहली और ती, तीसरी रो को फिक्स दूसरी रो डिफ्रेंशिएट सिक्स एक्स टू थ्री एक्स स्क्वायर और लास्ट में पहली दो रो को फिक्स्ड, तीसरी रो को डिफ्रेंशिएट बिल्कुल याद कर लो ये तरीका होता है डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट का क्लियर है भाई क्लियर है हाँ अब देख क्या करना है तो अब मुझे जीरो डालना है तो एफ डैश जीरो मतलब एक्स को जीरो डालूंगा अब ध्यान से सुनना एक्स को जीरो इसमें डालोगे तो जीरो जीरो थ्री ये तो जीरो जीरो थ्री होगा और अब नीचे की दो क्या होंगी देख नीचे की दो रो फिक्सड है बड़ी ध्यान से सुनियो नीचे की दो रो फिक्सड है तो वो यही वाली तो रहेंगी जो जीरो डाल के मिली थी है ना तो मैं देख इसको यहीं से चिपका देता हूं टू जीरो सिक्स जीरो फोर माइनस टू प्लस सेम लॉजिक यहां पे जीरो डाल लो यहां जीरो टू जीरो पीच की रो ये पहली तीसरी ये समझ गए ना कैसे कर रहा हूं ऐसे ही एग्जाम में कर रहे हैं भाई तुम्हें तभी जल्दी जल्दी होगा और तीसरी रो में इस बार माइनस वन जीरो पहली दो रो फिक्स, 0, 1, 1, 2, 0, समझ गया स्पीड अप सर बेटा जब चाचा चौधरी बन रहा है हमारे बीच में तेरा दिमाग ज्यादा ही कंप्यूटर से तेज चल रहा है करने देना भाई लोगों को जैसे पढ़ रहे हैं स्पीड स्पीड अप अप यही के सवाल कर रहे हैं उसमें भी तुझे स्पीड अप करना है चलो जल्दी एक्सपैंड कर देता हूं तो फोर ट्वेंटी फोर ये हो गया बेटा ट्वेंटी फोर और ये वाला भी एक्सपैंड कर डालिए तो दिख ही रहा है एक रो में जीरो आ रहा है, तो सर ये तो जीरो हो गया ठीक है भाई टाइम जब भी डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना पड़े डिटर्मिनेंट को तो सारे एक रो एक साथ में नहीं होती एक रो एट अ टाइम होती समझ गया तो बस चौबीस माइनस छ अट्ठारह हो गया एफ डैश जीरो वैल्यू आ गई अट्ठारह ये आई थी बारह इंटू दो चौबीस तो चौबीस प्लस अट्ठारह होता है 42, कोई ऑप्शन है भाई चलो भाई इज्जत रह गई बरकरार आंसर हो गया मैच एक और <laughs> एक और आंसर हो गया मैच सी ऑप्शन है सही काफी सारे लोग हमारे बीच जो चाचा चौधरी लोग आए हुए हैं ए ए चिल्ला रहे थे चैट पे बहुत बुरा हो गया बेटा उनके साथ ए ऑप्शन निकला गलत ऑप्शन निकला सही समझा सर कॉलम वाइज कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हो बेटा कॉलम वाइज भी कर सकते थे बट मैंने ऐसे कर दिया रो तू कॉलम वाइज भी कर सकता है कोई दिक्कत नहीं है अब कुछ महान व्यक्ति और भी आते हैं और अलग 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 जो है प्लेनेट के लोग हैं ना हमारे बीच जुड़े हुए ऑनलाइन में तो वो क्या करते हैं भाई साहब डिटर्मिनेट को सर अरे तीन तीन कौन कर रहा है सर तो हरिअप वाले थे ना भाई साहब हमारे हाँ चाचा चौधरी जो जुपिटर से साबू को लाए हैं वो कहते हैं कि सर तीनों डिटरेंट को जोड़ दो पहले फिर खोल लेना क्यों पहले तीन तीन की मेहनत कर रहे हो कि भाई क्या कहते हैं सर किस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ डालो सबको ये जीरो प्लस जीरो इसको इन तीनों के सम को लिख लो अलग से जीरो और वो वन वन टू और वो तीन प्लस एक प्लस एक, प्लस एक पांच और दो जीरो दो चार और जीरो टू जीरो समझ रहा है ना क्या करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ते गए महान व्यक्ति महान लोग हां समझा हाँ ऐसे ऐसे करते गए तो इसमें क्या गलती है लास्ट में लिख लिया माइनस और कहेंगे फिर एक को सर कर ले ना। क्यों सर आपने इतनी मेहनत करी है क्यों सर बेकार में हमें आप लंबे मेथड सिखा रहे हो एक कर लेंगे वो समझा हाँ सर लास्ट स्टेप माइनस बारह होगा अबे यार तू फिर वही बात कर रहा है मैंने इस इसके अलोंग थर्ड रो के अलोंग एक्सपेंड कर दिया ऐसे करता हूं मैं क्योंकि मुझे वहां दो जीरो दिखाई दिए और फिर माइनस वन इन टू सिक्स इंटू वन माइनस जीरो तो माइनस सिक्स इस वजह से मैंने डायरेक्ट लिख दिया बेटा तुझे भी ऐसे ही करना है समझा हाँ सर आप ज्यादा बोल रहे हो अच्छा तुझे क्या दिक्कत हो रही है तू यह लगता है बेटा जो जुपिटर से आया है और तेरे तेरे पेट में दर्द हो रहा है तूने ऐसे ही किया होगा इसीलिए तुझे प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसे नहीं कर सकते भाई क्यों क्योंकि मेट्रिस ऐसे ऐड होते हैं डिटर्मिनेंट ऐसे ऐड नहीं होते समझा बोल तो ज्यादा रहे हैं बट कम से कम कॉन्सेप्ट तो सिखा रहे हैं हाँ ठीक <laughs> है डिटर्मिनेंट ऐसे ऐड नहीं होते हैं मेट्रिस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते हैं डिटर्मिनेंट के लिए आपको पहले वैल्यू ही निकालनी पड़ती है समझा ना आंसर मैच हंस रहे हैं लोग जुपिटर वासी के ऊपर सर आप ज्यादा बोल रहे हो सर कूट दो इसे कोई नहीं कुट जाएगा वैसे ही कूट जाएगा बेटा इसको कूटने की क्या जरूरत है वैसे ही कूटा हुआ है बेचारा जो ये मेथड लगा रहा है बैठ के वो कूटा ही हुआ है वैसे उसको और क्या कूटना कूटे हुए को थोड़ी कूटा जाता है बेटा सर समझ आ गया सर हाँ <laughs> चलो वेरी गुड आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं भाई तो अब डिटर्मिनेंट में दो तरह के क्वेश्चन करा दिए मैंने तुम्हें प्रॉपर्टीज बेस्ड और डिफरसिएशन ऑफ बेस्ड ठीक है अब हम आएंगे क्रेमर्स रूल मैंने तुम्हें बोला था ना तीन टॉपिक्स देख मेन है इसमें हम हर एक चैप्टर में देख ऐसे ही करेंगे कि तुम्हें मैं मेन टॉपिक्स बता दूंगा तुमने वो पढ़ रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है नहीं पढ़ रखे तो अब कुछ लोग कह रहे थे मैं देख रहा था सब प्रॉपर्टीज पढ़ी नहीं तो भाई बैठ के पढ़ अगर तेरा अभी एग्जाम में है एक दो दिन तो इनको बैठ के पढ़ ले तुम्हें मैं इस समय थ्योरी नहीं पढ़ा पाऊंगा बेटा मैं तुम्हें मेन मेन टॉपिक बता सकता हूं उनपे क्वेश्चन करवा सकता हूं अगर तुम्हें कोई सब टॉपिक ऐसा लगे कि हाँ यार ये तो मुझे नहीं आता तो तू वहां मार्क कर ले कि हाँ यार इस स्लाइड नंबर वन स्मार्ट लोग ऐसे पढ़ाई करते हैं कि स्लाइड नंबर तीन थी उसके अंदर एक टॉपिक आया था प्रॉपर्टी वो मुझे पढ़ना है अपने ऐसे शॉर्ट नोट साइड में बनाते चलो समझे तो ताकि तुम्हें पता रहे कि तुम्हें क्या क्या पढ़ना है हर चैप्टर का मैंने इसी तरह से ब्रेकअप कर दिया है हाँ वो वाला ब्रेकअप नहीं बेटा जो तेरा हुआ है ब्रेकअप मतलब टॉपिक वाइज ब्रेकअप चल आगे बढ़ते हैं ये वाला डिटर्मिनेंट्स का थर्ड टॉपिक क्रैमर्स रूल सर आप बहुत अच्छे हैं सोच ले बेटा बोलने से पहले हाँ अच्छों के साथ अच्छा हूं मैं बुरो के साथ और बुरा हूं जानता नहीं अभी मुझे <laughs> हाँ पोल सर जी अभी आते हैं बेटा पोल पे भी आएंगे सर याद दिला दिया क्या सर आपने भी कोई <laughs> तो बात नहीं बेटा अंदर से आग जलाने के लिए याद दिलाया ताकि बेटा तू पढ़ाई करे और कुछ बन के दिखाए हाँ सर आप बहुत बदल गए हो मैं वैसे का वैसा ही हूँ बेटा तुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बदल गया हूं मैं तो ऐसे ही था शुरू से YouTube पे सीरियसली पढ़ाता हूँ मैं जनरली बैचेस में ज्यादा मजे करते हैं बट ठीक है आज मेरा मूड बढ़िया है यार इसलिए चल बेटा आगे बढ़ते हैं हाँ तो अब ग्रैमर्स रूल नाम की एक चीज होती है जिसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस तुमने देखा होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन है यूनिक सॉल्यूशन है नहीं है तो उसके ऊपर ये चार केसेस बनते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूशंस के नेचर ऑफ सॉल्यूशन के चार जब तीन लीनियर इक्वेशन दी होती है ए वन होगा ये ए टू बी टू सी टू ए राइट तो अगर आपके पास तीन लीनियर इक्वेशन है तो उनको सॉल्व करने का तरीका होता है डी की वैल्यू देख एक्स की वैल्यू होती है डी वन y की वैल्यू होती है डी टू बाई डी और z की वैल्यू होती है डी थ्री बाई डी ये तुमने पढ़ा होगा वॉट आर डी डी वन डी टू डी थ्री डी होता है डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशियंट बेटा जो d है वो क्या है एक तरह से a1 b1 c1 a2 b2 वन ए टू बी टू सी टू ए थ्री बी थ्री सी थ्री तुम्हारा डी होता है फिर डी वन क्या है सर डी वन बहुत सिंपल है याद रखना देख जो एक्स के कोफिशंट थे थ्री इन तीनों को रिप्लेस कर दे कॉन्स्टेंट टर्म से मतलब ये डिटर्मिनेंट उठाओ जो x के कोफिशियंट थे उन्हें d1, d2, d3 से रिप्लेस कर दीजिए बाकी सब एज इट इज रख लीजिए ठीक है बाकी सब को ऐसे रख लिया सर आपको याद दिला दूं कि आप दिल्ली में रहते हो अच्छा मुझे क्या लगा कि मैं भूल गया <laughs> मैं नहीं भूला बेटा मुझे याद दिलाने की क्या जरूरत पड़ गई अब d2 का क्या होगा बेटा जो b1 b2 b3 थे चलो मजाक बंद थोड़े से पढ़ाई करेंगे a1 a2 a3 d1 d2 d3 c1 c2 c3 ऐसा एंड सिमिलरली d3 तुम समझ गए कि भाई a1 a2 a3 वहीं के वहीं b1 b2 b3 वहीं के वहीं c1 c2 c3 जो थे उनकी जगह अब d1 d2 d3 आ जाएंगे तो ये जो चार डिटरमिनेंट्स होते हैं इनको निकाल लेते हैं उसके बाद एक्स वाई जेड जो तीन वेरिएबल होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं इस मेथड को कहते हैं क्रेमर्स रूल पढ़ा है आपने प्लस आएगा सर प्लस छे आएगा बेटा हमारा आंसर भी आ चुका तू तो अभी वहीं रोया पड़ा है अभी तेरे को यहीं रोना निकला पड़ा है माइनस छ ही आएगा हमारा आंसर भी आ गया है बिल्कुल पूरी दुनिया गलत है बस तू ही सही है बेटा हम्म चलिए तो ये एक्स वाई जेड है

एंथ वाले देख सकते हैं सर नहीं बेटा नहीं बिल्कुल गलती मत करिए करने की हाँ चल <laughs> आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन इस पे क्वेश्चन ले लेते हैं क्रैमर रूल पे जल्दी से बहुत ज्यादा चांसेस हैं इसके ऊपर आपको क्वेश्चन जरूर दिखेगा अपने पेपर में डिटर्मिनेंट में समझ ले 80 परसेंट क्वेश्चन इसमें से आता है बाकी 20 परसेंट प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी पे से आता है तो इसका क्वेश्चन दिखने के चांसेस वेरी लाइकली प्रॉबेबिलिटी तेरे को बता दी मैंने पॉइंटेट है हा चल बेटा ध्यान से देख इधर देख तो क्या है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ये तीन दी हुई है ये तीन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दी है और बोल रहा है इसकी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है तो देख इनफाइनाइट सॉल्यूशन का जो केस होता है वो थर्ड केस है सॉरी कहां गया फोर्थ केस है कि सारे अगर जीरो होंगे तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे ठीक है तो डी डी वन डी टू डी थ्री सर इतना लंबा करूंगा क्या अब चारों को जीरो रखूंगा नहीं देख स्मार्टनेस थोड़ी सी दिखाएंगे पहले डी को तो जीरो रख ही लेते हैं डी मतलब कोफिशियंट एक्स वाई जेड का वन टू थ्री टू थ्री टू थ्री वन फोर थ्री लैमडा इसको उठा के जीरो डालते हैं है ना भाई इसको उठा के जीरो डालते हैं तो हमारे पास लैमडा की एक वैल्यू आ जाएगी जिससे डी जीरो हो जाएगा डी जीरो तो कंपलसरी है ही भाई जल्दी से करते हैं थ्री लैमडा माइनस थ्री माइनस टू इंटू टू लैमडा माइनस फोर प्लस थ्री इंटू सिक्स माइनस ट्वेल्व बराबर जीरो तो थ्री लैमडा माइनस थ्री माइनस फोर लैमडा प्लस एट माइनस एटीन बराबर जीरो तो डा की वैल्यू आ गई कितनी हो गई भाई तेरह आ गई देख लैमडा की वैल्यू तो थर्टीन आ गई लैमडा की वैल्यू थर्टीन आ गई राइट ठीक है अब क्या होगा अब बेटा म्यू की वैल्यू निकाली जाएगी म्यू के लिए तो सर अब क्या करोगे देख म्यू यहां आ रहा है कांस्टेंट टर्म्स में आ रहा है कांस्टेंट टर्म्स आते हैं डी वन डी टू डी थ्री में तो क्या सर तीनों निकालूंगा नहीं देख स्मार्टनेस क्या है इसमें कि भाई सिर्फ डी वन निकाल देते हैं d1 की वैल्यू या d2 या d3 कोई भी एक निकाल ले मतलब 1 2 4 वन टू फोर की जगह 5 9 म्यू 5 9 म्यू कर लिया 2 3 3 कर लिया 3 1 लैमडा कर लिया ठीक है या इसकी जगह भी कर सकता था तो d3 भी निकाल सकता था कोई फर्क नहीं पड़ता जो निकालना है निकाल लो लैमडा की वैल्यू थर्टीन कौन यूज करेगा इतनी बड़ी तो मैं क्या करता हूं डी ही निकाल लेता हूं ताकि ये लैमडा वाली एलिमिनेट हो जाए वन टू फोर थ्री थ्री कांस्टेंट, दो, दो कॉलम तीसरे कॉलम की जगह फाइव नाइन म्यू कर लिया तुम कोई सा भी निकाल निकाल लो, मैंने थ्री निकाला है, निकाल लीजिए। माइनस थर्टीन होगा अच्छा एक सेकेंड बात तो तुम्हारी मुझे सही लग रही है माइनस थर्टीन सही लग रहा है मुझे है ना भाई माइनस लैमडा माइनस टेन Minus 13, minus minus 6, हाँ, देखते हैं म्यू निकाला जाए थ्री म्यू माइनस सत्ताइस माइनस टू इंटू इसको भी जीरो रख रहा हूं क्योंकि इनफाइनाइट के लिए सारे जीरो होने चाहिए टू म्यू माइनस छत्तीस प्लस फाइव इंटू सिक्स माइनस ट्वेल्व माइनस सिक्स तो हमारे पास आ गया माइनस म्यू माइनस सत्ताईस प्लस बहत्तर माइनस तीस बराबर जीरो तो माइनस म्यू फोर्टी टू माइनस ट्वेंटी सेवन तो म्यू की वैल्यू आ गई पंद्रह क्या ये बात सही है क्या ये बात सही है म्यू की वैल्यू पंद्रह आ गई है म्यू की वैल्यू क्या पंद्रह सही है चेक कर लो भाई ट्वेंटी सेवन थर्टी बारह और तीन पंद्रह सही तो लग रहा है यार सही सा लग रहा है भाई म्यू की वैल्यू पंद्रह सही है म्यू की वैल्यू पंद्रह अब देख कुछ लोग कहेंगे सर डी थ्री ही निकाल लिया आपने तो डी वन डी टू क्यों नहीं निकाला उसके लिए भी तो जीरो होना चाहिए वो भी तो जीरो होना चाहिए तो देख अब एग्जाम में हम बैठ के बात तुम्हारी सही है बट एग्जाम में बैठ के इतने थोड़ी निकालेंगे अब थोड़ा एग्जामिनर पर यहां पे विश्वास रखो भाई कि सवाल बनाया है तो आंसर आ ही रहा होगा है ना भाई वरना तो फिर कुछ म्यू आएगा ही नहीं अगर डी वन डी टू म्यू पंद्रह के लिए डी वन डी टू जीरो नहीं हुए तो भाई गलत ही सवाल नहीं हो जाएगा अब इतना ट्रस्ट करना यार एग्जामिनर पे कि पर बनाया होगा तो सही बनाया फालतू में क्यों निकालू डी वन डी सारे सीधे यहां वैल्यू चिपका देता हूं लैमडा माइनस तेरा प्लस तीस माइनस तेरा प्लस तीस का मतलब हो गया सत्रह हो गया आंसर समझा सर आप तो तुक्का मार रहे हो बेटा फिर एग्जाम में बैठ के तीनों निकाल लियो अगर तुझे इतनी दिक्कत है d1 d2 d3 तीनों निकाल वहां तीनों से म्यू पंद्रह ही आ रहा होगा फिर जाके तू कंक्लूड कर लियो इतने लंबे मेथड मत करो एग्जाम में थोड़ा बहुत इत्ता तो करके चलना ही है तुम्हें सेवेंटीन आंसर हो गया है सेवनटीन आंसर हो गया है। ठीक है तो दो ही सॉल्व करने थे ज्यादा नहीं करने थे इसमें चार के चार मत करना चलो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं भाई एक और चलो करा देता हूं तुम्हें इसी प्रकार का थोड़ा सा इसमें स्ट्रेट लाइंस मिक्स्ड है चलो ध्यान से देखो क्या है क्वेश्चन लेट फॉर एनी थ्री डिस्टिंक्ट कॉन्जिक्यूटिव

ऐसा और वाई की जगह डालो पॉइंट की ये रिलेशन मिल जाए। देख, तुम चाहते हो ऐसा कौन सा पॉइंट है जो सारी लाइन जो बनेंगी एक ही पॉइंट से पास करेंगी तो उस पॉइंट को निकालने के लिए ध्यान से सुनना जो भी वो पॉइंट होगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा ना करेगा ही भाई क्योंकि अगर उससे पास कर रही है लाइन तो सेटिस्फाई करेगा तो ऐसा क्या पॉइंट डालूं कि ये रिलेशन बन जाए सोच x और y की जगह बस तुझे सोचना है x और y की जगह ऐसा क्या डालें कि ये रिलेशन बन जाए सोच के देख जल्दी बता क्या पॉइंट डालूं x की जगह तो देख वन डाल देता हूं ताकि a प्लस सी बने x की जगह वन और y की जगह माइनस टू तो क्लियरली इसमें अगर मैं वन कॉमा माइनस टू डालता हूं तो वन कॉमा माइनस टू से यही रिलेशन बन जाएगा यानी कि वन कॉमा माइनस टू से ये लाइन हमेशा पास करेगी यानी ये सारी लाइंस कॉन्करेंट है वन कॉमा माइनस टू पे ठीक है भाई इतना सा फैमिली ऑफ लाइंस लग रहा था डिलीटेड पोर्शन में से फिर ने दे दिया इन्हें खुद ही नहीं पता भाई क्या क्या डिलीटेड है मुझे तो ऐसा लगता है एक सिलेबस कोई और डिसाइड करता है और पेपर जो बनाता है उस बेचारे को या तो सिलेबस ही नहीं मिलता और या सिलेबस मिलता है तो उसे पता ही नहीं कि इसमें क्या क्या लग रहा है उसने बना दिया क्वेश्चन भाई तीन लीनियर इक्वेशन दिखी उसने कहा ये तो भाई डिटर्मिनेंट का है बना दो अब ऊपर स्ट्रेट लाइन लग रहा है पता नहीं क्या या तो बता दो ना भाई बच्चों को कि पूछेंगे तो भाई उन्हें पढ़ने दो ये कौन सा नया तरीके का स्टाइल आया है जेई का कि भाई सिलेबस डिलीट कर दिया और उसके ऊपर से सवाल भी उसी सिलेबस में से डाल दिया या तो बोल दो कि भाई पूछेंगे हम फैमिली ऑफ लाइंस खुल के बोलो ताकि बच्चे खुल के पढ़ें और उसके बाद खुल के पूछो क्वेश्चन पता नहीं हाँ सर कल मेरा पेपर है इज इट बेनिफिशियल बिल्कुल बेटा आज सवाल कर बिल्कुल सारे अटेम्प्ट कर आज करेगा क्या वरना और बैठ के तो 1, -2 हो गया p p के कोऑर्डिनेट्स मिल गए 1, -2 q अल्फा बीटा भी पॉइंट अब q के बारे में उसने आगे इंफॉर्मेशन दी है p में स्ट्रेट लाइंस लग रही थी q में बोला है कि b अ पॉइंट सच दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन फिर से वही फिर से खटखट -खट करके बेटा तेरे को क्या करना है d0 रखना है पहले तो d मतलब हो गया 1 1 1 2 5 अल्फा और 1 2 3 d0 रख दिया यहां से तेरा अल्फा निकल कर आएगा got इट और ऐसे डी वन जीरो रख दियो या डी थ्री जो भी अच्छा लगे वहां से बीटा निकाल लियो जल्दी से अल्फा निकालो चलो जल्दी से अल्फा निकालो सो फाइव थ्री फिफ्टीन माइनस टू एल्फा माइनस वन इंटू सिक्स माइनस एल्फाइन प्लस फोर माइनस फाइव यानी कि माइनस वन बराबर जीरो तो फिफ्टीन माइनस टू माइनस सिक्स प्लस एल्फा माइनस वन बराबर जीरो तो पंद्रह में से सात गया आठ एल्फा की वैल्यू जो है आठ आ रही है भाई चेक करिए एल्फा की वैल्यू आठ आ रही है राइट बीटा ऐसे ही निकाल लो डी थ्री फिर से निकाल लेता हूं डी थ्री मेरा फेवरेट इन तीनों की जगह वन टू वन रखेंगे सेम वन फाइव टू रखेंगे सेम वन अल्फा थ्री की जगह सिक्स बीटा फोर सिक्स बीटा फोर रख देंगे और इसको भी जीरो कर दो जल्दी से बीटा की वैल्यू निकाल के बताइए क्या आएगी बीटा की वैल्यू फाइव फोर ट्वेंटी माइनस टू बीटा माइनस वन इंटू एट माइनस बीटा प्लस सिक्स इंटू माइनस वन बराबर जीरो तो ट्वेंटी माइनस टू बीटा माइनस एट प्लस बीटा माइनस सिक्स बराबर जीरो तो बीटा हो गया आठ छ चौदाह गया बीस में से चौदह गया छे बचता है भाई तो बीटा आ गया छे बीटा आ गया छे देखो कितने फास्ट है मुझसे फास्ट निकाल रहे हैं ये होता है बेटा पावर ऑफ प्रैक्टिस तो पी है वन कॉमा माइनस टू और क्यू जो था अल्फा बीटा था तो यानी एट कॉमा सिक्स हो गया पी क्यू के बीच में कह रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के बताइए पी क्यू स्क्वायर हो गया सेवन स्क्वायर प्लस एट स्क्वायर तो फोर्टी नाइन प्लस सिक्सटी फोर चार तेरह छह चार दस एक सौ तेरा एक सौ तेरा आ रहा है भाई पी क्यू रहा है एक सौ तेरा एक सौ तेरह आ गया भाई देख अब धीरे धीरे इंजन गर्म हो गया ना देख आंसर सही आ रहे हैं स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में यही होता है ना थोड़ा सा हम्म समझ गए हो क्या सबको क्लियर है आ रहा है कि नहीं मजा देख कैसे स्ट्रेट लाइंस और मिक्स करके क्वेश्चन पूछा इंटीजर टाइप है थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था बट थोड़ा सा टफ प्रैक्टिस करके जाओगे तो जेई में इजी लगेंगी चीजें चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। चाबाश, आगे बढ़ते हैं हैं बेटा शाबाश आगे अब एक ऐसा घर पे कर लेना इसी प्रकार का तुम्हें दे दिया है मैंने अब इसमें चारों ऑप्शन में अलग अलग बातें की गई हैं इनफाइनाइट के लिए क्या होगा इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सोल्यूशन राइट कंसिस्टेंट का मतलब सोल्यूशन होनी चाहिए यानी कि या तो कोई सी भी है मतलब नो सोल्यूशन के अलावा जो भी है तीनों केसेस वो कंसिस्टेंट बोले जाते हैं कौन कौन से केसेस कंसिस्टेंट हो जाएंगे केस वन क्योंकि यहां यूनिक ट्रिवियल आ रही है केस टू क्योंकि यहां यूनिक नॉन ट्रिवियल केस फोर तो ये जो तीन केस हैं ये कंसिस्टेंट हैं और ये वाला इनकंसिस्टेंट है ठीक है चलिए तो एक ये वाला आप घर पे करेंगे ये वाला आप घर पे करेंगे अब हम आ जाते हैं मेट्रिस पर अब आ जाते हैं बेटा मेट्रिस पर राइट right? मेट्रिस में देखते हैं अब क्या पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स की हमने बात कर ली तो मेट्रिस में जो मेन टॉपिक है मैं तुम्हें बता देता हूं क्या क्या है सबसे पहले तो देख मेट्रिक मल्टीप्लीकेशन वगैरह तुम्हें आनी चाहिए इसके ऊपर भी क्वेश्चन आए हैं मल्टीप्लीकेशन हो गया एक मेट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन उसके बाद तुम्हारा एक इनवर्स और एड ज्वाइंट हो गया एंड एड ज्वाइंट ऑफ मेट्रिक्स काफी फेवरेट टॉपिक जेई का उसके अलावा तुम्हारा सिमेट्रिक्स क्यूस के मैट्रिक मैट्रिसेस होगा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ये तीन टॉपिक्स पर ही मेनली क्वेश्चन तुम्हें मिलने वाला है जेई के अंदर मोस्टली तुम्हें इन तीनों में से ही मिलेगा जैसे देखते हैं चलो देखते हैं देखते हैं भाई चलिए फर्स्ट टॉपिक फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है आता है सर अच्छा वेरी गुड अच्छा आता है तो बहुत अच्छा सर इनवर्स तो हट गया है अरे नहीं हटा है मेरे दोस्त कहाँ से हट गया इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यार क्वेश्चन पूछ रहा है जेई तू अपना अलग ही एक जेई ने बेटा सिलेबस निकाला हुआ है वो कन्फ्यूज है खुद ही एक तूने अपनी मर्जी से कोई सिलेबस सोचा हुआ है तू खुद भी कन्फ्यूज है उसको लेकर कितनी कन्फ्यूजन मचाएगा जो मैं करा रहा हूँ वो सब आएगा तू बस ये सोच ले जो डिलीटेड है जो बिल्कुल नहीं पूछेगा जेई वो मैं तुम्हें नहीं कराऊंगा बट जिसमें जरा भी ग्रे एरिया है वो वाले टॉपिक्स हमें करके जाने हैं

यानी डिटामिनेट x हो जाएगा डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट में टूट जाता है भाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी होता है डिटर्मिनेंट ए डिटॉमिनेट बी डिटर्मिनेंट सी ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए तो डिटर्मिनेट ऑफ ए ट्रांसपोज डिटॉमिनेंट सी होल स्क्वायर डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज डिटॉमिनेंट ए सेम होते हैं तुम्हें तो पता है तो यानी ये चीज हो गई डिटर्मिनेंट ए होल स्क्वायर डिटर्मिनेंट सी होल स्क्वायर करेक्ट डिटर्मिनेंटे यहां से देखते हैं दिस इनटू दिस माइनस तो थ्री हो गया डिटर्मिनेंटे और डिटर्मिनेट सी अब निकालने के लिए इसमें डिटर्मिनेट बोथ साइड ले ले भाई तो डिटॉमिनेट सी हो जाएगा डिटर्मिनेट ए डिटर्मिनेट बी डिटॉमिनेंट ए ट्रांसपोज जो कि ए है बी यहां से देख लो भाई 1 1, 1, तो, 3 into 1, into 3, तो आ गया सी का डिटर्मिनेंट यहां पुट कर दीजिए ए की जगह थ्री सी की जगह नाइन तो नाइन का क्यूब हो गया नाइन का क्यूब सेवन टी नाइन होता है भाई सेवन ट्वेंटी नाइन बी ऑप्शन होना चाहिए आंसर बी होना चाहिए भाई आंसर ठीक है कितना इजी क्वेश्चन था कोई मल्टीप्लाई कुछ करने की चीज नहीं है तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ सीधे सीधे बेटा आंसर इसमें बी निकालना ऐसा एक क्वेश्चन वो भी आता है जब दिस इंटू दिस आइडेंटिटी हो जाता है यहां शायद हो रहा है नहीं हो रहा पता नहीं मुझे नहीं हो रहा आई थिंक तो उसके चक्कर में मत पड़ो कि भाई वो भी एक टाइप का क्वेश्चन यही पूछता है बहुत जब कई बार इन दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी सा बन जाता है राइट बहुत बार आ चुका है वैसा सर ये क्वेश्चन सॉल्व करने में दस मिनट लगा दिए थे इसलिए तूने लगाए क्योंकि या तो तू ए बी को मल्टीप्लाई करने के चक्कर में पड़ गया बट मैंने देखा भाई निकालना क्या है रुक तो जाओ जल्दबाजी नहीं मुझे भी पता है मल्टीप्लाई करने का मन कर रहा है ए बी को इसको देख के बट मैंने देखा भाई निकालना क्या है जो निकालना है उस हिसाब से तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी कहीं मल्टीप्लाई करने की तो क्यों ना सीधे सीधे डिटर्मिनेंट निकाल दूं ठीक है तो तुम लोग क्या करते हो तुम लोग क्या करते हो देखो जनरली बहुत सारे बच्चे ये गलती ये करते हैं कि यहां हम हैं हमने क्वेश्चन पढ़ा तो हम यहां खड़े हैं मतलब यहां खड़े हैं मतलब यहां से हमें पढ़ना शुरू किया फिर हमें जैसे ही कुछ रास्ता मिलता है हम उस रास्ते को ले लेते हैं ठीक है होता क्या इनवेरिएबली वो रास्ता हमें एक डेड एंड पर ले जाता है जेई के क्वेश्चन पे क्योंकि तो उसमें बहुत लंबा रास्ता या तो बहुत लंबा ले जाता है और ये होती है डेस्टिनेशन यहां पर बेटा पहुंचना होता है समझ रहा है ना हाँ यहां पर है तेरी डेस्टिनेशन समझ ले अब तू कौन है हाँ यहां पहुंचना है तुझे अब होता क्या है कि जय ही तेरे को रास्ता दिखाता है ये वाला तू बेटा वही ले लेता है उस क्वेश्चन में और फिर वहां जाके डेड एंड में फंसता है मैं क्या करता हूं बेटा मैं देखता हूं पहले निकालना क्या है यहां पहुंचना है ना अच्छा चलो तो यहां से शुरू करेंगे हम फिर लाइन खींचेंगे फिर ये वाला रास्ता मैं ले लेता हूं तो मैं ये वाला रास्ता लेता हूं तू लेता है बेटा ये वाला रास्ता समझा ये प्रॉब्लम हो जाती है <laughs> इसलिए ध्यान रखो जब भी जेई का क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो तुम्हें क्या आता है वो तो अच्छी बात है बट क्या पूछना चाह रहा है वो भी तो देखो अल्टीमेटली उसने पूछा क्या है क्वेश्चन में फाइंड आउट करने को समझ गया सर हाँ अब तो तू समझ गया होगा बेटा <laughs> एक कह रहा सर एंगल बता दो कितना है तो मैं भी पहुंच जाऊंगा <laughs> चलो जोक्स सपाट आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं हम्म अगला क्वेश्चन एक और भयंकर एनसीआरटी लेवल का क्वेश्चन जो जेई ने पूछा है भयंकर मतलब बिल्कुल प्योर कट्टर एनसीआरटी का इससे ऊपर तेरे को बढ़ना ही नहीं इस क्वेश्चन में क्या बोला है मेट्रिक्स एफेक्ट ये दिया है ठीक है दो स्टेटमेंट दे दिया और बोला भैया कौन कौन से ट्रू है जल्दी बता तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इनवर्स पहला पूछ रहा है एफ ऑफ माइनस एक्स इनवर्स है क्या तो अब समझदार व्यक्ति क्या करते हैं जो ज्यादा समझदार होते हैं सर इनवर्स निकाल लेता हूं चेक कर लूंगा ना मैं उल्टा करूंगा एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल लेता हूं एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा यहां लिख लेता हूं चल एफ ऑफ माइनस एक्स मतलब एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करो कॉस का तो हिलता नहीं बेटा माइनस साइन एक्स हो जाएगा साइन एक्स ये जीरो साइन हो जाएगा माइनस साइन और कॉस कॉस ही रहेगा जीरो जीरो रहेगा जीरो, जीरो वन तो ये तेरा एफ ऑफ माइनस एक्स हो गया ठीक है अगर ये इनवर्स होगा इनवर्स की डेफिनेशन क्या है बेटा अगर किसी भी मैट्रिक्स को अपने इनवर्स में मल्टीप्लाई करूं तो आइडेंटिटी अगर आ जाए तो ये इनवर्स हो जाएगा समझ गया मैं क्या यूज कर रहा हूं मैं बेसिकली उल्टा यूज कर रहा हूं कि अगर ये इसका इनवर्स है तो भैया एफ ऑफ माइनस एक्स मान लेते हैं बचपन में करते थे ना लेट अस अज्यूम दैट दिस इज इनवर्स है ना भाई अगर ये इनवर्स है एफ ऑफ माइनस एक्स तो दिस इंटू दिस क्या आइडेंटिटी आ रहा है चेक कर लेता हूं अगर आ जाएगा तो मतलब इनवर्स है कितना 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 इजी हाँ, इजी इजी है देखता हूं देखता हूं बेटा पिछले क्वेश्चन में एक डाउट पूछ रहे हैं लोग अभी अभी बताता हूं अभी बताता हूं बेटा एक सेकेंड पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं कॉस स्क्र प्लस साइंस स्क्वायर तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पहले इसको टू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे वन दिख रहा है one दिख रहा है तुम्हें दिख रहा है क्या भाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करके वन दिख रहा है राइट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को साइनकॉस माइनस साइन कॉस जीरो दिख रहा है फर्स्ट थर्ड को भी जीरो दिख रहा है सेकंड फर्स्ट को जीरो दिख रहा है सेकंड सेकंड को वन दिख रहा है तो क्लियरली ऐसा कुछ बन जाएगा ये चेक कर लेना तो यानी पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल जबरदस्त तरीके से ट्रू लग रहा है एफ ऑफ माइनस एक्स इज इनवर्स ऑफ मेट्रिक एफ बिल्कुल सही दिख रहा है स्टेटमेंट so, वन तो भाई सही दिख रहा है मुझे ठीक है भाई hmm. अब बता अब बता बेटा अगला स्टेटमेंट है एफ एक्स इंटू एफ वाई क्या एफ एक्स प्लस वाई है तो भाई ठीक है फिर से एफ एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं Fx into Fy भी निकाल लेते हैं एफ एक्स है ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो साइन एक्स कॉस एक्स जीरो 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 वन और इसको एफ वाई से मतलब एक्स की जगह वाई डाल दे कॉस वाई माइनस साइन वाई जीरो साइन वाई कॉस वाई जीरो 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 वन मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या हो रहा है मल्टीप्लाई करके देखते हैं एनसीआर टी का यार सब सॉल्ट एग्जाम्पल क्या बोलते हैं वो है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस वाई आ जाएगा देख और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम जीरो ऐसे करके खोलता जा तुझे दिख जाएगा कि ये एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बन जाएगा थोड़ा जल्दी कर लो सर कल एग्जाम है अच्छा भाई बेटा इससे ज्यादा जल्दी क्या बोलूं और क्या सॉल्व करूं बता तेरे को आदत है टू एक्स पे लगा के तू वीडियो देखता है अब लाइव में तो टू एक्स हो नहीं सकता ठीक <laughs> है तो दोनों स्टेटमेंट्स हो गए हैं सही यानी कि डी ऑप्शन हो गया है करेक्ट है ना भाई एनसीईआरटी का क्वेश्चन बता दो पिछले सवाल में अब कुछ भाइयों को हमारे एक दिक्कत आ रही है वो क्या कह रहे हैं सुन लो भाई पिछले वाले में उन्हें इतना प्यारा सा सॉल्यूशन अच्छा नहीं लगा वो कह रहे है, सर पहले आप इधर ए रखो सर क्या है सर पहले सी की वैल्यू रखो इधर समझा वो क्या कह रहा है इधर देख लो भाई इसका डाउट भी वो कह रहा है कि सर पहले एक्स की जगह ए ट्रांसपोज सी का स्क्वायर है तो सी मतलब ए बी ए ट्रांसपोज और फिर से ए बी ए ट्रांसपोज लिखो ठीक है सर सी स्क्वायर हो गया एन टू ए हो गया और फिर अब वो कहते हैं कि सर ए ट्रांसपोज इन टू ए आइडेंटिटी आ रहा है देख तो ले आ भी रहा है ऐसी तुक्केबाजी मार रहा है वो कहता है कि सर ऐसा मैंने बहुत क्वेश्चन में देखा है जेई के क्वेश्चन में होता है कि ये आइडेंटिटी आ रहा होता है चेक तो कर ले दोस्त ए ट्रांसपोज हो जाएगा रूट टू वन माइनस वन रूट टू और ए तो यही है रूट टू वन माइनस वन रूट टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कहां से आ रहा है बेटा बता कहीं से आइडेंटिटी नहीं आ रहा ए ट्रांसपोज इन टू ए इस क्वेश्चन में है ही नहीं आइडेंटिटी इसलिए तेरे को लग रहा है वो तुक्केबाजी लगा रहा है कि ये आइडेंटिटी सो इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी इनको मल्टीप्लाई करके आई नहीं आ रहा है वो अलग तरीके का क्वेश्चन होता है जब आई आ जाता है तो बीस स्क्वायर हो जाता है समझ है तो रहा है ना तो एक तरह का ऐसे क्वेश्चन भी यही में आए हैं तो आइडेंटिटी नहीं आ रहा इसलिए तू कह रहा है सर आंसर नहीं आ रहा अभी आएगा कहां से जब गलत कॉन्सेप्ट लगाएगा Wrong method, रॉन्ग अप्रोच इस क्वेश्चन में सही नहीं है वो जब अगर ए ट्रांसपोज इंटू ए आइडेंटिटी बन जाए तब बेटा मैं उस रास्ते से जाऊंगा फिर से वही वाली बात हो गई जाना कहां है और पहुंचना कहां है और तू क्या कर रहा है एफ एक्स इक्वल टू वन है सर अबे क्या हो गया तुझे नई नई चीजें बेटा नई नई स्कीमें लेके आ रहे हो तुम एफ एक्स इक्वल टू वन कहां है तो कहीं नहीं है चलो आगे बढ़ेंगे आगे एक और बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन जो कि इस बार पूछा है जय ने और जो कि आपको आना चाहिए ऑर्थोगोनल नहीं है हाँ वही तो कह रहा हूं ऑर्थोगनल मैट्रिक्स नहीं था वो वाला चलो ए इज टू बाई टू रियल मैट्रिक्स आई बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू ठीक है रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस एक्स आई इसको बोलते हैं बेटा कैरेक्टरिस्टिक रेक्टर इक्वेशन इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसके जो रूट्स होते हैं ना बेसिकली इसके रूट्स तो सर दिए हैं हा तो जो इसके सम ऑफ रूट्स होते हैं सम सम ऑफ ऑफ रूट्स होते होते हैं हैं वो द ए प्लस डी बेसिकली ए प्लस डी वॉट इज ए प्लस डी बेसिकली अगर मेट्रिक्स टू बाई टू है ध्यान रखना तो जो सम ऑफ रूट्स होते हैं वो ए प्लस डी होता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है एडी माइनस बी सी मतलब डिटर्मिनेट की वैल्यू हो जाती है देखो इस डिटर्मिनेंट की डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये कैसे सर ये बेटा याद रखने वाली बात है ठीक है हाँ ये कैसे आती है वो भी निकाल के बता देता हूं एक लाइन का प्रूफ है कि भाई अगर कभी भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दे दें टू बाई टू मेट्रिक्स की तो उसका जो सम ऑफ रूट्स होता है वो डायग्नल एलिमेंट्स का सम होता है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट से हमेशा डिटर्मिनेट वैल्यू मिलती है ठीक है भाई ये चीज आपको याद रखनी है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बारे में सर कैसे आती है अभी प्रूव करके दिखा देता हूं कैसे आती है पहले इसको जरा लगा देता हूं तो सम ऑफ रूट्स समूट्स है माइनस वन और थ्री थ्री था ना भाई ये दिल आ गया बीच में हाँ माइनस वन और थ्री तो सम ऑफ समी ए प्लस डी हो जाएगा माइनस वन प्लस थ्री यानी टू और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ए डी माइनस बी सी हो जाएगा माइनस थ्री so ये दो इक्वेशंस मुझे मिल चुकी हैं ठीक है अभी प्रूव करके दिखा दूंगा घबराए ना राइट right? हाँ और उसके बाद जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो कैरेक्टरिस्टिक क्वाड्रेटिक बन जाएगी इसको ए हमेशा मैट्रिक्स अपना सेटिस्फाई करता है मतलब एक्स की जगह ए रखा जा सकता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन उसी की इक्वेशन है तो रूट होता है तो ए स्क्वायर माइनस टू ए माइनस थ्री थ्री आई कर देते हैं मैट्रिक्स बनाने के लिए तो ए स्क्वायर की वैल्यू टू ए प्लस थ्री आई हो जाती है ये सब इंफॉर्मेशन तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से मिल गई अब आगे सवाल पढ़ते हैं ठीक है जिनको नहीं पता है बिल्कुल याद रखें दो चीजें पहला तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इस तरह की होती है डिटर्मिनेंट ए माइनस एक्स आई उसका सम ऑफ रूट्स ए प्लस डी होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमेशा डिटर्मिनेंट वैल्यू होती है फर्दर जो इक्वेशन फॉर्म होती है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक लगा के उसको ए हमेशा सेटिस्फाई भी करता है मैट्रिक्स बस अब क्या है हमें क्या पूछा है देन देन सम ऑफ समय एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर स्क्वायर ए के एलिमेंट्स का सम पूछा है तो ए स्क्वायर का ट्रेस पूछा है एक तरह से है ना ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर क्या हो जाएगा इसमें ट्रेस ले ले दोनों तरफ टू टाइम्स ट्रेस ऑफ ए प्लस थ्री टाइम्स ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी ट्रेस ऑफ ए क्या है ट्रेस ऑफ ए तो देखे ये था टू तो so, इसकी जगह टू लिख देता हूं टू इंटू टू और ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी आइडेंटिटी का ट्रेस तो टू होता है तुझे पता है वन प्लस वन तो चार प्लस 6 ये हो गया, 10, 10 होना चाहिए आंसर ये है इसको करने का फास्ट तरीका फास्ट तरीका जिसको नहीं पता है देख लो कहां से आती है प्रूफ बता देता हूं इसका प्रूफ ए माइनस एक्स टाइम्स आई का डिटर्मिनेंट तो ए को ले लिया था मैंने एबीसीडी एक्स टाइम्स आईडेंटिटी वन जीरो जीरो वन इसको एक डिटर्मिनेंट बना लो ए माइनस एक्स बी सी डी माइनस एक्स का डिटर्मिनेंट ये जीरो है है ना भाई तो इसको डिटर्मिनेंट खोल देता हूं ए माइनस एक्स इंटू डी माइनस एक्स माइनस बी सी जीरो ए डी माइनस ए एक्स माइनस डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस बी सी जीरो की तरह लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस डी एक्स प्लस एडी माइनस बी सी तो देखो वही क्वाड्रेटिक आ गई सम ऑफ रूट्स ये है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ये है ठीक है जी तो एक्स स्क्वायर माइनस प्रोडक्ट बराबर जीरो उसी फॉर्म में आ गया यही मैंने तुम्हें बोला था सम ऑफ रूट्स समय ए प्लस डी और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है एडी माइनस बी सी और तीसरी चीज बताई कि जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है उसको हमेशा ए सैटिस्फाई करता है ये सेटिस्फाई करा दिया यहां टीआर क्या होता है ट्रेस होता है बेटा सम ऑफ डायगनल एलिमेंट को ट्रेस बोलते हैं तुझे पता होना चाहिए कि ए का मतलब होता है सम ऑफ एलिमेंट्स तो सम ऑफ समल एलिमेंट्स निकालने के लिए मैंने बोला कि ए स्क्वायर की वैल्यू टू ए प्लस थ्री आई है तो इसके डायगनल का प्लस इसके डायगनल का सम निकाल लिया ठीक है सर ये थ्री बाय थ्री के लिए भी होता है देख होती है उसमें भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बट वो सब सिलेबस में है नहीं में एक्चुअली टू बाई टू में तो इतना ईजी सा बन जाता है उसमें भी बनता है मीन्स और एडवांस में नहीं मती ही करो मेरे हिसाब से नॉर्मल तरीक़ों से कर लो क्योंकि उसमें नई थ्योरी में जाओगे कोई फायदा नहीं है उसके बिना भी क्वेश्चन हो जाते हैं ये क्वेश्चन भी तुम्हें अगर ये नहीं पता होता तो हो जाता बेटा तू सीधे सीधे यहाँ वैल्यू डाल देता तो ये अपने आप एक तरह से ये वाला कॉन्सेप्ट लग के तेरे को सम और प्रोडक्ट मिल जाती ठीक है तो ये सब मत सोचा करो कि रटू रट लेता हूं रट लेता हूं पता है अच्छी बात है नहीं पता तो तू तो बेसिक तरीके से भी जा सकता है चल भाई आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं एक और उठा लेते हैं क्वेश्चन को एक और क्वेश्चन मैट्रिसेस का एक सर आप थ्योरी भी करवा रहे हो थैंक्स देख बेटा मैं तेरे को थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ बस ताकि क्योंकि लास्ट मोमेंट पर ऐसा ना हो क्वेश्चन करते करते तुम्हें याद ही नहीं आ रहा करना क्या है तो ए दिया हुआ है ऐसा कुछ जिसको अगर मैं डिटर्मिनेंट ए निकालूं क्योंकि आगे देटर्मिनेंट, देटर्मिनेंट बने हुए हैं मुझे दिख रहा है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर टाइप का बना है ठीक है भाई आगे डिटर्मिनेंट ऑफ टू ए का होल क्यूब तो यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ टू ए आ गया टू की पावर सेवन हो गया ना सेवन थ्री जवेंटी वन हा अब देख क्या करेंगे जब टू बाहर आता है तुझे पता है टू की पावर एन डिटर्मिनेंट तो ऑफ के ए बेसिकली के पावर टाइम्स होता है तो टू टाइम्स डिटर्मिनेंट ए आ गया सोलह डिटर्मिनेंट ए आ गया सोलह आगे पढ़ते हैं क्या निकालना था वैल्यू ऑफ एल्फा निकालनी है तो ध्यान से पड़ेगा देख अब डिटर्मिनेंट ए को जैसे ही मैं

बीटा तीन इसको पक्का सेटिस्फाई करेगी सर और भी तो कर सकती हैं फिर वही बात अपने को तो है इंटीजर है वन ऑफ द वैल्यूज पूछी गई है तो अल्फा की वैल्यू वन ऑफ द वैल्यूज फाइव हो सकती है बीटा की थ्री हो सकती है अल्फा की पूछी है तो मैंने अल्फा को फाइव कह दिया सर आइडेंटिटी का ट्रेस थ्री होता है बेटा वो थ्री बाय थ्री के लिए होता है यहां पर बात चल रही है टू बाय टू मेट्रिक्स की है ना तो आई भी तो टू बाय टू लोगे यहां पर ट्रेस आइडेंटिटी ये वाला बनाओगे ना वन जीरो जीरो वन टू बाई टू में तो टू बाई टू ही समझ गए सो अल्फा आ गया बढ़िया क्वेश्चन था इजी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप इस सवाल को निपटा सकते थे एग्जाम में चलो भाई एक और एक और बहुत एक और हलवा सवाल बेटा चल पोल करा जाए इस पर तो ये तो सवाल बेटा सभी लोग कर सकते हो करो हुँ। चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिकली अब कई महान व्यक्ति हमारे बीच जो महान हस्तियां हैं वो मेट्रिस में भी ए प्लस बी होल स्क्स बी स्क्स टू तो बचपन से सीखा है सर मेट्रिक में मेरे भाई ये ऐसे नहीं चलता ये चलता है इसको लिखते हैं ए बी प्लस बी एब ब्रैकेट खोलते हैं तो ये आइडेंटिटी हमेशा वैलिड होती है अगर कम्यूटेटिव है तो बात अलग है तो टू ए बी लिख सकते हैं अगर ए और बी कम्यूटेटिव है तो तू ए प्लस भी होल स्क्वायर चिपका सकता है तो यहां पर ऐसा कुछ दिया नहीं है तो मैं इसको नॉर्मल तरीके से खोलूंगा हाफ ए ए स्क्वायर प्लस ए ट्रांसपोज का होल स्क्वायर प्लस ए ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज इन टू ए और इस वाले में भी इसमें वैसे बच जाओगे तुम गलती करके भी कुछ गलत होगा नहीं तुम्हारा क्योंकि जेई मेन का सवाल है उतना दिमाग लगवाया नहीं है क्योंकि बेटा तुम्हारा ये तो कट ही गया टू ए बी वाला तो खेल ही कट गया इसलिए बच जाते बेटा तुम इसलिए तुम बच जाते है ना अब देखते हैं क्या हुआ तो हाफ ए बाहर ए स्क्वायर ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर टू ए ट्रांसपोज का स्क्वायर टू टू उड़ाओ ए को अंदर ले जाइए ए क्यूब प्लस ए ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए इंटू ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी है इसको आई कर दो तो ए क्यूब प्लस ए ट्रांसपोज ये तो बेटा सवाल शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया यार डी ऑप्शन समझा तो तू अगर लगा भी देता इसमें होल स्क्वायर तो भी तेरा आंसर बच जाता गलती नहीं होती क्योंकि अल्टीमेटली कट ही रहा है, वो वाला है ये डी ऑप्शन ये लो भाई पूरा मैंने कर दिया उसके बावजूद भी उसके बावजूद भी बेटा तू गलतियां कर रहा है थर्टी फाइव परसेंट लोग जल्दबाजी में है बी ऑप्शन को टिक कर रहे हैं बी ऑप्शन को टिक कर रहे हैं ए क्यू प्लस आई देखा क्या करा उसने गलती ये आई था आई लिख के खुश हो गया एक ए ट्रांसपोज भूल गया यही तो है बेटा छोटी छोटी गलतियां यही में यही गड़बड़ करनी है तुमने आता सबको है कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है जो लाखों बच्चे जेई पेपर दे रहे हैं दस बारह लाख दे रहे हैं एक लाख को तो आता होगा तमीज से पढ़ा होगा उन्होंने बट सलेक्शन कम का क्यों होता है क्योंकि बचे कुचे क्या है ये सब बेवकूफियां करते हैं एग्जाम में अब तुमने ही देखा पैंतीस लोगों ने इतना बड़ा ब्लेंडर कर दिया इसमें कि लास्ट में उसने आई कर दिया लास्ट पूरा आंसर कर लिया बस आई इंटू ए ट्रांसपोज को आई लिखकर आगे बढ़ गया ये सब चीजें अवॉइड करनी है पेशेंस से पेपर करना है जल्दबाजी नहीं मचानी है जितने पे क्वेश्चन होने होंगे हो जाएंगे जल्दबाजी करोगे तो उल्टा पड़ेगा बेटा सर पे हां तो इसलिए इस बात को ध्यान रखें चलो भाई अगला अगला प्यारा सा क्वेश्चन हम्म ए दिया है पी दिया है सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ पी इन ए पी माइनस टू आई अच्छा तो यार अब एक दिमाग में चीज ये आ रही है कि क्या इसका मतलब इन्वर्स निकालू पहले बैठ के पी का इन्वर्स निकालू फिर ए से मल्टीप्लाई करूं फिर पी से मल्टीप्लाई करूं फिर माइनस टू आई करूं फिर डिटा इतना नहीं करवाएगा जय बेटा इतना भी पागल नहीं हुआ अभी एन वाले इतना भी नहीं कर रहे हैं कि भैया इतनी मेहनत करवाएं तो कुछ ना कुछ ट्रिक इसमें पक्का है मेरे दिमाग में एक चीज आई क्यों ना इसको P आ गया देख तो I को लिख ले P इन इंटू पी समझा खेल मैंने क्या किया क्योंकि तुझे एक बात पता है आइडेंटिटी P इन इंटू पी और पी P इनवर्स P दोनों होता है है ना भाई दोनों होता है सर ये वाला क्यों लिखा वो क्यों नहीं क्योंकि यहां पहले P इनवर्स था उसमें भी मैंने पहले P इनवर्स बनाया ताकि अब मैं प्री वाला कॉमन ले लू प्री वाला जो P इनवर्स है उसको कॉमन ले लूंगा समझा बेटा अब पोस्ट वाला पी कॉमन ले ले और ये डिटर्मिनेंट अलग कर लिया तो डिटर्मिनेंट पी इनवर्स डिटर्मिनेंट ए माइनस टू आई हो जाएगा और डिटर्मिनेंट पी को कोने में राइट में अलग कर लिया ये दोनों तो कट ही जाते हैं तो अब तुम्हें बस डिटर्मिनेंट ए माइनस टू आई निकालना है क्वेश्चन में बेटा इतना सिंपल हो गया इतना सिंपल हो गया तो ए माइनस टू आई का डिटर्मिनेंट तुम्हें निकालना है ए माइनस टू आई कर लो बस अब क्या है ए में से टू वन टू सिक्स टू इलेवन थ्री थ्री टू में से टू टाइम्स आइडेंटिटी माइनस कर लो ये माइनस कर लीजिए राइट तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस टू आई हमने निकाल लिया यहां से ए माइनस टू आई निकालेंगे तो जीरो वन टू बेसिकली बाकी सब तो सेम रहेंगे डायगनल एलिमेंट को बस कर दो जीरो और ये भी जीरो डायगेल एलिमेंट ऐसे बन जाएंगे इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेता हूं तो जीरो तो जीरो हो गया माइनस वन इन टू माइनस थर्टी थ्री प्लस टू इन टू एटीन तो थर्टी थ्री प्लस थर्टी सिक्स सिक्सटी नाइन सिक्सटी नाइन आ रहा है भाई मेरा सर कैंसिल क्यों हुआ अरे बेटा जी अब तुम अगर यह चीजें भी पूछोगे तो बात ही नहीं बनेगी तुम्हें एक बात पता है डिटर्मिनेंट ऑफ पी इनवर्स अपॉन डिटर्मिनेंट भी होता है भाई डिटर्मिनेंट इनका रेसिप्रोकल होता है एक दूसरे का इसलिए कट गए ये दोनों उसका रेसिप्रोकल होता है ये तो पता होना चाहिए यार एनसीआरटी में लिखा हुआ है ये एनसीआरटी की चीज भी अगर तू पूछेगा इस टाइम पर आके 69 क्या करना है प्राइम फैक्टर तो 69 के प्राइम फैक्टर होते हैं थ्री इंटू ट्वेंटी थ्री थ्री इंटू ट्वेंटी थ्री उनका सम पूछा है छब्बिस हो गया ए ऑप्शन छब्बिस हो गया भाई ए ऑप्शन ठीक है सर पूरा सॉल्व मत करो कर लेंगे थोड़े करने दे अभी क्लास के एंड तक आते आते मैं बस मेथड्स बता दूंगा बट अभी कई लोग जुड़े हैं अभी तुझे पता ही है काफ़ी सारे लोग रात तक आते आते सो जाएंगे बट ये लोग जो पढ़ने आए हैं जिन्होंने जो जीरो से हीरो बनना चाहते हैं उसको पूरा पूरा करवा देता हूँ सर hmm. इस क्वेश्चन में मैंने पंद्रह मिनट लिया अरे यार अब देख भाई तो दिक्कत है ना एक लिख रहा है सर मजा नहीं आ रहा तू बेटा मजे ही लेते रह जाएगा तेरा आई आई टी भी निकल गया अब तू बारहवीं के एंड में आ गया तूर जय ही आ रहा है कल परसों तुझे अभी भी मजे ही लेने हैं ये बता तुझे अभी भी मजे ही लेने हैं क्लास में तुझे अभी भी स्टोरी सुननी है गाने सुनने है, शायरी सुननी है यही करने आया तू तेरे को यही करना है जिंदगी बेटा तेरी स्टोरी बना देगी इसलिए पढ़ाई कर ले अभी तो अभी मजे के लिए मत पढ़ अब जेई के सिलेक्शन के लिए पढ़ ले सर मजा नहीं आ रहा तुझे बेटा मजे या डांस करूं गाने सर प्राइम फैक्टर वन भी तो होता है बेटा वन तो प्राइम ही नहीं होता लगता है दसवीं वाले आ गए हैं <laughs> दसवीं वालों को भी पता होगा ये तो प्राइम चल बेटा आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं एक क्वेश्चन जो नहीं आया अभी जय ने इस साल अभी कम पूछा है बेटा फर्स्ट अटेम्प्ट्स में जनवरी वाले में मेट्रिसिस के ऊपर जो टॉपिक है वो है एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पे मुझे कोई क्वेश्चन नहीं दिखा फर्स्ट जो जनवरी वाले शिफ्ट के अंदर बट पिछले साल बहुत क्वेश्चंस आए थे जैसा कि एक सामने लिखा है तुम्हारे ठीक है तो इसको भी एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं सिमेट्रिक मेट्रिक दिया है देखो ए बी सी एबीसीबी थ्री मेट्रिक ए सिमेट्रिक दिया है बी एंड सी क्यू दिए हैं तो सिमेट्रिक का मतलब समझते हो ना ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्यू का मतलब इवन तो जरा तरह काम करता है जैसे इवन आउट फंक्शन होते हैं वैसा ही कुछ होता है हाँ सर लेकिन ऑर्थोगोनल है ये नहीं दिया है मैंने कब बोला बेटा ऑर्थोगोनल चाहिए

अगला एक और बड़ी प्यारी सी इसमें थ्योरी होती है देख बेटा क्योंकि तुझे दिख रहा है ए की पावर तेरा बी की पावर छब्बीस इन सब की बात करिए तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर कोई सिमेट्रिक सिमेट्रिक है symmetric की कोई भी पावर करूं मैं एन तो वो सिमेट्रिक ही रहता है मतलब अगर ए सिमेट्रिक है तो ए की जितनी मर्जी पावर कर लूं तेरा कर लूं छब्बीस कर लूं हजार कर लूं सारे के सारे सिमेट्रिक रहेंगे बट स्क्यू सिमेट्रिक में क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की अगर मैं ऑड पावर करता हूं तो ही वो स्क्यू रहता है बट स्क्यू सिमेट्रिक की अगर इवन पावर कर दूंगा तो वो सिमेट्रिक बन जाता है ये छोटा सा टॉपिक है याद रखिए इसको समझा अगर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसकी कोई मर्जी पावर कर सिमेट्रिक ही रहेगा बट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जैसे ये था बी स्क्यू सिमेट्रिक है तो बी की पावर ऑड करूंगा तो ये स्क्यू ही रहेगा बट बी की पावर इवन कर दूंगा सिमेट्रिक बन जाएगा बेटा जादू हो जाएगा एसी सी में भी क्योंकि सी बी था बट सिमेट्रिक में सारी पावर्स में वो सिमेट्रिक ही रहेगा इसका क्या काम है इधर देख तो ए की पावर थर्टीन पहले ऑप्शन में देख ए की पार थर्टीन आ रहा है पी की पार छब्बीस आ रहा है एक काम करता हूं ए की पार थर्टीन को एक्स ले लेता हूं बी की पावर छब्बीस को वाई ले लेता हूं तो ए तो सिमेट्रिक था तो ये भी सिमेट्रिक हो जाएगा क्यू था बट बी की पावर इवन कर दी है छब्बीस इवन नंबर है यानी कि वाई भी तेरा सिमेट्रिक हो गया है ना? तो अब एक नया मेट्रिक बना रहा हूं नया मेट्रिक्स बना रहा हूं माइनस वाई एक्स है ना ऑप्शन में एस वन में तुम्हारा एक्स वाई माइनस वाई एक्स टाइप का मेट्रिक्स बनाया हुआ है एक्स वाई माइनस वाई एक्स टाइप का बनाया हुआ है राइट तो Z ट्रांसपोज क्या हो जाएगा एक्स वाई ट्रांसपोज तुझे पता है उल्टा हो जाता है की जगह जगह क्योंकि symmetric है इसकी X, XY तो तो ये माइनस टाइम्स जेड आ गया सो जेड ट्रांसपोज इज माइनस जेड आ गया, तो गया यानी पहला वाला सिमेट्रिक बोलना गलत है स्क्यू आया है पहला जेड तो स्क्यू आया है राइट right, Z हमारा स्क्यू आया है समझ गए बहुत ही प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट लग रहे हैं इसमें ये वाले कि भाई सिमेट्रिक की पावर कोई मर्जी सिमेट्रिक रहती है स्क्यू की पावर इवन हो जाए तो वो भी सिमेट्रिक बन जाती है सेकेंड वाले पर अब बिल्कुल ऐसी बेटा तुम सोचो ए की पार छब्बीस को अब एक्स मान लेते हैं सी की पार तेरह को वाई मान लेते हैं स्टेटमेंट नंबर टू में स्टेटमेंट नंबर टू में एक्स वाई माइनस वाई एक्स हो गया इसको जेड मान लिया इस बार नोटिस करो एक्स तो सिमेट्रिक ही रहेगा एक्स तो तेरा सिमेट्रिक ही रहेगा क्योंकि सिमेट्रिक की कोई मर्जी पावर कर ले और सी तेरा स्क्यू था क्यू की पावर ऑड तो वाई भी तुम्हारा स्क्यू रहेगा क्योंकि क्यू की पावर तेरा करी है, तेरा इज एन ऑड नंबर इसलिए बेटा वो वाला स्क्यू ही रहेगा ट्रांसपोज ले ले z ट्रांसपोज हो गया y ट्रांसपोज की जगह माइनस वाई ये x प्लस एक्स वाई तो z ट्रांसपोज तुम्हारा सेम एज आ गया z ट्रांसपोज इक्वल टू z आ गया यानी स्क्यू नहीं है ये सिमेट्रिक ही बन गया यानी स्टेटमेंट टू करेक्ट है तो ओनली एस टू इज ट्रू ए ऑप्शन ए ऑप्शन आ गया है बेटा आया ना मजा ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में बट पिछले साल बहुत आए हैं इसलिए ध्यान रखिएगा इसका सही है ट्रांसपोज क्यों किया अबे ट्रांसपोज करने से ही तो समझ आता है सिमेट्रिक है कि क्यू सिमेट्रिक है तुझे तो अगर कोई भी मैट्रिक सिमेट्रिक क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक पूछा जाए तो उस मैट्रिक्स को तो ट्रांसपोज ही तो लेगा लगता है बेटा पढ़ाई नहीं करी है बिल्कुल विशाल भर अब बेटा नींद खुली है तेरी हाँ <kuhm> चलो आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे तो अब कुछ एड से रिलेटेड चीजें करा देता हूं एडजॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन एड और इनवर्स इनवर्स के तो करे एड का एक भी नहीं हुआ है उसका भी करा देता हूं एडजॉइंट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो काम आएंगी वो देखेंगे पहले देखते हैं इज अ थ्री बाय थ्री मेट्रिक्स डिटर्मिनेंट एट ज्वाइंट एट ज्वाइंट एट ज्वाइंट इसका फॉर्मुला होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर एन माइनस वन होल क्यूब अब ये ही नहीं पता सर मुझे कहां से आया तो बेटा पहले जाके थ्योरी पढ़नी पड़ेगी देख अब ये सब शॉर्टकट में नहीं बताया जा सकता कि डिटर्मिनेंट में अगर तीन बार एड ज्वाइंट लिखा है तो एन माइनस वन होल क्यूब होता है चार बार एडवाइंट ज्वाइंट लिखा होता तो एन माइनस वन होल पावर फोर हो जाता ठीक है जिनको दिक्कत है ये मैंने लिखी हुई है यहाँ प्रॉपर्टीज पढ़ लेना आराम से सारी है देखिए यही वाले का एक्सटेंशन है दो तो में एन माइनस वन होल स्क्वायर होता है तीन में एन माइनस वन होल क्यूब हो गया चार में एन माइनस वन की पावर चार हो जाती तो डिटर्मिनेंट ए एन क्या होता है ऑर्डर थ्री बाय थ्री था माइनस वन टू एट डिटर्मिनेंट ए होल से ट्वेल्व है ना पावर फोर हटा दी डिटर्मिनेंट ए होल स्क्वायर ट्वेल्व आ गया इसको देखते हैं क्या है इसको तो प्रोडक्ट को तोड़ लो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स वन अपॉन डिटर्मिनेंट ए आज बताया था एड ज्वाइंट का होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर एन माइनस वन के वाली सेकेंड प्रॉपर्टी थ्री था तो वन बाई डिटरमिनेंट ए होल स्क्वायर हो गया एक A कट गया ए की वैल्यू यहां से प्लस माइनस रूट ट्वेल्व आनी चाहिए बट ऑप्शन में नेगेटिव ही नहीं करना है आपको ए ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा तो ये इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है राइट right? एक आया था इस तरह का भी इस बार ये जैसे ये था एक और आया था और मजेदार बात ये थी कि इसमें थोड़ा सा और भी चैप्टर मिक्स थे ध्यान से देखो जरा क्या है ध्यान से देखो क्या है देखिए क्या है कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो रहा है सर वेरी गुड देख क्या है थ्री बाय थ्री मैट्रिक्स डिटर्मिनेटेड टू दिया है टू दिया है और एन दिया डिनेट एट ज्वाइंट दो हजार चौबीस बार दिया है तो एन की वैल्यू हो जाएगी डिटर्मिनेट ए की पावर एन माइनस वन की पावर दो हजार चौबीस है ना भाई क्योंकि 2024 बार adjoint, adjoint, adjoint लिखा है तो मैंने अभी बताया था एन माइनस वन वोल क्यूब था तीन बार में तो यहां एन माइनस वन की पावर और एन तो तीन है तो एन को तीन डाला दो की पावर दो हजार चौबीस और डिटर्मिनेंट ए की जगह भी टू डालना है तो टू की पावर टू की पावर दो हजार चौबीस है और अब सवाल शुरू होता है बाइनोमियल थ्योरम का बेटा अब सवाल शुरू होता है बाइनोमियल थ्योरम का कि द रिमाइंडर वेन एन इज डिवाइडेड बाय नाइन अब तुमने क्या करना है ये भाई साहब जो एन है इसे नौ से डिवाइड करना है ठीक है भाई हाँ बाइनोमियल से मिक्स है बिल्कुल बिल्कुल बाइनोमियल से मिक्स है तो देख अब मैं क्या करूंगा जनरली ऐसे में तो मैं तुम्हें तो पता है बट ये पावर थोड़ी गंदी सी दे दी एक काम करता हूं पहले टू की पावर दो हजार चौबीस को देख मुझे नाइन तक पहुंचना है नहीं वन प्लस एट वन प्लस एट है ना तो मुझे यहां दिख रहा है टू स्क्वायर अलग करता हूं टू जीरो टू टू अलग करता हूं ताकि इसको तीन का मल्टीपल बनाया देख पावर को और इसको एट की पावर लिख ली तीन से डिवाइड कर लेते हैं सिक्स फोर और एट को लिख ले बेटा नाइन माइनस वन की पावर सिक्स सेवेंटी फोर राइट right? समझा मैं क्या कर रहा हूं बेसिकली मैं नाइन का फैक्टर ला रहा हूं पहले एट लाया उसके लिए टू क्यूब लाया और नाइन माइनस वन लिखा और पावर इवन है तो अब इसमें जब बाइनोमियल लगाएंगे पहले सब में से नौ कॉमन आएगा नाइन टाइम्स के और लास्ट वाली डिजिट प्लस वन होगी क्योंकि इवन नंबर है ना बाकी लाइन लास्ट में से वन रहेगा नाइन कॉमन नहीं आएगा बाकी सब में से नाइन आएगा अगर बाइनोमेल लगा दू तो बाइनोमेल में बताइए ये चीजें तो ये टू की पावर दो को मैं ऐसे लिख सकता हूं फोर थर्टी सिक्स के प्लस फोर टाइप का नंबर है थर्टी सिक्स के प्लस फोर टाइप का नंबर है फिर से बेटा हमें इसको नौ से डिवाइड करना है तो टू क्यूब फिर से अलग करूंगा यानी ये तो सोलह हो गया इसको टू क्यूब की पावर बारह के कर लेता हूं बारह छत्तीस है ना ऐसे और अब टू क्यूब को एट लिख लेता हूं फिर से तो नाइन माइनस वन की पावर ट्वेल्व के ट्वेल्व के इवन नंबर है फिर से इसको बेटा में से नौ कॉमन आएगा लास्ट टर्म में से नहीं आएगा लास्ट टर्म इवन है पावर इवन है ना तो प्लस वन में एंड होगी तो इस तरह से मैं इस नंबर को लिख सकता हूं और अब नौ से डिवाइड कर ले अब तो हो गया बेटा जब 9 से डिवाइड करूंगा 16 इंटू नाइन आई प्लस सिक्सटीन को जब 9 से डिवाइड करूंगा परफेक्टली डिविजिबल 16 बटे नौ नौ से डिवाइड करूंगा सात आएगा रिमाइंडर सात आएगा रिमाइंडर करेक्ट तो दो चैप्टर मिक्स होगा इसमें डिटर्मिनेंट्स और रिमाइंडर यानी बाइनोमियल थियोरम टफ क्वेश्चन था ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन था इस वाले शिफ्ट का ये 29 जनवरी का छोड़ने वाला क्वेश्चन था देख एग्जाम में सर फिर आप अभी क्यों करवा रहे हो बेटा देख हो सकता है इसका ईजियर वर्जन दे दें जैसे इसी का ईजियर वर्जन ये वाला क्वेश्चन आया था चौबीस तो जनवरी को इसको छोड़ना नहीं था ये आपको करना था तो हम अभी कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं मैं तुम्हें टफ वाले इसलिए करवा रहा हूं ताकि तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ आए कि अगर इसको उठा के इजी वाले में डाल दें तो मैं वो वाला एग्जाम में कर दूं बाकी तेरा पेपर देने का तरीका वही रहेगा जो फालतू के टफ हैं स्पेशली इंटीजर टाइप में उन्हें उड़ा दे क्योंकि दस में से वैसे ही पांच करने हैं राइट सर बाइनोमल नहीं आती तो बेटा पहले बायनोमल पढ़ फिर क्योंकि बाइनोमल में एक क्वेश्चन पक्का है अगर समय बचा है तो पढ़ ले चलो भाई अब आ जाते हैं हम कैलकुलस पे मेट्रिस डिटर्मिनेंट अपना हो गया है अब हम कर रहे हैं शुरुआत सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट इन टर्म्स ऑफ वेटेज इन टर्म्स ऑफ साइज कैलकुलस की राइट right? कैलकुलस का पहला रिलेशंस एंड फंक्शंस शुरू करते हैं राइट चलिए देखिए रिलेशन एंड फंक्शन रिलेशन में तो देख एक ही तरीके का सवाल जो कि ऑलमोस्ट गारंटीड है तेरे को पेपर में दिखेगा ही दिखेगा 100 परसेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव फंक्शंस में डोमेन टाइप के आ जाते हैं पीएनसी वाले कुछ क्वेश्चंस जो जनरली बहुत बच्चे छोड़ते हैं कॉम्पोजिट <laughs> और इनवर्स के कुछ क्वेश्चन ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल फंक्शन के कुछ क्वेश्चन तो ये सब चीजें हमें रिलेशन फंक्शन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो तुम्हें रिवाइज करके जाने ही जाने हैं चल देखते हैं क्वेश्चन रिलेशन के पहले देख लेते हैं जल्दी से क्या दिया गया है कंसीडर द रिलेशन आर वन आर टू पहला रिलेशन है ए रिलेट्स बी सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज वन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज वन ठीक है

ध्यान से सुनेंगे भाई लैंग्वेज खतरनाक सी होती है एन क्रॉस एन मतलब दोनों नेचुरल नंबर हैं वो ए बी सी डी सारे तो कौन कौन सा इक्विवेलेंस रिलेशन है ये बताना है कौन कौन सा इक्विवेलेंस रिलेशन है अब तुझे पता नहीं है इक्विवेलेंस क्या होता है इक्विवेलेंस होता है जो रिफ्लेक्सिव भी हो सिमेट्रिक भी हो ट्रांजिटिव भी हो तो पहला वाला तो बेचारा रिफ्लेक्सिव में ही मार्क आ गया क्योंकि हर एक रियल नंबर अपने आप से तो रिलेटेड है ही नहीं क्योंकि यहां पर आप देखोगे जीरो कॉमा जीरो तो है ही नहीं A, A, A की वैल्यू जीरो बी की वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही ए की वन बी की वन सेटिस्फाई नहीं कर रही सो so रिफ्लेक्सिव ही नहीं है ये तो तो ट्रांजिटिव तो भूल ही जाओ तो यानी पहला रिलेशन आर वन तो नॉट इक्विवेलेंस देखकर ही समझ आ गया कि भैया फर्स्ट जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव ही नहीं है यार भूल जाइए ट्रांजिटिव सिमेट्री तो चेक ही नहीं करूंगा क्योंकि अपने आप से ही रिलेट नहीं हो पा रहा जीरो जीरो वन वन टू टू कोई भी नहीं हो रहा तो इसलिए इसलिए हम बोल देंगे नॉट इक्विवेलेंस है पहला वाला तो क्योंकि हर रियल नंबर के लिए होना चाहिए था ठीक है अब r2 की बात करेंगे r2 की बात करते हैं r2 में कह रहे हैं कि a प्लस ए बी को रिलेट कर दो C, D से सच दैट कब रिलेट करोगे जब a प्लस डी की वैल्यू मतलब इक्वल टू बी प्लस सी होगी कैसे याद रखो कि इसका इसका सम इसका इसका सम बराबर होगा जैसे टू कॉमा थ्री और फाइव कॉमा सिक्स ये रिलेट हो जाएंगे क्यों क्योंकि टू और सिक्स का सम एट है पांच और तीन का सम भी एट है तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेट हो जाएंगे समझ गया ना कैसे रिलेशन चल रहा है आर टू तो क्या आर टू इक्वेलेंस है तो देख ऑब्वियसली पहले मैं अगर ए बी सी डी की जगह भी ए बी डाल दूं तो ए बी क्या आर रिलेशन ए बी से है बिल्कुल क्योंकि इनका सम ए प्लस भी है इसका भी ए प्लस भी है तो अपने आप से तो रिलेटेड है ही यानी रिफ्लेक्सिव तो है रिफ्लेक्सिव तो है और ऑब्वियसली सिमेट्रिक के लिए ए बी रिलेटेड टू सी डी है अगर यानी कि ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी है तो उसका उल्टा भी तो ट्रू ही होगा सी डी तो पक्का फिर रिलेट होगा ही ए बी से क्योंकि अगर ए प्लस डी बी प्लस सी के बराबर है तो सी प्लस बी और ए प्लस डी भी बराबर होंगे तो सिमेट्री तो है ही सिमेट्रिकल तो हो गया सिमेट्रिकल तो हो गया बेटा नेचुरल नंबर है सर हाँ तो नेचुरली तो लिया है बट पहले वाले में ये भी रियल नंबर था देखना रियल है मैंने तो नेचुरल भी लिया तब भी नहीं सेटिस्फाई हो रहा ना फर्स्ट रिलेशन सेकंड में नेचुरल ही ले रहा हूं सेकंड में नेचुरल ही ले रहा हूं देखो और थर्ड और फिर क्या है ट्रांजिटिवनेस चेक करनी है तो रिफ्लेक्सिव भी आ गया सिमेट्रिक भी ट्रांजिटिव का मतलब होता है ए बी सी डी से रिलेटेड है और सी डी ई एफ से रिलेटेड है तो हमें चेक करना है कि क्या ए बी ई एफ से रिलेटेड होगा है ना यही तो पता लगाना है हमने इसका मतलब क्या है ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी है इसका मतलब क्या है सी प्लस एफ इक्वल टू डी प्लस ई है और अगर ये रिलेटेड होगा तो बस ये पता लगा लो ए प्लस एफ क्या बराबर बी प्लस ई है ये पता लगा लीजिए बस अगर है तो ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा समझ रहा है ना कैसे सोच रहा हूं मैं तो अब मैंने क्या किया मुझे ये दो रिलेशन गिवन है गिवन है ये तो वैलिड है इनको ऐड कर देता हूं देख ऐड करते ही सी कटेगा टी कटेगा ए प्लस एफ बराबर बी प्लस ई ए प्लस एफ बराबर बी प्लस ई यही रिलेशन आ गया यानी कि ये भी रिलेटेड होगा यानी ट्रांजिटिवनेस भी वैलिड है ट्रांजिटिवनेस भी वैलिड है आया ना मजा तो यानी कि हमारा ये जो रिलेशन है आर टू हो गया R2 is equivalence. R1 तो घटिया था कुछ नहीं था ओनली आर टू इज B बी ऑप्शन सही हो गया पेशेंस से करने होते हैं क्वेश्चन जल्दबाजी नहीं करने सर बोर्ड क्वेश्चन हाँ इस तरह का बोर्ड में भी आ चुका है बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं बहुत ही है। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसिटिव के तो फ्री के मार्क्स हैं ऑलमोस्ट बहुत कई बार टेढ़ा मेढ़ा आ गया अलग बात है जनरली स्पीकिंग बिल्कुल फ्री के मार्क्स है दो घंटे लग जाएंगे आर वी आर रिलेशन ऑन जेड क्रॉस जेड मतलब इंटीजर्स ए बी रिलेटेड है सी डी से फिर से कॉर्डिनेट जैसा है डी माइनस बी सी डिविजिबल बाय फाइव कैसे करना है कि इन दोनों का इस बार प्रोडक्ट लेना है माइनस इनका प्रोडक्ट लेना है और वो पांच से डिविजिबल है तो ए बी को सी डी से रिलेट तब करना है जब ए डी माइनस बी सी फाइव के टाइम का टाइप का है ऐसे लिख लिया करो दोबारा तुम एक बार दिमाग से गो थ्रू हो जाएगा कि क्या लिख बोलना क्या चाह रहा है चलिए तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्री चेक करते हैं तो रिफ्लेक्सिव के लिए ए कॉमा बी को रिलेट करना है ए कॉमा बी से है ना भाई तो इनका प्रोडक्ट आ जाएगा ए बी माइनस ए बी सो माइनस ए वो तो जीरो होता है और जीरो तो पांच पांच से डिविजिबल है यानी रिफ्लेक्सिव तो पक्का हो गया जीरो तो डिविजिबल है हर चीज से तो यानी फाइव से भी डिविजिबल है तो so, रिफ्लेक्सिव तो हो गया सिमेट्री के लिए क्या करोगे भाई सिमेट्री के लिए तू समझ गया अगर ए डी माइनस है तो सी डी है ना भाई बी सी सी माइनस एडी भी तो फाइव का मल्टीपल होगा अगर ये मल्टीपल है तो ये भी होगा भाई यानी रिफ्लेक्सिव तो है तो सिमेट्रिक भी है सिमेट्रिक 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 भी 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 है 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 भाई है। है हाँ सर तो सिमेट्रिक भी हो गया ट्रांजिटिवनेस के लिए फिर से वही कहानी ट्रांजिटिवनेस के लिए यही कि ये दोनों गिवन मान लूंगा और ये प्रूव करने की कोशिश करूंगा जैसे इसमें किया था राइट तो ए बी टी डी से रिलेटेड है टी डी एफ से रिलेटेड है तो हमें पता लगाना है क्या ए बी ई एफ से रिलेटेड होगा इसका मतलब था कि ए डी माइनस बी सी फाइव के टाइप का है और एफ माइनस बीई का पता लगाना है तो देख ए एफ माइनस बी यहां से बनी नहीं पाएगा इन दोनों को ऐड कर ले मल्टीप्लाई कर ले सब कर ले कुछ नहीं बन रहा इस टाइप का सो कांट से हो जाएगा हमें नहीं पता कि भाई ये बनेगा कि नहीं बनेगा कोई भी नहीं बन रहा है यानी ट्रांजिटिवनेस को नहीं बोल सकते इसलिए रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक होगा बट नॉट ट्रांजिटिव सर ऑप्शन एलिमिनेशन से ही हो जाता हाँ बिल्कुल हो जाता बिल्कुल हो जाता आगे क्योंकि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो हम प्रूव कर ही चुके नहीं ट्रांजिटिव भी तो देखना पड़ेगा ना हमें डी ऑप्शन भी था ए आंसर अपना करेक्ट हो गया बेटा आई होप समझ आ गई है बात आपको देख लीजिए ऐसे कर रहे हैं ये मुश्किल वाले थोड़े करा दिए मैंने तुम्हें इजी वाले बाकी तुम खुद से कर लेना अब हम आ जाते हैं कुछ फंक्शंस के क्वेश्चंस पर फंक्शंस के सवालों पर आ जाते हैं हम्म hmm. सर उन दोनों को अगर ऐड कर देते तो बेटा अगर ऐड कर देते तो कहाँ बन रहा है सोच नहीं बनेगा ना ए एफ मल्टीप्लाई कैसे हो जाएगा बता ए एफ तो मल्टीप्लाई होगा ही नहीं ना ए डी माइनस सी एफ होगा ए एफ हमें तो मल्टीप्लाइड चाहिए बी ई मल्टीप्लाइड चाहिए हो ही नहीं रहा वो कहीं से इसलिए कांड से लिख दिया मैंने चलो डोमेन का क्वेश्चन करेंगे डोमेन का क्वेश्चन करेंगे बेटा डोमेन ऑफ द फंक्शन ये तो बेटा ग्यारहवीं वाले भी कर सकते हैं बहुत इजी क्वेश्चन इसका डोमेन निकालने का मतलब रूट डिफाइन करूंगा पहले जिन्होंने सिर्फ इलेवेंथ करी है वो भी कर सकते हैं और मुझे पता है एक्स प्लस माइनस टू नहीं है डिनोमिनेटर को दिक्कत हो रही है एंड साथ में लॉग को डिफाइन करने के लिए ये ग्रेटर देन जीरो इन दोनों को सॉल्व करके वेवी कर्व लगा के इंटरसेक्शन लेना इतना आसान क्वेश्चन मतलब बिल्कुल हलवा सवाल दिया है जय ने इसके फैक्टर ये हो गए माइनस पांच पांच सॉलिड डॉट वेबी कॉ इसमें क्या फैक्टर हो गए एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री इसके फैक्टर हो गए थ्री और माइनस फाइव देख लो भाई देख लो भाई थ्री तो इधर होगा थोड़ा सा लेफ्ट में थ्री तो थोड़ा सा लेफ्ट में होगा और माइनस फाइव माइनस फाइव के नीचे ही होगा और इस वाले में ओपन डॉट चलेगा तो हमारे पास आ गया हमारे पास आ गया एक तो फाइव से इन्फिनिटी और एक माइनस इंफिनिटी से माइनस फाइव तो बेसिकली डोमेन बहुत आसानी से निकल आई बेटा ये दोनों तो आए नहीं तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस फाइव ओपन यूनियन फाइव टू इन्फिनिटी देख लो भाई इससे कंपेयर किया जाए तो अल्फा आ गया माइनस फाइव बीटा आ गया फाइव अल्फा का स्क्वायर हो गया पच्चीस और बीटा का क्यूब हो गया एक सौ पच्चीस तो डेढ़ सौ हो गया भाई आंसर सी ऑप्शन आ गया डेढ़ सौ सी ऑप्शन कितना ईजी मतलब बिल्कुल ही बेसिक सवाल यही मेन ने पूछा है जिनको बेबी कॉ आता है बेसिक डोमेन वगैरह के फंडे क्लियर हैं वो इस क्वेश्चन को बड़ी प्यार से कर देते बहुत ही आसानी से कर देते सर आंसर तो बताते जाइए बेटा बता तो दिए तेरे को सारे आंसर तो निकाल निकाल के दिखा रहा हूं और कैसे बताऊं तेरी नींद लग गई थी क्या बीच में लोग पूछ रहे हैं सर सेकंड शिफ्ट में है क्या नहीं सेकंड नहीं, इवनिंग शिफ्ट है वो सेकंड मतलब इवनिंग है फर्स्ट इवनिंग ठीक है चलो एक और देखते हैं ही डोमेन का डोमेन का एक और क्वेश्चन देख अगले दिन भी तीस जनवरी को भी आ गया डोमेन ऑफ दिस फंक्शन एल के अंदर जो है ये पॉजिटिव होना चाहिए और कॉस इनवर्स के अंदर जो है वो माइनस वन से वन होना चाहिए दोनों तो को रख दे बेटा बहुत आसानी से आंसर आएगा जल्दी से इसमें तो पोल बनता है चलो ढाई मिनट का पोल दिया है जल्दी से निकालेंगे सर माइनस फाइव पे ओपन डॉट क्यों था बेटा क्योंकि ये सिर्फ ग्रेटर देन जीरो बनाना यहाँ सिर्फ ग्रेटर देन जीरो जब तो जब इंटरसेक्शन लेगा तो ओपन और सॉलिड का इंटरसेक्शन ओपन ही रहेगा ना ये वाला आएगा और यहां से ये वाला आ जाएगा इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं टू एक्स प्लस थ्री अपॉन इसको सिर्फ ग्रेटर देन जीरो लॉग के अंदर के फैक्टर बना लो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इधर लिख लेते हैं यहां से आ गया माइनस थ्री बाय टू माइनस वन थ्री बाय फोर प्लस वाला रीजन शेड सारे ओपन हो गए ये पहले लॉग वाले को सॉल्व करके आया देख लो भाई अमीज से करना है जल्दबाजी नहीं मचानी इस तरह के क्वेश्चन में जल्दबाजी करोगे तो दिक्कत हो जाएगी अगला वाला कॉस इनवर्स के आगे जो लिखा है टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू लेस देन इक्वल टू वन ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन इसको भी दोनों तरफ से सॉल्व करो इसको सॉल्व करता हूं तो 2x तो एक्स माइनस वन प्लस एक्स प्लस टू तो 3x एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ठीक है भाई साहब एक ये बन गया और ऐसे ही इस साइड को भी सॉल्व कर लीजिए So, x माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस टू लेस देन इक्वल टू जीरो ऐसा कुछ बन गया राइट अब देख जरा क्या हो जाएगा बेसिकली अब बस इनके भी बेबी कॉप बना ले और इनका भी है ही इंटरसेक्शन तो अगले पेज पे बना देता हूं इसका है माइनस वन बाई थ्री और माइनस वन बाई थ्री और माइनस टू तो माइनस टू पहले आएगा माइनस टू माइनस वन बाई थ्री प्लस माइनस प्लस प्लस एरिया शेड और इस वाले में है माइनस टू और थ्री नेगेटिव एरिया शेड माइनस टू और थ्री नेगेटिव एरिया शेड और एक भाई साहब हमारे पहले से बैठे थे ये वाले माइनस थ्री बाई टू माइनस वन माइनस थ्री बाई टू माइनस वन थ्री बाई फोर थ्री बाई फोर तो ऐसा कुछ भाई साहब देख लीजिए जरा अच्छा इन सब पे सॉलिड भी भाई ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि न्यूमरेटर वाले क्लोज्ड होंगे थ्री और माइनस वन बाय थ्री क्लोज होंगे थ्री क्लोज माइनस वन बाय थ्री क्लोज ये हॉलो हॉलो चलो अब तीनों का इंटरसेक्शन निकाल डालो हो गया बस अब तीनों का इंटरसेक्शन दिख पा रहा है आप लोगों को मुझे तो दिख गया भाई कौन सा आ रहा है माइनस वन बाय थ्री थोड़ा राइट में होगा एक्चुअली बड़ा है इससे माइनस वन से, -1 से माइनस वन बाय थ्री को राइट right में बना लो माइनस वन बाय थ्री यहां कहीं होगा तो अब जब मैं तीनों का इंटरसेक्शन ले रहा हूं बेटा तो मुझे दिख रहा है ये वाला रीजन थ्री बाय फोर से थ्री थ्री बाय फोर से लेके थ्री थ्री पे क्लोज थ्री बाय फोर पे ओपन थ्री बाय फोर से थ्री चेक कर लीजिए भाई क्या यही डोमेन आई है जल्दी बताइए क्या यही डोमेन आई है बेटा थ्री बाय फोर ओपन थ्री क्लोज जल्दी से कंपेयर करें तो अल्फा हो गया थ्री बाय फोर बीटा हो गया थ्री यहां वैल्यू डालेंगे फाइव बीटा मतलब पंद्रह माइनस फोर अल्फा मतलब थ्री तो बारह आ रहा है भाई आंसर बी ऑप्शन आ रहा है मेरा तो बी ऑप्शन आ रहा है बी ऑप्शन आ गया बेटा आया ना मजा देख कितना प्यारा क्वेश्चन पेशेंस का सवाल जल्दबाजी मत करना ऐसे क्वेश्चन में बस वेवी कर्व का क्वेश्चन था तीन वेवी कर्व बना के इंटरसेक्शन लेने थे ग्यारहवीं क्लास में सबसे स्टार्टिंग में बेसिक मैथ में चीज बताई जाती है वेवी कर्व लगाना चल एक ये हो गया है अब एक होमवर्क में दे रहा हूं बेटा बिल्कुल सिमिलर सा ही है देखो कॉस इनवर्स है और लॉग है वन अपॉन लॉग है तुम्हें तो निकालनी है तुम निकाल लोगे बहुत आसानी से जो होमवर्क में क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उन्हें कर जरूर लेना बेटा ठीक है सिमिलर से हैं वो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए इसलिए मैं वो क्वेश्चंस दे रहा हूँ चलो आगे बढ़ते हैं फंक्शन में अब डिफरेंट टाइप फंक्शन चैप्टर बहुत बड़ा है तुम जानते हो एक डोमेन टाइप के क्वेश्चन हो गए अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन तुम्हें पता है वन वन ऑन टू मैनी वन इन टू तो क्वेश्चन क्या है एक फंक्शन है नेचुरल अदर देन वन से नेचुरल डोमेन उसकी है ऑल नेचुरल अदर देन वन को डोमेन होती है ये और एफ एन है हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन समझा क्वेश्चन क्या है कि हाइएस्ट प्राइम फैक्टर जैसे मान लो अगर एफ टेन की बात करूं अगर को टेन ले लिया तो टेन का हाइएस्ट प्राइम फैक्टर क्या है पांच है ना पांच से बड़ा प्राइम फैक्टर नहीं है तो एफ टेन फाइव हो जाएगा वॉट इट एफ टेन क्या हो जाएगा फाइव हो जाएगा मान लो मैं अगर तुमसे पूछू एफ ऑफ हंड्रेड इसका सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर क्या है या वन ट्वेंटी वन पूछ लेता हूं चलो वन ट्वेंटी वन इसका सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर ग्यारह है तो एफ ऑफ वन ट्वेंटी वन ग्यारह हो जाएगा तो अब तुम्हें बताना है कि ये फंक्शन वन वन है मैनी वन है क्या है तो यार बहुत ऑब्वियस नहीं है इतना हलवा सवाल कि बेटा जिसने जरा भी पढ़ाई करके गया है वो बता सकता है कि भाई बहुत सारों में पांच आ सकता है सर एफ टेन फाइव लाए हो आप तो एफ फाइव भी तो फाइव ही होगा है ना क्योंकि पांच का सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर पांच ही है पंद्रह का भी एफ पंद्रह भी तो पांच ही होगा एफ पंद्रह का भी पंद्रह का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर फाइव ही आ रहा है तो कितने सारे नंबर है जिनका सेम इमेज बन रहा है फाइव यानी मैनी वन तो है ही मैनी वन तो है ही पोल रह गया भाई अपना पोल को हटा देते हैं जरा कौन से वाले में दिया था पिछले वाले में दिया था आई थिंक बी ऑप्शन था ना इसका चलिए वापस आते हैं तो मेनी वन तो भाई है ही अब ऑन टू है कि इन टू है ये भी बहुत ऑब्वियस है क्योंकि इधर जो रेंज आ रही है उसमें सिर्फ प्राइम नंबर आएगा बट को डोमेन में सारे नेचुरल दिए तो नॉन प्राइम नंबर यानी कॉम्पोजिट नंबर तो खाली बैठे हुए होंगे भाई तेरी इमेज जो भी आएगी अल्टीमेटली आएगा तो प्राइम नंबर तो सारे को डोमेन में कॉम्पोज़िट नंबर्स यानी नॉन प्राइम नंबर खाली बैठे होंगे मतलब इनटू भी होगा तो मेनी वन इनटू नाइदर वन वन नॉर ऑन टू डी ऑप्शन हो गया कितना इजी था देख कितना इजी क्वेश्चन आया था राइट तो इस बार जो, जो जेई मेन आया है 2024 में रिलेटिवली आसान आया है बेटा रिलेटिवली पिछले दो सालों के मुकाबले अब तुम कहोगे सर 27 जनवरी का है बट वैसे भी जनरली भी 2022 23 में कुछ ज्यादा ही मुश्किल थे बट 2024 में थोड़ा सा मॉडरेट करा है पेपर मैथ्स का जनरली दो पिछले दो साल से तो एडवांस लेवल ही पहुंचा दिया था सेम हाँ अगला क्वेश्चन एफ एक्स दिया है एफ ऑफ एफ एक्स कॉम्पोजिट आ गया भाई एफ ऑफ एफ एक्स है जी एक्स देन जी और जी ओ जी अच्छा समझ गया जी ऑफ जी ऑफ जी की बात करनी है तो जी की बात तो देख बाद में होगी पहले एफ ऑफ एफ तो निकालें कॉम्पोजिट निकाल के देखते हैं क्या हो रहा है इकत्तीस जनवरी का आसान नहीं था देख बेटा फिर तू रिलेटिव मैं रिलेटिव बात कर रहा हूं तू एब्सोल्यूट बात कर रहा है मैं रिलेटिवली बोल रहा हूं पिछले सालों के मुकाबले पिछले 2022 और 23 के मुकाबले इस साल के सारे ही पेपर्स जनरली स्पीकिंग इजी आए थे पिछले दो सालों के मुकाबले ठीक है और अप्रैल में भी ऐसा ही होने की संभावना है एफ ऑफ एफ एक्स निकालते हैं चलो एक्स को एफ एक्स से रिप्लेस कर दो देखते हैं अपने आप कुछ होगा शायद एफ एक्स को वापस ही डालो ठीक है हाँ, देखो जरा थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो बहुत गंदा बन गया सर कोई नहीं जरा एलसीएम वगैरह लेते हैं सिक्सटीन एक्स प्लस ट्वेल्व प्लस एटीन एक्स माइनस ट्वेल्व और नीचे आएगा सिक्स फोर द्वेंटी फोर एक्स प्लस एटीन माइनस ट्वेंटी फोर एक्स प्लस सिक्सटीन ये सब कट गया सोलह और अट्ठारह थर्टी फोर एक्स नीचे भी थर्टी फोर मजा ही आ गया यानी ये तो x आ गया सो so, f ऑफ एफ एक्स एक्स आ गया है दोस्तों मजा ही आ गया देख f ऑफ एफ एक्स क्या आ गया x ही आ गया अब तो बेटा जोश भर गया अंदर अब तो करूंगा सॉल्व एफ ऑफ एफ एक्स एक्स आ गया मतलब एक्स तेरा एक्स ही है जी एक्स तेरा एक्स ही है क्योंकि एफ ऑफ एफ एक्स तो एक्स तो आया है अब तेरे को तो तीन बार जी चिपकाना है तो जी ऑफ जी ऑफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा सर ये हो जाएगा जी ऑफ जी एक्स है ना भाई ठीक है सर और जी ऑफ जी एक्स क्या हो जाएगा सोच जी एक्स ही हो जाएगा और जी एक्स तुम्हारा एक्स है x ही हो जाएगा तो अल्टीमेटली चीज तो X ही आ गई तो ये जो फंक्शन है X ही आ गया जी ओ जी ओ जी जो है वो X ही आ गया है और तेरे को चार डालना चार हो गया आंसर बेटा ऑप्शन हो गया कितना इजी है फिर से देख जो बच्चों ने शुरुआत में ही डर गए अरे पता नहीं क्या होगा डरने के लिए ही तो देते हैं मैं बेटा बार बार तुम्हें एक ही बात बताता हूं जे में तुम्हें डराने के लिए देंगे क्वेश्चन बट तुमने तुम डरे नहीं तुमने क्या देखा अच्छा ये कुछ था ये कुछ कॉम्पोजिट ये निकालना है इसको निकालने के लिए मैंने यहीं से रस पकड़ा देखा डेस्टिनेशन क्या है ये इसको पकड़ने के लिए मैंने कहा चलो कॉम्पोजिट निकाल के तो देखें क्या होगा नहीं होगा ज़्यादा से छोड़ देंगे निकाल तो सही बेटा वो तो अब दिक्कत कहाँ है जहां तो देख ही डर गया तुमने तो निकालने की भी कोशिश नहीं करी कॉम्पोजिट निकाला तो अपने आप सवाल सॉल्व हो गया करेक्ट ये क्या था सर यही तो बेटा जोक था खुदा पहाड़ निकली चुह्या इसी को तो कहते हैं जेई के अंदर हम्म चलो एक और देखते हैं ऐसा क्वेश्चन भैया जेई का पिछले चार पांच वर्षों से बड़ा फेमस फेवरेट चल रहा है उससे पहले भी आता था कभी कभी आता था पिछले चार पांच सालों से बहुत ज्यादा मजे आ रहे हैं जय को इस टाइप का सवाल बार बार दे रहे हैं कौन सा एफ जी फंक्शन दे देंगे और इसकी डोमेन के बारे में बात करने को कहेंगे कॉम्पोजिट की डोमेन के बारे में ठीक है भाई सर वहां हवा टाइट हो जाती है ऐसे सवाल देखकर तो वही तो बोल रहा हूँ वहाँ पे हवा टाइट तेरी तब होगी जब तू प्रैक्टिस कम करके गया जो बंदा प्रैक्टिस पूरी करके गया उसे कॉन्फिडेंस है कि भाई आने दो मैं कर लूंगा मैंने देखे हर तरह के मैंने बेटा सबको देखा है अब तू देख ही नहीं गया ज़्यादा कुछ तेरे को पता ही नहीं भाई दुनिया क्या है तू वहां जाके तो डरेगा ही ना इसीलिए तो प्रैक्टिस खूब करने को बोलते हैं चल इसको भी देख इजी क्वेश्चन में मानेंगे हम f o g fog निकालते हैं तो x को g x से रिप्लेस करता हूं x को g x से रिप्लेस करता हूं f ऑफ g x हो जाएगा 2 g x plus 3 अपॉन 2 g x plus 1 ठीक है भाई साहब हाँ सर अब देख तेरे को इसकी डोमेन चाहिए तो दो चीजें हैं इसकी डोमेन के लिए एक तो g x डिफाइन होना चाहिए क्योंकि भैया भैय भाई साहब दिख रहे हैं हमें तो जब तक फॉक डिफाइन होगा यानी gx तो डिफाइंड होगा gx मस्ट बी डिफाइंड एंड बस ये ट्रिक याद रखनी है एंड डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए यानी gx की वैल्यू माइनस हाफ नहीं होनी चाहिए एक तो जी एक्स डिफाइंड भी होना चाहिए दूसरा gx क्योंकि डिनोमिनेटर भैया लफड़ा है डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो, तो gx माइनस हाफ नहीं होना चाहिए बस अब क्या है एक्स डिफाइंड कब है जीएक्स तो सर माइनस जीएक्स डिफाइंड ये स्टेटमेंट का मतलब हो गया जीएक्स की डोमेन मतलब ऑल ऑल रियल रियल अदर अदर देन देन ये तो होना ही चाहिए अब जी एक्स को माइनस हाफ रख के देख लेता हूं जो आ रहा होगा उसे भी उड़ा दूंगा ठीक है समझ गया आगे क्या करूंगा जो जीएक्स है इसे माइनस हाफ रख के देख लेता हूं ऑनड एक्स प्लस वन अपॉन टू एक्स प्लस फाइव को माइनस हाफ रख के देख लेता हूं जो एक्स आएगा उसे भी डोमेन से उड़ा दूंगा ऐसे क्वेश्चन आए हुए ना पहले पी वाई क्यू अगर तुमने करे हैं सॉल्व तो ठीक है भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं माइनस टू मॉड एक्स माइनस वन इज टू एक्स प्लस फाइव अब देख तुझे पता है मॉड नेगेटिव से खुलेगा एक्स नेगेटिव से जैसे ही खोलूंगा तो टू एक्स माइनस वन इक्वल टू टू एक्स प्लस फाइव टू एक्स टू एक्स कर गया तो बेकार की बात हो गई तो एक्स नेगेटिव तो रिजेक्ट ही हो गया एक्स पॉजिटिव ले लेता हूं भाई एक्स पॉजिटिव में मॉड पॉजिटिव से खुलेगा तो माइनस टू एक्स माइनस वन टू एक्स प्लस फाइव इतना आ गया भाई माइनस फोर एक्स इक्वल टू सिक्स ओ सॉरी माइनस टू था ना ये माइनस वन नहीं है माइनस टू है भाई क्योंकि जब टू क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहां पे टू बनेगा सही तो बोल रहा हूं ना भाई देख लेना जरा मेरे ख्याल से तो अब सही हो गया है हम्म, तो हमारे पास आ गया 4x एक्स बराबर माइनस सेवन एक्स बराबर माइनस सेवन बाय फोर ठीक है भाई हाँ अब देख बेटा अब आएगा मजा अब आएगा मजा तो यानी सर x इक्वल टू माइनस सेवन बाय फोर पर x इक्वल टू माइनस सेवन बाय फोर पर ये माइनस हाफ हो रहा है बट अपने को तो माइनस हाफ उड़ाना है तो अब गलती कहां हो जाती है जल्दबाजी ना कर बेटा जल्दबाजी ना कर मैथ्स के पेपर में जिसने जल्दबाजी करी उसका तो तय है बेटा हाँ उसका तय है चलो जो अर्जुना वाले हैं जो बहुत सारे मुझे दिख रहे हैं जो इस पिछले साल अर्जुना में थे अब लक्ष्य में आ गए लक्ष्य में वो बताएं कि भैया मैं आंसर सी को गलत क्यों कह रहा हूं सी मत मार्ग कर बेटा तुझे दिख रहा है कि ये तो आया था और ये भी उड़ा देता हूं माइनस सेवन बाई फोर सी ऑप्शन उड़ा हो जाता है सी गलत है सी गलत है क्यों गलत है जल्दी बता क्यों गलत है सी वालों जाग जाओ सी गलत है कुछ तो डी में पड़े हुए हैं वो बस इसी को उड़ा रहे हैं उनकी नींद लग गई ये तो देखा ही नहीं उन्होंने अबे दो चीजें थी ये डिफाइंड होने के लिए ये हटाना था और एक इसको ये चीज बेसिकली माइनस हाफ करने रख के देखा तो माइनस सेवन बाय फोर आ गया हाँ बता आ, शाबाश बेटा जी वेरी गुड केस क्या बना के बैठे हो x ग्रेटर देन जीरो और आया क्या है माइनस सेवन बाई फोर इसे तो वहीं उड़ा देते इसकी जरूरत ही नहीं है भाई हमें क्योंकि केस हमने x नेगेटिव जब बनाया था तो तो वैसे ही सब कटकटा के रिजेक्ट हो गया था फाइ आया था यहां से बट जब x पॉजिटिव बनाया तब एक नेगेटिव आया केस के साथ इंटरसेक्शन बता बता के बेटा टीचर्स तुम्हें थक गए जब भी मैथ्स में केस बनाओ उसमें जो भी सॉल्व हुआ है उसका केस के साथ इंटरसेक्शन जरूर लेना है उसको केस के अंदर ही रहना है केस पॉजिटिव बना के बैठे हो आंसर नेगेटिव आ रहा खुश हो रहे हो इसको भी यही रिजेक्ट कर डालोगे ये सोल्यूशन है ही नहीं इसका ये इस मॉड इक्वेशन का सोल्यूशन ही नहीं है यानी सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन आंसर हो सिर्फ माइनस फाइव बाई टू को उड़ाओगे ठीक है हो गया ना धोखा हो गया सर धोम हो गया बिल्कुल <laughs> क्योंकि जब जीएक्स को माइनस हाफ नहीं एफ एक्स की डोमेन देखनी नहीं है भाई कोई लोग कह रहे हैं एफ एक्स की डोमेन भी तो देखो जरूरत ही नहीं हमें तो फॉग डिफाइन करना है फॉग डिफाइन करने के लिए एफ एक्स को डिफाइन होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल ए ऑप्शन होना चाहिए ए ऑप्शन होना चाहिए सर ये लेक्चर वन शॉट कितना बेनिफिशियल है अगर पढ़ाई कर रखी है तो बहुत बेनिफिशियल है अगर पढ़ाई करी नहीं तो मुझे लग रहा है अब मैं पूरा ट्वेल्थ बर्बाद हुआ था एक साथ कर लूंगा मैं तो चैंपियन हूँ बाकी तो गधे हैं एक साल से लगे हुए हैं मैं एक दिन में पूरी ट्वेल्थ निपटा दूंगा फिर बेटा किसी काम का नहीं है तेरे लिए सर फिर तो बी हुआ ना अरे मेरे बेटे जीएक्स को डिफाइन करना था ना जी एक्स भी तो डिफाइंड था जीएक्स की डिफाइन करने के लिए ये वाला इतना तो आ ही गया था ना हमारा ए आंसर करेक्ट चलिए तो डोमेन ऑफ कॉम्पोजिट का एक क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है डोमेन ऑफ कॉम्पोजिट का एक क्वेश्चन करा दिया है अब एक रेंज ऑफ कॉम्पोजिट का बता रहा हूं बट होमवर्क में दे रहा हूं क्योंकि सिमिलर सा है इसलिए बता रहा हूं डोमेन में देख क्या करना होता है बिल्कुल अलग अप्रोच है रेंज में क्या करना है बिल्कुल अलग अप्रोच है फॉग है है एक एफ एजी है इसकी रेंज निकालनी है तो तुझे कॉम्पोजिट लिखना आना चाहिए नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड का मेथड होता है लंबा सा कि जब पीस वाइज फंक्शन होते हैं तो तुम्हें एफ ऑफ जी एक्स पूरा लिखना पड़ेगा और उसका ग्राफ बनाना पड़ेगा वहां से तुम्हें रेंज मिलेगी इसकी ठीक है तो ये होमवर्क में करना ये मैं अभी नहीं करवा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग भिदक जाएंगे इस क्वेश्चन में क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट लगता है बढ़िया रेंज ऑफ नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड सॉरी कॉम्पोजिट ऑफ नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन के क्वेश्चन जिसने प्रॉपर तरीके से जेई की तैयारी करी है उसे पता होगा इसलिए उनके लिए मैंने बता दिया है एक सेल्फ इनवर्स का करा दीजिए मेरे भाई एफ ऑफ जी एक्स जहां एक्स आया था ना ये सेल्फ इनवर्स का ही था ये कहां गया ये इसमें तो अगर इस इनवर्स निकालने जाएगा यही आ जाएगा भाई तभी तो एफ ऑफ एफ एक्स एक्स आया है तो जब भी सेल्फ इनवर्स हो रहा होगा एफ ऑफ एफ एक्स एक्स आ जाएगा ये एक ट्रिक होती है ठीक है याद रखना इन्वर्टेबल फंक्शन में एफ ऑफ एफ एक्स एक्स आ जाए तो मतलब सेल्फ इनवर्स है चलो एक और प्यारा सा क्वेश्चन एक और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन सर फॉग क्या होता है परफ्यूम वाला है क्या तू बेटा समझ गया मैं तू झुंझुना है मजे ले रहा है यहाँ इन बेचारों के जिनका कल पेपर है तू वो तो नहीं हो सकता जिनका पेपर है दो चार दिन में तो ये पूछे मुझसे आजकल फॉग चल रहा है वाला फॉग है क्या सर ये झुंझुना का ही सवाल हो सकता है फॉग क्योंकि तूने पढ़ा ही नहीं है बेटा अभी हाँ। सर भी तो लेस था अरे भाई साहब हे हे भगवान प्रभु जी बेटा जी वो तो नेगेटिव वाला जहां से शुरू होगी कहानी वहीं तो देखेगा या कहीं मर्जी जो मर्जी कहानी शुरू कर देगा ये बात तो अलग हो गई ना इसके ऊपर तक केसेस तो उसके नीचे बने हैं ना बेटा कैसी बेहूदी बातें कर रहा है यार हैं डोमेन जब जी एक्स डिफाइंड था तो ये था अब ये बात खत्म हो चुकी ठीक है अगला दिन अगली लाइफ अगली जिंदगी नया दिन नया सफर अब तुमने बोला कि माइनस हाफ रख के देखता हूँ तब केसेस बनाए जब उसके अंदर आया केस के अंदर वाले को रिजेक्ट करेगा ना केस के बाहर वाले को भी उड़ा देगा है <laughs> केस के बाहर भी जो भी आया था उसे भी उड़ा दूंगा सर मैं तो केस के अंदर जो आया उसका केस के साथ इंटरसेक्शन लेना है केस के बाहर वाले का नहीं हाँ चलो भाई अगले वाले पे आते हैं हम कर रहे थे ये वाला बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाई एफेक्स इक्वल टू दिस बोल रहा है द कर्व दर्व एफेक्ट इंटरसेक्ट एग्जैक्टली एट वन पॉइंट तो मतलब एफ एक्स एक क्यूबिक फंक्शन है उसके नंबर ऑफ रूट गिनने हैं तो एफ डैश एक्स निकालने चलेंगे हम सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाल लो तो ट्वेल्व रूट एक्स रूट टू एक्स स्क् माइनस थ्री रूट टू इक्वल टू जीरो थ्री रूट टू कॉमन फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन ठीक है भाई बट इसने डोमेन अगर तुम ध्यान से देखो हाफ से वन दी है तो इसका जो मैक्सिम मिनिमा के पॉइंट आ रहे हैं वो हाफ और माइनस हाफ आ रहे हैं तो अगर मैं हाफ से वन सोचू देख प्लस माइनस प्लस तो हाफ से बड़े में तो प्लस मतलब इंक्रीजिंग है एफ डैश एक्स पॉजिटिव है एफ डैश एक्स पॉजिटिव फॉर एवरी एक्स ग्रेटर देन हाफ है ना भैया हाफ से बड़े में डेरिवेटिव पॉजिटिव है यानी फंक्शन इंक्रीजिंग है बड़ी प्यार से देख कैसे हम कर रहे हैं क्वेश्चन थोड़ा एओडी लग रहा है तो एफ तो इंक्रीज करेगा सर कैन इलेवन स्टूडेंट्स वॉच दिस अरे यार ट्वेल्थ का रिविजन चल रहा है इलेवंथ के बच्चे कैसे देख लेंगे यार खुद ही बता कॉमन सेंस तो लगा ंट अंडरस्टैंड एनी थिंग सर बेटा उसके लिए बारहवीं रिपीट करनी पड़ेगी देख तुझे आज ट्वेल्थ का रिविजन है तो ट्वेल्थ क्लास नहीं पढ़ा रहा हूं मैं पूरी ठीक <laughs> है तो जो बच्चे समझ पा रहे हैं उन्हीं के लिए है क्लास नहीं समझ आ रहा तो लास्ट दिन में सैडली तो कुछ नहीं कर सकता सिर्फ मेरे ऊपर ब्लेम डालने के अलावा कि सर का पढ़ा रहे हैं इसलिए लास्ट दिन में मुझे समझ अभी पूरे साल तो तूने पढ़ाई करी नहीं अब तुझे लग रहा है सर कुछ ऐसी घुटी पिला दे एक दिन में मुझे सब समझ आ जाए ऐसा नहीं होगा दोस्त ऐसा नहीं होगा चल, अब क्वेश्चन पे सॉल्व कर लेते हैं बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है तो देखो अब मुझे फंक्शन तो इंक्रीजिंग है ये समझ आ गया है ठीक है सर दूसरी बात मुझे ये ये समझ आ गई है है कि देख हाफ से लेके पर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। तो एफ ऑफ हाफ देख लेता हूं क्या हो रहा है ठीक है वही वाली कहानी इंटरमीडिएट वैल्यू जो पहले सवाल में लगाने की कोशिश कर रहा था ताकि मुझे समझ आ जाए हाफ और वन के बीच में क्या रूट आ रही है तो एफ ऑफ हाफ हो रहा है फोर रूट टू अपॉन एट माइनस थ्री रूट टू अपॉन टू माइनस वन तो ये हो गया नेगेटिव हो गया कि नहीं सोचो नेगेटिव हो गया हाँ सर नेगेटिव हो गया और एफ ऑफ वन अगर मैं देखूं एक्स को वन डालूं अगर इसमें एक्स को वन डालो इसमें तो फोर रूट टू माइनस थ्री रूट टू माइनस वन तो ये रूट टू माइनस वन ये पॉजिटिव हो गया भाई यानी कि अब समझ आ गया कि क्योंकि एक इंक्रीजिंग फंक्शन है जिसमें एफ ऑफ हाफ तो नेगेटिव है एफ ऑफ वन पॉजिटिव और इंक्रीज करना था तो कॉमन सेंस समझ रहा है बेटा कि एक half पर एक फंक्शन है जिसमें half पर पर वैल्यू वैल्यू नेगेटिव थी और पॉजिटिव है तो बीच में एक ना एक रूट जरूर आएगा और इंक्रीजिंग है तो एक ही रूट आएगा एग्जैक्टली वन रूट आएगा क्योंकि वरना मैक्सिमम मिनिमा चाहिए होता इंक्रीजिंग तो फंक्शन आया यानी एग्जैक्टली वन रूट है तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है एक्सिस एक्सिस पॉइंट क्योंकि x को एक ही बार कट कर रहा है एक ही रूट आ रही है क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन था से गया है, तो भाई, तो आएगी। अब दूसरा स्टेटमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, है तो रूट भी बड़ी प्यारी है x मतलब y -0, इसको जीरो रख के देखता हूं देखो जरा फोर रूट टू एक्स क्यूब माइनस थ्री रूट टू एक्स माइनस वन को जीरो रख के देखता हूं तो रूट टू कॉमन फोर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स बराबर वन ये वन उधर ले गया और ये कुछ प्यारा सा ट्रिग्नोमेट्री दिख रहा है वो उसने भी हिंट दिया कॉस थीटा डाल ले तो रूट टू फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा और ये एक फॉर्मूला है बेटा कॉस थ्री थीटा का यानी थ्री थीटा की वैल्यू पाई बाय फोर यानी थीटा की वैल्यू पाई बाय यानी जो मैंने एक्स को कॉस थीटा डाला था उसमें मैं एक्स को पाई बाय बोल सकता हूं। मजा आया कि नहीं कहां से ट्रिग्नोमेट्री घुस गया देखो पाई बाय ट्वेल्व कॉस पाई बाय ट्वेल्व एक रूट है ये स्टेटमेंट भी सही हो गया आना बढ़िया तो ये बात सर पहले क्यों नहीं कर लिए तो पहले ही कर लेते बेटा पता थोड़ी था हाँ हमने तो कैलकुलस से गए रूट देखी वो तो इसने हिंट दे दी सेकंड ऑप्शन में इसलिए मैंने X को कॉस थीटा डाल के देखा तो अब लग रहा है भाई सिर्फ करना ही नहीं था फर्स्ट क्यों ही इतनी मेहनत करते डायरेक्ट ही एक्स को कॉस थीटा डाल के, जो है, दोनों ऑप्शन हमारे एक बार में निकल आते one and two are correct. तो ये सब करने की जरूरत थी नहीं इस क्वेश्चन में बट मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए भी बता दिया है करेक्ट ये आ गया एक झुंझुना जुन पूछ रहा है कि सर पाई की जगह 3.14 डाल दूं ये क्या हो जाए तू पहले पढ़ ले बेटा उसके बाद बात करेंगे पाई क्या होता है बता दिया, टेंथ से पास अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन फंक्शन का सर डोमेन क्यों रेस्ट्रिक्ट करी थी बेटा मैंने नहीं करी उसी ने करके दी है क्वेश्चन में करके दी है बेटा जी ये देख और इसीलिए करके दी है ताकि एक्स को कॉस्ट थीटा डाल पाए समझ रहा है ना क्योंकि एक्स को कॉस्ट थीटा डालूंगा तो ही ये वैलिड है नहीं तो फिर एक्स को कॉस् थीटा वैलिड ही नहीं होता ना सब्सटीट्यूशन क्योंकि वन से बड़ा तुम कैसे डाल सकते हो नहीं तो क्योंकि तुमने तो एक्स को कॉस्ट थीटा डाला है तो सारा सोच समझ के बनाया जाता है सवाल इसीलिए डोमेन रेस्ट्रिक्ट करी गई थी तुम्हें उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है कि सवाल ऐसा क्यों बनाया गया है तुम बेटा बस आम खाओ गुटलिया ना गिनो सवाल मत बनाओ तुम्हें किताब नहीं लिखनी तुम्हें बैठ के सवाल सॉल्व करना है है ना हमारे <laughs> ऊपर छोड़ दो तुम वो सर जल्दी जल्दी कल एग्जाम है अरे भाई मेरे और कितनी जल्दी करवाऊं यार ये बता कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है चल रहा है काम अपना बढ़िया फंक्शन दिस एफेक्ट वन वन एंड ऑन टू अच्छा समझ गया वन वन ऑन टू का मतलब कि भाई साहब जो रेंज आएगी देखते हैं चल मैक्सिमम वन वन वैसे वन वन है इस डोमेन में तो फिर वन वन है तो डेरिवेटिव निकाल लेता हूं जीरो तो नहीं हो रहा होगा इंटू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री क्लियरली माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन में डेरिवेटिव तो जीरो नहीं होगा मतलब मैनी वन तो नहीं है वो तो दिख ही गया अब ऑन टू भी अगर चाहते हो तो रेंज निकालनी है बेसिकली ए और बी मिल जाएगा तो इस फंक्शन की रेंज निकालता हूं एफ ऑफ माइनस इंफिनिटी मतलब एक्स की जगह माइनस इंफिनिटी डाल दो तो e की पावर माइनस इनफिनिटी यानी कि जीरो की तरफ टेंड करेगा और f ऑफ माइनस वन उसकी मैक्स वैल्यू देगा क्योंकि ये सब पॉजिटिव आ रहा है तुम्हारा इंक्रीजिंग फंक्शन है माइनस वन पर तो e की पावर थ्री हो गया यानी इसकी जो रेंज हो गई वो ओपन जीरो से क्लोज ई क्यूब हो गई तो ए की वैल्यू हो गई जीरो बी की वैल्यू हो गई ई क्यूब इतना तो मैंने कैलकुलस का इस्तेमाल करके निकाल दिया है राइट

कॉर्नर पॉइंट पे आ भी गया कोई प्रॉब्लम नहीं है ये देख y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जीरो पे मिनिमा है इसमें बट अभी भी तो वन वन ही है ऑल बाउंड्री पॉइंट पे मिनिमा है मिनिमा के आगे भी कुछ बढ़ जाए तब वो मेनी वन बनता है तब थ्योरी की बातें हैं बेटा ये उतनी डेप्थ में नहीं जा सकते अभी हमने मंजिल में पढ़ना चाहिए था ये सब चीजें डिटेल में हम्म अब देखते हैं क्या है आगे आगे बोला जा रहा है ये पॉइंट निकालो P P निकाल लो भाई क्या दिक्कत हो रही है हमें P में है टू बी प्लस फोर तो टू ई क्यूब प्लस फोर और A को जीरो डालूंगा कॉमा टू आ जाएगा डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन वाला लगा दो टू ई क्यूब प्लस फोर प्लस ई की पावर माइनस थ्री इंटू वाई y है टू इक्वल टू माइनस फोर अपॉन हाँ माइनस फोर अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वन प्लस ई की पावर माइनस सिक्स हो जाएगा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन लगा दिया फोर फोर कट गया देखो तो हमारे पास आ गया टू ई क्यू प्लस ई की पावर माइनस थ्री देखो भाई लिखा है ऑप्शन लाने की जरूरत है ऑप्शन तो बड़े अजीबो गरीब है पॉजिटिव पावर्स में है कोई दिक्कत नहीं है तो ई e की पावर एलसीएम ले लो बेटा तो तुम्हारे पास आ जाएगा टू ई e की पार्स प्लस वन ईकी e पार थ्री एल सी इसमें से कटेगा ईकी e पार सिक्स प्लस वन का रूट एक रूट कट जाएगा तो ट्वाइस रूट ऑफ ए ऑप्शन आ रहा है भाई मेरा तो जरा देखो ए आ रहा है क्या आप लोगों का भी ए आ रहा है ए तो दिख ही रहा है भाई आंसर में आंसर है बिल्कुल सही है अच्छा क्वेश्चन था पहले कैलकुलस की मदद से मुझे इसकी रेंज निकालनी थी बेसिकली रेंज को कंपेयर किया ए बी आए डिस्टेंस ऑफ पॉइंट लाइन लगा दिया परपेंडिकुलर कैसे है सर बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही मेजर करना होता है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द लाइन तो ऐसे तू पॉइंट का कैसे मेजर करेगा नहीं तो केड़े मेड़े लिखा थोड़ी है कि अलॉन्ग दिस लाइन करो उसने जब डिस्टेंस बोला है तो तुझे परपेंडिकुलर वाला ही लेना है इन सब में से सेड रूल है वो चलिए एक इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है पिछले एक दो साल से तो जेई का फेवरेट चल रहा था मेंस और एडवांस दोनों में पूछ रहा था जेई इस तरह का क्वेश्चन तो इसकी ट्रिक बता देता हूं भाई ऐसा अगर तुम्हें दिख जाए खट से ओरली तुम इसको टिक करके आ सकते हो एग्जाम में देखो फंक्शन क्या है टू की पार टू एक्स को लिख ले फोर की पार एक्स और इसको लिख ले फोर की पार एक्स प्लस टू और अब ऐसे जब सीरीज पूछी हो इस टाइप के फंक्शन में हाँ तो ऐसे में तुम्हें क्या करना होता है देखो इसकी डोमेन अगर x मान लू मैं तो ये अगर ध्यान से देखोगे वन माइनस एक्स है, है ना भाई 2022 हजार बाईस अपॉन दो को तुम वन माइनस वन अपॉन दो लिख सकते हो यानी अगर वो वाला x माना था तो ये वाला वन माइनस एक्स टाइप का हो गया डोमेन का एलिमेंट डोमेन का एलिमेंट पहले का डोमेन का एलिमेंट अगर एक्स माना है तो लास्ट का डोमेन का एलिमेंट वन माइनस एक्स है यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म क्या है एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन माइनस एक्स है पहली और लास्ट का सम ऐसे में हमेशा तुम्हें पहली और लास्ट को ढूंढना यानी एक्स को वन माइनस एक्स से रिप्लेस करो थोड़ा एलसीएम वेलसीएम खेलो इसका तो फोर और जैसे ही बेटा इन दोनों को ऐड करोगे जैसे ही इन दोनों को ऐड करोगे इसमें से देखिए टू कट गया पहले तो टू तो अपॉइंट टू प्लस फोर की पार एक्स अब इसको और इसको ऐड कर दो तो ऐसे में क्या होता है एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन माइनस एक्स दोनों को इसको और इसको ऐड कर देख जरा मजा आ जाएगा वन आ जाएगा वन आ जाएगा एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन माइनस एक्स वन आ जाएगा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है दो में शुरू करा था 2020 में पूछा था एडवांस में फिर उसके बाद मेंस में पूछने लग गए तो और लास्ट का सम सम इसका सेकंड सेकंड लास्ट में भी वन आ जाएगा तो तुम्हें बस ये देखना है वन कितनी बार क्योंकि एक दो हजार बाईस टर्म तो एक हजार ग्यारह बार वन आ जाएगा समझ गया पहली लास्ट का वन सेकेंड सेकेंड लास्ट का वन थर्ड थर्ड लास्ट का वन ऐसे करके सीरीज आधी कंप्रेस हो जाएगी क्योंकि दो हजार बाईस टर्म थी तो एक हजार ग्यारह आधा रहेगा आंसर डी डी हो गया भाई करेक्ट अब देख इस, इसी चीज को यूज कैसे किया है इस साल 2024 में ये तूने देख लिया 2023 का मैंने तुझे बताया बहुत सालों से बेटा जेई इसके ऊपर पूछ रहा है थोड़ा सा इंटीग्रेशन मिक्स हो रहा है घबराना मत देखने में इतना डरावना क्वेश्चन है भाई साहब जिसकी कोई हद नहीं है जब मैंने भी पहली बार देखा था बेटा पसीना पंखा ऑन करना पड़ा था मुझे कमरे का कि भाई ये क्या सवाल दे दिया फिर जब मैंने ढंग से देखा उसे क्वेश्चन को तो मैंने जब देख जब हम पढ़ते हैं ना क्वेश्चन तो हमें क्या दिखता है कि एक फंक्शन ओ भाई साहब इंटीग्रल ओ भाई साहब लिमिट देखो उसमें ओ भाई साहब अंदर देखो ऐसे हम ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं है ना पहले और तब तक हम बिल्कुल माइंड में अपने बना चुके होते हैं कि भैया हमसे तो होगा ही नहीं इससे जो एक बंदा इस स्टेप से आगे निकल जाता है कि यार नहीं डरूंगा नहीं मैं मैं पहले देखूंगा देख मुझे बात पता है जो भी लिमिट हो

एक्स की जगह डाल देना F A plus F of minus A भी 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 होगा यानी limits सम वन <laughs> यानी limits का सम वन तो यानी का का है 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 समझा बेटा तो तो अगर मैं इसमें king लगा दूं तो M हो जाएगा जो भी खतरनाक, जो खतरनाक इसको ऐसी पड़ा रहने दे X की जगह कर दिया और यहां एक्स की जगह ये तो बेटा सेम आ जाएगा सोच ये minus X और ये एक्स हो जाएगा अंदर जो एंगल है वो प्रॉपर्टी नंबर किंग प्रॉपर्टी लगा दी इंटीग्रेशन की और अब बेटा जैसे ही इसको ब्रैकेट खोलेगा तुझे पता है इंटीग्रल साइन की पार फोर डी एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस इंटीग्रल एक्स इंटू साइन की पार फोर ये वाला वापस से एम बन गया और ये वाला भाई साहब ये देखिए एन बैठा हुआ है नीचे ये बन गया एन एम इक्वल टू एन माइनस एम टू एम बराबर एन एम टू एम अपॉन एन इक्वल टू वन आ गया इसने बोला एल्फा एम इक्वल टू बीटा एन तो एल्फा की वैल्यू टू बीटा की वैल्यू वन खत्म क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा क्वेश्चन ही खत्म हो गया आया ना मजा देख कैसे कहां से कहां बात घूम गई एल्फा टू बीटा वन फोर प्लस वन फाइव हो गया आंसर फाइव हो गया आंसर करेक्ट देखो कितना प्यारा क्वेश्चन इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी बस देखने में ऊपर ऊपर से देखते तो बहुत खतरनाक जैसे ही उसके अंदर घुसे सब कुछ पानी की तरह जैसे ताश के पत्ते होते हैं ना बेटा वो बनाते हैं जो बहते गए बिल्कुल महल बनाते हैं जो गेम तो कैलकुलस एज अ होल पढ़ो ये मत सोचो अरे ये तो इंटीग्रेशन कहां से आ गया सर अभी तो हम वो ही पढ़ रहे थे ऐसे मिक्स करते हैं जेई में भी इस चीज पर क्वेश्चन एक ही आया है इस पर ये वाली प्रॉपर्टी एफ एक्स प्लस वन माइनस एक्स इस पर फिर से दिखेगा चांसेस आर वेरी हाई अप्रैल वाले में आपको इसके ऊपर सवाल फिर से दिखेगा हा एक और देखते हैं चलो अब ऐसा ही जो नहीं आया है जेई में फर्स्ट अटेम्प्ट में जो सेकेंड अटेंट में आ सकते हैं फंक्शनल आइडेंटिटी के तुम्हें एक बात बताई गई होगी जब भी ऐसे उठ कुछ स्टैंडर्ड फंक्शनल आइडेंटिटी दे दें तो भाई तुम्हें क्या करना होता है याद करने होते हैं फंक्शन ये फंक्शनल आइडेंटिटी है इनके फंक्शन याद करके चले जाना अगर नहीं है तो चुपचाप से याद कर लो नहीं पढ़े हैं तो पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है ये सब आपको बेटा याद करके जाने हैं राइट तो इसमें से कौन सा वाला बना हुआ एफ एक्स प्लस इन टू एफ वाई ये वाला इसका फंक्शन होता है ए की पावर एक्स ठीक है तो फंक्शन लेके शुरू कर दो एफ एक्स को मान लीजिए ए की पावर एक्स सीधे और एफ वन थ्री दिया है तो तुम्हारा थ्री आ गया तो एफ एक्स तुम्हारा निकल के आ गया थ्री की पावर एक्स सीधे ऑब्जेक्टिव ट्रिक थ्री की पावर एक्स एफ एक्स तुम्हारा निकल के आ गया थ्री की पावर एक्स बट उसने एक सीरीज भी दी है एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री अप टू एफ एन थ्री टू सेवन नाइन दिया है तो एफ वन हो जाएगा थ्री की पार वन ये हो जाएगा थ्री की पार टू थ्री की पार थ्री टू थ्री की पार एन ऑफ पी लगा दो बेटा ए आर माइनस ये समीपी लगा दिया भाई मैंने पता नहीं मुझे क्या लगाया बट लगा दिया थ्री से डिवाइड कर दे जरा थ्री से डिवाइड कर दे अब हो जाएगा देख थ्री की पार एन माइनस वन बाई टू थ्री से इस नंबर को डिवाइड करो वन जीरो सेवन थ्री सही बोल रहा हूं ना यार नहीं नहीं वन जीरो नाइन थ्री नाइन थ्री इंटू टू कर दो सो so थ्री की पार एन माइनस वन हो गया छ अट्ठारह टू थ्री की पार एन हो गया टू वन एट सेवन तो आई थिंक ये सेवन ट्वेंटी नाइन इंटू थ्री होता है ना है ना सेवन हाँ, बिल्कुल सही सेवन ट्वेंटी नाइन को लिख लो तुम सत्ताईस का स्क्वायर होता है ना तो थ्री की पार सिक्स इंटू थ्री की पार वन सो थ्री की पार एन इक्वल टू थ्री की पार सेवन एन हो गया सात देख लेना भाई ज्यादा जल्दबाजी तो नहीं मचा दी मैंने चलो अब तो कर ही दिया है तो आ गया सी आ गया राइट इस तरह से करना है ऐसे करना है बेटा तूने क्वेश्चन एग्जाम में खटखट करके कब होंगे प्रैक्टिस प्रैक्टिस तो सर करी नहीं कोई बात नहीं फिर आराम से एक साल और ड्रॉप ले ले फिर कर ली वो प्रैक्टिस यही है फैक्ट तो बिना प्रैक्टिस के जेई में मैथ्स में कुछ नहीं हो सकता जो तुम्हें कह रहा है एक घंटे में मैथ्स खत्म दो घंटे में चार दिन में पांच दिन में पूरी कर ली मैंने झूठ बोल रहा है जेई की मैथ्स में आपको प्रैक्टिस चाहिए चलो भाई आई टी एफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नो ब्रेक शाबाश हाँ आज तो ब्रेक की बात सर प्लीज़ एक ब्रेक दे दो हाथ जोड़ के बात कर रहे हैं हमारे टोनी स्टार्क भाई साहब टोनी स्टार्क जी आप हाथ क्यों जोड़ रहे हैं यार आप तो आयरन मैन हैं आप तो दुनिया चलाते हैं आपके सामने हम क्या चीज़ हैं बेटा बट थोड़ी सी मेहनत कर ले पढ़ ले अब तो वैसे ही तो रिटायर हो चुका है टोनी स्टार्क है ना तो आगे ज़िंदगी में क्या करेगा जिंदगी में आगे आई आई टी जाएगा तूने सही सोचा है अब थोड़ा पढ़ ले उसके लिए ब्रेक भी मिल जाएगा आठ बजे ब्रेक ले लियो कल परसों अब ही आने वाला है और ब्रेक की तुझे पड़ी है बेटा वैसे जब तू कुंडो से लड़ने जाता है तब तो तू तो कोई ब्रेक लेता नहीं है सोनी स्टार्क हाँ समझ गया आठ बजे ब्रेक करेंगे यस नौ बजे सर चल पोल कर लेंगे आठ बजे उसमें क्या है हम्म सर एक बोल रहा है सर डिफरेंशियल कैलकुलस से पहले दे देना ब्रेक महान इंसान बचाई क्या है आईटीएफ तो बचा है उसके बाद तो आ ही जाएगा तुझे भी पता है हाँ <laughs> चल दे दूंगा ठीक है सर आपकी कौन सी टीम है आईपीएल में मेरे को सारी अच्छी लगती हैं यार मैं भेदभाव नहीं करता अपने हिंदुस्तान में बाकी वैसे तो मुझे एम एस धोनी पसंद है तो इसलिए आई सपोर्ट हिम बट वैसे मैं सारी टीम्स को सपोर्ट करता हूँ यार आजकल मुंबई का बड़ा चल रहा है तुम्हें भी पता है बेटा रोहित <laughs> शर्मा उसको भी मैं करता हूँ आर को भी करता हूँ हाँ सबको करता हूँ चलो भाई स्टार्ट करें अब आगे बढ़ें ल, लग गए मुझे पता था आ गए आरसीबी के फैंस आरसीबी आरसीबी सर आरसीबी का आजकल एक नया नाम चल रहा है ना इंटरनेट पे बेटा मैंने देखा था नया नया नाम आ गया आरसीबी का <laughs> क्या नाम है नया नाम आरसीबी का कौन बताएगा जो आरसीबी के फैंस हैं वो मुझे बोलेंगे सर हमें ऐसे कह रहे हो आप क्या नाम चल रहा है आरसीबी का बताओ <laughs> देखते हैं कौन बताता है हाँ सही बताया सही बताया <laughs> तो आर का आजकल मैंने एक नया नाम पढ़ा है ये ये कोई नया नाम चल रहा है बेटा देखो मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा मेरे को मत बोलना बाद में कि तुम सर आप कह रहे हो <laughs> मैंने पढ़ा था कहीं हर सी बी आर सी बी की जगह हार सी बी पता नहीं शायद नाम इसलिए पड़ गया है कि शायद ज़्यादा ही हार रहे हैं लग रहा है हाँ ये हटा दिया तो आर सी बी बन गया और इसके साथ चलो एनी जो भी है ठीक <laughs> है जोक सपार्ट एक कह रहा है सर रेड ब्लड सेल्स तू बेटा पक्का बायो का स्टूडेंट है चलो भाई वापस आते हैं पढ़ाई पे पढ़ाई करेंगे वापस से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब हम बात कर रहे हैं बेटा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बहुत ज्यादा इसमें से चीजें हटा दी गई हैं ये चीज जेई ने हटा दी है टेलीस्कोपिंग सीरीज बट भाई मेरे को तो देख विश्वास नहीं है हो सकता आ जाए सीक्वेंस सीरीज में तुमने पढ़ा हो बट जनरली इस बार जो क्वेश्चन आए थे वो तो इन्हीं दोनों तीनों चीज़ों से रिलेटेड आए थे डोमेन रेंज के तो क्वेश्चन पहले भी कराया था डोमेन का स्कॉस इनवर्स आ गया था वहाँ और प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ के चले जाना राइट और फिर

यहां से बेटा ढूंढ ले कितनी पॉजिटिव सॉल्यूशंस आ रही हैं वो हमारा आंसर हो गया सही लिखा है ना भाई हम्म टू तो एक्स स्क्वायर सॉरी माइनस बी प्लस माइनस नौ तो प्लस एट अपॉन टू यहां से आई थिंक एक पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी एक पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी तो बी ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा एक्स की पॉजिटिव वैल्यू बतानी थी पॉजिटिव रियल वैल्यूज ऑफ एक्स ठीक है, इजी सा सवाल बिल्कुल हलवा क्वेश्चन एनसीआरटी का ये तो यार गलत कर ही नहीं सकते कैसे गलत कर सकते हो इतना इजी क्वेश्चन सर आईटीएफ नहीं आता सर अरे यार इतना बेसिक आईटीएफ तो ये बेसिक एनसीआरटी लेवल की चीजें हैं ये तो आना चाहिए चलो एक ये वाला देखते हैं एक्स इक्वल टू एम बाई एन बी आर सोल्यूशन ऑफ एक ट्रिगो और इन्वर्स ट्रिगो दोनों आ जाए उसकी छोटी सी ट्रिक इसको थीटा मान लिया कर साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लिया यानी एक्स को साइन थीटा मान लिया यानी कि कॉस टू थीटा वन बाय नाइन बन गया कॉस टू थीटा का वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा लगा दिया साइन थीटा को एक्स डाल दिया टू एक्स स्क्वायर हो गया एट बाय नाइन एक्स स्क्वायर हो गया फोर बाय नाइन बट एक्स नेचुरल नंबर लिखे थे N, तो वाला टू ले एम हो गया टू एन हो गया थ्री इतना तो समझ आ गया भाई। देख क्वेश्चन को वाइज करना है इतना क्वेश्चन हुआ इनवर्स ट्रिगो का एम और एन निकल गया अब आगे बढ़ते हैं अल्फाबीटा डी द रूट ऑफ दिस इक्वेशन इस इक्वेशन को क्रिएट करते हैं क्वाडरेटिक दी हुई है एम ऑर एन की वैल्यूज डाल दो एम को टू टू एक्स स्क्वेर माइनस थ्री एक्स माइनस टू प्लस थ्री सॉरी माइनस टू प्लस थ्री प्लस वन तो एक्स की वैल्यू ये दोनों आ गई बेटा क्वाड्रेटिक से एक्स आ गया हाफ और वन एक्स आ गया हाफ और वन वो कह रहा है कि भाई एल्फा बड़ा वाला है तो एल्फा को वन ले लो बीटा को हाफ ले लो अब आगे बढ़ो भाई अब आगे बढ़ो देन द पॉइंट बीटा लाइज ऑन तो वन कॉमा हाफ जो पॉइंट है पी ये इसमें से किसे किसेफाई कर रहा है देख लो बस हो गया क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन पढ़ लो भाई पढ़ लो अब बस करो बस करो यार अब तुम आईपीएल की बातें शुरू करने लग गए जिनकी प... मुझे पता है ये वही बातें कर रहे हैं देख चैट में जिनका या तो कल परसों में पेपर है नहीं जो इस बार पेपर नहीं दे रहे मतलब वाले है या 2025 वाले हैं 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 या बेटा 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 दे भी रहे हैं, पता है 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 कि पढ़ाई तो 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 नहीं है। जिनको बोलते शॉर्ट फॉर्म में स्पैमर ठीक मत तो मत कर मत कर बेटा, जिनका पेपर उन्हें पढ़ने दो तर आप करते हो तो इजी लगता है तो बेटा तू भी सोचना देखना देख मैं कैसे कर रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं ये मत देख कैसे कर रहा हूं ये देख कि मैंने क्वेश्चन को कैसे ब्रेक डाउन किया यहां आई टी एफ दिखी सोल्व तो कर लिया टू बाई थ्री अपना एक क्वेश्चन इतना है फिर अपना एक सेकेंड क्वेश्चन अटैच हो गया फिर थर्ड क्वेश्चन अटैच हो गया तीन चैप्टर ऐसे मिक्स करके दे रखे हैं एक एक करके इसको लॉजिकली सोचोगे तो तुम भी कर पाओगे सर पॉजिटिव कैसे हुआ बेटा नेचुरल नंबर लिखे हैं ना ये देख नेचुरल नंबर लिखे हैं इसलिए इसलिए मैंने बेटा x को पॉजिटिव वाला ले लिया सर डोमेन क्यों नहीं देख रहे हो अरे यार बच्चों वाली बातें क्यों कर रहा है वन से तो छोटा ही आया है टू बाई थ्री क्या डोमेन देखू मुझे पता है एक्स माइनस वन से वन आएगा देख ली डोमेन क्या डोमेन देखूं इसमें सर एम बाय एन पॉजिटिव कैसे हुआ बता दीजिए प्लीज देख तेरे साथ प्रॉब्लम क्या है कि तू टू मच डिपेंडेंट है मेरे ऊपर तू वो सब चीजें भी पूछ रहा है जो क्वेश्चन में दी हुई हैं एग्जाम में भी मैं आऊंगा क्या बेटा बताने खुद से पहले क्वेश्चन तो ढंग से पढ़ो नेचुरल नंबर हैं एम और एन तो नेचुरल नंबर को डिवाइड करके पॉजिटिव ही तो आएगा इसलिए पॉजिटिव वाला एक्स ले लिया मैंने एक बोल रहा है सर ऑप्शन सी क्यों अबे ये पॉइंट सेटिस्फाई उसे ही कर रहा है गुरु सारे ऑप्शन में चेक करके देख लेना सी को कर रहा है वो सेटिस्फाई और वो को नहीं कर रहा कमाल कर दिया भाई चलो भाई अगला एक और धुआंधार सवाल एक और बढ़िया क्वेश्चन साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स अल्फा प्लस साइन इनवर्स बीटा प्लस साइन इनवर्स गामा पाए दिया है अब मेरे दिमाग में देख क्या चल रहा है मेरे दिमाग में चल रहा है कि यार अगर ये टेन इनवर्स दिया होता तो मैं फिर भी लगाता टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स बेटर फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन घटिया फॉर्मूला वो लगाने का मन नहीं है देखूंगा लास्ट अप्रोच रहेगी वो दूसरी चीज मेरे चल रही है अगर ये थ्री पाई बाई टू दिया होता तो मजा आ जाता क्योंकि थ्री पाई बाई टू का मतलब तीनों को पाई बाई टू होना पड़ता मैक्सिमम वैल्यू लेनी पड़ जाती बट उसने थ्री पाई बाई टू भी नहीं दिया पाई दिया है यानी मैं समझ गया भैया यहां से तो क्वेश्चन को नहीं पकड़ा जा सकता क्वेश्चन को पकड़ना है तो यहां से पकड़ेंगे जो दूसरी इक्वेशन दी है समझ रहे ना मैं कैसे सोच रहा हूं यहां टेन होते तो मैं यहां से शुरू करता थ्री पाए बाई टू होता तब भी यहीं से शुरू करता बट क्योंकि पाए दिया है फालतू साइन इनवर्स एक्स प्लस घटिया मुझे दिख रहा है रूट वूट आएंगे उससे बेटर है कि पहले इसको देख लेता हूं तो plus plus gamma, है, हो गया। इसको खोल देते हैं एल्फा प्लस बीटा स्क्स टू एल्फा बीटा माइनस गामा ये टू एल्फा बीटा कट गया तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा बीटा आ गया अल्फा बीटा से डिवाइड कर ले कुछ अच्छा सा दिख रहा है मुझे मुझे दिख रहा है बेटा क्या आप लोगों को दिख रहा है कि अगर अब मैं टू से भी डिवाइड कर दूं तो ये कुछ बड़ी प्यारी सी चीज लिखी हुई है ये कुछ बड़ी प्यारी सी चीज लिखी हुई है भाई क्या क्या लिखी हुई है सोच के देखिए ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस अपॉइन टू ए बी लिखा है या कॉस ऑफ बेसिकली वाला एंगल लिखा हुआ है जो लास्ट एंगल है। में कोसाइन लॉ है अगर ये मैं देखूं ए बी सी ए के सामने अल्फा है b, b के सामने बीटा है और सी के सामने गामा है तो ये कोसाइन रूल जैसा लिखा हुआ है कॉस सी बराबर हाफ लिखा है यानी सी बराबर फाइव बाई थ्री यानी ये वाला एंगल एक तरह से पाए बाय थ्री हो गया सिक्सटी डिग्री समझ गए हो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर अपॉन टू अल्फा बीटा को तो साइन रूल जैसा मुझे दिख गया है यानी कि सी के एंगल जो है ठीक है हमसे क्या पूछा है भाई साइन इनवर्स गामा अच्छा वही तो पूछा है हाँ तो बस साइन इनवर्स गामा ही तो पूछा है गामा ही तो एंगल आया ये वाला अपना गामा के सामने वाला तो बेसिकली हमारे पास गामा जो एंगल है वो पाई बाय थ्री आ गया है एंगल गामा एक सेकेंड ये वाला एंगल आया है हां साइन इनवर्स गामा हमारे पास आया है पाई बाय थ्री तो गामा हो जाएगा साइन पाई बाय थ्री यानी कि रूट थ्री बाय टू हो गया रूट थ्री बाय टू ऑप्शन हो गया भाई गामा करेक्ट ये आंसर होना चाहिए इसका ए ऑप्शन क्योंकि थर्ड एंगल जो लास्ट एंगल आया है वो पाई बाई थ्री आ गया और यही वाला लास्ट एंगल था उस में A B C दिया है। तो एंगल अगला बहुत ही कॉमन क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन बहुत आप लोगों ने इसको क्लास में किया होगा जल्दी से इसका आंसर पोल पर कर बताएं जल्दी बताएं भाई जल्दी बताएं पोल पर साइन इनवर्स साइन फाइव तुम्हें पता है साइन इनवर्स साइन फाइव को मैं लिख सकता हूं फाइव माइनस टू पाई प्रिंसिपल रेंज के अंदर आ जाएगा कॉस इनवर्स कॉस फाइव को टू पाई माइनस फाइव लिख सकता हूं प्रिंसिपल रेंज के अंदर आ जाएगा अब इनकी थ्योरी में मैं नहीं जा रहा हूं सर ये कैसे आया बेटा फिर उसके लिए थ्योरी पढ़ा टी की सीधे सीधे लिख सकते हैं जिन लोगों ने पढ़ा है तो बस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताना ये ए हो गया ये बी हो गया ये तो दोनों सेम ही है डबल ऑफ फोल दो इसको हो गया एट पाई स्क्वायर प्लस फिफ्टी माइनस फोर्टी पाई, बी ऑप्शन बी ऑप्शन बेटा हो गया है ऑप्शन अपना हो गया है टॉप ही कर देना चाहिए अब तो पोल को इजी क्वेश्चन मतलब सबसे आसान क्वेश्चन होगा पूरे सेट का इस दिन थर्टी फर्स्ट जनवरी को जिसने भी ये पढ़ रखा है देखो मैथ्स में क्या होता है इजी ना वो नहीं होता जो तुम सोचो हमने तो जेई नहीं पढ़ रखा वो और वो भी हमें इजी लग जाए जेई पढ़ के जो क्लास नोट की सीधे चीज आ जाएगी वो इजी कही जाती है बाकी फिजिक्स में कई बार क्या होता है डायरेक्ट भी आ जाते हैं बेसिक केमिस्ट्री में भी आ जाते हैं एनसीआरटी बेस्ड मैथ्स में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ के ही समझ आएगा कौन सा ईजी है कौन सा टफ चलो भाई लिमिट्स की बात करेंगे अब सर पुट अल्फा बीटा गामा पाई बाय थ्री इन प्रीवियस क्वेश्चन मतलब आई थिंक ये कह रहा है कि सर तीनों एंगल्स को पाई बाय थ्री पाई बाय थ्री पाई बाय थ्री डाल देता हूं अगर इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर जाए तो मार ले तुक्का बेटा क्या बुराई है कह रहे सर तीनों को पाई बाई थ्री डाल देता हूं मतलब अल्फा बीटा गामा तीनों रूट थ्री बाई टू सेटिस्फाई कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है अगर कर जाए इस इक्वेशन को भी तभी मान सकते चलो भाई लिमिट्स में तो भाई अब क्या ही है तुम्हें पता ही है लिमिट्स निकालने के तरीके हैं जीरो बाय जीरो फॉर्म सॉल्व करने के सर बस इतने ही क्वेश्चन बेटा आए इतने थे आई में चार ही आए थे चारों करा दिए तुझे मैंने ठीक है इस साल चार ही क्वेश्चन आए आई टी एफ में एक दो तीन चार पहले ज्यादा आते थे क्योंकि पहले क्या है ये टेलीस्कोपिंग सीरीज से भी आते थे अब उनने टेलीस्कोपिंग सीरीज तो हटा दिया है उसके क्वेश्चन इसीलिए कम हो गए हैं आई टी एफ के चलिए लिमिट स्टार्ट करेंगे लिमिट्स पे एल सी डी बेसिकली एल सी डी है लिमिट कंटिन्यूटी डिफ्रेंशियबिलिटी ठीक है ब्रेक ब्रेक चिल्ला रहे हैं काफी सारे लोग अरे भाई लुक जा यार रुक जा अभी दस मिनट पंद्रह मिनट की बात रह गई है अपने अंदर से एफर्ट मार और एनर्जी निकाल बेटा क्या करेगा ब्रेक लेके दो घंटे तीन घंटे तो एग्जाम में भी तूने बैठना है ना तीन घंटे लगातार अभी तो बेटा तीन भी नहीं हुए तो उससे पहले ही चलो भाई तो ये तो क्लियर दिख रहा है कैसे होगा क्वेश्चन सॉल्व सर आपको दिखता है ना हमें थोड़ी दिखता है <laughs> चल ये वाला पहले कर लेते हैं बी इजी दिख रहा है साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर करके इसका तो भाई काम खत्म करो वन करो एक्स स्क्वायर अपॉन और अब तो बेटा तुझे भी दिख रहा होगा ये रैशनलाइज होगा रैशनलाइज कर दिया नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी लग गया है ना भाई और ये जीरो बना रहा है ये तो जीरो बनाई नहीं रहा है तो रूट टू रूट टू हो रहा है तो टू रूट टू एक्सक्वायर और नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी टू माइनस वन वन माइनस कॉस एक्स हो गया वन माइनस कॉस एक्स के नीचे एक्सक्वायर अच्छा लगता है इसको कर लिया हाफ तो फोर रूट टू एक्सक्वायर एक्सक्वायर कट गया तो बी की वैल्यू तो फोर रूट टू आ गई b की वैल्यू फोर रूट टू आ गई है ना लिमिट्स तो बड़ा प्यारा चैप्टर है देख थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके बिल्कुल इसमें चैंपियन बना जा सकता है ऐसे ही अब ये सॉल्व करते हैं लॉपिटल वाले आर आई पी लॉपिटल ना लगाएं बेटा क्योंकि बहुत ही घटिया बनता जाएगा वन प्लस वन प्लस अच्छा वन प्लस वन रूट वन प्लस एक्स फोर ठीक है भाई और इधर है माइनस रूट टू माइनस रूट टू इस पूरे का भी रूट तो और नीचे है एक्स की पार फोर तो इसको फिर रैशनलाइज करूंगा वन प्लस रूट वन प्लस एक्स फोर प्लस रूट टू से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देता हूं रैशनलाइजिंग फैक्टर ये लेकर आया ये लेकर आया भाई कुछ लोग बाइनोमियल कह रहे हैं बाइनोमियल भी बेटा बाइनोमियल भी बहुत लंबा हो जाएगा इससे बेटर रैशनलाइजेशन है देखिए प्लस बी माइनस बी तो वन प्लस रूट वन प्लस एक्स फोर का होल स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर टू और बाहर एक रूट रहेगा और नीचे भी एक्स की पार फोर रहेगी इस वाले में तो डिनोमिनेटर में वैल्यू डाल दो रूट टू टू प्लस रूट टू क्या बन जाएगा भाई ये है ना एक सेकेंड ये पूरे में था या इसी में था आई थिंक आई थिंक ये पूरे में रूट नहीं है हाँ पूरे में रूट हो गया फिर तो ये जीरो बाई जीरो ही नहीं बन रही ना भाई एक्चुअली इसको करेक्ट कर लीजिए क्वेश्चन को ये पूरे में रूट नहीं है सिर्फ इतने में है मुझे लग रहा है टाइपिंग मिस्टेक दिख रही है भाई देख क्वेश्चन में कैसे पकड़ा है मैंने क्योंकि मुझे दिख गया है जीरो बाय जीरो ही नहीं बन रही अदरवाइज तो अब बनी जीरो बाय जीरो क्योंकि सिर्फ इस पे रूट है तो वन प्लस वन रूट टू माइनस रूट टू अब बना राइट तो इसमें आप क्या करिए करेक्शन कर लीजिए मेरे ख्याल से क्वेश्चन होना चाहिए रूट यहीं तक रूट होना चाहिए भाई साहब यहीं तक है ना भाई साहब अब ठीक सा लग रहा है जरा क्लियर हो गई है बात हम्म चल बेटा अब देखते हैं तो ये आ गया ऐसा ओके तो अब ये हो जाएगा बेटा जी वन इसमें प्लस b होल स्क्वायर खोल देते हैं सो वन प्लस वन प्लस एक्स फोर प्लस टू रूट वन प्लस एक्स फोर माइनस टू अपॉन एक्स फोर और ये जो नीचे था ये रूट टू प्लस रूट टू टू रूट टू भी था ये वाला नीचे वाला फैक्टर में वैल्यू डाल दी वन वन टू कट गया फिर से जीरो बाय जीरो में दिक्कत हो रही है अच्छा अब यहां स्क्वायर थोड़ी आएगा यार जो रूट रूट हट गए ना राइट रूट नहीं आएगा रूट का स्क्वायर हट गया ना बेसिकली समझ गए ना क्योंकि ये ए प्लस बी ए माइनस बी में ये स्क्वायर जब इसका स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा सीधे ऐसे ही आएगा बस अब आई थिंक हो जाएगा राइट right. तो अब वन कटेगा रूट वन प्लस एक्स फोर हाँ अब आ रहा है ना जीरो बाई जीरो अपॉन एक्स फोर इंटू टू रूट टू फिर से बेटा इसको रैशनलाइज कर दे ऊपर a प्लस बी ए माइनस बी फिर से वन प्लस एक्स फोर माइनस वन एक्स फोर टू रूट टू और इसमें फिर वैल्यू डाल दो इंटू टू हो जाएगा ये कट गया x की पावर फोर कट गया सो वन अपॉन फोर रूट टू आ रहा है a का वैल्यू वन अपॉन फोर रूट टू आ गया सर नहीं समझा देख दोबारा बता देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन में मिस्टेक थी इसलिए तो मेरे समझ नहीं आया यहाँ पे पहले तो रूट पूरे में नहीं है इतने में है ठीक है ये वाली तो समझ आ गई बी की वैल्यू दोबारा सुन लो ए की वैल्यू देख लेते हैं ये वाली जो चीज थी स्क्वायर रूट इतने में था तो मैंने इसको रैशनलाइज करा इसके प्लस रूट टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड ऊपर ए प्लस भी ऊपर बन गया तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा सीधे रूट हट जाएगा ये बन जाएगा रूट टू का स्क्वायर टू हो गया और नीचे एक्स फोर और जो नीचे वाला ये फैक्टर था इसमें वैल्यू ही डाल दी मैंने क्योंकि तो ये रैशनलाइजिंग फैक्टर है ये तो वैसे ही लिमिट्स की तरफ कॉन्ट्रीब्यूट कर नहीं रहा है तो वन प्लस वन रूट टू प्लस रूट टू टू रूट टू ये वैल्यू मैंने यहां डाल दी उसके तो बाद इसे जब सिंप्लीफाई किया वन वन कट गया तो फिर से एक स्क्वायर रूट का क्वेश्चन बन गया फिर से रैशनलाइज कर दिया ये कर दी कहानी फिर से माइनस नहीं ए प्लस वैल्यू डाल दी सीधे बस अब तो हो गया कट गया एक्स फोर एक्स फोर कट गया ए की वैल्यू वन बाई फोर रूट टू आ गई सर सॉल्व करने से अच्छा इसे छोड़ दें एग्जाम बेटा देख लिमिट्स के अगर ये क्वेश्चन भी छोड़ेगा ना तो फिर तो गलत है इसका मतलब तुने बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करी जिन्होंने प्रैक्टिस करी है वो समझ रहे हैं इजी क्वेश्चन कैटेगरी में है ए बी क्यूब निकालना है पर इजी कैटेगरी में है 2। और बी का क्यूब मतलब फोर रूट टू कट गया सो फोर रूट टू का होल स्क्वायर बच गया बत्तीस हो रहा है भाई आंसर बी ऑप्शन इसको नहीं छोड़ सकते बेटा एग्जाम में अगर लिमिट्स पड़ी हुई है तो इसको कैसे छोड़ दोगे नहीं पड़ी तो जो मर्जी छोड़ <laughs> हाँ। चलो भाई आंसर आ गया है अगला क्वेश्चन करेंगे लिमिट्स का एलएचएल आरएचएल बेस्ड एक कर लेते हैं एक क्वेश्चन एल एच एल आरएचएल बेस्ड कर लेते हैं सर नहीं समझ पाया बेटा रैशनलाइजिंग करना था दो बार देख दो बार तो समझा दिया मैंने अब तू देख लियो बाद में फंक्शन दिया है ना तो आर एच एल मतलब एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस जीरो प्लस में तुम्हें एक बात पता है जीरो पॉइंट जीरो जीरो का बॉक्स जीरो होता है यानी फ्रैक्शनल एक्स को एक्स माइनस जीरो एक्स ही लिख सकते हो तो जब भी फ्रैक्शनल एक्स दिखे और राइट हैंड लिमिट की बात हो रही है तो फ्रैक्शनल एक्स की जगह एक्स लिख सकते हैं बट लेफ्ट हैंड लिमिट की बात होगी जैसे ही तो फ्रैक्शनल एक्स को लिख सकते हो यहां पे क्या आ जाएगा माइनस वन आ जाएगा एक्स माइनस माइनस वन यानी एक्स प्लस वन लिख सकता हूं इस बात को याद रखो इस बात को अच्छी तरह से याद रखो कि फ्रैक्शनल एक्स एल एच एल आर एच एल में अलग अलग वैल्यू लेता है इस प्रकार से तो आर एच एल पहले सॉल्व करता हूं लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस जहां जहां फ्रैक्शनल एक्स है वहां एक्स ही लिख दो। तो इनवर्स थोड़ा भारी सवाल है जिन लोगों ने जेई की तैयारी करी है वही कर सकते हैं इसे और नीचे x माइनस एक्स क्यूब हो गया ठीक है अब देख कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स वन माइनस एक्स एक्स कॉमन वन माइनस एक्स स्क्वायर अब देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो है तो पहले तो इनमें से देखो लिमिट में कौन कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है तो ये तो वन ही दे रहा है एक्स को जीरो डाल के और ये पाई बाई टू दे रहा है प्रोडक्ट में लिमिट अलग से डाल दो यानी ये दोनों ही जीरो बाई जीरो बना रहे हैं जीरोक्वेर अपॉन एक्स ऐसा कुछ बन गया राइट ये जीरो बाय जीरो बना रहे हैं ये जीरो बाय जीरो बना रहे हैं तो अब क्या करें भाई सर इसमें तो या तो डिफ्रेंशिएट मारू या फिर बेटा बैठ के सब्सिट्यूशन कर देता हूं कॉस इन वन माइनस एक्स स्क्वायर को थीटा यानी कि जो वन माइनस एक्स स्क्वायर कॉस थीटा हो गया यानी एक्स स्क्वायर जो है वन माइनस कॉस थीटा हो गया तो ये बन जाएगा थीटा अपॉन एक्स की जगह रूट वन माइनस कॉस् थीटा करेक्ट और क्यों पाई बाई टू भी एक बाहर था एक पाई बाय टू भी बाहर था पाई बाय टू लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो इन्वर्स की थीटा अपॉन रूट वन माइनस कॉस थीटा समझ गए भाई अब इसके नीचे तुम्हें थीटा इसको रूट के अंदर जाएगा थीटा स्क्वायर हो जाएगा वन अपॉन रूट वन माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर करके लिख लो ये तो हाफ होता है तो यानी ये लिमिट रूट टू आ गई बेटा तो आरएचएल जो है वो रूट टू आ गई है सर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है बेटा यार मत कर तू समय बर्बाद कर रहा है और कुछ नहीं है तुझे फ्रैक्शनल एक्स पता नहीं है तू वन शॉट रिवीजन कर रहा है पूरी क्लास का क्या कर रहा है बेटा तू क्या कर रहा है पता खुद नहीं पता तू क्या कर रहा है मुझे पता है तुम ये कौन किस प्रकार के लोग हैं वो हैं जो मंजिल साल भर तो पढ़ाई नहीं कर पाए थे किसी भी कारणवश फिर मंजिल जब शुरू हुई तो बड़े जोश में थे ये लोग तर फोड़ दूंगा सर आसमान फाड़ लाऊंगा सर ये कर लूंगा वो कर लूंगा और मंजिल शुरू होने के चार क्लास के बाद इनकी बेटा प्राण निकल गए इनको समझ आ गया कि भाई ये इन्होंने क्यों साल भर पढ़ाई नहीं करी थी इन्हें समझ आ गया अब ये एकदम से फिर जाग गए इन्हें लगता है कि भाई मंजिल में पूरी तो साल पढ़ा पढ़ा नहीं पूरे तीन महीने से टीचर पढ़ा रहे थे उनकी पढ़ाई चल रही थी मेरी तो मौत चल रही थी और अब मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना वन शॉट देख देख कर ही चार दिन में पूरी जेई की तैयारी निपटा डालूँ है ना छः दिन में एक दिन इलेवंथ का देखूंगा एक दिन ट्वेल्थ का सुपर बिजी आदमी है इन्हें ये। छह दिन में निपटानी है जेई की तैयारी और अब ये आके यहाँ पे सवाल पूछ रहे हैं बेटा नहीं होगा ऐसे ऐसे नहीं होती जेई की तैयारी ये लोग पागल हैं क्या जो एक एक साल दो दो साल से लगे हुए हैं ये बता इलेवंथ वाले हैं अभी इलेवेंथ वाले भी ऐसे नहीं है भाई उन्हें भी पता है फ्रैक्शनल क्या होता है भी स्कूल की किताब में लिखा हुआ है ग्यारहवीं की ने भी अर्जुना में इतना तो बताया फ्रैक्शनल एक्स क्या है एक्स माइनस बॉक्स एक्स है इलेवेंथ वाले भी नहीं हो सकते या तो दसवीं वाले हैं सीधे ही <laughs> या ये वो हैं जो मंजिल पे पचास बार भटक चुके हैं कभी आते हैं कभी जाते हैं जो लिखते हैं ना कमेंट में सबसे पहले पर रात में आते हैं बारह बजे देखने क्लास कब खत्म हुई लास्ट तक कौन कौन टिका कमेंट करो <laughs> ये वो है भाई हमारे पैमर है सर चलो भाई चलो आगे बढ़ते हैं ऐसे सवाल पूछ के बेटा मुझे डिमोटिवेट ना कर क्योंकि मैं बड़े मोटिवेशन के साथ आया हूं पूरी बारहवीं का रिवीजन कराने अब तू अगर मैं कराऊंगा ये सब कहानी कर रहा हूं मैं हाई फाई लेवल की तू पूछेगा कि सर फ्रैक्शनल एक्स क्या होता है सर पता मुझे तो ये लगेगा ना कि भाई क्या ही कर रहा हूं मैं हाँ फ्रांस में जाके भोजपुरी में बातें कर रहा हूं ऐसा लगेगा बेटा किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा ऐसा ही लग रहा है मुझे तो क्या चल रहा है कौन से लेवल की बात कर रहा हूं क्या सवाल तुम पूछ रहे हो अभी आंसर तो अभी आया ही नहीं कहां से आंसर निकाल रहा हूं आर एच एल आया है अभी तो आर की वैल्यू आई है रूट टू और एक बार पाई बाय टू भी बैठा हुआ था ये मैं भूल गया भाई एक पाई बाई टू भी था तो यानी पाए बाय रूट टू आई है आर की वैल्यू करवाली ली इज्जती <laughs> इसमें बेज्जती क्या है भाई बेज्जती नहीं है मैं तो बस इनसे प्यार से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बेटा अगर तू पढ़ना ही चाहता है इतना ही चार दिन पढ़ना चाहता है ना तू ठीक है तो चार दिन चार टॉपिक पढ़ ले वो बेटर है चार दिन चार दिन वन शॉट कर ले अगर तूने बेसिक भी नहीं पढ़े एटलीस्ट बेसिक तो पढ़ ले एनसीईआरटी कर ले चार दिन चार चैप्टर की यहां से कुछ नहीं होगा सर टू कैसे आया मेरे भाई वन माइनस कॉस्ट थीटा थीटा स्क्वे वन अपॉन वन बाय रूट टू क्या होता है रूट टू होता है रूट टू इंटू पाई बाय टू तो पाई बाय रूट टू हो गई आर की वैल्यू <coughs> चलो आगे बढ़े एलएचएल की बात करेंगे अच्छा क्वेश्चन है ये एल की बात करेंगे यानी एल एच एल में अब लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस अब जीरो माइनस में हमने अभी देखा फ्रैक्शनल एक्स को लिखा जाता है एक्स प्लस वन तो जहां जहां फ्रैक्शनल एक्स भाई दिख रहे हैं वहां वहां एक्स प्लस वन चिपका दो कॉस इन्वर्स में दिख रहे थे एक तो लगा दिया साइन इनवर्स वन माइनस वन प्लस एक्स ऐसा और नीचे था फ्रैक्शनल एक्स कॉमन यानी वन माइनस एक्स वन माइनस वन माइनस वन प्लस एक्स वन प्लस एक्स लिखना था राइट देख लो सही लिखा है जहां जहां फ्रैक्शनल एक्स था उसे एक्स प्लस वन कर दिया ठीक है भाई चलो इधर देखो अब क्या करेंगे भाई थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे सर कॉस इनवर्स अच्छा कॉस इनवर्स में देख अब मुझे एक बात दिख रहा है फिर से वही कौन कौन लिमिट में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है उसको तो वैसे ही उड़ा दो मल्टीप्लीकेशन में चलता है जैसे ही मैं एक्स को जीरो डालूंगा ये वाली चीज कॉस इनवर्स जीरो यानी कॉस इनवर्स जीरो तो पाई बाय टू देने लग जाएगी ये किस कोई कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रही ये भी कोई कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रही वन दे देगी है ना तो पाई वाई टू इस बार भी बाहर आएगा बट इन दोनों की वजह से पिछली बार इन दोनों की वजह से आया था इस बार ये दोनों बाहर बैठेंगे ये वाले लिमिट लिमिट खेलेंगे वन काट दो दिख रहा होगा तुम्हें माइनस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए साइन इनवर्स माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स इन टू एक्स प्लस टू ये माइनस हटा के, के रख लो अब साइन इनवर्स माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स ये तो बेटा वन हो गया ये तो वन हो गया तो पाई बाय टू एक्स प्लस टू एक्स को जीरो चिपका दो ने निकाल लिया है एल एच एल पाई बाय फोर आ गया है एल की वैल्यू पाए बाय फोर आई है निकालना क्या था बत्तीस बटे पाए स्क्तिन पाई स्क्र पा स्क्वाय सिक्सटीन प्लस एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आर स्क्वायर था पाई स्क्वायर बाय टू बस अब एलसीएम ले लो यार बत्तीस अपॉन पाई स्क्वायर सोला तो थर्टी टू अपॉन पाई स्क्वायर इंटू नाइन पाई स्क्वायर बाय सिक्सटीन सिक्सटीन टू दर्टी टू अट्ठारह आ गया भाई कट पिट के सब कुछ एटीन हो गया आंसर तो देखो मैं तुम्हें ना इजी वाले क्वेश्चंस नहीं करवा रहा हूं आज के सेशन में ये मत सोचना सर इतने टफ आएंगे मैं कैसे करूंगा बेटा मैंने तुम्हें सारे तो करा नहीं सकता था पीवाई क्यू बट टफ वाले करवाए ताकि तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए सारे के सारे कवर हो जाए उसके अंदर इजी वाले जो बचे हैं वो तुम खुद से कर लोगे अब सर हम पार्शियल लिमिट कहाँ लगा सकते हैं दब मल्टीप्लिकेशन में पड़ी हो दो चार लिमिट्स और वो लिमिट में कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है कोई तो वहाँ पार्शियल लिमिट डाल दे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ठीक है जैसे यहाँ मैं डाल रहा हूँ इसमें पाई बाई टू ये लिमिट को तो ये कर रहा है ना जीरो बाई जीरो ये तो नहीं बना रहा ना मल्टीप्लाई में पड़ा है मल्टीप्लाई में पड़ा है डिवीजन में मल्टीप्लाई में पड़े हैं जो प्लस माइनस में नहीं लगा सकते मल्टीप्लाई डिवीजन में लगा दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर बाइनोमेल अप्रोक्सीमेशन से कर सकते थे बिल्कुल कर सकते हो बेटा जब भी एक्स जीरो जा रहा है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से सारे हो जाएंगे वो बट मैं तुम्हें उसके अलावा मेथड दे रहा हूँ बढ़िया वाला सर नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज जी लीजिए लिमिट्स का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है इस बार इस ये बड़ा फेमस टाइप का क्वेश्चन है जेई में अल्फा बीटा से रिलेटेड वैल्यू निकालना लिमिट दी हुई है कुछ वन बाय थ्री बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टाइप तो देखो कैसे करते हैं पहले तो वही डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर करके ये तो अलग वन कर दो मल्टीप्लाई का तो हमारे पास है थ्री प्लस एल्फा साइन एक्स प्लस बीटा कॉस एक्स प्लस एल एन वन माइनस एक्स होल अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर इसकी वैल्यू बेटा वन बाय थ्री दी है तो वैसे तो तू वन थ्री थ्री काट भी सकता है कोई दिक्कत ही नहीं है ठीक है ये वैल्यू वन दी है करेक्ट अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो डिनोमिनेटर जीरो है बेसिकली अब तीन काटने के बाद क्या बचा ना हमारे पास तीन तो बाहर आके कट गया ना ये वन बच गया तो ये लिमिट एक्चुअली वन है अब एक तरह से तो फाइनाइट लिमिट है नीचे जीरो जा रहा है न्यूमरेटर में भी जीरो जाना चाहिए जीरो जीरो होता है तो ये भी जीरो जाना चाहिए यानी बीटा की वैल्यू माइनस थ्री होनी चाहिए क्योंकि जीरो बाई जीरो आएगी तभी लिमिट फाइनाइट आएगा ये ट्रिक तुम्हें पता होनी चाहिए बीटा माइनस थ्री है थ्री बस अब लॉपिटल लगा दो मतलब ऊपर डिफरेंशियटा माइनस थ्री था तो प्लस थ्री साइन एक्स हो जाएगा वो और एल का का वन माइनस एल एन एक्स इन टू माइनस वन होल अपॉन टू एक्स ठीक है भाई ये लिमिट हमें वन दी हुई है फिर से डिनोमिनेटर जीरो है न्यूमरेटर भी जीरो होना चाहिए तो न्यूमरेटर में जल्दी से एक्स को जीरो डालो तो एल्फा प्लस जीरो और जैसे इसको जीरो डालोगे माइनस वन बराबर जीरो माइनस थ्री यही पूछा हुआ है टू अल्फा माइनस बीटा की पूछा है पांच हो रहा है आंसर, थी फाइव आ गया, अल्फा बीटा की वैल्यू निकल कर आ गई करेक्ट ऐसे करना था कितना इजी है ये? अल्फा बीटा वाले से बड़े प्यार से हो जाते हैं कुछ लोग सीरीज एक्सपेंशन से करते हैं वो भी कर सकते हैं मुझे लॉपिटल पर्सनली पसंद है कभी ऐसे ही करना इंटू एक्स इंटू एक्स ये तो वन हो गया एक्स क्यूब फिर फिर से एबीसी वाले क्वेश्चन है होमवर्क में करिएगा इसको लॉपिटल लगा के कर लोगे भाई कर लेना इसको चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अब हम ले लेते ले हैं बेटा थोड़ा सा ब्रेक और फिर ब्रेक के बाद हम ये वाला जो अब मेजर डिफरेंशियल कैलकुलस का चैप्टर है जिसमें से क्वेश्चन तुम्हें दो या तीन सवाल दिखेंगे कंटिन्यूटी डिफ्रेंशियबिलिटी एंड एम यानी मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन से ब्रेक ले लेते हैं उसके बाद बेटा इसको करेंगे डिटेल में ठीक है भाई ठीक है भाई? भाई तो लिमिट्स का काम आएगा इसके अंदर भी कंटिन्यूटी डिफ्रेंशियबिलिटी स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करेंगे ब्रेक के बाद ब्रेक कितनी देर का होगा सर एक डिनर टाइम है तो ट्वेंटी मिनट्स कर लेते हैं सभी लोग डिनर कर लेना रेडी हो जाना उसके बाद हम लोग थोड़ी देर में मिलेंगे चलिए चलिए तो कंटिन्यू करेंगे एक बार जल्दी से बता दीजिए कि क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है क्या अपना कनेक्शन बिल्कुल सही है भाई अब क्लियर आ रही होगी आई थिंक आवाज होपफुली <coughs> सब लोगों ने डिनर वगैरह कर लिया है और दोबारा से बेटा रेडी हो गए हैं सेकेंड इनिंग्स के लिए अपना ट्वेल्थ का जो महा रिविजन चल रहा है एक तरह से उसके अंदर जो सेकेंड सेशन है अब फर्स्ट सेशन अपना हो गया है जहाँ हमने मेट्रिस कर लिया डिटर्मिनेंट्स कर लिया और साथ में हमने रिलेशन फंक्शन इन्वर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिमिट्स कर लिया ये कुछ चार पांच चैप्टर्स हमने कर लिए हैं अब अगले चार पांच चैप्टर्स की बारी है, है ना चार पांच चार पांच करके ब्रेक करके करेंगे इसके बाद फिर एक और ब्रेक लेंगे उसके बाद बचे हुए चैप्टर्स करेंगे ठीक है भाई तो आज का सेशन काफी देर तक चलने वाला है बिल्कुल <laughs> बस करें अब आई पी एल मैच कर दे बंद काफ़ी लोग जो है ब्रेक में आई पी एल मैच देखने लग गए हैं मुझे पता है सर आपको कैसे पता बंद करते बेटा बस अब सुनील नारायण की और बैटिंग मत देख जितने रन उसने मारने हैं मार लेगा आउट भी हो जाएगा कोई मैच जीत भी जाएगा कल दोबारा मैच आ जाएगा बट तेरी जो जेई की जर्नी है जो तो रिविजन चल रहा है ये दोबारा नहीं आएगा इसको ढंग से करना है मैच तो देख होते रहेंगे कौन कौन देख रहा था बताओ जरा चैट पे बताओ जरा कौन कौन मैच देख रहा था और पकड़ा गया मैं सर सर आपको कैसे पता चला <laughs> इससे ज्यादा ऑब्वियस कोई बात हो सकती है बताओ जरा तुम चलो बेटा आगे बढ़ते हैं तो कंटिन्यूटी डिफ्रेंशियबिलिटी की बात करेंगे मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन की बात करेंगे है ना चलो कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट के क्वेश्चन से शुरू करते हैं कंटिन्यूटी का मतलब होता है एल एच एल आर एच एल और एफ ए बराबर होने चाहिए जैसे पहले सवाल में एक्स तीन से कम में तीन से बड़ा तीन पर यह फंक्शन दिया है इफ एस डिनोट सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स ए बी सच दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट थ्री तीन पे कंटिन्यूस बनाना है तो तीन पे एग्जैक्ट वैल्यू तो बी है और तीन से बड़े पे यहां पे देख ले क्या आ रह, रहा है आर एच एल आर एच एल इस वाले से मिलेगी तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू थ्री प्लस टू की पावर साइन एक्स माइनस थ्री और अपॉन बॉक्स एक्स को तो एक्जैक्ट थ्री डाल दो एक्स माइनस थ्री हो गया और लिमिट एक्सटेंडिंग टू थ्री साइन थीटा बाई थीटा टू की पावर वन यानी टू हो गया यानी बी की वैल्यू तो बेटा टू निकल कर आ गई दिए और ये बराबर होने चाहिए राइट बहुत सिंपल ये वाली लिमिट तो ओरली दिख रही है अब इसको देख लेते हैं जरा एल एच एल का मतलब हो गया लिमिट डिंग टू थ्री माइनस और जो ए के साथ है माइनस कॉमन ले लो एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व अपॉन बी मॉड एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व फैक्टराइज कर लो इसको तो माइनस ए बाय माइनस थ्री एक्स माइनस फोर अपॉन मॉड एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर तो भाई साहब अब थ्री से छोटे में अगर मैं इसके वेवी को क्रिटिकल पॉइंट देखू तो थ्री से जस्ट छोटे पर ये पॉजिटिव है यानी एक्सप्रेशन पॉजिटिव से खुलेगा बेटा पॉजिटिव से खुलेगा यानी कि ये पूरा का पूरा ये पूरा का पूरा इसके साथ कट जाएगा तो ये वाली लिमिट आ जाएगी माइनस ए बाय वाली लिमिट आ जाएगी माइनस ए बाई बी कितना इजी क्वेश्चन हो गया देख और अब बी तो टू था तो माइनस ए बाई टू आ गई माइनस ए बाई टू और एफ ये बी के बराबर होना चाहिए तो माइनस ए बाई टू शुड बी इक्वल टू टू ए की वैल्यू हो गई माइनस चार क्योंकि एल एच एल आर एच एल एफ ए बराबर होना चाहिए ए माइनस चार बी टू ए कॉमा बी के ऑर्डर पेयर एक हो गया डी ऑप्शन सिर्फ एक पेयर ऑफ वैल्यूज आई ए और बी की कंटिन्यूटी का सीधा सीधा सवाल करेक्ट इजी क्वेश्चन

तो एक तुम्हें छोटी सी चीज पता है अगर फंक्शन कहीं डिफरेंशियबल है तो कंटिन्यूस होगा डिफरेंशियबिलिटी ऑलवेज इंप्लाइज कंटिन्यूटी तो अगर वन पे बात करें क्योंकि वन पे ब्रेक किया है तो वन पे कंटिन्यूस भी होना चाहिए मतलब वन यहां रखूं और यहां रखू सेम मिलना चाहिए तो वन प्लस थ्री प्लस ए बराबर बी प्लस टू होना चाहिए तो बी की वैल्यू ए प्लस टू होनी चाहिए बी की वैल्यू तो ए प्लस टू आ गई कंटिन्यूटी से एक रिलेशन अब डिफरेंशियबिलिटी से निकाल ले सीधे डिफरेंशिएट मार देते हैं टू एक्स प्लस थ्री उसका आ गया और नीचे से बी आ गया एफ डैश एक्स वन डाल देते हैं तो फाइव इक्वल टू बी आ गया बी की वैल्यू तो फाइव आ गई बी को फाइव यहां डाल दूंगा तो ए की वैल्यू थ्री आ गई ए और बी निकल गए ए और बी निकल गए हैं बेटा और अब पूछा क्या है देख छोटा सा इंटीग्रेशन घुसाया हुआ है माइनस टू से टू एफ एक्स का इंटीग्रल पूछा है तो तुम्हें दिख रहा है वन पे ब्रेक कर देता हूं माइनस टू से वन माइनस टू से वन ये वाला फंक्शन चलेगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस ए ए की जगह थ्री और वन से लेके टू तक वन से लेके टू ये वाला चलेगा बी एक्स प्लस टू बी की जगह फाइव है तो फाइव एक्स प्लस टू डी एक्स बस अब क्या है इसको जल्दी से लेके खोल दो इसको जल्दी से लेके बेटा इंटीग्रल को खोल दीजिए और वैल्यूज पुट कर दीजिए तो इसका आ जाएगा एक्स क्यूब बाय थ्री सब में लिमिट्स डाल लेंगे प्लस थ्री एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस टू एक्स सब में लिमिट्स डाल लो तो वन बाय थ्री वन क्यूब माइनस माइनस टू वन प्लस एट हो गया प्लस थ्री बाय टू वन माइनस फोर हो गया माइनस थ्री और थ्री इंटू वन माइनस माइनस टू थ्री थ्री वन नाइन हो गया फाइव बाई टू फोर माइनस वन थ्री हो गया और प्लस टू हो गया देख लो भाई कैलकुलेशन मैंने गड़बड़ तो नहीं करी जल्दबाजी में कैलकुलेशन कर लेते हैं नाइन बाय थ्री थ्री माइनस नाइन बाय टू प्लस नाइन प्लस फिफ्टीन बाय टू प्लस टू इन दोनों को बाय टू बाय टू वालों को क्लब करो पंद्रह माइनस नौ छाई दो तीन 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 छः छ नौ पंद्रह और दो सत्रह आ रहा है भाई ऐसे करते हैं कैलकुलेशन तेरी तरह नहीं बेटा कि बैठ के एल ले रहा हूं फिर करूंगा आराम आराम एग्जाम में ऐसे करना है ऑप्शन आ गया है आंसर सही है ना भाई आंसर मैच कर गया सही तो निकाला ही होगा चलो भाई आगे बढ़ेंगे अच्छा क्वेश्चन था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी मिक्स था इसमें एक और करा देता हूं ऐसा क्योंकि ऐसा आने के चांसेस बहुत ज्यादा है इसलिए इसके एक से ज्यादा क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं हां एफ इज कंटिन्यूस एवरीवेयर तो भैया कंटिन्यूस एवरीवेयर का मतलब हो गया कि भाई आरएचएल वन पे वन के राइट right में देखो थ्री आ रहा है वन पे पहले कंटिन्यूअस और जीरो पे दोनों पे चेक करूंगा वन के राइट right में थ्री आ रहा है वन के लेफ्ट में सी तो जीरो हो गया भाई मजा ही आ गया सी तो जीरो आ गया ऐसे ही जीरो के राइट right में जीरो के राइट में टू आ रहा है और जीरो के लेफ्ट में तो लिमिट निकालनी पड़ जाएगी जीरो ल, 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 A -B टू एकस, दोनों बराबर हैं इसकी वजह से ए और बी निकालने की कोशिश तो देखो नीचे जीरो ऊपर भी जीरो होना चाहिए वही वही वे, वेरिएबल वाले क्वेश्चन जो लिमिट में करे थे तो ए माइनस बी जीरो होना चाहिए यानी ए इक्वल टू बी जीरो बाई जीरो ए वन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो और इसको कर दो तुम वन माइनस कॉस टू एक्स को लिख लो टू साइन x अपॉन एक्स स्क्वायर ये हो गया वन तो लिमिट आ गई टू ए और टू के बराबर है so A value तो ए की वैल्यू तो वन हो गई ए वन डी बी वन हो गया क्योंकि ए इक्वल टू बी था सो ए वन बी वन टी जीरो इतना आया है हमारे पास कंटिन्यूटी रखने के बाद इतना बेटा हमें मिल गया है अब बोल रहा है कि ए प्लस बी प्लस एम भी निकालना है एम क्या है नंबर ऑफ पॉइंट नॉट डिफरेंशियबल अच्छा तो अब डिफरेंशियबिलिटी को कहां चेक करूंगा जहां पे ब्रेक हुआ है बस वहीं तो जीरो के राइट में देख पहले सॉरी वन पे कर लेता हूं वन पे इजी है एफ डैश वन प्लस यहां से डेरिवेटिव टू आ रहा है एफ डैश वन माइनस यहां से डेरिवेटिव टू एक्स प्लस सी आ रहा है सी तो जीरो टू तो ही आ रहा है यानी कि एल एच डी आर एच डी सो सेम आ गए यानी वन पर तो डिफरेंशियबल है वन पर तो बेटा डिफरेंशियबल है और दूसरा पॉइंट जीरो पे तो एफ डैश जीरो प्लस डिफरेंशिएट करके यहां जीरो डालो तो जीरो ही था टू एक्स तो यानी जीरो आ गया एल एच डी अब इसका डेरिवेटिव ये खतरनाक फंक्शन देख वही है उसी की हमें लिमिट निकालनी पड़ी उसी का डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा मुझे ठीक है तो मेरे पास ये जो फंक्शन है ए और बी दोनों वन वन बन गए थे माइनस एक्स एक स्क्वायर या तो इसे बैठ के डिफ्रेंशिएट करो हाँ सर पिछले क्वेश्चन में लिमिट कैसे ब्रेक किया अरे यार क्या बेकार की बात पूछ रहा है तू लिमिट कहा ब्रेक कर दिया मैंने अरे इंटीग्रेशन की लिमिट यार ब्रेक करी माइनस टू से टू था ना बट फंक्शन ही अलग अलग है ना वन पर वन से छोटा फंक्शन ये है वन के बाद फंक्शन ये है तो वन के बाद से वन से टू में ये याला डाल दिया वन से छोटे में ये डाल दिया यही किया है मैंने ऐसा कोई रॉकेट साइंस तो किया नहीं है चलो अब मैं इसका लेफ्ट हैंड डेरेवेटिव बेटा थोड़ा सा उससे निकालता हूं एल एच डी एफ डैश जीरो माइनस मैं तुम्हें फर्स्ट प्रिंसिपल से लिख के दिखा देता हूँ एफ ऑफ जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो अपॉन माइनस एच करके तुम डायरेक्ट भी कर लेते एफ ऑफ जीरो माइनस एच इसमें डालूंगा तो यह तो फर्क ही नहीं पड़ेगा वन माइनस कॉस टू एच अपॉन एच स्क्वायर एफ जीरो कितना था एफ जीरो तुम्हारा टू था आई थिंक एफ जीरो टू था अपॉन माइनस एच तो टू साइन स्क्वायर एच माइनस टू एच स्क्वायर अपॉन माइनस एच क्यूब ऐसा हो गया तो माइनस टू साइन एच माइनस एच इंटू साइन एच प्लस एच ऐसा कुछ हो गया ऐसा कुछ हो गया ठीक है भाई देख लीजिए जरा और नीचे अब एच क्यूब है अब तुम्हें देखो एक बात पता है इसके नीचे एक एच चाहिए होता है और इसके नीचे बचा हुआ एच स्क्वायर कर देता हूं तो ये वाली लिमिट तो टू बन गई देख साइन एच h, h, h तो ये लिमिट बन गई टू और अब इसको अगर तुम माइनस फोर लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन एच माइनस एच अपॉन एच स्क्वायर में टल रूल लगा लो तो ये बन जाएगा कॉस एच माइनस वन अपॉन टू एच और ये लिमिट जीरो हो जाएगी अब क्योंकि एच चाहिए होता तो यानी कि एल एच डी भी जीरो आ गया तुम चाहते तो तुम इसको भी डिफरेंशिएट डायरेक्ट कर लेते बट ये सही है एल एच डी का तरीका भी करना आना चाहिए तो मुझे समझ आ गया कि एफ डैश जीरो माइनस भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो भी जीरो आ गया ये देखो एल एच डी जीरो पे आर एच डी तो जीरो था ही मतलब डिफरेंशियबल है तो फंक्शन जो है जीरो पे भी डिफरेंशियबल है फंक्शन जो है वन पर भी डिफरेंशियबल है यानी फंक्शन हर जगह डिफरेंशियबल है तो एम की वैल्यू जीरो हो गई ये बड़े स्कोरिंग क्वेश्चन है बेटा हाँ ये सारे क्वेश्चन बहुत स्कोरिंग है जिन लोगों को लग रहा है सर आप इतनी जल्दी जल्दी बता रहे हो इसलिए क्योंकि ये सब बच्चे कर चुके हैं रिवीजन चल रहा है ये सारी चीजें कर चुके होंगे एम जीरो ए बी सी का सम टू आ गया आंसर टू आ रहा है एम प्लस ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू टू आ गई करेक्ट सर आपके हिसाब से कौन सा शिफ्ट टफ आएगा तुझे बेटा बस यही पंचायत करनी है मेरे हिसाब से मैं ऐसा कौन सा बेटा फॉर्मूला लगाऊंगा मैथ्स का जो बता जो मेरा हिसाब चलेगा इसमें ये बता तुक्केबाजी है तो ये सब चीजों पे दिमाग मत लगा तेरे को एक फाइनल तेरा मिल गया पेपर हाँ सर मेरे को एडमिट कार्ड में मेरी डेट लिखी है वो तो चेंज तो तू करा नहीं सकता तो बस उसको हिसाब से अब बस प्रे, अपनी प्रिपरेशन पे बेटा तुम भरोसा रखो जो चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल में ही नहीं उनके बारे में मत सोचो उनसे कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी मिलेगी दिमाग में स्ट्रेस बढ़ेगा उन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए जो हमारे हाथ में है जैसे कि तैयारी तेरा पेपर मान लें छः तारीख को है सात तारीख को जब भी उससे पहले जितना टाइम है उसमें पढ़ाई करना अपने आप को इम्प्रूव कर तब जाके तेरा रिजल्ट बेटर होगा उस दिन वो टफ आए इजी आए तुम्हारे हाथ में नहीं है ठीक है इसलिए ऐसा मत करो सर वहां लिमिट का वैल्यू टू कैसे हुआ अरे गुरुजी ये वाली पूछ रहा है क्या तू डिफरेंशिएट मारा ना तो टू बना इसको भी डिफरेंशिएट मार टू एक्स प्लस सी आएगा सी तो ही जीरो था टू एक्स आएगा एक्स को वन डालूंगा तो टू होगा वहां से टू बना यही तो पूछ रहा है ना तू या ये वाली पूछ रहा है ये भी टू बन गया क्योंकि एक्स को सीधे सीधे जीरो डाल दिया इसमें एक्स को जीरो डाल दिया तो आर एच एल टू आ गया जीरो पे सर आपने डायरेक्ट क्यों किया पॉलिनोमल में चल जाता है देख वैसे तुझे क्लास में बताया गया होगा एल एच डी चेक करने के लिए डायरेक्ट मत किया करो बट पॉलिनोमल में नहीं होती गलती हमारी बात से मैं सहमत हूं बट मैंने यहां पॉलिनोमल थे ना दोनों खटखट कर दिया बट तूने देखा होगा जैसे ही पॉलिनोमल नहीं आया ये वाला पॉलिनोमल इसमें तो कर दिया था मैंने इन दोनों में पॉलिनोमल थे ये पॉलिनोमल नहीं था इसमें चुपचाप से बेटा मैंने फॉर्मूला लगा लिया ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं चलो एक ये वाला आप तुम होमवर्क में करोगे बिल्कुल ऐसा ही है ए बी की वैल्यू निकालना डिफरेंशियबल है मतलब कंटिन्यूस भी है तो कंटिन्यूटी एंड डिफ्रेंशियबिलिटी से दो इक्वेशन मिलेंगी पॉलिनोमल है बहुत ईजी हो जाएगा आंसर निकाल लेना चलो आगे बढ़ेंगे भाई अगला टाइप का क्वेश्चन इसी में जो तो होता है दैट इज नंबर ऑफ पॉइंट्स गिनने होते हैं हमें कि नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ इज नॉट कंटिन्यूअस एफ इज नंबर ऑफ पॉइंट वेयर नॉन डिफरेंशियबल तो जैसे ही फंक्शन का ग्राफ बन जाए तो बहुत प्यार से हम ये चीज बता सकते हैं देख इसका ग्राफ बनाना बाएं हाथ का खेल है एफ एक्स है e की पावर माइनस एल एन एक्स का मॉड तो अब तुम्हें एक बात पता है कि भाई मॉड पॉजिटिव होगा हा ग्राफिकल अप्रोच वेरी गुड ग्राफिकल अप्रोच लगेगी तो पहले मैं इसको e की पार माइनस एक्स माइनस एल एन एक्स लिख दूंगा इफ एल एन एक्स इज पॉजिटिव मॉड पॉजिटिव से खोल दी एल एन एक्स पॉजिटिव मतलब x ग्रेटर देन वन e की पार माइनस एल एन एक्स होता है वन बाय एक्स तो पहली ब्रांच बन गई एफ एक्स इक्वल टू वन बाय एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन वन ठीक है और दूसरी ब्रांच बन जाएगी कि अब जब मॉड को नेगेटिव से खोलूंगा e की पार एल एन एक्स यानी x हो जाएगा और नेगेटिव से कब खुलेगा जब एल एन नेगेटिव होगा यानी एक्स लेस देन वन होगा तो अब ये दो ब्रांचेस के साथ बैठ के आराम से ग्राफ बना लीजिए आराम से ग्राफ बना लीजिए। तो देखिए ग्राफ कैसे बनेगा पहला ग्राफ बनाएगा एफ इक्वल टू एक्स वन से कम और जीरो से तो बड़ा ही रहेगा क्योंकि बेटा जीरो तो देख डोमेन में ही नहीं है डिफाइंड होता तो जीरो से वन में इक्वल टू एक्स का ग्राफ चलेगा ठीक है सर और फिर वन बाय एक्स का वन x का तुझे पता है ऐसा ग्राफ होता है देख वन बाय का ग्राफ ऐसे होता है और वन पे तो वन ही रहेगा तो यहीं से शुरू होगा और ग्राफ ऐसा होगा क्या यह बात सही है ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन फिर एक हाइपर बोला इस तरह का बन जाएगा और अब कंटिन्यूस तो हर जगह देख कहीं भी पेन नहीं उठाना पड़ा ऐसे ऐसे पूरा ग्राफ बन गया कंटिन्यूस एवरीवेयर बट क्योंकि एक शार्प कॉर्नर आ गया है यानी इस जगह पे नॉन डिफरेंशियबल है सो कंटिन्यूस एवरीवेयर नंबर ऑफ पॉइंट नॉट कंटिन्यूस तो एम की वैल्यू तो जीरो आ गई कंटिन्यूस एवरीवेयर एन की वैल्यू वन आ गई एक ही पॉइंट पर है एम प्लस एन की वैल्यू वन सी ऑप्शन बहुत ही ज्यादा हलवा सवाल आया था जेई में जो लोग नोट्स भी पढ़ के गए हैं उन्होंने भी इसको निपटा दिया होगा जहाँ शार्प कॉर्नर आता है वहां कंटिन्यूस होता है बट नॉन डिफ्रेंशियबल होता है तो ये ग्राफिकल अप्रोच होती है सर इसमें क्यों नहीं ग्राफिकल अप्रोच लगा दी आपने क्योंकि बेटा इसमें ग्राफ कौन बनाता तीन तीन बैठ के ठीक है और पहली बात ये घटिया सा फंक्शन इसका ग्राफ कौन बनाएगा ऊपर वाले का इसलिए मैंने ग्राफिकल नहीं लगाई सर इस वाले में लगा लेते इसमें लगा लेता है क्वाड्रेटिक लीनियर है ग्राफिकल भी लगा सकता था बट देन जहाँ मुझे ग्राफ बहुत ऑब्वियस दिखता है वहाँ लगा देता हूँ ग्राफ जैसे इसका ग्राफ बनाना बहुत ही ऑब्वियस है ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन से मैं इसका ग्राफ बना सकता हूं देखो पहले किसका बनाऊंगा टू एक्स स्क्स एक्स माइनस थ्री का बनाऊंगा फिर उसमें बहर, फिर X में भी लगा दूंगा। है? तो मुझे समझ आ गया कि ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन की मदद ली जाएगी स्क्वाड्रेटिक का ग्राफ बना सकते हो इसके रूट्स भी दिख रहे हैं बड़े प्यारे से माइनस थ्री और हाफ इसके रूट्स हो गए तो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन की मदद ली जाएगी जल्दी से देखें कि रूट्स जो है रूट्स जो है देखना भाई ध्यान से माइनस थ्री और हाफ थोड़ा सा स्केल वाइज ऐसा कुछ ये ग्राफ होगा क्वाड्रेटिक का माउथ ओपनिंग अपवर्ड क्योंकि एक्सक्वायर का कोविशंट पॉजिटिव है ठीक है भाई हाँ सर इतना तो सही है वर्टेक्स भी क्या आएगा वो भी निकाल सकता है यार अब क्या ही करेगा छोड़ निकाल लेंगे वर्टेक्स जो भी आएगा बट इसमें भी लगाना है मॉड बाहर तो अब मॉड टू एक्स स्क् प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री का क्या होगा भाई मॉड में तुम्हें पता है जो नीचे की चीज है ये वाली चीज ये जो है इसको उठा के ऊपर ले जाओ भाई इसको उठा के ऊपर ले जाओ है ना भाई ऐसे ही तो होता है ऐसे ही तो होता है भाई मॉड का ग्राफ ऐसे बनता है बट अब तुम्हें क्या करना है एक्स में भी मॉड लगाना है सर यहीं तो लगाया यहां भी लगा ले क्या फर्क पड़ता है क्योंकि मॉड एक्स स्क्वायर और एक्स तो सेम होता है तो अब अगर तुम्हारा यह एफेक्स है या जीएक्स है तो तुम्हें जी ऑफ मोडेक्स बनाना है तो याद करो एक्स में मॉडेक्स से रिप्लेस करने में क्या ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन लगती है अब जिनको याद नहीं बैठे है बैठे हुए हैं सोचते रहेंगे लेफ्ट का डिलीट होता है पहले लेफ्ट साइड का बेटा डिलीट होता है ठीक है तो ये ग्राफ किसका है जीएक्स का एक तरह से तेरा और अब मैं इसका बना रहा हूं तो मैं अगले नीचे एक फिगर में बना देता हूं ताकि तुम्हें इतनी समस्या ना हो कि भाई पहले लेफ्ट साइड का जो है डिलीट कर दो बस इतना रह जाएगा ये राइट साइड का छोड़ दिया लेफ्ट का डिलीट कर दिया एक्स में मोड लगाने के लिए क्या करते हैं और फिर राइट का लेफ्ट में ही इमेज ले डालो यानी इसके बाद ऐसे और ऐसे बन जाएगा तो दिस इज गोइंग टू बी ये वाली साइड का ये जो है बेसिकली इसका मैंने मिरर इमेज ले लिया समझ गए ये वाला जो पार्ट था इसको बेटा इधर ऐसे और ऐसे ले आया समझ गए लेफ्ट का डिलीट कर दिया आई होप क्लियर है आई होप तुम्हें क्लियर है अब ये फाइनल तुम्हारा इसका ग्राफ बन चुका है तर यहां तो x में मॉड ही नहीं था x स्क्वायर में है फर्क नहीं पड़ता मॉड स्क्वायर और x स्क्वायर तो बेटा बराबर होता है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने x में मॉड लगाया x स्क्वायर में भी लगा दिया देर फोर सेम बात है बस अब गिन ले इसमें कितने कोने आ रहे हैं सर इसमें आ रहे हैं एक कॉर्नर तो ये है एक कॉर्नर ये है एक कॉर्नर ये है तो नंबर ऑफ पॉइंट वेयर एफ इज नॉट कंटिन्यूअस तो हर जगह है कहीं पेन नहीं उठा फ्लो में बना है ग्राफ डिसकंटिन्यूटी है ही नहीं तो कंटिन्यूस एवरीवेयर यानी कि फिर से एम जीरो आया और एन तुम्हारा इस बार थ्री आया है डी ऑप्शन ऑप्शन हो गया बेटा इस तरह से क्लियर है बात आई होप ये बात क्लियर है भाई आई होप ये बात क्लियर है सर वाई टेक मिरर इमेज बेटा ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ो फंक्शंस का चैप्टर जहां पे करा है मंजिल में वहां बताई गई होगी बातें चलो अगला सवाल देखते हैं क्या है सर ये ये बड़ा खतरनाक सा है तो लक्ष्य वाले जो है वो रिलेट कर पा रहे होंगे ये सेम एक्सप्रेशन मैंने इंटीग्रल में तुम्हें दिया था क्लास में क्वेश्चन में इस चीज को थोड़ा सिंप्लीफाई करना था बेटा रूट एक्स प्लस वन इसको रूट एक्स कॉमन लिया एक्स की पार थ्री बाय टू माइनस वन हुआ और नीचे भी रूट एक्स कॉमन ये रूट एक्स रूट एक्स तो कट गया और ये बाहर आगे जो भी लिखा है अजीबो गरीब सी चीज ये एज इट इज अभी तो लिख ली और अब क्या करो x की पार थ्री बाई टू माइनस वन जो है इसमें बेटा ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगा लो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ऐसा कुछ राइट तो इस वाली टर्म की जगह ऐसा लिख लिया ये ट्रिक अगर आपको पता थी तो ये क्वेश्चन बड़ी इजीली हो जाता ये और ये तो कट गया अब ऊपर रूट एक्स प्लस वन रूट एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन ही बन गया यानी इतनी बड़ी खतरनाक सी चीज सिंप्लीफाई करके एक्स माइनस वन हो गई है डिफ्रेंसिएशन नहीं करना है पहले पहले तुम्हें उसमें एक्स माइनस वन लिखना है बेटा तो अब हमारे पास आ गया वाईक्वल टू एक्स माइनस वन अब इसको भी देख लो जरा ब्रैकेट खोल लो वन बाय फाइव कॉस की पावर फाइव और ब्रैकेट खोलेंगे फाइव बाई फिफ्टीन माइनस थ्री माइनस कॉस्क्यूब एक्स बाय थ्री ऐसा कुछ फंक्शन हमारे पास सिंप्लीफाई होकर आ गया है करेक्ट सर मैथ्स पूरी खत्म है चार दिन में क्या करूं एनसीआरटी कर ले कुछ बेसिक चैप्टर्स की ताकि इजी देख बहुत ज्यादा टफ चीजें तो अब तू कर भी नहीं सकता चार दिन में शुरू करने के लिए सीआर टी से बट एटलीस्ट बेसिक तो पढ़ सकते हो नहीं कर लो वो सुनने में बड़ा बोरिंग है उसमें मेहनत करनी पड़ेगी ना मुझे चाहिए कि सर बस वीडियो बता दो कौन सा देखो <laughs> वीडियो देख के बेटा यही नहीं क्लियर होगा मेहनत करनी पड़ेगी चाहे खुद से कर जितनी भी करे सीबीएससी कोई भी एनसीआर को जो तुम्हारी स्कूल की किताब है उसे उठा के कर लो एटलीस्ट इजी इजी क्वेश्चन तो हो जाएंगे अगर आए तो बस अब क्या है डीवाई वाई डी एक्स निकालना है वाई डैश हो गया वन की पावर फोर एक्स इन माइनस साइन एक्स स्क्र एक्स इंटू साइन एक्स प्लस हो जाएगा वहां पाई बाई सिक्स भी डालना है वाई डैश पाई बाई सिक्स 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 वाई-डैश पाई पाई बाई बाई हो जाएगा कॉस so, होता है रूट थ्री बाई टू थ्री बाय फोर का होल स्क्वायर और माइनस हाफ थ्री बाय फोर इंटू हाफ तो वन माइनस नाइन बाय सिक्सटीन सॉरी नाइन बाय थर्टी टू प्लस थ्री बाय एट थर्टी टू थर्टी टू माइनस नाइन ट्वेल्व बारह पैंतीस बटे बत्तीस थर्टी फाइव अपॉन थर्टी टू बन रहा है भाई सर ये ट्रिक कैसे पता चलेगी यही तो बेटा बात है ना प्रैक्टिस ये एक बार यही बायनोमेल में पूछ चुका है यही ट्रिक पहले बहुत पहले तीन बार एक बार नहीं तीन बार सेम क्वेश्चन में बायनोमेल में यही ट्रिक पूछ चुका है बस अब तो आ गया इसको छियानवे से मल्टीप्लाई करना है तो नाइन्टी सिक्स इंटू थर्टी फाइव बाई थर्टी टू और क्यों बोला जाता है प्रैक्टिस करो थ्री इंटू थर्टी फाइव एक सौ पांच एक सौ पांच भाई मजा आ गया भाई आज तो खटखट -खट आंसर आ रहे हैं देख भाई पहले वाले सवाल में बस गड़बड़ करी थी मैंने उसके बाद जैसे ही बेटा गाड़ी का इंजन हुआ गर्म डीजल इंजन है ना बेटा टाइम लगता है देख गर्म होने में सारे आंसर सही आए उसके एक भी गलती नहीं करी है मैंने अगर तुमने देख रहे हो इस बात की तो भाई बोल सकते हो तुम कि सर हां आपकी एक्यूरेसी बढ़िया है सर <laughs> बोल सकते हो कि नहीं जल्दी बताओ बोल रखो सर प्लीज अभी रखता हूं बेटा सर कैलकुलस वीक है तो क्या लीव कर सकता हूँ बिल्कुल लीव मत कर दस पंद्रह ट्रिक ऐसी बता दूंगा जिसपे क्वेश्चन तेरा पक्का हो जाएगा अभी कैलकुलस में हाँ पोल करवाता हूं अभी सर वो कैसे कटा कौन कैसे कटा क्या कैसे कटा क्या बोल रहा है बेटा तू बहुत कुछ काटा है मैंने तो ये ये तो कटी गया ये भी कट गया चल बेटा आगे देखते हैं आगे देखते हैं बेटा ये वाली एक ट्रिक बता रहा हूं इस इसपे क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा हैं बहुत बार आ रहा है जेई का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है डिफ्रेंसिएशन पे कि एक फंक्शन दे देंगे जहां एफ डैश वन एफ डबल डैश टू एफ डबल डैश थ्री एफ डबल डैश जीरो कुछ भी घुसा देंगे तो याद रखना एफ डैश वन देख एफ डैश एक्स वेरिएबल होता है बट एफ डैश वन का मतलब क्या है कि जहां डेरिवेटिव निकाल के वन डाल दिया ठीक है तो वन डाल दिया तो कांस्टेंट बन गया तो प्लीज इस बात को याद रखें कि यह चीज एक कांस्टेंट बन गई है इस कांस्टेंट को ए मान लो ये भी चीज सिमिलरली डबल डेरिवेटिव कांस्टेंट टू डाल दिया मतलब एक कांस्टेंट बन गई है एबीसी वाले क्वेश्चंस एबीसी वाले क्वेश्चंस की तरह याद रखो मतलब एफ एक्स बन गया एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और अब डिफ्रेंशिएट करो डबल डिफरेंशिएट करो ट्रिपल डिफरेंशिएट करो क्योंकि वहां तक जाना है सिक्स और अब ट्रिपल डिफरेंशिएट वाले में थ्री डालना है तो इसमें तो थ्री क्या ही डालोगे सर इसमें थ्री डालोगे तो यानी सी की वैल्यू तो सीधे सीधे सिक्स हो गई सी की वैल्यू तो सीधे सीधे सिक्स हो गई और डबल डेरिवेटिव वाले में टू डालना था तो तुम क्या करो इसमें एक्स को टू डाल दो जैसे ही एक्स को टू डालोगे ट्वेल्व प्लस टू ए आ जाएगा एफ डबल डैश टू और उसको तुम बी मान के बैठे हो तो एक इक्वेशन ए और बी में ये बन जाएगी समझा ऐसे और सिमिलरली एफ डैश वन क्रिएट करना था तो यहां पे एक्स को वन डाल दो तो थ्री प्लस टू ए प्लस बी थ्री प्लस टू ए प्लस बी एफ डैश वन यानी कि एफ डैश वन तो ए ही था ए को काट डालो तो ए प्लस बी बराबर माइनस थ्री तो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व कर डालो बी की जगह डाल दो माइनस थ्री माइनस ए थ्री ए बराबर माइनस पंद्रह ए बराबर माइनस पांच ए को माइनस पांच वहां डाल दो बी दो आ जाएगा ए बी सी निकल आए ए बी सी निकल गए प्रॉब्लम सोल्व तुम्हें तो निकालना है एफ डैश टेन दस यहां डाल दो अब मतलब फ्री के मार्क्स हैं ये वाले क्वेश्चन एफ डैश टेन का मतलब थ्री हंड्रेड प्लस ट्वेंटी ए प्लस बी थ्री हंड्रेड प्लस ट्वेंटी इंटू फाइव माइनस हंड्रेड प्लस बी बी की जगह था प्लस टू दो सौ दो हो गया भाई दो सौ दो हो गया आंसर आ गया ना बढ़िया सर फिर से समझाना यही तो बेटा तू समझाना तू बेटा समझा ही नहीं कि डेरिवेटिव एफ डैश वन एक कांस्टेंट क्वांटिटी है फंक्शन है अगर एफ एक्स है थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन एफ डैश एक्स क्या होगा सिक्स एक्स होगा बट एफडे वन तो कॉन्स्टेंट हो जाएगा ना सिक्स किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव तो कॉन्स्टेंट वैल्यू है ना तो यही चीज यूज करके मैंने उन्हें एबीसी मान लिया है और एबीसी में तीन इक्वेशन बना ली है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलो भाई आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पर आते हैं सर टेस्ट में 250 प्लस आ रहे हैं अच्छी बात है बेटा आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में देखो बहुत सारी चीजें अब रिड्यूस हो गई हैं सिलेबस से टेंजेंट नॉर्मल जो कि एक बहुत मेजर पोर्शन होता था उस पर जेई ने सवाल नहीं दिए हैं वैसे तो मक्कारी नहीं करी है इस बार बट मोनोटोनोसिटी पे जोमेट्रिकल प्रॉब्लम मतलब कौन स्पेयर वाले फाइंडिंग रेंज यूजिंग मैक्सिम मिनिमम इन सब पे सवाल आने तय हैं ऑलमोस्ट तय हैं अब तो जल्दी से एक आध देख लेते हैं पहला टाइप का क्वेश्चन देखिये सब जिसकी कैलकुलस वीक हो स्ट्रांग हो कोई प्रॉब्लम नहीं है सब क्वेश्चन तुम कर सकते हो इतने बेसिक फंडों पे तुमने स्कूल में भी करे होंगे वही कॉन्सेप्ट लग के क्वेश्चन होंगे देखना तो अब देखो भाई एक फंक्शन है एफ एक्स जी एक्स जो इस तरह का है अच्छा जी एक्स इस प्रकार का है और एफ डबल डैश मतलब तीन चार बार पूछ चुका है जी इस तरह का क्वेश्चन जी इज डिक्रीजिंग तो जी डैश नेगेटिव होना चाहिए जी डिक्रीजिंग है तो जी डैश नेगेटिव होना चाहिए एंड इंक्रीजिंग इन दिस ठीक है पहले डिक्रीजिंग देख लेता हूँ समझ गया तो g डैश निकालते हैं थ्री एफ डैश एक्स बाय थ्री इंटू वन बाय थ्री प्लस एफ डैश थ्री माइनस एक्स इंटू माइनस वन थ्री से थ्री कटा ये चीज नेगेटिव होगी डिक्रीजिंग के लिए है ना g डैश को नेगेटिव रख दिया यानी एफ डैश एक्स बाय थ्री एक्स अब आएगा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप इस क्वेश्चन का, का मतलब ग्रेटर देन एफ डैश बी का क्या मतलब हुआ ए ग्रेटर देन बी हुआ भा भाई क्योंकि अगर इंक्रीजिंग है तो जितना बड़ा उसकी फंक्शनल वैल्यू एफ डैश की उतना ही बड़ा डोमेन होना चाहिए क्योंकि इंक्रीजिंग है एफ डैश तो यानी अगर इसका फंक्शनल वैल्यू इससे छोटा है ये बड़ा है तो इसका डोमेन भी छोटा होना चाहिए यही ट्रिक है बस इसका डोमेन भी इससे छोटा होना चाहिए क्योंकि एफ डैश एक इंक्रीजिंग फंक्शन दिया हुआ है ये ट्रिक का क्वेश्चन है बहुत प्यारा एक्स इधर ले आइए एक्स लेस देन नाइन बाय फोर तो नाइन बाय फोर तक जीरो से नाइन बाय फोर तक वो डिक्रीज करेगा यानी अल्फा नाइन बाय फोर है अल्फा नाइन बाय फोर है तो एट अल्फा हो गया तेरा अट्ठारह अट्ठारह होना चाहिए भाई सी ऑप्शन ऑप्शन होना चाहिए ठीक है तो कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो उसका मतलब यह होता है उसकी फंक्शनल वैल्यू बड़ी है तो डोमेन वैल्यू भी बड़ी होनी चाहिए बात पता होगी एक और इसी प्रकार का देखें चलो एक और इसी प्रकार का दिखा देते हैं बस इसके बाद इंटीग्रेशन आने वाला है काफी लोग वेट कर रहे हैं इंटीग्रेशन का मुझे पता है इंटीग्रल कैलकुलस स्कोरिंग पार्ट है स्पेशली जिन लोगों ने पढ़ रखा है उनके लिए वो बहुत स्कोरिंग है तो इसीलिए घबराए ना बस आने वाला है इंटीग्रेशन हाँ सर इंटीग्रेशन क्वेश्चन बस आ रहे हैं ठीक है अभी आ रहे हैं बस दो तीन क्वेश्चन के बाद जल्दी से इन्हें निपटाते हैं क्या लिखा है देखो जी डैश हाफ जी डैश थ्री बाई टू के बराबर है एफ एक फंक्शन दिया है तो एफ के डेरिवेटिव्स की बात करनी है तो चलो भाई एफ को डिफ्रेंशिएट किया जाए एफ डैश एक्स क्या हो गया हाफ बहार जी डैश एक्स प्लस जी डैश टू माइनस एक्स और चेन रूल की वजह से एक माइनस वन भी तो बीच में यहां माइनस लगा देते हैं यहां पे कर देते हैं माइनस ओ सॉरी यहां पे कर देते हैं माइनस करेक्ट ठीक है ये हो गया एफ डैश एक्स की वैल्यू हम्म hmm. चलिए आगे देखते हैं तो अब हमें क्या बोला गया है भाई साहब चलो अब यहां से हम दो तीन चीजें देखो इसके आगे हम, हम फंस गए एक बार बट ये दिया ना हाफ हाफ तो चलो एफ डैश हाफ निकाल के देखता हूं क्या आ रहा है जी डैश हाफ और यहां हाफ डालूंगा तो जी डैश थ्री बाई टू आ जाएगा बट ये दोनों तो बराबर दिए देख ये दोनों तो बराबर दिए नहीं एफ डैश हाफ जीरो आ गया तो एफ डैश हाफ जीरो आ गया नोट करने वाली बात है जज साहब एफ डैश हाफ जीरो आ गया है ऐसे <laughs> ही एफ डैश थ्री बाय टू निकालेगा बेटा तो यहां देख थ्री बाई टू आएगा यहां हाफ आ, आ जाएगा फिर कट कटा के जीरो दे देंगे यानी एफ डैश थ्री बाई टू भी जीरो आ जाएगा और मजेदार बात क्या है ये दोनों वैसे ही वन पर तो बराबर हो रहे हैं तो एफ डैश वन भी जीरो आ रहा है तो यहां से हमें पता लग गया एफ डैश की तीन हैं हाफ थ्री बाय टू और वन तो अब f' की अगर तीन रूट्स हैं तो f'' की दो तो होंगी मिनिमम तुझे पता है रोल्स थ्योरम कहती है कि अगर किसी भी फंक्शन की तीन रूट्स हैं तो जो उसका डेरिवेटिव है उसकी कम से कम दो रूट्स तो होंगी तो क्योंकि f'' की तीन है तो मिनिमम f'' की f' की सॉरी तीन है तो f'' की कम से कम दो बार तो रूट्स आएंगी ही आएंगी रोल्स थ्योरम सर वो तो हट गया था ठीक है बेटा इतना हल्का-फुल्का तो लगेगा ही इतना तो लगाएंगे जेई वाले ए ऑप्शन इसका आंसर करेक्ट हो गया चेक कर लें भाई ये तो मैंने पहले किया हुआ था एक्चुअली हम्म। एक बेटा रेंज का भी करा देता हूं तुम्हें क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी तुम्हें पक्का दिखेंगे रेंज इन क्लोज इंटरवल बिल्कुल इसका मेथड याद कर ले कोई भी फंक्शन हो यहां जैसा मर्जी फंक्शन हो ये फंक्शन कोई मर्जी हो और एक कोई मर्जी इंटरवल दिया हो तो तेरे को एम और एम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बोली है तो एक ही मेथड हर बार लगता है एक ही मेथड लगता है डब्बे वाला मेथड ये क्या है सर डब्बे वाला मेथड कि डब्बे में तुम बेटा x और fx की कुछ वैल्यूज लिखोगे कुछ x लिखोगे और उनके करस्पोंडिंग y लिखोगे x क्या-क्या लोगे डेरिवेटिव जहां-जहां जीरो हो रहा है क्रिटिकल पॉइंट्स तो इसको प्रोडक्ट रूल लगा दो ठीक है जी प्लस और अब इसको जरा जीरो रख दो भाई तो अब क्या होगा एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री था ना यार ये क्या हो गया प्लस थ्री था एक्स प्लस थ्री था करेक्ट देख लेना भाई एक बार एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर एक्स माइनस टू का क्यूब करेक्ट x प्लस थ्री कॉमन x माइनस टू का होल स्क्वायर कॉमन तो x प्लस थ्री एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर और 5x एक्स प्लस नाइन माइनस फोर प्लस फाइव हो गया इसको जीरो रखते ही मेरे पास आ गया माइनस थ्री टू और माइनस वन तो अब तुम्हें जो डब्बे में एक्स की वैल्यू डालनी है वो ये तीन क्रिटिकल पॉइंट्स तो डालने ही डालने हैं साथ साथ बाउंड्री पॉइंट्स भी डालने हैं भाई जो डोमेन के बाउंड्री पॉइंट्स थे तो माइनस थ्री टू माइनस वन माइनस फोर और फोर इन सब पर वैल्यू चेक कर लो इन्हीं सब पे मैक्सिमा मिनिमा आता है इन्हीं सबसे बेटा मैक्सिमा मिनिमा आता है ठीक है तो माइनस पे निकाल लो वैल्यू माइनस पे तो जीरो ही होगी यार खट से दिख रही है जीरो टू पे भी जीरो ही होगी बेकार माइनस वन पे कुछ आएगी एफ ऑफ माइनस वन तो टू का स्क्वायर माइनस थ्री का क्यूब माइनस ट्वेंटी सेवन इंटू फोर ऐसा कुछ आ रहा है फोर और माइनस फोर पे भी निकाल लो एफ फोर हो जाएगा बेटा चार तीन सात का स्क्वायर इंटू टू का क्यूब फोर्टी नाइन इंटू एट ठीक है भाई कैलकुलेट कर लेना मैं तुम्हें बस यह बता रहा हूं लेकिन जीरो से टू इंटरवल कैसे हैं? जी डी बी डी क्या जी कर दी क्या जी डी बी डी हो गई बेटा पिछले वाले में तो जीरो से टू इंटरवल ही लिया ना हमने क्योंकि जीरो से टू के बीच में ही तो ये रूट्स आई हैं एटलीस्ट वर्ड यूज किया है ना कम से कम दो अगर हमें मिल गई हाफ से लेके थ्री बाय टू में तो जीरो से टू में भी कम से कम दो तो मिली गई एटलीस्ट वर्ड भी तो यूज है कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन माइनस फोर पे फोर प्लस थ्री वन का स्क्वायर और माइनस सिक्स का क्यूब माइनस सिक्स का क्यूब तो माइनस दो सौ सोलह होता है डी तो हो भी हो सकता है ना पिछले में अरे यार एग्जैक्टली exactly वर्ड का मतलब नहीं समझता जीरो से वन में एग्जैक्टली वन रूट कैसे पता एटलीस्ट वन आती है ना रोल्स थ्योरम तो ये बोलती है देख हाफ पर रूट तुम्हारी डेरिवेटिव की आई है वन पर भी आई है अब इसके बीच में ऐसे घूम घाम के भी तो आ सकता है हो सकती है मल्टीपल रूट्स आ जाए तो एटलीस्ट वन वर्ड यूज होता है हमेशा रोल्स थी और हमें डी गलत हो जाएगा एग्जैक्टली exactly यूज है बस अब हो गया ना मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल एम हो गया ये ये हो गया कैपिटल एम इन सब में जो सबसे बड़ा है और जो सबसे छोटा है स्मॉल एम ये हो गया कैलकुलेट कर लो यार 50 इन आठ होता है 400 400 में से आठ गया है ना भाई सही बोल रहा हूँ ना थ्री नाइन्टी एट थ्री नाइन्टी टू थ्री नाइन्टी टू तो और प्लस दो सौ सोलह हो जाएगा क्योंकि एम माइनस एम पूछा है थ्री नाइन्टी टू प्लस दो सौ सोलह सौ आठ है एक सेकेंड अच्छा नहीं 6 हो जाएगा ना 608 सौ आठ हो जाएगा तीन चार पांच छः, सौ आठ हो गया भाई सी ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन आ गया ठीक है छ सौ आठ आ गया है करेक्ट हो गया क्वेश्चन आगे बढ़ें आगे बढ़े कुछ लोग ब्रेक कह रहे हैं भाई सब क्या हो गया तुझे अभी तो ब्रेक खत्म हुआ है हमारा एक इस टाइप का क्वेश्चन अब बहुत बहुत अगेन कॉमन एफ एक्स और एफ ऑफ वन बाय एक्स में जब इक्वेशन दे देता है तो पांच छह बार ये सवाल अलग अलग फॉर्म में पूछ चुके हैं क्या करा जाता है भाई तुम सबको पता होगा एक्स को वन बाय एक्स से रिप्लेस करते हैं ताकि ये फोर एफ एक्स हो जाए और ये वन बाय एक्स स्क्वायर माइनस टू हो जाए दो इक्वेशन दो अनोन की तरह सॉल्व किया जाता है ना भाई दोनों में से क्या कर लोगे तुम एक तरह से एफ ऑफ वन बाय एक्स को एलिमिनेट कर दोगे इस तो लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व कर लोगे तो होमवर्क में करोगे इसीलिए बोल रहा हूं एलिमिनेट एफ ऑफ वन बाई एक्स टू गेट एफ एक्स एफ एक्स फंक्शन यहां से सॉल्व हो जाएगा बहुत बहुत बार जे ये चीज पूछ चुका है जब ये ऐसी इक्वेशन दे देता है हमेशा एक्स को वन बाय एक्स से रिप्लेस करना होता है और एफ एक्स सोल्व करके फिर तुम बेटा उसका इंक्रीजिंग देख लेना कहाँ हो रहा है इस फंक्शन को नाइन एक्स स्क्टर इन टू क्रिएट कर लेना अच्छा सा आ जाएगा कुछ इसको निपटा लेना चलिए आगे बढ़ते हैं अब आ जाती है जिसका आप सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे इंटीग्रेशन की थोड़ी सी प्रॉब्लम प्रैक्टिस इंटेफिनेट और डेफिनेट दोनों करेंगे ज्यादा आते हैं सवाल तुम्हें पता है हुँ. देखो बेटा तो अब इंटीग्रेशन में बाय सब्सटीट्यूशन बाय पार्ट्स नेगेटिव पावर्स एल्जेब्रिक ट्विंस क्या होता है वही मैं अभी दिख जाएगा डेफिनेट में प्रॉपर्टीज न्यूटन ये तो हट गया था लिमिट ऑफ असम बेटा जय ने एक सेक्शन में दे दिया इस पर भी क्वेश्चन लिमिट ऑफ असम छोटा सा टॉपिक है उसको पढ़ के जाना अभी मैं कराऊंगा उसको ठीक है तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू सारे समझते हैं हाँ तो इस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं सबसे पहला बढ़िया क्वेश्चन फर्स्ट सत्ताइस तो जनवरी का क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब की टर्म दिख रही है ठीक है सर ठीक है और अब मुझे यहां पर भी देखो अगर मैं x की पावर सिक्स कॉमन ले लू साफ दिखाई दे रहा है जबरदस्ती कॉमन लेने वाला है तो x की पावर एट माइनस एक्स स्क्वे अपॉन इसमें से x की पावर सिक्स कॉमन ले लीजिए बचेगा x की पावर सिक्स प्लस वन बाय एक्स की पावर सिक्स प्लस वन और टेन इनवर्स ऐसा कुछ और ये एक्स की पार सिक्स को इसके नीचे ले जाओ ऊपर तो जबरदस्ती कॉमन निकाला है ये सब ट्रिक्स हैं इंटीग्रेशन की रातों रात नहीं सीखी जाती प्रैक्टिस से सीखी जाती हैं टेन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब और अब बेटा ऊपर बन गया है डेरिवेटिव की टर्म इसी चीज की और नीचे भी तुम अगर ध्यान से देखो तो एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब को अगर टी लेट कर लूं थ्री कॉमन सो एक्स स्क्वायर माइनस डी टी बाय थ्री इतनी चीज बेटा तुम्हारी डी टी बाय थ्री लिखी जा सकती है और इसको भी तुम होल स्क्वायर में ले जाओ t square t square तो अगर होल स्क्वायर कर दोगे तो t स्क्वायर स्क् प्लस थ्री था ना यहां पे सॉरी वही मैं सोच रहा था ये क्या हो रहा है प्लस थ्री था भाई क्योंकि जब x की पार सिक्स कॉमन लिया थ्री था तो t स्क्वायर प्लस वन बन जाएगा ये और tan इनवर्स में t बन जाएगा यहां पे इतना प्यारा सा इंटीग्रल बन गया है सर थ्री गायब हो गया काफी सारे लोग जाग रहे हैं स्पैमर नहीं है हमारे बीच काफी सारे समझदार पढ़े लिखे व्यक्ति भी हैं जिन्होंने मेरी गलती पकड़ ली थी बट बेटा उससे पहले ही मैंने करेक्ट कर लिया है बस अब तो आई थिंक हो गया टेन इनवर्स टी को फिर से जेड मान ले तो डी डी टी अपॉन दिस ये तो वन बाय थ्री बाहर कर डी टी अपॉन दिस तो डी जेड हो गया अपॉन जेड यानी वन बाय थ्री एल एन जेड यानी एल एन टैन इनवर्स टी और टी की जगह वापस एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब डबल सब्सटीट्यूशन करके सवाल हो गया है सॉल्व वन बाय थ्री को पावर में चिपका दे तो एलन टैन इनवर्स ए ऑप्शन आ गया है ए ऑप्शन आ गया अभी भी गलत है अरे यार ऐसा मत कर यार अभी भी गलत कर दिया क्या मैंने अच्छा दिल तोड़ दिया भाई तूने अब अब कहेगा गलत है आंसर मैच कर लेता हूं उसके बाद बेटा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलूंगा हाँ बेटा अब बताइए जरा क्या गलत है <laughs> अब बता जरा क्या गलत है कह रहा अभी भी गलत है आंसर आ गया बेटा मेरा अब तो बेटा मैं फुल कॉन्फिडेंस में चैलेंज कर सकता हूं तुझे सर ऑप्शंस को डिफ्रेंशिएट कर दो बेटा तेरी किस्मत अच्छी रही तो तू बच जाएगा पहले में आ गया वो भी दस मिनट लग जाएंगे अगर ऐसा ही हो रखा होता तू इतना बड़ा चैंपियन है कि दुनिया पागल है जो इंटीग्रेशन पढ़ रही है वो सारे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन ऐसी कर देती डिफरेंशिएट करके ऑप्शन है ना हाँ ये बता टेक ऑप्शन डेरिवेटिव स्टॉक मार्केट की बातें कर रहा है क्या यहाँ पे ऑप्शन और डेरिवेटिव की <laughs> ऑप्शन को तेरे को डिफ्रेंशिएट नहीं करना है बेटा इंटीग्रेट करना है इसमें तो नानी याद आ जाएगी तुझे चार ऑप्शन को डिफरेंशिएशन करने जाएगा चल इधर देख सर डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं आती स्किप कर दू स्किप करने में बड़ा माहिर है पूरा साल तो तू स्किप करके आया अब यहां तक अब तो पढ़ ले कम से कम दो घंटे क्या पता कुछ आई जाए इसी में से कल परसों में चलो भाई देखेंगे बहुत प्यारा क्वेश्चन एक और तो भैया कोसेक और सेक तो मुझे बहुत नफरत है इनसे क्यों सर इन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है यार साइन कॉस अच्छे लगते हैं ना तो बस यही है बस साइन कॉस से हमारा प्यार है तो वन बाय साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स से भी दुश्मनी है क्या सर टेन एक्स भी हटाई देते हैं सब कुछ साइन कॉस में एक तरह से मैं ले गया जोक्स अपार्ट तो वन प्लस साइन एक्स अपॉन वन प्लस साइन फोर एक्स और एलसीएम वाला साइन गया कॉस बचा कॉस ऊपर जाके इधर चिपक गया कॉस एक्स डी एक्स और बेटा अब तो समझ ही गया आगे का सब्सटीट्यूशन ये देख अब तो बेटा साइन एक्स को टी मानने का समय आ चुका है साइन एक्स को टी मानने का समय आ चुका है ताकि ऊपर बन जाए वन प्लस एक्स वन प्लस टी स्क् डी टी अपॉन वन प्लस टी की पार फोर इसको देख के कुछ चमका बेटा स्टैंडर्ड इंटीग्रल बन गया टू इन वाला वही वाला जब टी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं इसको ऊपर नीचे अब ये जिन्हें याद नहीं है ट्रिक बेटा एक घंटा भी बैठे रहो एग्जाम में तुमसे ना हिलेगा ये टी स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं और फिर नीचे टी माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस बनाते हैं करेक्ट तो डायरेक्ट टेन वाली टर्म को पुट कर देते टी अरे यार अब तू यार छोटी मोटी बातों की बातें मत कर ठीक है भाई तेरी बात मान ली इसकी जगह टेन इनवर्स इसको कर देता तो एक सब्सटीट्यूशन एक लाइन बच जाती कब तक बेटा एक छोटी छोटी बातों के लिए रोएगा ये बता तू बच्चा तो रह नहीं गया नया नया इंटीग्रेशन सीखा है चलो सर ये एक लाइन बचा लेता हूं तुझे पता ही है सेम ही आने वाला है अल्टीमेटली अगला सवाल और बर्बाद कर रहा है अपना टी माइनस वन बाई टी को जेड तो डी जेड ये बन जाता है डी जेड यही तो खेल होता है बेटा इसका सब्सटीट्यूशन का जेड स्क्वायर प्लस टू तो वन बाय रूट टू टेन इनवर्स जेड बाय रूट टू जेड की जगह ये और प्लस सी प्लस सी भी होता है करेक्ट इधर देख अब t की वैल्यू वापस साइन एक्स भी डालनी थी हाँ सर साइन एक्स भी डालनी थी डाल दो सर फिर क्या दिक्कत हो रही है बिल्कुल डाल देते हैं भाई साहब तो t को साइन एक्स डालेंगे तो अब हमारे पास जो ये वाई एक्स बन गया ध्यान से देखना भाई वाई एक्स बन गया वन बाय रूट टू टेन इनवर्स साइन एक्स माइनस वन बाय साइन एक्स अपॉन रूट टू प्लस सी है ना भाई t की जगह साइन एक्स भी मैंने डाल दिया ये ट्रिक आनी चाहिए आपको

वन बाय रूट टू माइनस रूट टू अपॉन रूट टू ये क्या हो रहा है भाई प्लस सी तो जीरो ही था ऐसा कुछ तो हमारे पास आ गया वन बाय रूट टू टैन इनवर्स माइनस वन बाय रूट टू ऐसा कुछ माइनस को बाहर भी ला सकते हो तो वन बाय रूट टू टैन इनवर्स माइनस सी ऑप्शन आ गया है दोस्तों ऑप्शन आ गया है ठीक है भाई पूरे कैलकुलस से सर कितने क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकता हूँ बेटा ये समझ ले आठ दस तो करी ले तीस में से दस सर हाँ कर ले आठ या नौ तो करी ले एक दो डिफरेंशियल तीन डिफरेंशियल एरिया के दो इंट, इंटीग्रेशन पांच और दो तुम मान लो डिफरेंशियल कैलकुलस के साथ एक फंक्शन आईटीएफ इसको भी अगर मान लें तो आठ आठ तो पक्के ही पक्के हैं बेर मिनिमम बोला है मैंने जीडीबीडी क्या जीडीबीडी हो गई डी होगा सर क्या जीडीबीडी हो गई मेरे दोस्त एक सेकेंड हाँ सही कह रहा है यार ये कह रहा है कि सर वन माइनस टू बाई रूट टू रूट टू तो टू होता है बात तो सच है भाई तो हमारा आंसर कैसे आ गया इनने भी सी दिया हुआ है कहाँ हो गई जीडीबीडी आ रहा है सर बात तो सही है यार देखो जरा कहीं कोई गलती करी है हमने क्या यही आंसर आ रहा है देख लो भाई जरा चेक कर लीजिए डी hmm. ही होगा सर डी आ रहा है यार डी इज राइट आई थिंक डी आ रहा है सही है क्योंकि रूट टू इंटू रूट टू तो टू हो गया मेरे ख्याल से डी आएगा चेक कर लेना आंसर की में चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन बाकी कर तो लिया ही हमने चलो आगे बढ़ते हैं अब आ जाते हैं थोड़े से डेफिनेट इंटीग्रेशन में बेटा तो इनडेफिनेट भी लगता है सर छोड़ दिए वाह 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 बेटा वा। ये देखो जरा कॉन्फिडेंस लेवल देख लो अलग ही अरे मेरे दोस्त साइनेक्स को टीम आना है तो ये डी में गया ना यार तू अभी तक इन्हीं चीजों में फंसा हुआ है कॉसेक्स डी एक्स डी टी जाएगा सब्सटीट्यूशन का तेने ऐसे भी नहीं सीखा अभी तक एक साल में <laughs> ये बता z होगा सर t की जगह अरे भाई साहब z की वैल्यू डाल दी दोस्त वन बाय रूट टू टेन इन जेड बाय रूट टू आता z को सीधे डाल दिया मैंने उसके बाद t को फिर से डाल दिया तुम कौन सी जिंदगी में जी रहे हो बेटा है हाफ माइनस वन माइ क्या माइनस टू होगा क्या कह रहा है माइनस टू होगा कहां पे समझा नहीं भाई मैं तेरी बात हम्म देख लो आराम से देख लो मेरे ख्याल से तो डी आ रहा है डी सही है ठीक है बेटा चलो आगे बढ़ते हैं आई थिंक डी ही सही लग रहा है प्रॉब्लम तो सॉल्व कर लिया है छोटी मोटी कैलकुलेशन देख लेना चाहता है टेन पाई बाय सिक्स वन बाय थ्री और डेरिवेटिव एट थ्री है थ्री पर है हैन बाय टेन बाय बायर यानी कि वन ये डेरिवेटिव देने का बेटा तरीका बड़ा कैजुअल है, है? <laughs> डेरिवेटिव देने का तरीका बड़ा कैजुअल है सर इस तरह से एंगल दे दिए चल रहा है ना आजकल बहुत चल रहा है तुम्हारा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इफ 27 दिस इंटीग्रल ऐसा दिया है ठीक है भाई साहब तो से होल स्क्वायर प्लस डबल ये इंटीग्रल तो भाई बच्चा बच्चा सॉल्व कर लेगा है ना ग्यारहवीं का बच्चा भी सॉल्व कर लेगा कि एफ डैश टी को जेड मान लेता हूँ लिखा है सो एफ डैश टी को z मान लीजिए और f डबल डैश टी डी टी डी जेड हो जाएगा ठीक <laughs> है ये देख डी जेड हो गया तो वन से थ्री f डबल डैश f डैश को z स्क्वायर प्लस वन और डी जेड हो गया और लिमिट्स भी चेंज कर सकते हो f डैश वन t को जब वन डाला तो f डैश वन वन बाय रूट थ्री और थ्री पर एफ डैश थ्री वन था ट्वेंटी सेवन बाहर था ठीक है ना भाई साहब बस ये इंटीग्रल रह गया है हो गया बस जेड स्क्वायर प्लस वन को इंटीग्रेट कर लो सत्ताईस इंटू जेड क्यूब बाई थ्री प्लस जेड और ये हो गया नाइन जेड क्यूब प्लस ट्वेंटी सेवन जेड लिमिट्स वन बाय रूट थ्री से लेके थ्री वन uh, डाल लीजिए और सिंप्लीफाई कर लीजिए वन डालूंगा तो सत्ताईस और नौ छत्तीस माइनस वन बाय रूट थ्री डालूंगा तो नाइन बाय थ्री रूट थ्री प्लस सत्ताईस बाय रूट थ्री तो छत्तीस माइनस तीस बाय रूट थ्री छत्तीस माइनस टेन रूट थ्री आ रहा है इंटीग्रल का वैल्यू उसको सिंप्लीफाई करके इससे कंपेयर करें इससे कंपेयर करें तो अल्फा आ गया छत्तीस बीटा आ गया माइनस टेन हाँ अल्फा बीटा आर इंटीजर्स अल्फा प्लस बीटा छब्बीस बी ऑप्शन बी ऑप्शन बन गया है भाइयों आगे बढ़ते हैं था ना बढ़िया क्वेश्चन बढ़िया जबरदस्त ओपी क्वेश्चन चल बेटा एक और निपटाएंगे अब थोड़ा सा भयंकर सवाल है डरना नहीं है डरना नहीं है चलिए ध्यान दीजिए एफ एक फंक्शन दिया है माइनस एक्स से एक्स ये कोई खतरनाक सा फिर से वही वाला क्वेश्चन है जो डरावना होता है डी एक्स ये है ठीक है भाई साहब और ये पहले तो fx gx को रिलेट करेंगे फिर ये लास्ट में वैल्यू डालेंगे ठीक है तो दोनों इंटीग्रल को कैसे एक दूसरे से इनका रिलेशन एस्टेब्लिश किया जाए ये सोचना है तुम्हें पता? कैसे रिलेट किया जाए देख सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है ये इवन फंक्शन है इवन है ना अंदर दे मोड भी t स्क्वायर e की पर तो ये fx को पहले तो 2 टाइम्स 0 से x कर लेता हूं ऑड t minus t स्क्वायर e की पावर माइनस टी, टी और बेटा क्योंकि x पॉजिटिव है है देख तो तो का कोई काम नहीं रह गया क्योंकि जीरो टू एक्स तो एक चीज बन गई को भी उड़ा दिया अच्छा सा लगा सर, अच्छा सा सा लगा लगा सर बड़ा ठीक अब मुझे इसको और इसको रिलेट करना है अब देख ध्यान से दोनों इंटीग्रल्स को ध्यान से देखो सबसे पहले तो सर लिमिट जो थी एक्स है तो मेरे माइंड में चल रहा है कि भाई ऐसा कुछ लाया जा सकता है इसको बोलते हैं तो रिलेटिंग के टर्म्स में लाने की कोशिश ले लिया और टी स्क्टिट्यूट करता हूं कैसे दिमाग में आया इसको देख के आया कि भाई लिमिट भी देख जीरो से एक्स की जगह जीरो से एक्स स्क्वायर बन जाएगी और वन माइनस टी की जगह रूट जेड आ जाएगा एक रूट की टर्म भी है यहां पे वो टी है सर ये जेड है वो तो जेड को हटा देंगे ई की पावर माइनस जेड टी जेड ऐसा कुछ बन गया देखो ये एफ एक्स अपना बन गया है से हमने रिलेट कर दिया है सर न्यूटन लेबिनेट्स क्यों नहीं लगाया क्योंकि डेरिवेटिव की बात ही नहीं करी देख एफ डैश की बात करी होती तब मैं लेबिनेट्स लॉ लगाऊंगा मुझे एफ डैश की बात ही नहीं लग रही डेरिवेटिव क्रिएट करना ही नहीं तो मैं अभी उसके थ्रू नहीं गया हूं चल अब इसको खोल देते हैं बेटा एफ एक्स बन गया One के साथ इसको खोलेंगे जीरो टू एक्स पार माइनस डी जेड माइनस ई की पार माइनस जेड ठीक है भाई डी जेड जीरो अब दूसरे वाले को जीएक्स कह सकता हूं क्या यहां तो टी है सर तो कोई दिक्कत नहीं है टी को जेड लिख दो क्या फर्क पड़ता है तो ये वाला तुम्हारा जी एक्स हो गया है

राइट right? ऐसा कुछ आ गया हम्म देख लो जरा एक बार क्या मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था क्या चेक कर लीजिए एक बार अब क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको सब कुछ ठीक है ना बस अब तो हो गया देख एफ एक्स प्लस जीएक्स ही आ गया और हमें नाइन टाइम्स दिस निकालना है तो एक्स की जगह रूट एल एन नाइन डाल देता हूं तो एफ एक्स प्लस जी एक्स की वैल्यू हो जाएगी वन माइनस ई की पावर माइनस एल एन नाइन यानी वन माइनस वन बाय नाइन तो एट बाय नाइन हो जाएगी और उसको नौ से मल्टीप्लाई करना है तो फाइनल आंसर आठ आ गया फाइनल आंसर बेटा आठ आ गया हाँ सर सही है कनेक्शन हाँ वो मेरे को स्क्रीन तो में आई थिंक बंद हो गया था इसलिए मुझे लगा सो फाइनल आंसर एट हो गया तो बहुत प्यारा क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रल का रिलेटिंग डेफिनेट इंटीग्रल का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जिसमें हमने सीधे सीधे प्रॉपर्टी लगा के या ये कह लो थोड़ी सी प्रॉपर्टी थोड़ा सा सब्सटीट्यूशन लगा के तो इंटीग्रल को रिलेट कर लिया ठीक है भाई आई होप ये बात क्लियर है आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं बेटा न्यूटन लेबिनेट्स लॉ की बात हो रही थी उसको भी देख लेंगे उसको भी देख लेते हैं एक बार चलिए एक ये क्वेश्चन लेंगे एफ एक्स दिया है माइनस वन टू एक्स एक खतरनाक सा फंक्शन दिया है डरना नहीं है अभी प्लीज सम ऑफ ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर एफेक्स अटेन्स लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा तो मैक्सिमा इनिमा के पॉइंट निकालने हैं राइट इसका मतलब अब तुम्हें डेरेवेटिव लेना है एफ डैश एक्स ले डालो डिफ्रेंशियट करोगे इंटीग्रल हट जाएगा e की पावर माइनस वन ये क्या है सर कोई बात नहीं बेटा घबराना नहीं है इसको जीरो रखेंगे मैक्सिमा मिनिमा के लिए और जो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे देख इसका तो ई e की पार एक्स माइनस वन का एक्स जीरो आ जाएगा फिर हाफ फिर टू फिर थ्री फिर फाइव ये क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे सर एफ एक्स को इवन कैसे किया बेटा मैंने एफ एक्स को इवन नहीं किया था ये जो अंदर वाला फंक्शन था ये इवन किया था ठीक है इसमें प्रॉपर्टी लगी है ना टू टाइम जीरो मॉड भी इवन है टी है

फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट प्लस से माइनस होता है मैक्सिमा के लिए इंक्रीज फिर डिक्रीज तो मैक्सिमा का पॉइंट माइनस से प्लस मिनिमा का पॉइंट प्लस से माइनस फिर से मैक्सिमा का पॉइंट साइन चेंज नहीं हुआ ना इधर मैक्सिमा नॉर मिनिमा माइनस से प्लस फिर से मिनिमा का पॉइंट तो ये सारे मैक्सिमा मिनिमा के पॉइंट हो गए बस हो गया क्वेश्चन देख कैसे इन्होंने एओडी घुसाया इंटीग्रेशन के साथ बस सम ऑफ ऑफ वैल्यूज वेयर अटेन्स लोकल मैक्सिमा तो पी हो जाएगा मैक्सिमा वालों का सम ऑफ स्क्वायर जीरो स्क्वायर प्लस टू स्क्स एक्स है सम ऑफ वैल्यूर एफ लोकल मिनिमा तो हाफ और फाइव इलेवन बाई टू जल्दबाजी नहीं करनी पी स्क्वायर प्लस टू क्यू पूछा है पी स्क्वायर का मतलब हो गया सोलह टू क्यू का मतलब हो गया ग्यारह इन दोनों को ऐड करेंगे तो सत्ताईस आ रहा है भाई आंसर सत्ताईस हो गया आंसर ट्वेंटी सेवन हो गया आंसर करेक्ट देख लीजिए भाई आराम से देख लीजिए कोई जल्दबाजी नहीं है सर एनर्जी खत्म हो रही है मेरी अब कल करूंगा कितने घंटे हुए यार पांच घंटे चार घंटे में तेरी एनर्जी खत्म होने लग गई हम लोग जब पढ़ते थे तब तो छः-छः घंटे लगातार पढ़ते थे पता भी नहीं लगता था टाइम और ये लोग भी काफी हैं जो तो हमारे साथ हैं ये जिनकी फ्लुएंसी बनी है ना ऐसी नहीं बनती बेटा मेहनत करनी पड़ती है तब जाके कुछ अचीव होता है चलो कोई बात नहीं तुम्हें जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा कर लो चलिए अगला सवाल ये वाला तो अब पूरा जो है पूरा नहीं करूंगा देख रूट वन माइनस साइन टू एक्स फॉर्मूला होता है जिसको क्या फॉर्मूला रूट और स्क्वायर हटेगा तो बस मॉड आएगा क्योंकि definite integral की बात मॉड कॉसेक्स माइनस साइन एक्स पाई बाई सिक्स से पाई बाई थ्री अब तुम्हें एक बात पता है पाई बाई फोर पे ब्रेक होगा ये क्योंकि पाई बाय फोर तक कॉस बड़ा होता है तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स चलेगा और पाए बाय फोर के बाद बेटा साइन बड़ा हो जाता है तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा पाई बाय फोर से पाई बाय थ्री बस इतना सा क्वेश्चन तब आगे इंटीग्रेट कर लेना कॉस एक्स साइन एक्स का इंटीग्रल लिख के वैल्यू डाल लेना आंसर आ जाएगा बस इतनी सी ट्रिक थी पूरा नहीं कर रहा हूं मैं क्योंकि बेटा पूरा करेंगे तो बारह पंद्रह घंटे लग जाएंगे मैं चाहता हूं आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करवा दूं ठीक है ये देख ले बेटा चलिए अगले पर आएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल का एक और सवाल उठाएंगे देखो आई ये इंटीग्रल है माइनस कोई इवन फंक्शन तो दिख नहीं रहा क्योंकि एक्सपोनेंशियल की बात आ गई एक्सपोनेंशियल नहीं होता तो इवन होता एक्सपोनेंशियल की बात आ गई तो किंग प्रॉपर्टी लगाऊंगा मैं किंग प्रॉपर्टी का क्या मतलब हुआ सर किंग प्रॉपर्टी का मतलब हुआ सम ऑफ लिमिट्स जीरो है तो एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा ये सब तो सेम रहेगा एट रूट टू कॉस एक्स वन प्लस साइन की पावर फोर ये सब सेम रहेगा ई e की पावर में माइनस आ जाएगा और जिसको बेटा ऊपर ले जाऊंगा समझ गए ई e की पावर साइन एक्स ये तो रट गया होगा अब तुम्हें बिल्कुल क्लास नोट्स की रटी रटाई चीज और अब जैसे ही इसको ऐड करूंगा वन और टू को बेटा ऐड करूंगा फर्स्ट और सेकंड को जैसे ही ऐड करते हैं एक पार वाली टर्म जो है पूरी खटखटा के कट जाएगी ये तो कॉमन आएगा ये वाली पूरी कट जाएगी सो टू आई बराबर माइनस फाइव बाय टू से फाइव बाय टू ये डायरेक्ट लिखना चाहिए मैं स्टेप वैसे मैं तुम्हारी जगह होता तो डायरेक्ट इस स्टेप को लिखता ऐसा डायरेक्ट एग्जाम में मैं स्टेप को लिखता ये सब मुझे पता है दिमाग में सब कट कटा के वन होने वाले हैं टू आई की वैल्यू आएगी अब ये इवन फंक्शन बन गया तो अब ये अगर इवन बन गया तो टू टाइम जीरो से फाइव बाई टू कर लो करेक्ट ऐसा हो जाएगा हम्म hmm. करेक्ट अब देखो साइन एक्स को टी मान लेना चाहिए क्योंकि दिख रहा है ऊपर कॉस एक्स डीएक्स है से से टू कट गया आई की वैल्यू जीरो से वन एट रूट टू डी टी अपॉन वन प्लस टी की पार फोर फिर से अब अवेलजेब्रिक ट्विन बनाने का मन कर रहा है जो समझ गया ना वन प्लस टी स्क्वायर और वन माइनस टी स्क्र दोनों ले आइए इंटीग्रल के वन शॉट में भी ये चीज बताई थी मैंने और टू आ गया है ऊपर तो फोर रूट टू बाहर हो गया फोर रूट टू बेटा बाहर हो गया अब इन दोनों को अलग अलग करके कर लोगे कि नहीं कर लोगे पूरा क्वेश्चन बताओ या कर दूं पूरा आ जाता है आंसर ही क्वेश्चन मैंने किया हुआ है बढ़िया करके आंसर निकलता है बट कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है एलजेब्रिक क्वेंस वाले वही टी से डिवाइड अभी थोड़ी देर पहले भी बना था पहला वाला पार्ट इतना बना था बस वन प्लस टी स्क् अपॉन वन प्लस टी फोर याद करो बना था ये रहा ये बना था ना बिल्कुल सेम इसी का दूसरा भाई भी बन गया माइनस वाला माइनस टी स्क्वायर वाला भी बन गया सर कॉस ऑफ माइनस एक्स अबे एक कॉस एक्स ही तो होता है वो इसीलिए तो नहीं चेंज किया उसे कर लीजिएगा ये वाले का आंसर मैं निकाल चुका हूं पूरा आ जाता है बढ़िया करके रॉन्ग अरे क्या रॉन्ग हो गया भाई क्या रॉन्ग है बताओ जीडीबीडी लिख रहे हो क्या जीडीबीडी है बताइए क्या जीडीबीडी हो गई प्लस आएगा बीच में बात तो तुम्हारी सही है भाई बीच में प्लस आएगा अब सही है बीच में प्लस साइन आएगा तभी तो टी स्क्वायर टी स्क्वायर कटेगा और वन वन टू बन गया टू इंटू फोर रूट टू एट रूट टू हो गया करेक्ट अब सही है अब सही है चलो भाई वेरी गुड समझदार व्यक्ति हो तुम समझदार व्यक्ति हो बेटा चलो एक ये वाला पूरा निपटाते हैं अब इंटीजर टाइप इसमें क्या दिया है FX दिया है जीरो टू एक्स जी टी जी को बोला जा रहा है ऑड फंक्शन है भाई तू जी तू भाई ऑड फंक्शन है मतलब जी ऑफ माइनस एक्स इज माइनस जी एक्स ऐसा कुछ अच्छा जी एक्स ऑड है FX इस प्रकार का कुछ दिया हुआ है जिसमें जी फंसा हुआ है समझ गया और फिर ये एक इंटीग्रल जिसमें f फंसा हुआ है देख रहा कहां से कहां फंसा रखा है पहले एक f फंक्शन में g फंसा है और फिर इस इंटीग्रल में f फंसा है तो यानी मुझे यहां से पहले f सिंप्लीफाई करना है g की मदद से तो मैं t को माइनस जेड डाल देता हूं आपके दिमाग में सर ये उल आइडिया क्यों आया ताकि इवन ऑड ऑड की प्रॉपर्टी यूज करना चाह रहा हूं ना तो टी को माइनस जेड जरा डालता हूं टी को माइनस जेड डालता हूं तो एफ एक्स हो जाएगा जीरो टू माइनस एक्स हो जाएगा जी ऑफ माइनस जेड हो जाएगा और एल एन वन प्लस जेड अपॉन वन माइनस जेड हो जाएगा और इंटू में डी टी के जगह माइनस डी जेड हो जाएगा समझा जी अच्छा तो अब भाई साहब क्या हो जाएगा एक बात हमें समझ आ गई जी ऑफ माइनस जेड में माइनस बाहर आएगा क्योंकि ऑड है ये माइनस इस माइनस से कट जाएगा तो जी जेड और एल एन में भी पलट दो अगर कहानी को वन माइनस जेड अपॉन वन प्लस जेड कर दो तो एक माइनस और बाहर आ जाएगा तो बेसिकली तीन माइनस हो एक यहां से एक यहां से एक यहां से तो एक माइनस बाहर रह गया इतनी बात समझ गया एक माइनस बाहर रह गया और बेटा अगर अब तुम इस छोटी सी चीज को देखो माइनस के बिना इसको देखो तो ये वही फंक्शन तो बन गया बस एक्स की जगह माइनस एक्स है यानी ये चीज एफ ऑफ माइनस एक्स बन गई समझा क्योंकि लिमिट में बस जीरो हमने ये पता लगा लिया एफ एक्स भी ऑड है एफ एक्स भी ऑड फंक्शन हो गया भाई एफ एक्स भी ऑड पता लगा लिया मैंने क्या फायदा हुआ सर इतना क्यों खुश हो रहे हो अब देख ये वाला जैसी खोलूंगा ये तो जीरो हो जाएगा माइनस ए टू ए फंक्शन है राइट बस ये वाला बच जाएगा तो बस अब तो क्वेश्चन होता हुआ दिख रहा है माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू एक्स एक्स वन प्लस एक्स अभी ऐसा कुछ किया था हमने हम्म। hmm. अब तो क्या है देख? वही। एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे e की पार वाला खेल खत्म होगा सीधे लिख रहा हूं देख टू आई आए आएगा जीरो टू आई आए आएगा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू की पार वाला टर्म कट जाएगा समझ गए ना कैसे किया मैंने डायरेक्ट लिख दिया वो स्टेप किंग प्रॉपर्टी लगा के एड कर दिया ई की पार वाला टर्म कट गया और अब प्रॉपर्टी इवन फंक्शन वाली लग जाएगी तो आई बराबर जीरो से पाई बाय टू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स एक्सक्वायर कॉस एक्स को एक तो अब इंटीग्रेट कर लोगे बाय पार्ट से आंसर को मैच कर लेना आ जाता है इसका भी आंसर क्लियर है कर लोगे बेटा इसको कर लोगे अब एक्सक्वायर कॉस एक्स में दो बार बाई पार्ट लगेगा एक्सक्वायर कॉस एक्स तो इंटीग्रेशन एनसीईआरटी का सवाल बन गया ठीक है सर वाई माइनस एक्स अरे लिमिट्स तो चेंज करेगा ना जब टी को तूने ने माइनस जेड माना तो ये तो टी की वैल्यू थी ना तो जेड की वैल्यू माइनस ऑफ एक्स हो जाएगी ना लिमिट्स भी तो चेंज होती है सब्सटीट्यूशन जब होता है लिमिट्स भी चेंज होती हैं इसलिए कोई भी वेरिएबल चेंज करते हो तो लिमिट भी चेंज होती है डेफिनेट इंटीग्रेशन में रूल होता है चलो भाई एक और हल्का फुल्का सा सवाल इसको भी पूरा नहीं कराऊंगा पूरा मतलब खत्म करके छोड़ दूंगा टू एक्स को थीटा मान लेना चाहिए साइन की पार फोर दिख रहा है पहले तो मुझे तो यानी डी एक्स हो गया डी थीटा बाई टू जीरो से लिमिट चेंज कर रहा हूं देख जब x पाई बाय फोर है तो पाई बाय टू और एक्स की जगह थीटा बाई टू डी थीटा बाई टू नीचे साइन की पावर फोर थीटा प्लस कॉस की पावर फोर थीटा करेक्ट ये इंटीग्रल बन गया तो वन बाय फोर बाहर थीटा डी थीटा और जीरो से पाई बाय टू लिमिट हो गई है क्योंकि वेरिएबल चेंज किया लिमिट भी चेंज हो गई फिर से देख पा रहे हो प्रॉपर्टी फाइव लगा के किंग लगाऊंगा तो आई आ जाएगा वन बाय फोर बाहर पाई बाय टू माइनस थीटा होल अपॉन नीचे की टर्म तो सेम जैसे ही ऐड करूंगा टू आई हो गया वन बाय फोर इन टू पाई बाय टू थीटा, थीटा थीटा तो कट गया अपॉन साइन की पार फोर प्लस कॉस की पार फोर थीटा आई बन गया डी थीटापोन साइन फोर थीटा प्लस कॉस फोर थीटा सर इसको चेंज क्यों नहीं कर लेते जब भी ये दिखता है तो तुम्हें बता चुका हूं क्या करते हैं क्या करते हैं भाई साहब इसको हम वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं इसको डबल एंगल में ले जाते हैं स्क्वायर टू बाय टू ऐसा हो जाएगा अब ये तो स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड बन गया, बन गया, बन गया ये तो कि भाई, हमारे पास नीचे है वस, तो से डिवाइड करके ही हो जाता है तुम्हें पता है कॉस से डिवाइड करके याद आ रहा है क्लास में बताया होगा डी थी एक्स अपॉन ए प्लस बी साइंस स्क्वास तो इसको ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड करके स्क्वायर से डिवाइड करके हो जाता है वैसा ही कुछ बन गया नीचे बस साइन स्क्वायर तो ऊपर नीचे कॉ स्क्वायर टू थीटा से डिवाइड कर दोगे सर ऑर्ड टू ऑड तो ऑड होता आपने इतना क्यों किया देख पिछले क्वेश्चन में कह रहा है कि सर ये ऑड था ये भी ऑड था तो आप सीधे ऑड करते अबे इंटीग्रल भी तो है दोस्त इंटीग्रल भी तो है इसलिए भाई ऐसा मत कर यार इंटीग्रल तूने उड़ा दिया यूं ही ऑड इनटू टू ऐसा ऑर्ड कर दिया वो तो वैसे भी ऑड इनटू ऑड इवन होता है वह भी तेरा लॉजिक गलत है कर लोगे अब इसको भी निपटा लेना भाई ये सब क्वेश्चंस लेंदी लेंदी हैं बट आंसर सबके आ जाएंगे मेथड सबके मैंने बता दिए हैं चलो आगे बढ़ेंगे भाई इंटीग्रेशन में अब मैंने तुम्हें बताया था लिमिट ऑफ सम का क्वेश्चन आ गया है ये जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है उन्हें पता है लिमिट ऑफ अ सम मतलब ये तीन स्टेप होते हैं लिमिट में लिखते हैं क्वेश्चन को आर बाय एन को एक्स वन बाय एन को डी एक्स सिग्मा को इंटीग्रल साइन बस इतना करते हैं अब देख जेई ने इस साल भी दे दिया इसका क्वेश्चन जिन्होंने नहीं पढ़ा है बेटा मंजिल बैच में आप डिटेल में पढ़िए वहां पर आपको कराया गया होगा सिग्मा देखिए वाले क्वेश्चन ऐसे तो के में है आर है के एक ही बात है के के को आर में चेंज कर लो एन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस थ्री आर स्क्वायर और आर को वन से इन्फिनिटी ले लो एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी है करेक्ट हम्म hmm. तो अब ऐसे में तुम्हें क्या करना होता है देखो आर बाय एन क्रिएट करना होता है एन क्यूब अपॉन इसमें भी आर आर स्क्वा एन स्क्वायर कॉमन ले लो इसमें भी तो वन प्लस थ्री आर स्क्वायर बाय एन स्क्वायर ये एन क्यूब यहां से कटेगी तो जो वन बाय हो गया उसे डीएक्स लिख लो और लिमिट्स क्योंकि जीरो एन थी, तो जीरो से एन वाली चीज जीरो से वन में चेंज हो जाती है जीरो से वन में लिमिट चेंज हो जाती है तो इस इंटीग्रल की वैल्यू निकाल दो आंसर आ जाएगा करेक्ट कर लोगे अब इसको कंप्लीट चलो मैं कर ही देता हूं इसको ये तो पार्शियल फ्रैक्शन से हो जाएगा थ्री इंटू वन प्लस एक्स स्क् माइनस वन प्लस न्यूमरेटर मैनिपुलेट कर दिया मैंने सीधे ही इन दोनों के टर्म्स में देख लो भाई सही बोल रहा हूं ना मैं ऊपर थ्री एक्स स्क्वायर कट गया थ्री वन बाई टू की टर्म बाहर भी आ जाएगी है ना भाई सही है वन बाय टू बाहर इंटीग्रल थ्री अपॉन वन प्लस थ्री एक्स माइनस वन बाय टू इंटीग्रल डीएक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर चेक कर लीजिए हम्म hmm. अब बेटा थ्री तो थ्री काट दे ऊपर नीचे से तो वन बाय टू इंटीग्रल डीएक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय थ्री ये तो सीधे टेन इनवर्स एक्स हो ही गया इसको भी अब वन बाय टू टू वन बाय वन बाय रूट थ्री बाय टेन इनवर्स एक्स बाय वन बाय फोर तो माइनस पाइव बाई एट हो गई भाई देखो ऐसा कुछ आ रहा है यार अजीबो गरीब सा ये तो बड़ा ही अजीबो गरीब है सर कोई नहीं ऑप्शन मैच करते हैं देख तीन दुनिया छह चौबीस सिक्स फोर ज ट्वेंटी फोर फोर रूट थ्री पाए माइनस थ्री पाए फोर रूट थ्री पाए माइनस थ्री पाए रैशनलाइज करना पड़ेगा फोर रूट थ्री पाए माइनस थ्री पाए जरा करो रैशनलाइज हाँ, जी डी बी डी लिख रहे हैं कुछ लोग भाई पहले जी डीबीडी क्या है ये बताया कर मुझे जी डी बी डी में बोला कर आगे भी बोला कर क्या है तो फोर रूट थ्री माइनस थ्री पाए अपॉन ट्वेंटी फोर इसको रैशनलाइज कर देते हैं फोर तो फोर जा सिक्स थ्री जा फोर्टी एट माइनस नाइन इंटू पाए अपॉन ट्वेंटी फोर इंटू फोर रूट थ्री प्लस थ्री तो थर्टी नाइन पाए बाय ट्वेंटी फोर तीन कट गया थर्टीन पाए बाय एट ऐसा आ रहा है भाई 13 पाई बाय 8 ये आ गया रैशनलाइज करके 13 पाई बाय 8 4√3 3 देख ले भाई जीडीवीडी वाले भाई क्या जीडीवीडी है आंसर मैच कर गया है बेटा हाँ, बाद में मत बोलियो लिमिट ऑफ अ सम सर n तक था n तक था अरे तो भाई n तक था ना वो r r की लिमिट थी देख ये ते तेरे को पता नहीं है क्या r की लिमिट 1 से n थी तो x तो r n है r n की लिमिट 1/n ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा एंड इनफिनिटी है तो 0 से 1 हो जाएंगी ये हमेशा 0 से 1 होती है जब भी n r n तक जा रहा होता है बेटा ये लिमिट ऑफ अ सम में पढ़ लेना इस कांसेप्ट को तो जेई ने पूछा है फिर से ऑल्दो बोला था कि हटा दिया है हमने सिलेबस से बट फिर भी डाल दिया तो ऐसा एक होमवर्क में कर लेना जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस लिमिट ऑफ अ सम में ये तीन स्टेप्स याद रखने हैं तुम्हें कि r/n को x से वन बाय एन को डीएक्स से और सिग्मा को इंटीग्रल साइन से रिप्लेस करते हैं सर आई फील कि दस सवाल इजीली बना लूंगा मैथ्स में अच्छी बात है बेटा दस बना लेगा टफ पेपर में तो इजी है तो थोड़ा सा पंद्रह तक कोशिश करना क्लियर हो गई है बात चलो भाई आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं भाई साहब इससे लेबिनेट्स रूल ऑल दो लगा था अभी बट ये लेबिनेट्स रूल होता है इसके ऊपर भी एक दो प्रॉब्लम और करवा देता हूं आपको लिमिट्स के साथ मिक्स करके आ रहे हैं भाई इस साल जेई ने फिर से वापस से अपना फेवरेट क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया है लेबिनेट्स रूल मिक्सड विद लिमिट्स सर ब्रेक अभी करते हैं यार कैलकुलस तो खत्म कर लें कैलकुलस खत्म कर लेंगे फिर लेंगे ब्रेक इंटीग्रेशन चल रहा है अपना इसके बाद अपना एरिया एंड डिफ्रेंशियल छोटा छोटा सा घंटे में कहानी निपट जाएगी उसके बाद ब्रेक ले लेंगे ठीक है चलो इधर देखो तो देखो जीरो बाई जीरो फॉर्म है पहले तो ई e की पावर में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड ताकि इसको तो वन कर दूं एक एक्स कट भी गया सो जीरो से एक्स एफ टी डी टी लिमिट में वेरिएबल है देख लिमिट में इंटीग्रेशन मिक्स है और नीचे एक एक्स

पोल करवा दीजिए सर चल अगले पे पोल करवाता हूँ लिमिट ऑफ अ सम का एक और सवाल दे रहा हूँ और इसमें बेटा पोल बनता है चलो पोल करो जब तक मैं पानी पीता हूँ तुम बेटा पोल करो चलो भाई देखते हैं सवाल को फिर से जीरो बाय जीरो दिख रहा है ऊपर की लिमिट कोई बात नहीं चलो कॉस ऊपर वाले में तो जीरो आएगा माइनस कॉस ऑफ एक्स हो जाएगा इंटू थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे वाले का डेरिवेटिव टू इन टू एक्स माइनस पाई बाय टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाय टू अब कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स को लिख लो साइन ऑफ एक्स माइनस फाइव बाई टू सकता हूं ना भाई माइनस कॉस एक्स को साइन ऑफ एक्स माइनस पाई बाई टू लिख दिया सर ऐसा विचार नेक विचार आपके दिमाग में क्यों आया क्योंकि एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू है ये साइन थीटा बाई थीटा जैसी चीज बन गई वन हो गया थ्री बाई टू एक्स की जगह पाई बाई टू तो पाई बाय टू का होल स्क्वायर थ्री पाई स्क्वायर बाय आठ सी ऑप्शन ऑप्शन बन गया है भाई ये तो यार इजी था यार ये तो करना चाहिए था तुम लोगों ने नहीं ये तो करना चाहिए था बिल्कुल करना चाहिए था ये क्या हो गया भाई बहुत बुरा हुआ बेटा बहुत ज्यादा बुरा हुआ पैंसठ परसेंट लोग ये टिक करके बैठ गए हैं क्यों भाई ये कैसे गलती ब्लेंडर कर देते हो तुम नीचे इसका होल स्क्वायर था तो इसका डेरिवेटिव इसका लेना भूल गए लगता है जल्दबाजी अब क्या सी सी चिल्ला रहे हो बेटा चैट में अब तो बंद हो चुका पोल मैंने कर दिया उसके बाद सी लिख रहे हो खुश हो रहे हो हम्म चलो भाई एक और लास्ट सवाल लेते हैं डेफिनेट इंटीग्रल का बहुत सारे करा दिए डेफिनेट के आई थिंक मैंने दस बारह क्वेश्चन फिर से फिर से देख लिमिट ऑफ सम का क्वेश्चन है पहले तो बोला है काफी सारे चैप्टर मिक्स हैं इधर देख बड़ा मजा आने वाला है कि पहले कह रहा है ए बी ऑल कोपिश

लैपिटल कह <laughs> और लॉपिटल का मिक्सचर लैपिटल लगाना है बेटा एल एन वन प्लस एक्स अपॉन एक्स की पार दो हजार चौबीस प्लस टू एक्स एल एन वन प्लस टू एक्स की पार दो हजार चौबीस प्लस वन एक्स को जीरो डाल दे तो वन बाय टू बन गया बेटा बी का वैल्यू हाफ आ गया बी का वैल्यू हाफ आ गया अब क्या करेंगे कह रहे हैं ये इक्वेशन एंड ये इक्वेशन हैव अ कॉमन रूट तो ये तो बना सकता हूं क्योंकि ए और भी आ गए हैं तो टू बी हो गया एक्स स्क् ए हो गया वन तो एक्स स्क्स एक्स प्लस फोर बराबर जीरो और इसका कह रहे हैं कॉमन रूट है एक अब देख इसका एक नहीं हो सकता दोनों ही होंगे क्यों क्योंकि इसके नॉन रियल रूट है और तुम्हें पता है नॉन रियल रूट कभी भी एक कॉमन नहीं आता दोनों आते हैं दोनों का मतलब रेशियो सेम सी अपॉन वन डी अपॉन वन की अपॉन फोर इक्वल टू के ले लो के डी के ई फोर के वन इज वन इज फोर हो गया डी सी का रेशियो डी ई का रेशियो वन वन फोर हो गया डी ऑप्शन बहुत प्यारा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अब तुम खुद देखो कितने टॉपिक्स लग गए यहां पे, सबसे पहला तो लगा बेटा देख यहां पे पाइनोमियल का टॉपिक गिनते हैं जरा पाइनोमिल के सम ऑफ कोफिशिएंट्स का राइट उसके बाद लगा लॉपिटल रूल लिमिट्स वाला है ना भाई इनके ऊपर नीचे डिफरेंशिएट फिर लगा लेबिनेट्स रूल कि आपको इसको इंटीग्रल का डिफरेंशियल करने के लिए लेबिनेट्स रूल लगा फिर एल एन वन प्लस एक्स बाय एक्स लिमिट्स लग गई लॉगरिथमिक लिमिट चार हो गए हैं ठीक है थीके? उसके बाद पांचवा लगा क्वाड्रेटिक जो फॉर्म हुई उसके कॉमन रूट का नॉन रियल रूट है तो दोनों कॉमन रूट होंगे दोनों कॉमन रूट का कॉन्सेप्ट लग गया राइट right, तो चार पांच कॉन्सेप्ट मिक्स करके खतरनाक सवाल बनाया जिसने भी दिमाग लगाया उसने सही दिमाग लगाया बट अगर तुम थोड़ा सा पेशेंस से सोचो एक भी टॉपिक कॉन्सेप्ट टफ नहीं था अगर तुमने पढ़ा हुआ है सब कुछ हर चीज़ क्लास के नोट से उठ के आई है चार छोटे छोटे क्वेश्चन चार इंडिविजुअली अलग अलग तुझे दे देता दे तो चारों कर लेगा बट जहां मिक्स कर दिए वहां कई बार कंफ्यूजन होता है इससे पता लगता है कि आपके कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हैं ढंग से नोट्स पड़े हुए हैं तो आपको ये इजी लगेंगी नहीं तो आपको हवा लग जाएगा ये क्या है सर चलिए एरिया अंडर द्रा एरिया का तो तुम्हें पता है बेटा ग्राफ बनाओ इंटीग्रेशन पाओ खत्म सीधे एरिया का क्वेश्चन तो, तो आसान लगता है जिनको एक तो ग्राफ बनाने में दिक्कत नहीं है और दूसरा जिन्हें इंटीग्रल में दिक्कत नहीं है अब जिसे इन दोनों में से किसी एक में भी प्रॉब्लम है एरिया में उन्हें दिक्कत होती है तो पहला क्वेश्चन एरिया ऑफ रीजन मिनिमम ऑफ दीज टू तो देखो भाई ये जो दिया है इसका मिनिमम बनाते हैं एक है स्ट्रेट लाइन बाइकोल्टू एक्स है सिक्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर तो सिक्स एक्स माइनस एक्सक्वायर तुम्हें पता है ऐसा ग्राफ है एक रूट है जीरो और एक है सिक्स और वर्टेक्स भी तुम निकाल सकते हो सिक्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का सिक्स माइनस टू एक्स यानी थ्री थ्री पर वैल्यू भी प्यार से ग्राफ बनाने तमीज से ज्यादा जल्दबाजी करोगे दिक्कत होगी तो एटीन माइनस एटीन माइनस नाइन तो थ्री कॉमा नाइन है इसका ग्राफ थ्री कॉमा नाइन है बेटा देख लियो जरा फिर दूसरी लाइन है वाई इक्वल टू टू एक्स तो वाई

सर डाउनवर्ड पैराबोला क्यों है क्योंकि एक्सक्वायर का कोपिशन नेगेटिव है तो डाउनवर्ड बनता है एक्सक्वायर का पॉजिटिव है तो अपवर्ड बनता है राइट right? अब तुझे इसमें भी बोला है मिनिमम लेना है दोनों का तो मिनिमम मतलब जो कम है तो जो नीचे है वाई एक्सिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये मिनिमम है पहले यहां तक ये यह मिनिमम है बट फिर अब ये लाइन ऊपर चली गई पैराबोला नीचे आ गया तो ये मिनिमम हो गई तो ये दोनों के मिनिमम का ग्राफ बन गया देखो ये जो लाल वाला मैंने ग्राफ बनाया है दोनों के मिनिमम का ग्राफ बन गया बट वाई इससे जीरो से बड़ा भी है और इससे छोटा है इससे छोटा मतलब इसके नीचे जीरो से बड़ा मतलब तो अब तुम बेटा रीजन को शेड कर सकते हो ये वाला रीजन बन जाएगा समझ गए कि इसके मिनिमम से तो छोटा रहना है मतलब नीचे रहना है बट जीरो से बड़ा रहना है तो ये वाला रीजन हमारा एरिया हो गया राइट right? देख लो अब देख लो भाई अब कैसे करोगे इस लाइन को इंटीग्रेट तो क्या ही करोगे लाइन का तो सीधे इस ट्राइंगल का बेटा एरिया तो सीधे सीधे निकाल सकता है है कि नहीं ये जो ट्राइंगल बना है पहला वाला ये वाला इसका एरिया तो सीधे के सीधे तुम लिख दोगे कैसे हाफ बेस इंटू हाइट बेस है चार हाइट है आठ तो हाफ फोर इंटू एट एट फोर दर्टी टू सोलह हो गया इसका एरिया ट्राइंगल का एरिया तो सोलह हो गया और सीधे अब पैराबोला वाला निकाल लो सो एरिया हो गया सोलह प्लस और ये क्या था चार चार से छह पैराबोला को इंटीग्रेट कर दे सिक्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स चार से छह पैराबोला इंटीग्रेट कर दिया सोलह तो ऐड कर दिया चलो भाई सोलह प्लस थर्टी सिक्स माइनस सिक्सटीन ट्वेंटी माइनस वन बाय थ्री सिक्स का क्यूब होता है टू वन सिक्स माइनस सिक्सटी फोर खतरनाक ही बन गया भाई सिक्सटी सेवेंटी सिक्स माइनस वन बाय थ्री इंटू दो सौ सोलह माइनस सिक्सटी फोर तो इक्कीस माइनस वन फिफ्टी टू वन फिफ्टी टू तो इसका डबल ही है सेवेंटी सिक्स का सेवेंटी सिक्स कॉमन वन माइनस टू बाई थ्री यानी सेवेंटी सिक्स बाय थ्री आ रहा है भाई एरिया एरिया आ रहा है 76 3 ठीक है भाई देखते हैं आंसर 12a निकालना था तो 12a हो जाएगा 12a हो जाएगा 76 4 304 भेज देती हो जाएगी भाई देख सही आ गया यार मजा आ गया 304 आ गया भाई आंसर सर आपसे पहले निकाल दिया बोल नहीं रहा है देख आंसर लिख के दे रहा है इसका मतलब मुझसे पहले ही निकाल दिया शाबाश सर फिर साइड वाला पैराबोला कब बनता है जब y स्क्वायर की टर्म आती है यार ऐसा मत कर यार बेसिक पैराबोला पढ़ के आ वहां से तू ये चीजें सीख सकते हो तुम लोग चलो एक और बिल्कुल सिमिलर प्रजाति का सवाल कर लेते हैं एरिया का x दिया है जीरो से थ्री y फिर से जीरो से बड़ा और मिनिमम ऑफ दीज टू से छोटा आप देख रहे हो ना कितना सिमिलर क्वेश्चन है एक ट्वेंटी इसीलिए तो बोलते हैं पेपर डिस्कशन देख के जाओ सत्ताईस तो को यह आया है 29 को ये पूछ लिया है तो अभी भी आप लोगों का जिनका पेपर बाद में है पेपर डिस्कशंस होंगे जेई वाला चैनल पे सबको जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें से सिमिलर क्वेश्चंस बनने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं एक डेढ़ घंटे का वो डिस्कशन होगा मैथ्स का उसमें से तुम्हारा अगर फंस गया एक दो सवाल तो क्या बोल रहे हैं बता हाँ। सर एक बार डायरेक्ट इंटीग्रेशन से भी कर दो ना अरे स्ट्रेट लाइन को कौन इंटीग्रेट करता है बेटा ले ले कर ले चल टू एक्स थी ना वाई कोल्ड टू एक्स तो टू एक्स डी एक्स जीरो से फोर इंटीग्रेट कर ले ले ये पीला वाला एरिया आ जाता एक्स स्क्रो से फोर यानी सिक्सटीन माइनस जीरो तो सोलह आ गया देख मैंने ट्राइंगल से भी सोलह निकाला था जैसे भी निकाल लो सोलह ही आना है चलो एक और कर रहा हूँ मैं इसमें ज़्यादा नहीं एरिया में यार अब तुम देख लेना पुराने वन शॉट वगैरह में खूब सवाल ही सवाल है जिसको एरिया में और करने हैं बट क्योंकि इसमें कोई थ्योरी है नहीं, ही नहीं सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन हैं एक्स स्क्वायर प्लस टू प्यारी सी एक्सेस बना लेते हैं भाई एक है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर वाला जो ग्राफ होता है इसको दो यूनिट ऊपर उठा के रख दीजिए सर एक्स स्क्वायर प्लस टू हो जाएगा और तो जीरो कॉमा टू से पास कर रहा है इसको भी देखें तो जीरो कॉमा टू से कर रही है लाइन भी तो एक्स प्लस टू भी जीरो कॉमा टू से कर रही है और मिल कह रहे हैं यह एक्स स्क्वायर प्लस टू बराबर टू एक्स प्लस टू एक्स इक्वल टू टू पे मिल रहे हैं तो एक्स इक्वल टू टू इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है ये वाला एक्स टू पे वाई कितना हो रहा है छे हो रहा है बेटा ध्यान से देखेगा तो हो रहा है करेक्ट अब देख क्या करना है क्या करना है बेटा अब हमें सर इनका मिनिमम लेना है मिनिमम मतलब ये नीचे पैरा बोला लूंगा फिर ये स्ट्रेट लाइन लूंगा बट एक और मजे की बात है जीरो से थ्री ही लेना था एक्स देख टू यहां था तो एक्स इक्वल टू थ्री की लाइन भी यहां कहीं बना लीजिए एक्स इक्वल टू थ्री ए वाली लाइन है थ्री पे लाइन को देख लो थ्री टू सिक्स सेवन एट एट हो रही है थ्री पर एट हो रही है तो बेसिकली अब तुम्हारा ग्राफ कौन सा है मिनिमम से कम ये वाला मिनिमम है लाल और फिर ये मिनिमम है और थ्री तक ही रहना है जीरो से थ्री रहना है एक्स अब तुम समझ गए ना एरिया कौन सा बाउंडेड होगा एरिया बाउंडेड हो जाएगा भाई ये वाला थे करेक्ट ये वाला एरिया बाउंड हो जाएगा अब इसको इंटीग्रेट करने का तरीका बहुत सिंपल है ये वाला तो पैराबोला होगा यहां तक इंटीग्रेट तो जीरो से टू होगा पैराबोला इंटीग्रेट और उसके बाद चाहे तो स्ट्रेट लाइन कर ले इंटीग्रेट बैठ के टू एक्स प्लस टू को इंटीग्रेट कर लेते हैं टू से थ्री क्या यार ये ट्रेपेजियम है सीधे लगा देता हूँ ये वाला ट्रेपेजियम है बेटा ये जो मैंने आपका पर्पल कलर किया है वही पर्पल हो गया भाई ये वाला एरिया जो है ये ट्रेपेजियम है तो इसका सीधे लगा देता हूँ ट्रेपेजियम नहीं तो तुम्हें मन करे इंटीग्रेशन यूज कर लो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड छ और आठ इन टू हाइट हाइट आठ छ चौदह बाई टू सात तो सात ये वाला एरिया इसमें ऐड कर देना आंसर आ जाएगा मतलब ए की वैल्यू आएगी यहां से ट्वेल्व पूछा है कर लोगे कर लोगे कि नहीं चल कर ही देता हूं यार बाद में रोगे एक्स क्यूब बाय थ्री प्लस टू एक्स तो एट बाय थ्री प्लस चार प्लस सात ग्यारह थर्टी थ्री प्लस एट फोर्टी वन बाई थ्री ट्वेल्व पूछा है वन सिक्सटी फोर हाँ 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 मजा आ गया भाई आज तो ऐसे आ रहे हैं धड़ धड़ आंसर बिना <laughs> गलती करे तो ऐसे सवाल तुम्हें जितने प्रैक्टिस कर रहे हैं खूब करना खूब वन शॉट मंजिल में तुम्हें मिल जाएंगे पीवाईक्यू मिल जाएंगे एक मैं यहां पे होमवर्क दे देता हूं एक पैराबोला है लाइन है फिर से इनके बीच का एरिया निकाल लेना वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स ऐसा बनता है बट एक्स की जगह एक्स माइनस टू है टू पे खिसका दो बेटा ज्यादा मत खिसको हाँ यहां रहो तो टू पे वर्ट एक्स शिफ्ट हो जाएगा फिर ये लाइन भी बना लेना आप कर लोगे यार आई थिंक तुम कर लोगे कर लोगे ना भाई लाइन कुछ इस तरह से जा रही होगी ये क्योंकि फोर कॉमा जीरो से लाइन जा रही है इस तरह से लाइन बनेगी तो ये वाला एरिया तुम्हें निकाल कर बताना है कर लेना आई थिंक वाई एक्सेस को यूज करोगे तो बेटर रहेगा इसमें आगे बढ़ते हैं चलो डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर कैलकुलस का आखिरी चैप्टर शुरू करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस हाँ भाई हम्म इसके क्वेश्चंस तो भाई ऐसे हैं कि तेरे को करने ही करने चलो देखते हैं इसका जो एक तरीके का क्वेश्चन है जो इस बार बहुत ही प्यारा सीधे क्लास नोट्स का उठ के आ गया लक्ष्य टू वाले शायद रिलेट करेंगे टेम्परेचर वाला एक क्वेश्चन मैंने वहां कराया था आपको सीधे डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंपल क्वेश्चन टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी सब्सटेंस का कराया था मैंने डिस्क्रीजेज डिफरेंशियल इक्वेशन भी इसने दे दी के इज पॉजिटिव कांस्टेंट। टी पंद्रह वैल्यू दी है तो इंटीग्रेट करते हैं देखो डी अपॉन टी माइनस ए टी इज माइनस के डी वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेट कर दिया तो एल एन टी इज माइनस और अब इसमें लिमिट्स भी डाल लेनी चाहिए बेटा क्योंकि नहीं तो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा लिमिट्स क्या डालूंगा एक पंद्रह पे एक सौ बीस दिया है और क्या दिया है टी जीरो पे एक सौ साठ दिया है तो जीरो से पे एक सौ साठ और कोई टाइम टी पे कोई टेम्परेचर टी लिमिट्स भी मैंने डाल दी नहीं तो तुम प्लस सी ले आते हैं हाँ फिर सी निकालते टी जीरो की वैल्यू डाल के बाद सेम ही थी बेटा सर मेरा फेवरेट चैप्टर है ये कैलकुलस का मेरा भी फेवरेट था डिफरेंशियल इक्वेशन क्योंकि जिसने कैलकुलस तमीज़ से पढ़ी है उसका लास्ट तक आके ये फेवरेट बने ही ना हो ही नहीं सकता तो मैं क्या कह रहा था या तो यहाँ प्लस सी कर लो अगर लिमिट अच्छी नहीं लगी तुम्हें मजा नहीं आया तो सी की फेयर वैल्यू टी जीरो डाल के निकाल लेना बात एक ही है बेटा जैसे अच्छा लगे तुझे चल ऐसे ही छोड़ लिमिट विमिट अभी घबरा जाएगा सर लिमिट हमें कैसे सोचूंगा सर मैं ले बेटा लिमिट को सबको मैंने सत्यानाश मचा दिया यहाँ मत कर लिमिट ठीक है चलिए ऐसा आ गया अब मुझे टी जीरो पे टाइम दिया है एल एन वन सिक्स माइनस एट्टी एट्टीवल टू माइनस के इन टू जीरो प्लस सी सी की वैल्यू एल एन एट्टी हो गई सी को एल एन एट्टी डाल दो एल एन टी माइनस एट्टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन एट्टी एल एन एट्टी लेफ्ट में ले आओ न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग हाँ बेटा वही चीज है देख वहां भी बताया था न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग जैसा है फिजिक्स वाला ये एल एन टी माइनस एट्टी अपॉन एट्टी इक्वल टू माइनस के टी बन गया एल एन भी हटा देते हैं यार एट्टी उधर ले जाइए सो टी इक्वल टू एटी प्लस ई e की पावर माइनस के टी ऐसा एक फंक्शन आ गया टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ऐसा आ गया बेटा ठीक है इधर देख अब क्या होगा t 15 पर 120 है तो भाई k निकालने का कुछ बंदोबस्त कर रखा है उसने कि 15 जब t डालोगे तो कैपिटल t 120 है तो 120 सौ बीस इक्वल टू अस्सी E की पार माइनस के इन टू पंद्रह सही है तो 120 सौ बीस अपॉन अस्सी टू वन प्लस ई की पार माइनस पंद्रह के ये हो गया थ्री बाय टू माइनस वन ई की पार माइनस पंद्रह के तो ई e की पार माइनस पंद्रह के हो गया हाफ ऐसा कुछ आ गया है ना भाई साहब अब करना क्या है सर टी फोर्टी फाइव निकालना मतलब पैंतालीस डाल दे स्मॉल टी को फोर्टी फाइव डाल दो तो कैपिटल टी निकालना है तो टी फोर्टी फाइव हो जाएगा क्या था भाई 80 इंटू वन प्लस ध्यान से देखना इंटू वन प्लस ई की पावर माइनस फोर्टी फाइव के है ना अब देखो ई e की पावर माइनस पंद्रह के अगर हाफ है तो क्यूबिंग बोथ साइड्स कर दूं तो माइनस फोर्टी फाइव के हो जाएगा वन बाई एट क्योंकि यहां यूज होना है राइट right, सो so 80 इंटू वन प्लस वन बाय एट यानी 80 इंटू नाइन बाय एट नब्बे आ गया आंसर तो 90 डिग्री फॉर जो भी है आंसर होना चाहिए सी ऑप्शन सी ऑप्शन सर फिजिक्स कहाँ से शुरू हो गई अबे फिजिक्स में भी तो मैथ्स ही होती है ये डिफरेंशियल इक्वेशन ही तो है फिजिक्स में न्यूटन ऑफ कूलिंग में भी तो डिफरेंशियल इक्वेशन है एसएचएम में भी तो डिफरेंशियल इक्वेशन है केमिकल काइनेटिक्स में भी तो डिफरेंशियल इक्वेशन है मैथ्स के बिना बेटा सब दूरा है। सर लॉग में ही रहने देते तो लॉग में रहने दे भाई तू तुझे लॉग अच्छा लगता है लॉग में ले जा क्या फर्क पड़ता है लॉग में रह लेता ले यहां वैल्यू डाल लेता सबका अपना अपना तरीका है बेटा तो ये थी वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन चलो एक और करते हैं इसी का एक और करते हैं बेटा क्या दिया है अल्फा भी नॉन जीरो रियल नंबर डिफरेंशियबल फंक्शन एफ जीरो टू है और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पे लिमिट वन है एफ डैश एक्स

अब x को जीरो डाला जाए तो एल एन ऑफ एल्फा वाई प्लस थ्री अपॉन एल्फा एक्स को जीरो डालेंगे तो टू है तो वाई की जगह भी टू डाल देते हैं है ना भाई तो हमारे पास सी एल्फा की वैल्यू आ गई एल एन टू एल्फा प्लस थ्री तो कांस्टेंट सी एल्फा इधर भी ले जाओ तो बेसिकली एल एन एल्फा वाई प्लस थ्री इज एल्फा एक्स प्लस सी एल्फा सी एल्फा की जगह वैल्यू डाल दो एल एन ऑफ एल्फा वाई प्लस थ्री इज एल्फा एक्स प्लस एल एन टू एल्फा प्लस थ्री ये क्या हो रहा है सर एल्फा ने नाक में दम कर रखा है बट कोई बात नहीं चल अभी देखते हैं एल्फा का भी बेटा काम ठिकाने लगाते हैं हम्म अब क्या बोला जा रहा है अब बोला ये जा रहा है कि माइनस इंफिनिटी पे तो चल एल एन टर्म इधर लेके आता हूं एल एन ऑफ एल्फा वाई प्लस थ्री अपॉन टू एल्फा प्लस थ्री इज एल्फा एक्स एल एन हटाओ एल्फा वाई प्लस थ्री अपॉन टू एल्फा प्लस थ्री ई की पावर एल्फा एक्स अब माइनस इन्फिनिटी पे लिमिट कह रहा है वन है तो अब जैसे ही एक्स को माइनस इंफिनिटी डालोगे जैसे ही एक्स को माइनस इन्फिनिटी ई की पावर माइनस इन्फिनिटी तो जीरो होता है तो एल्फा वाई वाई कितना जा रहा था वन प्लस थ्री इक्वल टू जीरो हो गया यानी एल्फा की वैल्यू माइनस थ्री निकल कर आ गई अल्फा की वैल्यू बेटा माइनस थ्री निकल कर आ गई एक भाई हमारा कह रहा है सर मैं छोटे गांव से हूं यहां जेई के बारे में ज्यादा पता नहीं है मैं प्लस टू पास आउट हो गया हूं कोई अच्छा कोर्स बता दो पूरी मेहनत करूंगा प्रयास बैच में बेटा इनरोल कर ले बहुत मजा आएगा बहुत जी भर के पढ़ाई करियो जी भर के टीचर्स भी खूब पढ़ाएंगे और ड्रॉपर्स के लिए बेस्ट बैच वही होता है चलो अल्फा माइनस थ्री आ गया अब एफ ऑफ माइनस एल एन टू निकालना है भाई अच्छा इसका इस्तेमाल किया जाए इसमें जरा एल्फा को माइनस थ्री डाला जाए माइनस थ्री वाई प्लस थ्री अपॉन क्या है भाई माइनस सिक्स प्लस थ्री तो माइनस थ्री इक्वल टू ई की पावर माइनस थ्री एक्स एक्स को क्या डालना चाहते हो एल एन टू डालना चाहते हो तो ये हो गया माइनस माइनस कट गया तो माइनस थ्री वाई प्लस थ्री अपॉन माइनस थ्री हो गया एट माइनस थ्री काट क्यों नहीं देता हूं मैं क्या कर रहा हूं माइनस वाई प्लस वन अपॉन माइनस वन इक्वल टू एट नाइन आ रहा है भाई वाई की वैल्यू नाइन आ रही है इस पर सी ऑप्शन सी ऑप्शन आ गया भाई हो गया कि नहीं अच्छा क्वेश्चन था देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कुछ लोग कह रहे हैं अरे भाई वेरिएबल सेपरेबल में कब से इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगाने लग गए क्यों लगाना है हाँ हो जाएगा उससे भी अल्फा वाई अल्फा इधर ले जाओ अरे यार वेरिएबल सेपरेबल सीधे है क्यों भाई तू ब्रह्मास्त्र निकाल रहा है छोटी सी चीज़ करने के लिए क्यों लीनियर डिफरेंशियल लगानी है सीधे वेरिएबल सेपरेबल थी बाकी करने को तो कर ही सकते हो क्योंकि y की लीनियर टर्म दिख रही है तो ये लीनियर डिफरेंशियल की तरह भी इसको सोच सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है चलो लीनियर की बात करी भाई ने लीनियर का ही एक सवाल ले लेते हैं एक लीनियर का ही सवाल उठा लेते हैं Linear का एक सवाल उठा लेते हैं भाई क्या है इसमें y y x भी सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छा ये क्या है भाई बेहुदा सा सवाल dy बाई डी एक्स इक्वल टू तो भाई कुछ नहीं कर पा रहे टेन एक्स प्लस वाई नीचे से ही क्वेश्चन पकड़ना पड़ेगा टेक को लिख लेते हैं वही देख से तो पुरानी दुश्मनी हमारी भाई वन बाय कॉस माइनस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस अब तो कुछ अच्छा सा बन गया भाई ये तो डी वाई बायस बन गया टेन एक्स प्लस वाई अपॉन देखो भाई ये साइन बाय कॉस हो गया टेन एक्स और वन माइनस साइन स्क्वायर हो गया कॉस स्क्वायर एक्स अब इनको अलग अलग कर लीजिए बाई डी एक्स बन गया y अपॉन टेन एक्स और जो इंटू कॉस्कर था उसे ऊपर सेक्स स्क्र लिख लो समझ गए होगे क्यों और टेन एक्स टेन एक्स वाला सेक्स स्क्वायर एक्स लिख लो इस वाले को ले आओ लेफ्ट में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है तो डी वाई बाई डी एक्स

बस y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज होल इंटीग्रल ऑफ वन बाय टेन एक्स इंटू इंटीग्रेट इंटू सेक्स स्क्स क्यू फंक्शन डी टी बाई टी एल एन टी हो गया ऐसे लिख लो इक्वल टू एल एन टेन एक्स प्लस सी देख लो भाई तो वाई अपॉन टेन एक्स इक्वल टू एल एन टेन एक्स प्लस सी हो गया अब हमें क्या करना था भाई सी निकालने के लिए कुछ दिया है जुगाड़बाजी पाई फाइव बाई फोर पे टू पाई बाई फोर का मतलब टेन एक्स तो वन हो गया एलेन वन बाई टू दिया हुआ है तो सी की वैल्यू तो टू आ गई ये हमारा फाइनली फंक्शन बन गया है सी की जगह टू ये फंक्शन बन गया भाई इंटीग्रेट करके और फाइनली पूछा है Y by 3 पे वैल्यू वाई की वाई अपॉन रूट थ्री इज एल एन रूट थ्री प्लस टू ऑप्शन भाई साहब कैलकुलेशन तो देख इसमें है यार कैलकुलेशन तो इसमें है ही इक्वेशन के अंदर केयरफुली करना है आपको देख लो भाई देख लीजिए अब लीनियर में एक और करा देता हूं डीएक्स बाई डी वाई वाली लीनियर करा देता हूं आपको सर आपने y इक्वल टू वन क्यों पुट किया पिछले क्वेश्चन में क्योंकि बेटा इन्फिनिटी पे वन ही तो दिया हुआ था y। ये देख माइनस inf, इन्फिनिटी पे वन दिया हुआ था ना तो जैसे ही एक्स को मैंने माइनस इन्फिनिटी डाला वाई को वन डाल दिया तो एल्फा प्लस थ्री की वैल्यू जीरो हो गई अल्फा माइनस थ्री आ गया अब कुछ लोगों का यहाँ डाउट है कि सर यहाँ एलेन था बेटा मॉड था वो तो एलेन हटा दिया ना हमने लास्ट में फंक्शन ये बन गया वो उसमें तभी तो लिमिटिंग वैल्यू है ना वो अब लिमिटिंग वैल्यू में तो चलता है ना ये सब करना कोई तो दिक्कत थोड़ी है उसमें चलो आगे बढ़ेंगे डीएक्स dy, ठीक है तो अब डीएक्स बाई डी वाई में लिनियर दिख रही है डीएक्स dy डी वाई माइनस एक्स बाय माइनस वाई स्क्वायर बाय वाई तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया e की पावर माइनस वन बाय वाई डीवाई तो वन बाय वाई हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर सो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर टू फंक्शन इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy अलग अलग करके इंटीग्रेट कर लो भाई इंटीग्रेट कर लो अब तो हो गया सो एक्स बाय वाई इज माइनस वन बाय वाई माइनस वाई प्लस सी समिंग लाइक दिस लेफ्ट में ले आओ एक्स बाय वाई प्लस वन बाय वाई प्लस वाई इक्वल टू सी एक्स वन पे वन है तो c की वैल्यू थ्री आ गई x टू पे निकालना है x ऑफ टू x की वैल्यू वन आ गई टू पर भी टू यहां वन डाल देंगे तो फाइव इंटू वन फाइव हो गया आंसर ठीक है भाई पुट x इक्वल टू वी वाई सर नहीं ये वाला नहीं है x इक्वल टू वी वाई के लिए वन नहीं होमोजीनियस है जीरो डिग्री है वन डिग्री है टू डिग्री ठीक है, डिग्री है. ऐसी होमोजीनियस होती है भाई कैसी बातें कर रहा है होमोजीनियस में डाला जाता है वो एक्स वाई इक्वल टू वी एक्स एक्स इक्वल टू वी वाई चल उसका भी एक दिखा देता हूँ तो लीनियर में दो करा दिए एक होमवर्क में कर लेना देखो डी एक्स बाई डी टी में लीनियर दिख रही है एक्स की लीनियर टर्म है ये होमवर्क में निपटा लेना चलो भाई ये रहा एक अब ये तुम्हें होमोजीनियस दिख जाएगा सर ब्रेक कर रहे हैं बेटा अभी तेरे को बताया ना कैलकुलस खत्म कर लें फिर ब्रेक लेते हैं हम्म चलो देखो क्या है साइन वाई बाय एक्स अब ये देख वैसे तो ये पता नहीं क्या ही सोच के किसने सवाल बनाया मतलब क्या ही करते हैं आजकल भाई एन टी ए का नाम चेंज कर देना अच्छे वैसे सही कहते हो तुम लोग हाँ ये वाला सोल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन अब सोल्यूशन भी दे, दे दी डिफरेंशियल भी भाई क्यों दी है जबरदस्ती और y1 कह रहा है पाए बाय थ्री है तो भाई y1 वन यही डाल दूंगा ना मैं खत्म करता हूँ क्वेश्चन को मतलब y1 मतलब x को वन डाल के y पाए बाय थ्री आएगा तो y पाए बाय थ्री डाल देता हूँ साइन पाए बाय थ्री एल एन वन प्लस एल्फा बाई टू एल एन वन तो जीरो होता है साइन पाए बाय थ्री रूट थ्री बाई टू तो ये क्या बेहुदा सवाल बनाया मतलब एल्फा रूट थ्री आ गया तो एल्फा स्क्वायर तो सीधे थ्री हो गया आंसर ए ऑप्शन <laughs> ये क्या है क्या है भाई ये सवाल मतलब काहे को डिफरेंशियल दी थी फिर खुद ही सवाल बनाने गया खुद ही कंफ्यूज हो गया और खुद ही सॉल्व भी करके दे दिया ये है बेटा ये है बेटा जे आजकल जो पेपर बना रहे हैं समझ गया मतलब इसने डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज ही नहीं हो रहा कहीं सीधे सीधे हमने इसके अंदर वैल्यू डाल दी वन पे पाई बाई थ्री दिया ही हुआ था <laughs> समझ गया उसने सोचा ही नहीं कि भाई डायरेक्ट भी निकाल लेगा कोई जब तुम डिफरेंशियल ही दे दोगे डायरेक्ट ही निकाल लेगा ना चल बट हम पूरा तमीज से सॉल्व कर लेते हैं इस डिफ़ मान लेते हैं कि उसने ये बेवकूफी नहीं करी होती सॉल्यूशन नहीं दी होती तुम्हें राइट चलो सॉल्व करके देखते हैं तो क्लियरली ये होमोजीनियस थी होमोजीनियस थी तो वाई बाय एक्स को टी माना है तो एक्स से डिवाइड भी कर दोस वाई बाय एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाय एक्स कॉस वाई बाय एक्स प्लस वन ठीक है एक्स से डिवाइड भी कर दिया मैंने और अब वाई इक्वल टू वी एक्स मान लो तो कॉस वी डी वाई बाई डी एक्स को लिखते हैं वी प्लस एक्स डी वी वाई डी एक्स वी कॉस वी प्लस वन केट खोलूंगा वी कॉस वी कट जाएगा एक्स कॉस वी डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वन वेरिएबल सेपरेट कॉस वी डी वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स तो साइन वी इक्वल टू एल एन एक्स प्लस सी अब उसने इतना दे ही दिया देख साइन वी इक्वल टू एल एन एक्स प्लस सी क्यों भाई काहे को दिया था सॉल्व कर दिया हमने ठीक है, तो अब अगली बार ये गलती नहीं करेंगे जिसने उसकी बेटा डिसाइड कर लो <laughs> चलो भाई आगे बढ़ते हैं ये हमने होमोजीनियस से सॉल्व कर दिया चलिए तो इसके साथ हमारा खत्म हो गया है। एक टॉपिक पे जरूर पढ़ लेना ये होता है जो लीनियर अपॉन लीनियर टाइप के दो क्वेश्चन थे इस बार ये टॉपिक नोट्स में होगा मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ नहीं तो इसमें एक घंटा लग जाएगा जिसने नहीं पढ़ा हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन के वन शॉट्स वगैरह देखिए वहां पे आपको ये मिल जाएगा क्योंकि इस बार जेई ने इस पे दो क्वेश्चन पूछे हैं देखिए एक स्ट्रेट लाइन एक स्ट्रेट लाइन और पैरल स्टेट लाइन वाला केस लग जाएगा इसमें पैरल के लिए ये वाला होता है देखो इवन लाइन्स पैरल हैं ये दोनों स्ट्रेट लाइन पैरल हैं करना ठीक है ये पिछले साल आया था और ये देख रहे हो कितने है? ये भी वन स्ट्रेट लाइन अपॉन अनदर तो पूछ रहा है जेई इसको लेकर भी रिड्यूसेबल टू होमोजीनियस इसको कहते हैं इसको आप निपटाएंगे ठीक है एक ये वाला चाहे तो अभी कर लो बढ़िया क्वेश्चन है इसमें ये वाला केस लगेगा बेटा बी वन प्लस ए टू जीरो वाला ए टू प्लस B1, 0 वाला लगेगा चाहते हो तो इसको कर लो सर ब्रेक चल ये क्वेश्चन खत्म करते हैं फिर ब्रेक करते हैं इसको लास्ट क्वेश्चन इसको निपटा लेते हैं क्योंकि फिर हमारा वेक्टर शुरू हो जाएगा वैसे भी वेक्टर थ्री में थोड़े थोड़े क्वेश्चन हैं सिलेबस भी बहुत डिलीट हो गया है इसको करेंगे बेटा इसमें देख है क्या जब भी बी वन प्लस ए टू जीरो हो जाता है मतलब नोटिस करने वाली बात यह है कि अगर ऐसे लीनियर अपॉन लीनियर में ऊपर वाई का और नीचे एक्स के कोफिशंट का सम ज़ीरो हो जाए बी वन प्लस ए टू जीरो ये देख ऊपर वाई का नीचे एक्स का ऐसा ही कुछ है ऊपर वाई का नीचे एक्स का सम जीरो है तो तुम्हें सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होती है शॉर्टकट होता है ऐसे में तुम्हें सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होती है ये शॉर्टकट होता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके सर क्या उखाड़ लूंगा मैं अभी रुक वाई डी एक्स और एक्स डी वाई वाली टर्म्स को अब क्लब कर लो तो इन दोनों में से बी कॉमन डी ऑफ एक्स वाई बन जाएगा और अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स बन गए सबको इंटीग्रेट कर लो तो बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर बाय टू प्लस ए वाई ए एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस ए एक्स प्लस सी बन जाएगा ठीक है अब देख सीधे बी तो जीरो ही होना चाहिए क्योंकि ये कह रहा है कि ये जो कव है ये एक सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है पहली बात तो एक सर्कल सहकल की कुछ कंडीशन होती है कि एक्स वाई का कोपिशियंट जीरो होना चाहिए तो बी तो सीधे ही जीरो हो गया बी तो सीधे ही जीरो हो गया और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोपिश सेम होना चाहिए उधर ले जाता हूं तो ए एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस ए एक्स माइनस ए वाई माइनस सी वाई स्क्वायर बाय टू अच्छा ये भी सी था वो भी सी उसको डी कर लो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को प्लस डी इक्वल टू जीरो से तुम्हें एक बात नजर आ गई कि ए बाई टू इक्वल टू माइनस सी बाय टू होना चाहिए तो यानी इक्वल टू माइनस सी राइट बस अब तो हो गया यार हो गया अब क्वेश्चन कैसे सी को माइनस ए डाल देते हैं तो ए एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस ए वाई स्क्वायर बाई टू प्लस ए एक्स माइनस ए वाई प्लस डी बराबर जीरो से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को पूरी इक्वेशन को ए से डिवाइड कर दो और एक सर्कल जैसी दिख जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू एलसीएम भी ले लिया प्लस टू एक्स माइनस टू बाई प्लस टू डी ए ए डी को नया कांस्टेंट के मान लो सर्कल जैसी इक्वेशन बन गई है के निकालने को दिया है टू कॉमा फाइव कर लोगे अब कर लेना भाई इसको अब कंप्लीट यार सारा कुछ मैं ही करूंगा क्या इसको टू कॉमा फाइव से पास करा देना टू कॉमा फाइव जैसे ही इसमें डालोगे के की वैल्यू निकल कर आ जाएगी तो ये इसके अंदर एक शॉर्टकट होता है बेटा कि जब भी बी वन प्लस ए टू जीरो होता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंशियल झट से सॉल्व हो जाती है और वो डिफरेंशियल इस बार सर्कल दे दी कभी पैराबोला दे दें कुछ भी दे देंगे आगे तुम कर सकते हो थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लग गया आगे थोड़ा सा कोऑर्डिनेट का पूछा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सर्कल तो वो तुम्हें पता है एक सर्कल का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये वाला होता है कि सेंटर से डिस्टेंस में से रेडियस माइनस कर दोगे डी मिनिमम निकल के आ जाता है सर्कल्स का कॉन्सेप्ट लग जाएगा चलिए तो ये हो गया है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशंस के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स अब बारी है वेक्टर थ्री डी छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं अब ज्यादा वैसे बचा नहीं है सही बताऊं तो आई थिंक एक घंटा मान लो एक घंटे का डिस्कशन सवा घंटे का और अपना होगा बट थोड़ा सा ब्रेक ले, ले लेते हैं मैं भी टायर्ड हो गया हूँ इतनी देर से बोलते बोलते तुम भी टायर्ड हो गए हो गये। तो पंद्रह मिनट आई थिंक बहुत है बोलो फिफ्टीन मिनट्स का ब्रेक सही है क्या बोलते हो सर hmm. वाई एक्वल टू माइनस सी सर्कल के लिए कोफिशंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर बराबर रखे हैं हाँ बोलो पिछले का आंसर दिखा दो सर आंसर भी दिखा देते हैं भाई बी दिया हुआ है आंसर तो जल्दी बताइए फिफ्टीन मिनट्स हाँ फिफ्टीन मोर देन इनफ आई थिंक सही है फिफ्टीन पंद्रह मिनट का ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे चलो भाई स्टार्ट करेंगे अब वापस से रिज्यूम करते हैं चलिए तो वेक्टर्स में देखो अब है क्या कि भाई बहुत सारी चीजें तो हट गई हैं सिलेबस से ही रिव्यूव कर दी हैं जेई ने बट उसके बावजूद भी तुम्हें डॉट क्रॉस हो गया एसटीपी वीटीपी थोड़ा बहुत पढ़ लेना क्योंकि उससे सवाल पूछे गए हैं जैसे थोड़े बहुत क्वेश्चन तुम्हें मैं करा देता हूँ एरिया ऑफ पैरिलोग्राम में देख क्वेश्चन अब मैं इसके ना पूरे पूरे नहीं करूंगा सिर्फ मैथ्ड्स बताऊंगा यार तुमको क्योंकि अब इसमें पूरे पूरे करने जाएंगे टाइम वेस्ट होगा और ये वाले सारे क्वेश्चन मैंने पूरे पूरे मंजिल वाले वन शॉट में करे हुए हैं इसलिए अगर आपको सोलूशन देखने हो मंजिल में वन शॉट मैंने वैक्टर्स का भी लिया है थ्री का भी उसमें आपको उसके पूरे पूरे सोल्यूशन मिल जाएंगे राइट चलिए देखते हैं ऑपोजिट वर्टाइजिज ऑफ अ पैरलिलोग्राम डायगनल दिया हुआ है बी डी ये दिया है तो ठीक है भाई ए सी और बी डी दे दिए ए बी सी डी तो क्या कह रहे हैं बी डी ये तो डायरेक्ट दिया है और ए सी भी तुम्हें दे दिया है तो देखो भाई जब डायग्नल दिए होते हैं तो एरिया ऑफ या एरिया ऑफ एनी क्वारिलेट्रल होता है हाफ डी वन क्रॉस डी टू ठीक है जी तुम्हें क्या करना है एरिया का फॉर्मूला लगा देना है हाफ डी वन क्रॉस डी टू किसी भी क्वारिलेट्रल का एरिया होता है हाफ मॉट डी वन क्रॉस डी टू क्योंकि ए सी को तो माइनस कर दे देख तो ए सी वैक्टर मिल जाएगा माइनस फाइव आई कैप प्लस जे कैप माइनस सेवन के कैप राइट और बी डी वैक्टर तुम्हें दिया ही हुआ है आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप इनका क्रॉस ले लेना और मैग्नीट्यूड लेके हाफ से मल्टीप्लाई कर देना आंसर आ जाएगा ठीक है क्या ये बात क्लियर है कर लोगे इसको निपटा लोगे क्वेश्चन को निप्ता? मैं पूरे पूरे नहीं निकाल रहा हूं बेटा नहीं तो बहुत समय लग जाएगा इसको तुम कर लेना ठीक है चलिए अगला अगला लेते हैं ये भी एरिया ऑफ कॉर्डोलेक्ट्रल पर बेस्ड है ओ ए ओ बी ओ सी आर थ्री वेक्टर्स ओ ए ओ बी ओ सी ऐसा कुछ है ओ ए जो है ए है ओ बी तुम्हारा ट्वेल्व ए प्लस फोर बी है और ओसी वेक्टर बी वेक्टर है तो पोजीशन मान लो बेस्ट है ये पोजीशन इसकी हो गई ये पोजीशन इसकी हो गई और ये पोजीशन इसकी हो गई ठीक है एस इज दिलोग्राम विद एडजेंट साइड ओ एलोग्राम विद एडजेंट साइड जब दो साइड तो नहीं आता तो सिर्फ ए क्रॉस बी एरिया होता है right? so, राइट तो ओ एंड ओ सी अगर एडज लेके पेरिलोग्राम बना दू तो एस की वैल्यू हो जाएगी मॉड ए क्रॉस सी सिर्फ मॉड ए क्रॉस सी राइट एंड देन कह रहे हैं एरिया ऑफ क्वारल ओ ए बी सी ओ ए बी सी का जो क्वारिलेट्रल बनेगा ये वाला जो क्वारिलेट्रल बनेगा ये वाला तो बेटा फिर से तुम हाफ डी वन क्रॉस डी टू से कर सकते हो क्योंकि क्वारिलेट्रल है राइट right? तो ये वाला हो गया ए माइनस बी तो एरिया ऑफ क्वारिलेट्रल ओ ए बी सी हो जाएगा हाफ डी वन क्रॉस डी टू ट्वेल्व ए प्लस फोर बी क्रॉस बी माइनस ए इसमें से कार्टा पीटी कर दो जरा फोर कॉमन निकाल लो तो थ्री ए प्लस टू बी थ्री ए प्लस बी सॉरी इंटू टू क्रॉस बी माइनस ए इसको ब्रैकेट्स खोल लीजिए थ्री ए क्रॉस बी ए क्रॉस ए जीरो हो जाएगा बी क्रॉस बी जीरो प्लस ए क्रॉस बी तो ये हो जाएगा एट टाइम्स ए क्रॉस बी और इसका ए क्रॉस बी था सी नहीं सॉरी बी था जैसे ही डिवाइड करूंगा एट आ रहा है भाई आंसर डी ऑप्शन आ रहा है एट टी ऑप्शन आ गया एट क्लियर है चलो आगे बढ़ेंगे तो एरिया ऑफ पैरलोग्राम के दो फॉर्मुले हैं एक तो एरिया ऑफ एनी क्वारल हाफ डी वन क्रॉस डी टू में भी फिट हो जाएगा बट एक दूसरा है जब ए भी है, जब और दी होती तो तो नहीं आता, तो सिर्फ ए क्रॉस दिए हैं वेक्टर पी सेटिस्फाइज पी वेक्टर जो है इस तरह का कुछ दिया है दोनों का बी बी सेम है तो इस वाले में एक ट्रिक यूज हो जाती है लेफ्ट में क्रॉस ले बी जीरो हो गया यानी पी माइनस सी क्रॉस बी किसी के साथ क्रॉस जीरो हो जाए, यानी पैरेलल है तो पी माइनस सी को लिख लो लैम्डा टाइम्स बी तो पी हो जाएगा सी प्लस लैमडा बी हो जाएगा सी प्लस लैमडा बी देख बी दिया है ए दिया है सी दिया है तो पी को लैम्डा के टर्म्स में मान सकते हो प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर है फोर आई कैप प्लस जे कैप प्लस सेवन के कैप तो बेसिकली लैमडा के टर्म्स में हमने पी को कुछ मान लिया अब आगे क्या बोला गया है पी डॉट ए जीरो है तो देख अब यहां से पी अच्छी तरह लिख लो लैमडा माइनस थ्री जे कैप प्लस सेवन लैमडा प्लस फोर के कैप और अब इसका बेटा ए के साथ डॉट जीरो कर दो ए वेक्टर तुम्हारे पास है थ्री वन माइनस डॉट पी डॉट ए जीरो कर दोगे वहां से तुम्हारे को लैमडा मिल जाएगा लैमडा आ गया तो पी वेक्टर आ गया पी वेक्टर आ गया तो ये निकल गया ठीक है कैलकुलेशंस निपटा लेना अब तुम लोग पी डॉट ए जीरो करके लैमडा निकाल लेना अगले पर आते हैं बेटा अगले पर आते हैं कि ये वाला क्वेश्चन बहुत ही कॉमन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो कि बेसिकली एक ड्यूलर्स आइडेंटिटी से रिलेट होता है मॉड ए मोड दिया है मॉड ए क्रॉस भी दिया है ए डॉट भी पूछा है तो एक रिलेशन होता है

छत्तीस छत्तीस आ गया आंसर ठीक है तो लगे आइडेंटिटी का सीधा सीधा एप्लीकेशन हो गया ये चलिए आगे बढ़ते हैं तो इसी तरह से वेक्टर में प्रोजेक्शन के ऊपर होता है प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर इसके क्वेश्चन तुम कर सकते हो जैसे एक करा देता हूं एबीसी इज अ ट्राइंगल जिसके वर्टेक्स दिए हुए हैं ए बी सी ठीक है जी ए दिया है वन थ्री टू माइनस टू एट जीरो थ्री सिक्स सेवन एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी ए सी एंगल बाइसेक्टर तुम्हें पता है एंगल बाइसेक्टर थियोरम होती है डी पे मिलता है ए बी अपॉन ए सी बी डी टू डी सी ए बी अपॉन ए सी बी डी इज टू डी सी एंगल बाई सेक्टर थियोरम नाम की एक चीज होती है टेंथ क्लास की प्रोजेक्शन ऑफ ए डी ऑन वेक्टर ए सी तो ठीक है डी के एक पॉइंट निकालेंगे पहले ये डिस्टेंस लिखेंगे है ना भाई तो ये रेशियो निकालेंगे वो तो रेशियो आएगा तो बी डी अपॉन डी सी आएगा फिर ये सेक्शन से पॉइंट निकलेगा ए डी का प्रोजेक्शन ऑन ए सी मतलब ए डी डॉट ए सी कैप निकाल लेंगे आंसर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया है यार ये डी के कोऑर्डिनेट्स आएंगे एडी निकलेगा ए सी है ही तुम्हारे पास प्रोजेक्शन निकाल लेना कर लोगे इस तरह के क्वेश्चंस तो इजी हैं भाई ये सब कंप्लीट करने हैं भाई ये नहीं आधे आधे छोड़ दिए बिकॉज कैलकुलेशन है मैच करिएगा सब करे हुए हैं मैंने इसके बाद एक लीनियर कॉम्बिनेशन नाम की चीज होती है जब भी किसी सेम प्लेन के अंदर वेक्टर चाहिए तो किसी वेक्टर को हम एक्स ए प्लस वाई भी मान सकते हैं दो वेक्टर के प्लेन में और स्पेस में चाहिए तो तीन वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं जैसे इसका एक क्वेश्चन ये आया है देखो इसी साल 2023 में देख लीजिए क्या है क्वेश्चन आर्क पी क्यू ऑफ अ सर्कल सबटेंड राइट एंगल एट सेंटर एक राइट एंगल सबटेंड कर रही है मतलब तो क्वाड्रेंट दिया हुआ है पी क्यू मिड पॉइंट ऑफ द आर्क पी क्यू इज आर मिड पॉइंट है आर मतलब तो ये फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव हो गए ठीक है इज यू वेक्टर यह यू वेक्टर है ओ आर वी वेक्टर है एंड ओ क्यू ओ क्यू को लिखा हुआ है ओ क्यू को, को लिखा हुआ है तो ओ क्यू को यू वी डब्ल्यू मान लेता हूं है ना तो W को लिखा हुआ है अल्फा U प्लस बीटा V अल्फा बीटा निकालने बेसिकली तुम्हें राइट right? बहुत इजी क्वेश्चन है तुम्हें तो सबसे पहले तो एक बात समझनी है कि यू डॉट डब्ल्यू जीरो है भाई साहब यू डॉट डब्ल्यू जीरो है ना क्योंकि 90 है और मॉड यू मॉड डब्ल्यू मॉड वी सारे बराबर हैं रेडियस के बिकॉज ये सारे डिस्टेंस रेडियस हैं अगर ये मैंने ओरिजिन लेट कर लिया है ठीक है तो एक काम करता हूं इसका डॉट विद डॉट विद डब्ल्यू ले लेता हूं विद डब्ल्यू टू डब्ल्यू डॉट डब्ल्यू एल्फा यू डॉट डब्ल्यू प्लस बीटा वी डॉट डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट स्क्वायर हो गया जीरो आर स्कूल फोर्टी फाइव हो गया तो बीटा की वैल्यू रूट टू आ गई है बीटा की वैल्यू रूट टू आ गई है राइट अब अल्फा कैसे निकालूं डॉट विद कुछ और ले ले डॉट विद क्यू ले ले, वी ले ले, कोई भी ले लो तो ये जीरो हो जाएगा अल्फा आर स्क्वायर फोर्टी फाइव देख लो तो आर स्क्वायर आर स्क्वायर कट गया बीटा को रूट टू रख दो अल्फा तो प्लस वन बराबर जीरो अल्फा की वैल्यू माइनस वन आ गई है अल्फा की वैल्यू बेटा माइनस वन आ गई है करेक्ट अब क्या करोगे अल्फा को माइनस वन बीटा स्क्वायर तो माइनस वन एंड टू माइनस वन एंड टू के की रूट्स हो गई सम सम एक्स हो गया पी ऑप्शन हो गया फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक लगा दी जाए तो इस तरह से ठीक है भाई बाकी एक ये सवाल भी कर लेना वेक्टर में बहुत ज्यादा नहीं करवा रहा हूं क्योंकि वैसे ही सिलेबस में चीजें कम हो गई हैं ये वाला भी करवाया था वैसे मैंने वन शॉट में मंजिल में मंजिल में वन शॉट में मैंने काफ़ी क्वेश्चन कराए हुए हैं वैक्टर थ्री के जिन्हें भी इस चैप्टर में प्रॉब्लम है मैं रिकमेंड करूंगा या जिनको भी प्रैक्टिस करनी है मंजिल का वन शॉट देखिए वहाँ पर बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे चलिए थ्री डी ज्योमेट्री थ्री डी ज्योमेट्री पर आते हैं थ्री ज्योमेट्री में बेटा क्या है अब थ्री ज्योमेट्री में फिर से इसी प्रकार के क्वेश्चन हैं क्योंकि अब प्लेन्स तो हट गया है लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वही हमें करने हैं ओ इज ओरिजिन पोजिशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी ठीक है ओ ए बी ऐसा कुछ है वो तो ओरिजिन है ए है टू टू वन और बी है टू फोर फोर ठीक है इफ द इंटरनल एंगल बाई सेक्टर ऑफ ए ओबी का फिर से बाई की बात हो रही है मीट्स द लाइन ए बी एट सी ठीक है लेंथ ऑफ ओ सी क्लियर है कर लेंगे यार ये तो बड़ा इजी लग रहा है ना फिर से क्योंकि ये देख इसकी लेंथ क्या है तो फिर से एंगल बाई थ्योरम कहती है ओ ए अपॉन ओ बी इज ए अपॉन सी तो ओ की लेंथ हो जाएगी रूट टू फोर फोर एट नाइन थ्री हो जाएगी और ये हो जाएगी रूट प्लस सिक्सटीन प्लस फोर थर्टी सिक्स यानी कि सिक्स हो गई तो थ्री सिक्स ये रेशियो हो गया ये रेशियो थ्री इंस टू सिक्स हो गया रेशियो थ्री सिक्स टू टू तो वन इंस टू टू में सेक्शन लगा दीजिए सेक्शन लगा दीजिए बेटा सेक्शन लगा दीजिए फॉर्मूला वन इंस टू टू करके तो सी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे टू प्लस फोर बाय थ्री मा फोर प्लस फोर बाय थ्री कॉमा फोर प्लस टू सही लिख रहा हूँ ना टू इंटू वन प्लस वन इंटू फोर हाँ बाय थ्री तो हमारे पास आ जाएगा टू कॉमा एट बाय थ्री कॉमा टू ये सी के कोऑर्डिनेट्स आ गए ओ सी की लेंथ डिस्टेंस फॉर्मूला फोर प्लस सिक्सटी फोर बाय नाइन प्लस फोर तो एट कॉमन आ गया एट इंटू रूट नौ और सात नौ और आठ सत्रह सो रूट सेवेंटीन बाय थ्री इंटू टू रूट टू रूट थर्टी फोर हो गया टू बाय थ्री रूट थर्टी फोर बी ऑप्शन आ गया है बेटा ऑप्शन आ गया है ठीक है देख लो जरा इजी so, क्वेश्चन है एंगल बाई सेक्टर से रिलेटेड काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं एक ये वाला कर लेते हैं डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन अलोंग द लाइन दिस इस पॉइंट का इस लाइन से अलोंग द लाइन पॉइंट क्या है सेवन माइनस टू इलेवन पी क्यू लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं देखो पी क्यू लाइन की इक्वेशन लिखी जा सकती है इक्वेशन ऑफ पी क्यू बिल्कुल लिखी जा सकती है सर क्योंकि इस पॉइंट से पास करनी है इसके पैरेलल नहीं अलोंग द लाइन दिस एक्स माइनस सेवन अपॉन टू फाइव प्लस टू अपॉन माइनस थ्री पैरल वैक्टर इसका ले लिया सेड माइनस इलेवन अपॉन सिक्स ठीक है जी ये किसकी इक्वेशन हो गई पी क्यू की और इस लाइन की इक्वेशन तुम्हें दी है ये वाली तो इसको लैमडा के टर्म्स में लिख लो लैमडा प्लस सेवन माइनस थ्री लैमडा माइनस टू सिक्स लैमडा प्लस इलेवन और इसका कोई भी पॉइंट म्यू के फॉर्म में लिख लो और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तुमने तो म्यू प्लस सिक्स वाई फोर है जेड थ्री म्यू प्लस एट है और अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हो बेटा दोनों के एक्स और इक्वेट कर दो सपोज फिर Z भी इक्वल आने चाहिए सो टू लैमडा प्लस सेवन इज म्यू प्लस सिक्स माइनस थ्री लैमडा माइनस टू इज फोर लैमडा तो देख माइनस टू आ गया लैमडा माइनस टू यहां डालते हैं तो माइनस फोर प्लस वन इक्वल टू म्यू तो म्यू माइनस थ्री आ गया और अब ये लैम्डा म्यू थर्ड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करने चाहिए यहां से जेड आ जाएगा वन और यहां से भी माइनस वन यानी कि करेक्ट है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिल्कुल बढ़िया है बस यहां डाल दो यार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ गए थ्री कॉमा फोर कॉमा माइनस वन राइट बस अब तो क्या है क्या निकालना था आई थिंक डिस्टेंस मेजर करना है तो पी क्यू के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लीजिए पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा वन माइनस थ्री फोर स्क्वायर प्लस सिक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व स्क्वायर का रूट ले लो चलो पी क्यू कर दो स्क्वायर हटा दो थोड़ा सा कॉमन वगैरह ले लीजिए कॉमन आ रहा है फोर प्लस नाइन प्लस छत्तीस फोर्टी नाइन सेवन टू फोर्टीन हो गया बेटा आंसर आंसर जो है फोर्टीन हो गया आंसर इसका फोर्टीन हो गया क्या है बता ये सब कैलकुलेशन वाले चैप्टर्स हैं इनमें ज्यादा दिमाग नहीं लगना है देख ये आपको करने ही करने हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का भी एक क्वेश्चन करा देता हूं आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं अब लाइंस में वही बचा है एक जब भी दो लाइंस दी हैं और उनके बीच में डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है डी मिनिमम का एक फॉर्मूला होता है ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू बराबर अपॉन मॉड बी वन क्रॉस बी टू का मॉड राइट ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन क्यू लाइंस होता है व्हाट इज बी वन बी वन होता है ये वाला वेक्टर बी वन होता है पैरेलल वेक्टर आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस थ्री के कैप v2 होता है दूसरी लाइन का पैरल टू आई कैप प्लस फोर जे कैप माइनस फाइव के कैप और a1 ए टू वे पॉइंट होते हैं जो है फोर माइनस वन जीरो लैमडा माइनस वन टू ए टू माइनस निकाल लीजिए a1 माइनस ए टू कोई भी तो फोर माइनस लैमडा आई कैप जे कैप वाला जीरो है माइनस टू के कैप अब ये फॉर्मूला लगा के आंसर आ जाएगा बेटा ठीक है आंसर निकाल लीजिएगा अगेन ये सारे क्वेश्चन मैंने मंजिल में पूरे पूरे करवाए हुए हैं जिनको भी डाउट आए पहले क्या करोगे बी वन क्रॉस बी टू फिर इसके साथ डॉट लोगे और अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू यहाँ से ये शॉर्टेज डिस्टेंस को सिक्स बाय रूट फाइव रख दोगे लैमडा सॉल्व हो जाएगा एक और ये है होमवर्क में कर लेना शॉर्टेज डिस्टेंस के बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं शॉर्टेज डिस्टेंस के बेटा बहुत क्वेश्चन आए हैं चलिए तो वैक्टर थ्री हो गया है अब बारी है प्रॉबिलिटी की प्रोबिलिटी की बारी है बेटा लास्ट चैप्टर बचा है अब अपना ठीक है इसको जरा फुल जोश के साथ करेंगे क्योंकि चैप्टर भी ऐसा है देख इसमें दिमाग लगता है काफी सारे लोग जो हैं देख रहा हूं चैट पे स्पैमिंग ज्यादा कर रहे हैं बट वेक्टर थ्री मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी कराया क्योंकि इसमें देख बहुत ज्यादा नया कुछ है नहीं सारी चीजें मंजिल में मैंने करवा दी हैं तुम्हें और फी वाइक यूज़ भी सारे करा दिए और काफ़ी सिलेबस डिलीट भी हो गया है बट प्रोबेबिलिटी मेन चीज़ है कई बार इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं हाँ सर आशीर्वाद दे दो सर सर पैरल लाइन्स के लिए क्या था फॉर्मूला अभी वो लिखा नहीं है मंजिल में बताया था मैंने ठीक है देख लियो क्या था आई थिंक ए टू माइनस एवन क्रॉस बी अपॉन मॉड बी ऐसी कुछ करके था आशीर्वाद तो बेटा मेरा तुम्हारे साथ हमेशा ही है अभी लास्ट में करेंगे बात बट पहले जरा एक बार प्रोबेबिलिटी निपटा लेते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर है देख दो से तीन क्वेश्चंस इसके पेपर में मिलेंगे मेंस में भी एडवांस में तो तीन पक्के हैं मेंस में दो आजकल आ रहे हैं कभी कभी तीन भी आ जाते हैं छोटा सा चैप्टर है प्रोबेबिलिटी इसकी वेटेज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको देख लेते हैं देखो पहला सवाल तो बिल्कुल ही आसान लेवल का दिख रहा है अजय विल नॉट अपियर इन जय एग्जाम क्या हुआ बेटा अजय जो है हमारे वो नॉट अपीयर की टू बाय सेवन है तो अपीयर की हो गई अपीयर की हो गई फाइव बाय सेवन वो देंगे वाइल अजय एंड विजय विल अपीयर इन एग्जाम तो ए इंटरसेक्शन वी एंड का मतलब इंटरसेक्शन वन बाय फाइव प्रॉबिलिटी दैट अजय विल अपीयर विजय विल नॉट तो वेन डायग्राम बना लेते हैं ये अजय का है ये विजय का है तो तुमसे कौन सा एरिया पूछा जा रहा है ये वाला एरिया तो कि अजय अपीयर करेगा विजय नहीं करेगा तो बड़ा इजी हो गया देख कैसे निकलेगा अब ये भाई टोटल अजय वाला सर्कल था फाइव बाय सेवन और ये इंटरसेक्शन वन बाय फाइव था तो ये वाला हो जाएगा फाइव बाय सेवन माइनस वन बाय फाइव खत्म सेट थ्योरी वेन डायग्राम से ही हो गया कितना इजी क्वेश्चन है देख थर्टी फाइव ट्वेंटी फाइव माइनस सेवन अपॉन थर्टी फाइव तो अट्ठारह बटे पैंतीस अट्ठारह बटे बी ऑप्शन आ गया है वेन डायग्राम से बहुत इजीली हो गया करेक्ट अगला देख लेते हैं अगला भी भाई किस्मत वालों का पेपर था ये थर्टी फर्स्ट जनवरी में भी ये क्वेश्चन बहुत इजी टू मार्बल्स आर ड्रॉन इन सक्सेशन लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है इन सक्सेशन मतलब एक के बाद एक फ्रॉम अ बॉक्स जिसमें दस रेड हैं दस रेड हैं थर्टी वाइट हैं ट्वेंटी ब्लू हैं फिफ्टीन ऑरेंज हैं विद रिप्लेसमेंट मतलब एक निकाला रखा निकाला रखा ऐसे करके आपने दो मार्बल्स निकाले दो मार्बल निकाले ठीक है प्रॉबेबिलिटी दैट फर्स्ट मार्बल इज रेड रेड आ जाए तो दस बटे चालीस पचास साठ पिछहत्तर दस बटे पिछहत्तर हो गई पहला रेड आने की एंड सेकेंड इज वाइट एंड मतलब मल्टीप्लाई सेकेंड व्हाइट आ जाए व्हाइट तो तीस थे और टोटल पिछहत्तर ही रहेंगे क्योंकि विद रिप्लेसमेंट किया है विद रिप्लेसमेंट किया है हो गया क्वेश्चन हो गया भाई हो गया क्वेश्चन भाई टेन और ये पंद्रह बचा सौ अपॉन पिछहत्तर इंटू पंद्रह तो ये हो गया नहीं पंद्रह कैसे पच्चीस ना क्या मैंने तीन काटा है ना तीन काटा है तो पच्चीस बचा भाई क्या हो गया पच्चीस फोर फोर बाय सेवेंटी फाइव हो रहा है बेटा फोर बाय सेवेंटी फाइव डी ऑप्शन बन रहा है कितना इजी क्वेश्चन था ये भी हाँ कितना इजी क्वेश्चन ये भी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछे जा रहा है चलिए अगला चलो ये वाला कर लेना इतना मुश्किल नहीं है ये रेड और व्हाइट वाला ये वाला एक करवा देता हूं बेस का था क्योंकि वो तो अफेयर इज थ्रोन अंटिल टू अपीयर्स दो जब तक नहीं आ जाता जब तक उसे फेंकते जाएंगे पासे को ठीक है इवन नंबर ऑफ थ्रोज तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टू किसी भी एक थ्रो में क्या है वन बाय सिक्स

ये हो जाएगा वन बाय सिक्स फाइव बाई सिक्स और ये हो जाएगा फाइव बाई सिक्स का क्यूब इंटू वन बाय सिक्स फाइव बाई सिक्स की पावर फाइव इंटू वन बाय सिक्स अप टू इनफिनिटी इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगा दो ए अपॉन वन माइनस आर तो फाइव बाय थर्टी सिक्स अपॉन इलेवन बाय थर्टी सिक्स बाई इलेवन बन गया सी ऑप्शन आंसर बी बी कहां आ रहा है भाई C आ रहा है मेरा तो सी बिल्कुल सही है इनफाइनाइट ट्रायल्स वाला ये क्वेश्चन बन गया अगला वाला बड़ा मजेदार क्वेश्चन है इसको मैं एक शॉर्टकट तरीके से बताऊंगा काफी लोग इसको लॉन्ग तरीके से करते हैं देखो क्या है फेयर डाइस इज टॉस्ड अंटिल अस इज ऑपटेन बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे पिछला दो था इस बार छा है एक्स की वैल्यू थ्री तो ए की वैल्यू तो बड़ी आसान हो गई पहली बार नहीं आया दूसरी बार नहीं आया तीसरी बार में छ आ गया तो ए की वैल्यू ट्वेंटी फाइव अपॉन टू वन सिक्स हो गई करेक्ट करेक्ट और बी कह रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री मतलब तीन या तीन से ज्यादा ट्रायल्स लग जाए तो तीन लगेंगे तो फाइव बाय सिक्स फाइव बाय सिक्स वन बाय सिक्स या चार लग गए फाइव बाय सिक्स क्यूब इन टू वन बाय सिक्स तो ऐसे करके इनफाइनाइट जीपी बना के करते हैं जनरली लोग इस क्वेश्चन को फिर इसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी इनफाइनाइट जीपी की लगाते हैं ठीक है तो जनरली लोग इससे ही करते हैं मैं तुम्हें इसका एक शॉर्टकट बता रहा हूं ठीक है समझ गया ये तो क्या किया है एक्स थ्री मतलब तीसरी बार में आ जाए नंबर ऑफ रोज थ्री लगे खेल में तो नहीं पहले में नहीं आया दूसरे में नहीं आया तीसरे में आ गया फिर तीन में आया चार में आया पांच में आया ये एक तरीका मैंने कर लिया इसका आंसर देखो क्या आ रहा है चलो निकाल देता हूं फाइव बाय सिक्स होल स्क्वायर इंटू वन बाय सिक्स अपॉन वन माइनस फाइव बाय सिक्स ये तो वन बाय सिक्स होता है कट गया ट्वेंटी फाइव बाय थर्टी सिक्स करेक्ट हम्म तो 25 फाइव बाय थर्टी बी की वैल्यू आ गई और सी की वैल्यू भी अब ऐसे ही निकालते हैं एक गिवन बी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अब मैं तुम्हें इसका एक शॉर्टकट बता रहा हूं देखो बी जो है मेरे को इन्फाइनाइट जीपी लगाने की कोई जरूरत नहीं थी सी में उसका ज्यादा मजा आएगा तुम्हें तो देखो बी की वैल्यू मैं क्या कह रहा हूं पहली बार में नहीं आए ध्यान से सुनना दूसरी बार में भी ना आए आगे कुछ मत सोचो बस क्योंकि देखो तुम्हें एक बात पता है कि जब तुम इन्फिनिटी तक ट्रायल्स करते हो कभी ना कभी तो आ ही जाएगा तो तुमने क्या इंश्योर कर लिया कि पहली बार में नहीं आया दूसरी बार में नहीं आया अब आगे कब आया कब नहीं आया कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कभी ना कभी आ जाएगा यानी तुम्हारी एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री हो जाएगी तो बी निकालने का यह तरीका बढ़िया है देखो सीधे बी की वैल्यू ट्वेंटी फाइव बाई थर्टी सिक्स आ गई जो मेरी यहां भी आई थी समझे क्या किया कि ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री चाहिए तो तुम्हें पता है इंफिनिटी तक तो कभी ना कभी आ ही जाएगा हाइपोथेटिकली स्पीकिंग बट फर्स्ट सेकेंड में अगर नहीं आया तो तीसरी में आएगा चौथी में पांचवी छठी कभी भी आ जाएगा इंश्योर हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री सी का अब इसी ट्रिक से करता हूं देखो सी का इसी ट्रिक से करता हूं कि गिवन तो एक्स ग्रेटर मतलब ये तो बताई दिया कि पहली तीन बार में तो नहीं आया अब तुम चाहते हो कि से बड़ा हो जाए मतलब चौथी और पांचवी बार में ना आए भाई उसने गिवन का मतलब क्या है ये तो पता है हमें कि तीन ट्रायल में तो नहीं आया तो चौथे और पांचवे में ना आए तो फाइव बाई सिक्स इंटू फाइव बाई सिक्स कर देता हूं ये चौथे ट्रायल के लिए और यह पांचवे ट्रायल के लिए और फिर अब आगे जब मर्जी आता रहे छे की वैल्यू छे या छह से बड़ी वैल्यू इंश्योर हो जाएगी इसका डायरेक्ट आंसर ट्वेंटी अगर इसको भी जीपी से करोगे यही मिलेगा लंबा हो जाएगा वो method, right? बस पूछा है पचास बाय छत्तीस अपॉन पच्चीस बाय दो सो सोलह छत्तीस गया पचास दो इंटू छ बारह हो गया भाई बारह हो गया आंसर तो इस शॉर्टकट से करोगे तो जल्दी आंसर इसका निकलेगा इनफाइनाइट जीपीज बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको चलो अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन हम्म। ऑन कंटेन सिक्स व्हाइट एंड नाइन ब्लैक बॉल्स ये व्हाइट है ब्लैक हैं टू सक्सेसिव ड्रॉज ऑफ फोर बॉल्स चार बॉल्स निकाली दो बार पहले एक बार निकाली फिर दो बार दूसरी बार चार बॉल्स निकाली विदाउट रिप्लेसमेंट ये मजेदार बात है कि बॉल में रिप्लेस नहीं करी यानी कि चार निकाली फिर रख दी फिर निकाली नहीं पहले चार निकाल ली फिर बची हुई में से भी चार निकाल ली फर्स्ट ड्रॉ इज ऑल व्हाइट एंड सेकेंड ड्रॉ इज ऑल ब्लैक तो ठीक है सिक्स सी फोर पहले में और नौ छे पंद्रह सी फोर टोटल इन टू सेकेंड ऑल ब्लैक अब क्या है अब अगर चार ब्लैक नि, वाइट निकल गई होंगी तो टू वाइट और नाइन ब्लैक बची होंगी तो नाइन सी फोर और इलेवन सी फोर आ जाएगी नीचे बस इसको कैलकुलेट कर लेना यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है इसलिए यहां बची ग्यारह बॉल इलेवन सी फोर हो गया नीचे भी चेंज हो गया क्लियर आई होप ये बात क्लियर है भाई चलिए अगला देखते हैं अगला देखते हैं देखो क्या है इंटीजर एक्स एंड वाई चोजन विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम सेट जीरो से टेन प्रोबेबिलिटी दैट एक्स माइनस वाई तो टोटल सैंपल स्पेस में तो आ जाएगी देखो 0 से 10 11 इंटीजर है 11 11 121 क्योंकि विद रिप्लेसमेंट मतलब सेम इंटीजर भी ले सकते हो बट तुम्हारे को फेवरेबल में चाहिए फेवरेबल में चाहिए mod x y 5 मतलब उनका डिफरेंस जो है पांच से बड़ा होना चाहिए पांच भी अलाउड नहीं है पांच से बड़ा केस ले लेता हूं भाई x को अगर 0 ले लूंगा तो y 6 7 8 9 10 होगा जानते हो ना। ऐसे कब तक गिनोगे अभी देख मजा आएगा x जब वन लूंगा तो अब देख वन से शुरू हो रहा है तो छ की जगह वो सात से शुरू हो जाएगा कितने नंबर आ गए नंबर गिनने हमने तो ये हो गए पांच जीरो के साथ पांच पेयर वन के साथ चार पेयर ऐसे ही जब एक्स टू लोगे अब तुम समझ गए y आठ से दस हो जाएगा तीन जब x थ्री लोगे तो दो आएंगे नौ एंड दस जब x चार लोगे सिर्फ एक वैल्यू आएगी x की वैल्यू दस अब जब x5 ले लोगे भाई साहब तो x5 के लिए अब कुछ नहीं आएगा सोचो क्योंकि अगर x5 ले लिया y को 10 भी ले लिया तो डिफरेंस पांच ही रहेगा और इधर से भी अगर पांच है पांच का डिफरेंस इससे भी पांच है और इस जीरो से भी पांच है पांच से ज्यादा डिफरेंस नहीं आ सकता अगर एक नंबर मैंने पांच ले लिया तो दूसरा नंबर कुछ नहीं ले सकता अब x अगर छे ले लूंगा तो अब देख आगे से तो डिफरेंस कम हो गया बट पीछे से बढ़ जाएगा y को जीरो या वन ले सकता हूं सोचो अगर एक्स को नहीं वन नहीं ले सकता क्योंकि फिर ये वन टू थ्री कहानी उल्टी शुरू हो जाएगी अगले में चार और अगले में पांच आ जाएगा और एक्स को 10 से आगे तो ले ही नहीं सकता तो बेसिकली फाइव फोर थ्री टू वन जीरो फिर वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे केसेस तुम्हारे बनते जाएंगे पहले फाइव फोर थ्री टू वन फिर वन टू थ्री फोर फाइव यानी कि फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे डबल ऑफ फाइव फोर थ्री टू वन पंद्रह तीस तीस हो गए फेवरेबल और टोटल थे एक सौ इक्कीस तो प्रॉबिलिटी आ गई तीस अपॉन एक सौ इक्कीस ए ऑप्शन ए ऑप्शन बन गई बेटा प्रोबेबिलिटी करेक्ट तो प्रोबेबिलिटी के इस साल क्वेश्चन उतने मुश्किल नहीं आए हैं आपको ये बात समझनी है चलो एक बेस थ्योरम का भी करा देते हैं बैग ए कंटेन्स थ्री वाइट सेवन रेड बॉल्स थ्री वाइट सेवन रेड टू वाइट सॉरी थ्री वाइट टू रेड ये बी है और ये ए है एक बैग सेलेक्ट किया बॉल इज ड्रॉन प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉइंग द बॉल फ्रॉम बैग ए इफ द बॉल ड्रॉन इज वाइट तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट वाइट कैसे आएगी कि ये वाला बैग सेलेक्ट हुआ इन टू थ्री बाय टेन प्लस ये वाला बैग सेलेक्ट हुआ हाफ इंटू थ्री बाय फाइव सही है ना भाई सही है ना

ऐसे करना एग्जाम में भी बेस थ्योरम के क्वेश्चन तो भाई छोड़ने लायक है ही नहीं आपको करने ही करने हैं चलिए एक वेरिएंस वाला भी करवा देता हूँ मीन एंड वेरिएंस का काफ़ी लोगों को लगता है सर हट गया है सिलेबस से नहीं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हटाया है वो भी कहने के लिए उसके भी सवाल दे सकता है ये बट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हटाया है क्या मतलब है सर देख रैंडम वेरिएबल एनसीआर टी के क्वेश्चन so, है और फिफ्टीन गुड एप्पल्स हैं और निकाले कितने हैं नंबर ऑफ रॉटन एप्पल ड्रॉप टू टू एप्पल्स निकाले गए हैं तो एक्सआई की वैल्यू जीरो वन और टू ही हो सकती है दो ही तो खराब आ सकते हैं भाई दो से ज्यादा खराब थोड़ी आ जाएंगे चलिए तो पी एक्स आई लिख लेता हूं यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई तो जीरो रॉटर्न आ जाए मतलब सारे के सारे बढ़िया एप्पल आए दो तो सेलेक्ट करने हैं तो एक्स जीरो तो वाली प्रोबेबिलिटी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी फिफ्टीन सी टू अपॉन एटीन सी टू एक्स वन मतलब एक खराब फिफ्टीन सी वन थ्री सी वन अपॉन एटीन सी टू एक्स टू वाली प्रोबेबिलिटी फिफ्टीन सी जीरो थ्री सी टू अपॉन एटीन सी टू लिखा है ना भाई देख लो नंबर ऑफ रॉटन एग्स की हमने प्रोबेबिलिटी निकाल ली ये क्या हो गया फिफ्टीन सेवनजा एक सौ पांच एटीन सी टू कितना होता है भाई एटीन इंटू सेवनटीन बाई टू सेवनटीन नाइन जा वन फिफ्टी थ्री तो 153 ये हो जाएगा 153 थ्री फोर्टी फाइव अपॉन वन हो जाएगा 3 अपॉन वन फिफ्टी डिस्ट्रीब्यूशन यहां चिपका दो तो ये आ गई पी एक्स आई ठीक है ये ध्यान रखना मेथड स्टैटिस्टिक्स वाला मेथड है फिर हमें एक्स आई पी एक्स आई निकालना होता है फिर एक्स आई स्क्वायर पी एक्स आई निकालना होता है तो एक्स आई पी एक्स आई मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई जीरो फोर्टी फाइव सिक्स अपॉन वन फिफ्टी थ्री स्क्वायर में फिर जीरो फिर ये मल्टीप्लाई फोर्टी फाइव अपॉन वन फिफ्टी थ्री ट्वेल्व अपॉन वन फिफ्टी थ्री बेसिकली इसको और इसको मल्टीप्लाई राइट right? बस अब तो मीन निकालते हैं इन सबका सम हो जाता है मीन so, मीन म्यू होता है फोर्टी फाइव प्लस सिक्स फिफ्टी वन अपॉन वन फिफ्टी थ्री जो कि दिख रहा है 1 by 3 हो गया भाई मीन, मीन वैल्यू आई है फोर्टी फाइव और ट्वेल्व फिफ्टी सेवन अपॉन वन फिफ्टी थ्री वेरियंस का जो फॉर्मूला होता है वेरियंस ऑफ एक्स होता है सिग्मा एक्स आई स्क्वेर टी एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वन अपॉन वन फिफ्टी थ्री माइनस वन बाय नाइन हो जाएगा भाई कैलकुलेट कर लो बस तीन का होल स्क्वायर वन बाय थ्री का होल स्क्वायर वन बाय नाइन माइनस कर दिया देख लो भाई एलसीएम ले लो जरा वन फिफ्टी थ्री ही आ गया नौ गया सेवेंटीन फोर्टी अपॉन वन फिफ्टी थ्री आ रहा है वेरिएंस फॉर्टी अपॉन वन फिफ्टी थ्री डी ऑप्शन आ गया भाई डी ऑप्शन आ गया है रॉन्ग सर <laughs> अरे भाई क्या तू रॉन्ग भाई कर रहा है यार मैच कर गया आंसर बाय द वे तेरी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं चलो भाई आखिरी सवाल आखिरी सवाल 140 पेज भर गए हैं काफी लंबी क्लास हुई आज बट टाइम तुम कहोगे सर टाइम तो इतना लग नहीं रहा कि 140 क्वेश्चंस कर लिए क्योंकि बेटा यही में इनके सवाल है ना जल्दी जल्दी होते हैं ये और प्लस मेरे को इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देनी थी क्वेश्चन करे ही तो हैं हार्डली पांच पांच मिनट भी अगर लगा ले एवरेज थोड़ी बहुत थ्योरी समझाई इसलिए सर नींद नहीं आ रही आपको अरे यार इतनी तेज तेज बोलेंगे क्लास में इतनी सारी लाइट्स में खड़े हो नींद आ सकती है बता <laughs> चलो अब इधर जल्दी से इस क्वेश्चन को देखते हैं कॉइन इज बेस्ड बेस्ड है बाइस्ड भाई बाइस्ड पी आई ए आई गायब हो गया है समझा ना बाइस्ड का मतलब है। मतलब हेड के आने की प्रोबेबिलिटी डबल है तो टू बाई थ्री हो गई और टेल के आने की वन बाई थ्री वैसे तो हाफ ऑफ होती है में, में में। ऐसा है। इस वाले इसको ऑर्डर करते जाओ बेटा तुम्हें पता है ये सब कहानी तो तुमने बहुत करी है बचपन में टी एच टी टू तो टेल और एक हेड इस तरह से आ सकते हैं तो टेल मतलब वन बाय थ्री का स्क्वायर इंटू टू बाई थ्री हर बार आएगा तो इन टू थ्री कर डालो वन बाई नाइन इन टू टू हो गया यानी टू बाई नाइन क्वेश्चन ही समाप्त हो गया बेटा तो ज्यादा इजी क्वेश्चन नहीं पूछ लिया इस बार जेई ने प्रोबेबिलिटी के स्पेशली गलती बस यहां ये कर लेते हैं लोग बस इतना निकाल देते हैं पहला वाला टू बाय ट्वेंटी सेवन अबे तो ये कौन देखेगा तीन बार उछाले गए ऑर्डर भी तो आ सकता है कुछ भी अगर मैं तुझसे बोलूं तीन बार उछाला दो हेड एक टेलो तो बस टीटीएच देखेगा एच टी टी टीएच टी तीनों ही देखने पड़ेंगे ना हमें ऑर्डर भी देखना पड़ेगा चलिए तो ये हो गया है हमारा प्रॉबिलिटी भी खत्म इसी के साथ लेक्चर हो गया है समाप्त लास्ट के दो तीन लेक्चर चैप्टर्स देख छोटे छोटे ही थे इसलिए जल्दी भी हो गए हमारे वेक्टर थ्री डी में थोड़े क्वेश्चंस मैंने तुम्हें पूरे पूरे नहीं कराए हैं तो जो मैंने तुम्हें क्वेश्चंस हिंट्स दिए हैं उनको कर जरूर लेना राइट वेक्टर थ्री में क्योंकि वो सारे क्वेश्चन मैंने मंजिल में पूरे पूरे करे हुए हैं वही सारे तो इसीलिए मैंने तुम्हें हिंट्स दे दिए अगर तुम कहीं फंसो तो मंजिल वाले वन शॉट में उसके पूरा सोल्यूशन आप देख लीजिएगा आपको बट करने जरूर हैं वो राइट right? चलिए तो अब जाने का जो टाइम आ रहा है इससे पहले कुछ दो चार इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं क्योंकि अब मंजिल की तो क्लासेस हो गई हैं महा रिवीजन भी अब आपका ख़त्म ही हो गया है लास्ट लेक्चर है आज एक तरह से काफ़ी बढ़िया रही है जर्नी स्टार्ट किया था मैंने ही फर्स्ट लेक्चर मंजिल का जब हुआ था आज से आई थिंक चार महीने पहले नवंबर में कहीं हुआ था क्वाड्रेटिक इक्वेशन कराया था आप में से बहुत सारे लोग उस समय जुड़े थे बट बहुत सारे लोग बीच में ही कहीं ना कहीं हार मान गए बट कुछ लोग डेफिनेटली पहले दिन से जुड़े हुए हैं और सभी को सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेन्स बेटा जो बच्चे शुरू से टिके हुए हैं बहुत मुश्किल होता है देखो इतने कम समय में इतनी क्लासेस करना और इतना कुछ करना बट अगर आपने किया है तो वो अपने आप में एक अचीवमेंट है रिजल्ट आए ना आए डे दैट इज़ सेपरेट बट तुमने इतनी मेहनत करी है खुद से अपने आप को जो वादा किया उसको कंप्लीट किया बहुत बढ़िया है बेटा दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी रेयर बहुत सारे बच्चे बहुत सारे लोग इनफैक्ट सीनियर एडल्ट भी नहीं कर पाते हैं इतनी मेहनत बट तुम लोगों ने करी विच इज़ वेरी गुड ऐसे ही मेहनत करते रहो लाइफ में और अब देखो जेई का पेपर है पहले तो एक दो बातें कर लेते हैं अब काफी सारे बच्चे इस समय बहुत स्ट्रेस्ड होंगे कि सर लास्ट के अब जैसे कि जिस का कल है वो तो ठीक है जिनका कल है वो तो आ ही गया उनका बट जिनका परसों है उसके अगले दिन है आगे है तो एक स्ट्रेस सा बनना रहता है कि क्या करें अब सर इन लास्ट के दो तीन दिनों में कुछ नया चैप्टर भी लेके नहीं बैठ सकते करूँ तो करूं क्या अब खाली भी नहीं बैठ सकता है ना तो बहुत सारे लोग अब इस टाइम पे क्या कर लेते हैं टू मच ऑफ थ्योरी कर लेते हैं मतलब सिर्फ नोट्स ही नोट्स नोट्स ही नोट्स रिवाइज कर रहे हैं वो तो करने ही है नोट्स तो करने ही है बट इसका ये मतलब नहीं है कि प्रॉब्लम प्रैक्टिस ना करो क्योंकि बेटा अगर लास्ट के दो तीन दिनों में प्रॉब्लम की प्रैक्टिस की हैबिट छूट गई जई में एकदम से कैसे करेगा ये गलती मैंने भी करी थी एक बार कि भाई जई आने से पहले अपना नोट्स ही नोट्स पढ़े जा रहे हैं दो तीन फिर एकदम से वहाँ जाके तो सवाल करने हैं तो हैबिट ही नहीं है तो वो गड़बड़ मत करना डेली के एटलीस्ट बीस पच्चीस क्वेश्चन पर सब्जेक्ट करते रहो और बेस्ट है कि प्रैक्टिस पेपर फॉर्म में दो उसको मॉक पेपर फॉर्म में दो ताकि आप उतने घंटे बैठें और आप पेपर भी दे पाएं और साथ में क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो टेस्ट एनालिसिस टेस्ट एनालिसिस ये तो करनी ही है जितने भी दिन है आपको डेली एक तीन घंटे का पेपर दीजिए घर पे बैठ के मॉक पेपर दे दीजिए कहीं पे आपका पीडब्ल्यू हो रहा है तो वो कर लीजिए बट घर पे बैठ के मॉक पेपर जरूर दीजिए इसके अलावा जो भी डिस्कशंस होंगे आपके जेई मेन के डिस्कशंस होंगे अभी जेई वाला चैनल पर आएंगे सारे कल के शिफ्ट के परसों के शिफ्ट के रोज डिस्कशन होंगे अब बहुत बच्चे क्या करते हैं अरे सर मैं नहीं देख रहा टेंशन हो जाएगी क्वेश्चन नहीं हुए तो एज उल्टा थॉट होना चाहिए कि यार नहीं हुए तो हमें तो प्रॉब्लम फेस करनी है ना प्रॉब्लम को दूर भागना इज़ नॉट द सोल्यूशन आपको उसे करना है डिस्कशन देखने हैं प्रॉब्लम अटेम्प्ट करने हैं खुद से करने हैं क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन दोबारा से फिर आएंगे जेई में पिछले चार पाँच सालों से जब से मल्टीपल डेज में जेई कंडक्ट होने लगा है तब से क्वेश्चन रिपीट होते हैं आज जो आया दो दिन बाद वैसा ही सा बिल्कुल मिल जाएगा तो तुम्हें वो सारे डिस्कशन बेटा जरूर देखने हैं ठीक है और इसके साथ अपना रिलैक्स करो सो प्रॉपर खाओ पियो मस्त रहो एंजॉय करो जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ मत जिए लास्ट के दो तीन दिन में ये नहीं सो नहीं रहे हैं चार चार पाँच पांच घंटे सो तो रहे हैं बस क्योंकि मुझे बाकी टाइम पढ़ना है बेटा दो ढाई साल दो, एक साल अगर पढ़ाई नहीं करी तो अब लास्ट के दो दिन में भी तू तो कुछ नहीं उखाड़ लेगा इससे बेटर है तमीज से प्रॉपर तरीके से रेस्ट करके जाओ ताकि उस दिन फ्रेश रहो एग्ज़ाम में एग्ज़ाम जिस टाइम है अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट कर लीजिए उस टाइम पर पढ़ने बैठ जाया करिए ये नहीं कि सुबह नौ बजे का शिफ्ट मिला है और मैं तो आजकल उठता ही नौ बजे हूँ तो भाई जिस दिन यही देगा उस दिन तो तुझे छः बजे उठना पड़ेगा फिर तेरे को क्या होगा नौ बजे से कैसे परफॉर्म करेगा पेपर में तो इसलिए बेटर है जो, अगर जो भी आपका शिफ्ट का टाइमिंग है उस टाइम में तीन घंटे डॉट पढ़ने बैठ जाया करिए तो बहुत फर्क पड़ता है ठीक है जी और एग्जाम में बिल्कुल रिलैक्स होकर पेपर देना है ये नहीं सोचना है कि यार हमसे नहीं हो रहा टफ आया है कैसे करूँगा बाकी लोग कर रहे होंगे नेगेटिविटी नहीं जितना तुम्हें आता है बिल्कुल रिलैक्स होकर जैसे नॉर्मल घर में पढ़ाई करते हो जैसे घर में पेपर देते हो उसी तरह से जेई में जाके दे दो चाहे दस क्वेश्चन हो रहे हो पाँच हो रहे हो पंद्रह हो रहे हो डजेंट मैटर तुम्हें अपनी जो एफिशिएंसी है अपनी जो मेहनत है उस हिसाब से मैक्सिमम क्वेश्चंस वहाँ पे कर देने हैं वो तभी पॉसिबल है बेटा जब पेपर को रिलैक्स करके दोगे जल्दबाजी मचाओगे नेगेटिव थॉट्स लेकर आओगे नहीं हुआ तो ये क्वेश्चन रहेगा दिमाग में तो फिर तो खराब ही होना है पेपर ठीक है और जिनकी तैयारी अच्छी है उनको देख थोड़ा बहुत स्ट्रेस होगा बट रिलैक्स कोशिश करो अपने आप को एक हैबिट डालो या बोलो अपने आप को कॉन्शियसली इस बात को रिमाइंड कराओ कि भाई स्ट्रेस नहीं लेना है रिलैक्स होकर देना है पेपर और जिनकी तैयारी नहीं है तुम तो भाई वैसे ही स्ट्रेस मत लो तुम देख लेना तुम्हें ड्रॉप लेना है अगले साल और उस साल भी अगर तभी ड्रॉप लें अगर पढ़ाई ढंग से करनी है तैयारी है तो रिलैक्स करिए अच्छा ही होगा पेपर और तैयारी नहीं है तो वैसे ही रिलैक्स कर यार खराब ही होना है तेरे को पता ही है ठीक है तो ये कुछ दो चार बातें हो गई बाकी देखो पेपर कई बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी तैयारी अच्छी हो बट पेपर ख़राब हो जाए तो आप लोगों को भी बेटा निराश नहीं होना है कभी कभी किस्मत का भी खेल है देखो जेई का या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम मैं ये नहीं बोलूंगा सिर्फ मेहनत है मेहनत तो है ही मेहनत के बिना तो नहीं हो सकता बट मेहनत के साथ थोड़ी बहुत लक फैक्टर भी चाहिए कि उस दिन आपका कैसा दिन जा रहा है कौन सा शिफ्ट मिला है वो लक फैक्टर हो सकता है आपके साथ ना हो होते तुम खराब नहीं बन जाओगे यार एक दिन पेपर तुम्हारी लाइफ डिफाइन नहीं कर सकता मेहनत अगर तुमने करी है फिर भी अगर सिलेक्शन नहीं भी हो पाए तो थोड़ा बुरा ज़रूर लगेगा बट निराश मत होइए लाइफ में कुछ ना कुछ और बेहतर तुम्हारे लिए लिखा होगा इसीलिए कभी भी शक नहीं कर रहा है कि भाई हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ हमारा पेपर क्यों खराब हो गया कोई दिक्कत नहीं इंपॉर्टेंट चीज़ ये नहीं है पेपर आज ख़राब हुआ लाइफ में कहीं ना कहीं तो सक्सेसफुल बनी जाएगा बेटा कितने पेपर ख़राब होंगे लाइफ के तेरे आज जय ही बेन खराब हो जाएगा बट कल को ये करें मेहनत करेगा तो फिर से करेगा फिर कहीं ना कहीं तो सक्सेसफुल होगा ना मेहनत करनी नहीं छोड़नी है बस एफर्ट मारते रहना है लाइफ में हर समय कहीं ना कहीं सक्सेसफुल जरूर हो लव यू सर लव यू टू बेटा लव यू टू बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों के साथ जुड़ के एंड मंजिल सीरीज में एक्चुअली मैंने काफ़ी क्लासेज ली हैं इस बार आपने देखा मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है क्योंकि होता क्या है बेटा पेड बैचेस जो होते हैं लक्ष्य अर्जुना उसमें तो काफ़ी बच्चे इनरोल होते हैं ऑल दो वहाँ भी फीस बहुत कम है बट काफ़ी सारे बच्चे उसमें भी इनरोल करते हैं बट हो सकता है मुझे ऐसा लगता है काफ़ी बच्चे हमारे देश में ऐसे भी हों जिनके लिए वो फीस भी ज़्यादा है चार पाँच हज़ार भी बहुत ज़्यादा हो हो सकता है ऐसे भी लोगों बट इस बैच के थ्रू एटलीस्ट हम उन सब बच्चों तक पहुँच पाए हैं उन तो सब ने अगर कुछ भी सीख लिया यार थोड़ा बहुत भी सीख लिया ज़्यादा सेटिस्फाइंग फुलफिलिंग चीज़ मेरे लिए तो नहीं है इसलिए मैंने इतनी सारी क्लासेस ली और ट्रस्ट में अपना बेस्ट कंटेंट दिया है ऐसा नहीं है कि कुछ तुम्हें मैंने कम कराया है बैचेज में जो चीज़ें कराता हूँ सारी चीज़ें तुम्हें मंजिल में भी कराई हैं वन शॉट में भी कराई हैं डिवीजन में भी कराई हैं ठीक है तो होपफुली आप लोगों को मज़ा आया इन सबके साथ और फाइनली अब जाने का समय आ गया है बच्चों जेई एडवांस फोड़ूंगा हाँ बिल्कुल जेई एडवांस की भी अभी तो रह गई हैं बातें जेई एडवांस से रिलेटेड भी बातें करेंगे वरुण एडवांस बैच चल रहा है अपना वहाँ पे मैं क्लासेस ले रहा हूँ आप लोग जब जेई मेंस से थ्रू हो जाए वरुण एडवांस में आ सकते हैं वहाँ पे फिर अलग लेवल की पढ़ाई होगी ठीक है यूट्यूब पे तो देख क्या होता है थोड़ा सा हर तरह के बच्चे होते हैं बेसिक से लेके चलना पड़ता है बट उस बैच में प्रॉपर एडवांस लेवल की सिर्फ और सिर्फ एडवांस लेवल की तैयारी होगी चलिए अब तो फाइनली जाने का टाइम आ गया है काफ़ी बच्चे काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं बहुत 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 प्यार मिला बेटा आप लोगों से और उसके लिए दिल से थैंक यू बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों के साथ और होपफुली अब जो हमने मेहनत इतनी करी है जो आप लोगों ने इतनी मेहनत करी है मोर इंपॉर्टेंटली उसका कुछ ना कुछ बढ़िया फल मिलेगा बढ़िया रिजल्ट आएगा आप लोगों का ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं और सभी बच्चों के साथ ऑल द बेस्ट विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट ये फोड़ना है मींस भी एडवांस्ड भी और अभी अगर मीन्स अच्छा हो खराब हो जो भी हो ये मत सोचना कि बस मेरा यही लास्ट मंजिल थी बेटा थर्ड स्टेप अभी फाइनल स्टेप बाकी है एडवांस्ड सर मैं तो एडवांस्ड के लायक ही नहीं हूं ऐसा तुझे लगता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका अभी नहीं पता उन्हें एडवांस होने वाला है बट उनका होगा तो इसीलिए गिव अप मत करना अभी भी डेढ़ महीना है हो सकता है स्टार्टिंग से लेके अभी तक तुम्हें लगता हो कि तुम्हारे एडवांस के चांसेस नहीं है बट लास्ट के एक डेढ़ महीने में कहानी पूरी पलट सकती है एडवांस के लिए भी तैयारी करते रहिएगा जिनका मेन्स ठीक ठाक हो जाए ये मत सोचिएगा मेन्स तो हो गया ठीक ठाक मिल जाएगा अब क्यों पढ़ू अब चिल करता हूँ दो महीने ऐश करूंगा श करने के लिए बेटा पूरी जिंदगी पड़ी है एक बार और डेढ़ महीना फुल एनर्जी है थैंक यू सर लव यू सर लव यू टू बेटा लव यू टू बहुत 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 धन्यवाद आप सभी बच्चों को बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ इस सेशन 2024 के बच्चे जो तो आप सब लोग हैं बहुत बढ़िया आप ऑल दो मैंने आपको रेगुलर बैचेस में नहीं पढ़ाया मोस्टली आई थिंक लक्ष्य के एक बैच में लिया था मैंने बट काफी प्यार दिया बच्चों ने स्पेशली प्रयास वाले बच्चों ने क्योंकि उनको तो मैंने पढ़ाया भी नहीं था और काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों के साथ जुड़ के इसी तरह से बस बेटा लाइफ में मेहनत करते रहो और बिल्कुल रिलैक्स होकर पेपर देना है ये नहीं सोचना है कि मेरे से नहीं होगा पॉजिटिव सोच के साथ जाओ जो तो सोच के साथ जाओगे वही होगा एग्जाम में सोच के जाना कि अगर तुमसे चार ही हो रहे हैं पाँच ही हो रहे हैं दस ही हो रहे हैं कोई बात नहीं यार बाकी टफ होंगे इसलिए नहीं हो रहे बाकीय से भी नहीं हो रहे होंगे तुमसे नहीं हो रहे तो बाकीियों से भी तो नहीं हो रहे होंगे रिलेटिव स्कोर करना है ठीक है तो कभी घबराना नहीं है कोई क्वेश्चन नहीं हो रहे बिल्कुल भी डरना नहीं है चलिए तो अब फाइनली फाइनली जाएंगे बेटा जाने का टाइम हो गया है होपफुली आप लोगों ने एंजॉय किया आज का सेशन मिलते हैं अब हम लोग अगली बार यूट्यूब पे कभी किसी क्लास में मिलेंगे टिल देन टेक केयर गुड बाय लव यू ऑल एंड हमेशा खुश रहिए इंजॉय करते रहिए लाइफ को पढ़ते रहिए साथ साथ एंजॉय भी करते रहिए चलिए सो बाय एवरी वन यू टेक केयर